साथियों मैं हूं अनुराग मिश्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक काफ्रेस स्वागत है हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है जी एस वीडियो सीरीज के बारे में जिसका मैंने पूरा नाम रखा है एंड गेम जी एस वीडियो सीरीज के बारे में ठीक है तो इसके तहत हम लोग जो बात करेंगे वो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें किसी सब्जेक्ट को उठाऊंगा और उस सब्जेक्ट का क्या कर दूंगा मैं एंड कर दूंगा यानी शुरुआत भी उसी वीडियो में करूंगा और आखिर तक उसी वीडियो के मैं एंड तक पहुंचा दूंगा ठीक है और उस वीडियो को देखने के बाद यानी मान लीजिए ज्योग्राफी का मैंने वीडियो आप लोगों को दिया है तो ज्योग्राफी का जब आप वीडियो देखेंगे और उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो उससे संबंधित जिससे यानी कि उस सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आसानी से आप हल कर सकते हैं समझ आ गया तो इसी तरह से मैं आप लोगों को तीन वीडियो दे चुका हूं इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन पॉलिटी का और इंडियन हिस्ट्री का यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं लाइक करते हैं और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करते हैं यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का मतलब ये कि जब मैं वीडियो डालता हूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन चला जाएगा आप लोगों के लिए मैं जब वीडियो डालता हूँ नोटिफिकेशन चला जाएगा मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये माल जो बना रहा हूँ वो पहुँचा सकूँ इससे क्या रहेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो चलिए इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे वो जो वीडियो है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको हम भारतीय भाषा में कहते हैं विश्व का भूगोल ठीक है अंग्रेजों की भाषा में हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं और भारतीय भाषा में विश्व का भूगोल कहते हैं और ये विश्व का भूगोल का जो वीडियो है उसको हम कहते हैं ग्रांड फादर ऑफ ऑल वीडियो यानी कि ये पापा न होकर वीडियो क्या है दादाजी है यानी कि आप जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो देखेंगे उन सभी ज्योग्राफी के वीडियो में ये क्या होगा उनका दादाजी होगा कैसे होगा वो जब आप देख लेंगे उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से क्योंकि इसमें जो चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ वो शायद आपको न किसी बुक में मिल पाएगी और ना ही क्योंकि मैंने ये किसी एक जगह से नहीं बनाया है मैंने विकी पीडिया से नोट्स बनाए हैं आपका जितनी भी बुक्स थी उसमें से मैन मैन की खतरनाक वाली उनसे तीन चार जो कोचिंग सेंटर में कभी पढ़ा करता था दो जन्म पहले जब पढ़ा करता था उनके नोट्स से मैंने मिला मिला मिलू एक निचोड़ बनाया जिसमें आपका प्री और मेन्स में यदि आप लिखना चाहते हैं मतलब ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेन्स में यदि आप लिखना चाहते हैं थोड़ी बहुत थ्योरी तो आप उसमें से आसानी से लिख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बनाया है और इस तरह से मैंने पी बनाई है कि आप उसको जब इसे देखने के बाद उस पी को पढ़ेंगे तो एक एक शब्द आपको समझ में आएगा और इन वीडियो और इस पी को देखने के बाद यदि किसी बुक को जब आप पढ़ते हैं तो आपको सही और गलत का पता चलता रहेगा और आपको जो बुक पढ़ने का जो मजा होगा वो तीन से चार गुना बढ़ जाएगा आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि चीज़ें जो होंगी हमारी समझी हुई होती हैं तब तो हमें उनको पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति से हॉलीवुड की मूवी के बारे में बात यदि हम करें तो ये कहते हैं कि भाई साहब आप वो मूवी देखा करें हॉलीवुड की तो वो कह गायद थी हमें जब वो कैरेक्टर ही नहीं समझ में आते हैं क्यों उन्हें वो कैरेक्टर समझ में नहीं आते हैं क्यों उन्होंने कभी देखे नहीं है हॉलीवुड में हम देखते आए हमेशा से जब मैं छोटा था तो जब हॉलीवुड की मूवी जब देखा करता है आज से करीब बीस साल पहले की बात यदि मत करूँ तब मैं जब हॉलीवुड की मूवी देखा करता तो अच्छी नहीं लगती थी कुछ गुनी चुनी ही मूवी अच्छी लगती थी जैसे कि स्पाइडरमैन की हो गई बैटमैन की हो गई सुपरमैन की हो गई क्योंकि इन्हें हम बहुत पहले से जानते थे अब बैटमैन कैरेक्टर भले किसी में डाल दिया हम बैटमैन से जानेंगे वो उसमें चेंज नहीं उसी तरह से क्या होता है कि जितने हम अब क्या है अगर हम मैं कोई हॉलीवुड मूवी देखता हूँ तो नाइनटी जो उसमें कैरेक्टर होंगे परसेंट जितने भी कैरेक्टर होंगे उनमें से मेरी शक्ल देखी होगी क्योंकि मैं उस समय से देखता रहा हूँ बीस साल हो गए मुझे देखते हुए तो उस समय से आज तक की बात कर रहा हूं उसी तरह से क्या है कि जब कोई सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं शुरू से एंड तक और उससे अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके जो भी शब्द हैं उसमें लिखे हुए जो उसमें चीजें हैं वो हम बुक में जब हम पढ़ेंगे तो बस भाषा हल्की पूरी चेंज कर दी होगी भाषा हल्की पूरी चेंज कर दी होगी जलवायु हमेशा वही रहेगी जो आप इस बुक में पढ़ लेंगे बस थोड़ी बहुत भाषा चेंज कर दी जाती है थोड़ा तरीका बदल दिया जाता है और लेकिन आपने समझ लिया आप अपने तरीके में उसको क्या कर देंगे तोड़ मड़ोड़ के आप उसको अपने तरीके से समझ लेंगे समझ आ गया तो आप कितनी भी तरह की बुक पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगी चाहे वो कोई सी प्रकाशन की बुक हो लेकिन अगर बुक की बात करें कि इस दुनिया में और ब्रह्मांड में सबसे अच्छी बुक कौन सी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आज तक जितनी भी बुक मैंने पढ़ी है जोग्रफ़ी के लिए एक ही बुक अच्छी है वो है आपकी खुल्लर की बुक आती है सरस्वती प्रकाशन की एलैंथ और ट्वेल्थ की दो बुक आती हैं और उसको आप पढ़ लेंगे तो जाइए इस जो, जो जोग्रफी होता है उससे डर लगना आपको बंद हो जाएगा ठीक है शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कह देता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले आपको रुपए खर्च करने पड़ेंगे करीब करीब मैं बता दूं आपको रुपए खर्च करने पड़ेंगे करीब करीब दो से 300 के बीच में यानी कि 200 से लेकर तीन सौ बीस रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं क्यों करने पड़ सकते हैं आपको मैं एक चीज बता देता हूँ खास जो कि राम है वो भी ये मैं दिखा देता हूँ मैं मैं वैसे अलग से इसको बताता ये एक बुक है इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ठीक है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस अंग्रेजी भाषा में भी आता है हिंदी में भी आता है ये जो मैप है आप इसको जाके खरीद लें ठीक है और इसे देखना शुरू करें जब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तब वही पेज खोल लें जो मैंने जो चीज में पढ़ा रहा हूँ जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो आप वही पेज खोल लें जो मैं इसमें समझा रहा हूं जाइए दस दिन के अंदर आपका ज्योग्राफी का जो भी मैप से डर लगता है और इस तरह समझ में आने लगी जैसे आप शरबत और चाय पीते हैं शरबत और चाय में जो आनंद आता है उसी तरह से इसमें भी आनंद आने लगेगा आपको डर आपका बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा ठीक है मेरे पास तो वैसे दो रखी हैं आपकी ऑक्सफोर्ड ये वाला 2017 वाला है ये आठवां है संस्करण और ये है भारत का ये वाला ये दसवां जन में है तो इस तरह से मैं हर साल नई ले लेता ले हूँ जो भी नया आता है उसमें तो इस तरह से ठीक है तो आप इसको ले लें यानी कि ऑक्सफोर्ड एटलस आता है स्टूडेंट का ठीक है चलिए तो समझते हैं शुरुआत करते हैं विश्व के भूगोल के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसमें जो पढ़ाऊंगा मैं वर्ल्ड ब्रह्मांड से शुरू करूंगा यानी कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्रह्मांड में डुबकी लगाऊंगा और जाकर कहीं जाकर मैं निकालूंगा पृथ्वी के ऊपर तो कहां से शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड से शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे आकाश गंगाए तारे सूर, सूर्य सौरमंडल सौरमंडल की संरचना सूर, सूर्य सूर्य की संरचना सौरमंडल के पिंड सौरमंडल के पिंड कौन कौन से होते धूमकेतु आपके उल का पिंड ग्रह उपग्रह इस तरह के ठीक है तो क्या क्या उसमें शामिल किया जाते हैं ग्रह बौना ग्रह उसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिन रात ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की गतियों के बारे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में ऐनांत क्या होता है संक्रांति क्या होती है यानी कि विश्व क्या होता है इक्ूनॉक्स क्या होता है आछांश क्या होती है देशांतर क्या होती है आछांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित देश कौन कौन से होते हैं समय का निर्धारण कैसे किया जाता है तो लोकल टाइम जोन क्या होता है और इचंडा टाइम जोन क्या होता है ठीक है अपने अपने देश में जो अलग अलग रेखा जाती है उनको हम क्या कहते हैं भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है क्रोड़ क्या होता है भू प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कृष्ण क्या होती है मेंटल क्या होता है चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी चट्टाने हैं प्रमुख जो है भूकंप कैसे आता है इसमें कौन कौन सी बेब्स होती हैं ये पढ़ेंगे ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं किस तरह से इनका विस्फोट होता है इसके अंदर क्या क्या माल होता है क्या क्या निकलता है इनसे कुछ पर्वत बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं इसके बारे में इसी में हम बात करेंगे इसी में हम पढ़ेंगे पर्वत कौन कौन से होते हैं कौन कौन से पर्वत होते हैं अवशिष्ट पर्वत कौन से होते हैं नवीन वलित पर्वत कौन से होते हैं और भी कैसे होते हैं पठार कौन कौन से होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं और किस तरह के पठार होते हैं उनकी आकृति क्या होती है ठीक है मैदान के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से मैदान होते हैं कौन कौन से प्रमुख मैदान है द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से द्वीप हैं कैसे बनते हैं कैसे इनका निर्माण होता है झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद अंतर्जात बलों के बारे में पढ़ेंगे बहर बलों के, के बारे में पढ़ेंगे स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे जलप्रपात कैसा बनता है जलप्रपात क्या होता है बिस्के मरिस्तलों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इस तरह की हम चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि हम इसी में हम पढ़ लेंगे जब आपके धूमकेतु होते हैं क्षुदग्रह होते हैं आपके उल्का होती हैं उल्का पिंड होती हैं और क्रिएटर होते हैं क्रेटर झील होती हैं इस तरह की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके बाद क्या पढ़ेंगे यानी कि दो चिप दो वीडियो में आप लोगों को बनाऊंगा जो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना था सात से आठ घंटे का ये वाला वीडियो होगा और दूसरा वाला भी इतना ही बड़ा होगा क्योंकि चौदह से पंद्रह घंटे का वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि दिक्कत हो जाती है लोगों को दूसरा जो पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं समुद्र विज्ञान के बारे में बात करूँगा जलवायु के बारे में बात करूंगा महाद्वीपों के बारे में बात करूंगा और अर्थव्यवस्था वो आर्थिक भूगोल के बारे में बात करूंगा ठीक है और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे जैसे कि समुद्र के बारे में पढ़ेंगे महासागर लबड़ता और महासागरी धाराएं और महाद्वीप एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया इस तरह के जो भी होते हैं महाद्वीपों में पाई जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे उसमें जो भी प्रमुख चीज़ें होंगी उसके बारे में दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इसके बारे में तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड से तो ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं ब्रह्मांड कहां से शुरू होता है क्या क्या इसमें शामिल किए जाते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई थी तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में ब्रह्मांड को अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं द यूनिवर्स ठीक है ये लिखा हुआ है चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में तो ब्रह्मांड होता क्या है पहले मैं किताबी भाषा की वजह से साधारण भाषा में समझते हैं ब्रह्मांड में आप शामिल क्या कर सकते हैं आप आंखें बंद करें जो सोच सकते हैं जो देख सकते हैं जो महसूस कर सकते हैं जो भी आप इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में जो भी आप समझ सकते हैं इस दुनिया में वो सब का सब क्या होता है ब्रह्मांड का ही हिस्सा होता है जैसे कि ब्रह्मांड में आप एक जो हमें न दिखने वाला करोड़ होता है यानी कि जगह जो खाली होती है वो भी ब्रह्मांड का ही भाग होता है तो समझते हैं आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में सभी ग्रह सभी तारे आकाश और इन आकाश गंगाओं के सभी पिंड सभी पदार्थ सभी और सारी ऊर्जा को शामिल किया जाता है यानी कि आकाश गंगा के सभी पिंडों को सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं ब्रह्मांड कह देते हैं या कहें कि एक छोटे से, से कर से लेकर यानी कि जो परमाणु होता है उससे उसको मिलाकर यानी कि एक छोटे से, से ले कर से लेकर विशाल आकाश गंगाओं को सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं ब्रह्मांड का रूप दे देते हैं तो चलिए आगे समझते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे ये ब्रह्मांड हम क्या क्या शामिल करते थे मैंने बताया एक छोटे से रूप यानी कि परमाणु को भी मान लेते हैं तो मैंने क्या बताया सारा इसको समझते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे छोटा कड़ क्या है परमाणु माना जाता है ठीक है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है तो परमाणुओं से मिलकर यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है परमाणुओं से मिलकर बनता है अड़ु अड़ू से मिलकर बनता है तत्व तत्व से मिलकर बनता है आपका यौगिक यौगिक से मिलकर मान लीजिए बनती है कोशिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है एक उ, उतक और उतक से मिलकर बनता है एक अंग तंत्र और एक अंग तंत्र से मिलकर बनता है यानी कई सारे अंग तंत्र मिलाकर बनता है एक शरीर और कई सारे शरीर मिलाकर बनती है जनसंख्या और कई सारी जनसंख्या या कई सारे समुदायों को मिलाकर बनता है एक समाज और कई सारे समाज को मिलाकर बनता है एक राष्ट्र और कई सारे राष्ट्र को या कई सारे देश को मिलाकर बनता है एक देश एक ग्रह और एक कई सारे ग्रहों को मिलाकर बनता है एक सौर मंडल और कई सारे सौर मंडल मतलब सौर मंडल कई सारे सौर मंडलों को मिलाकर बनती है एक आकाश और कई सारी आकाश गंगाओं के एक समूह को क्या कहते हैं ब्रह्मांड कह देते हैं समझ में आ गया यानी कि एक छोटे से परमाणु से शुरू करते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है उसके बाद बड़े स्तर पर चलते चले जाते चलते चले जाते हैं यानी कि छोटे से लेकर बड़ी चीज जितनी भी हम सोच सकते हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं ब्रह्मांड कहते हैं जैसे मैं बता दे रहा हूं कि एक छोटे से कण से लेकर विशाल आकाश गंगाओं को मिलाकर यानी सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं ब्रह्मांड कहा जाता है ठीक है तो सबसे पहले यानी कि एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था क्लाइडिस क्लाइडियस टॉलमी तो क्लाइडियस टॉलमी ने एक, एक, एक सौ चालीस ईस्वी में ब्रह्मांड के अध्ययन की शुरुआत की थी तो इसके उत्पत्ति कैसे होती है किन कारणों से हुई कई सारे इसके थ्योरी हैं कई सारे इसके सिद्धांत हैं और उनमें से सर्वमान्य जो है सबसे बेस्ट बाले के बारे में ही बात करेंगे तो आइए समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ठीक है ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलूंगा मैं एक दो बार बोल देता हूँ फिर आप अपनी हिसाब से पढ़ लें अंग्रेजी क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा ठीक है तो आइए समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए दो सिद्धांत सर्वमान्य हैं और उन दोनों में से भी सबसे ज्यादा मान्य जो है वो है बिग बैंग थ्योरी ठीक है तो सबसे पहला जो है महाविस्फोट सिद्धांत जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी दूसरा है कॉस्मिक थ्रेड सिद्धांत तो सबसे पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस इतना ध्यान रखें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ही कॉस्मिक थ्रेड सिद्धांत किससे संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति दूसरा क्या है <coughs> सॉरी महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी तो आइए सबसे पहले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कॉस्मिक थ्रेड सिद्धांत तो इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में यह सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड है वह एक धागे की आकृति की संरचना से क्या है आपस में जुड़ा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मतलब महसूस अंदाजा भी लगा सकते हैं उतने बड़े हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप इसे मान सकते हैं इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ करता हूं मैं आपका यहाँ पर ब्लू तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये यह जो है यहां पर इसको ठीक तो इसको क्या है इन, इन जो कॉस्मिक थ्योरी थ्योरी है उसके अनुसार क्या कहा जाता है कि ब्रह्मांड जो है एक धागे की संरचना के आकार में आपस में जुड़ा हुआ है यानी कि इस तरह से धागा है उस तरह से इस तरह से ये इस तरह से ऐसे करके धागा के रूप में इस तरह से मतलब ये कि ये धागा का रूप ले लिया है मान लीजिए इस तरह से ये धागा छोटे 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 इस तरह धागा है और इन धागों की आकर्षि से आपस में क्या है ये ब्रह्मांड एक दूसरे से मतलब ब्रह्मांड जो है इसके जो तत्व हैं आकाश गंगा ये एक दूसरे में क्या है जुड़ी हुई हैं यानी कि ये इसलिए बाहर नहीं जाती हैं समझ आ गया इस 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 तरह से। तो इस तरह से इस तरह से से तो 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 ये धागा है चलिए आगे बात करते हैं तो फिर से मैं सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड ब्रह्मा धागे जैसी संरचनाओं से आपस में जुड़ा हुआ है। और इस के लिए भारतीय वैज्ञानिक अशोक सेन को प्रथम पुरस्कार मिला था यानी कि आपके अशोक सेन जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे यूरी मिलनर पुरस्कार मिला था ये कई बार पूछा गया है ठीक है कॉस्मिक थियट थ्योरी जितना लिमिटेड है उतना ही मैं बताऊंगा जो जहां ज्यादा पढ़ाना होगा मैं आप लोगों को ज्यादा मैंने दे दिया है चलिए तो बताते हैं समझते हैं तो फिर समझ में आ गया ना कॉस्मिक थिरेट थ्योरी क्या है इसके अनुसार मानना है कि जो ब्रह्मांड है वे धागे की धागे नुमा आकृति से जुड़ा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है महाविस्फोट थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत जिसको हम कहते हैं बिग वैंग थ्योरी ठीक है तो इस सिद्धांत को जो देने वाले व्यक्ति थे जॉर्ज लेमन तेयर हैं या लेमित्रे भी कहीं लिखा होता है और अलग अलग नामों से अंग्रेजी में जैसे समझ में आए आप उसको पढ़ सकते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं लेमित्यर लेमेत्रे ठीक है वैसे लेमेन तेयर भी लिखा मिलता है और लेमन तेयर लोग बोलते भी हैं तो आपको जो अच्छा लगे आप समझ सकते हैं तो इस सिद्धांत को जो देने वाले व्यक्ति थे जॉर्ज लेमेत्रे थे इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और इसको वैज्ञानिक रूप देने वाले एक और व्यक्ति थे इनकी यहाँ पर जरूरत नहीं है तो इस सिद्धांत के अनुसार यानी विस्फोट महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार क्या था इस सिद्धांत के अनुसार लगभग तेरह अरब तेरह पॉइंट सात तो तेरह अरब तेरह पॉइंट सात अरब 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड ऐसा नहीं था बल्कि सभी तत्व एक ही स्थान पर थे यानी कि 13.7 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में न आकाशगंगाएं थी न तारे थे न ग्रह थे यानी कि कोई भी पिंड नहीं था यानी कि यह एक आग के गोले के रूप में था लेकिन किसी कारण से जो कार्ड हमें पता नहीं चला है लेकिन फिर भी हम हल्के से जान लेते हैं मार देते हैं समझने के लिए लेकिन किसी कारण से इस पिंड में या इस गोले में नाभिकीय विखंडन के कार्य यह विस्फोट हो जाता है और इस पिंड में जो पदार्थ वह चारों ओर फैल जाता है और बिग बैंग के बाद ही यानी कि फैल जाता है और इस घटना के बाद यह विश्व बिग बैंग के बाद ही टाइम स्पेस मैटर का निर्माण होता है वर्तमान का ब्रह्मांड बना लेकिन पृथ्वी के जीवों का पृथ्वी का और जीवों का विकास अभी नहीं हुआ है यह प्रक्रिया बाद के वर्षों में शुरू होती है इस ब्रह्मांड को बनने में मात्र एक दशमलव चार तीन सेकेंड का समय लगता है ठीक है इसको भी हम आगे समझेंगे आज भी इस ब्रह्मांड का क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है तो आइए बिग बैंग थ्योरी को मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ बिल्कुल साधारण भाषा में बहुत समय पहले क्या था जब ब्रह्मांड नहीं बना था तो ब्रह्मांड न बनने से पहले क्या था ये जो पूरा ब्रह्मांड था नहीं जैसे आकाश गंगा तो ग्रह उपग्रह जितना भी जब कुछ था एक हल्का सा पॉइंट था यानी कि आग का गोला था इतना बड़ा यानी कि इतना जितना छोटा आप महसूस कर सकते हैं ये मान लीजिए पॉइंट जितना बड़ा यानी कि जब ये पॉइंट था यानी कि जब ब्रह्मांड का निर्माण भी नहीं, नहीं हुआ था तब ये इस तरह से पॉइंट था छोटा था बिल्कुल छोटा था यहाँ पर पॉइंट जो कि बिल्कुल काला था यानी कि ना इसमें आँख लग रही थी कुछ भी नहीं था लेकिन होता क्या है कि, कि किसी कार से इस पॉइंट या कहें इस गोले में या कहीं इस सघन पिंड में यानी सघन का मतलब ये था कि बिल्कुल स्पेस भी नहीं था यानी कि बिल्कुल जितना आ, मतलब स्पेस का मतलब बिल्कुल जगह नहीं थी इसमें बिल्कुल सब कुछ एकदम बिल्कुल ऐसे तागा लगा सकते कूट कूट कर दबाह कर जितना सघन बना सकते उतना था यानी कि बिल्कुल इसमें हवा छोड़ो इसमें मतलब कुछ भी नहीं था मतलब कुछ भी नहीं था इसमें बिल्कुल सघन पिंड था तो मैंने क्या बताया कि पृथ्वी पर ये जो ब्रह्मांड था वो सॉरी ये जो ब्रह्मांड था एक सघन पिंड के रूप में था लेकिन किसी क्या होता है आज से तेरे अरब वर्ष पहले इसमें क्या होता है है विस्फोट हो जाता है. तो हुआ क्या जैसे विस्फोट होता है वैसे इसके अंदर जो माल भरा हुआ था वह ये इस तरह से ये ये चार ओर फैल जाता है इसमें जो भी माल था चार ओर फैल जाता है वो जैसे ही ये फैलता है वैसे ही सबसे पहले क्या निर्माण होता है सबसे पहले निर्माण होता है समय का उसके बाद स्टेज का उसके बाद जो भी इसमें माल होता है आकाश गंगा तारे वगैरह वगैरह सबका इसमें निर्माण हो जाता है और इस निर्माण की जो प्रक्रिया का समय था वो था आपका लगभग वन पॉइंट फोर थ्री सेकेंड यानी कि जो वर्तमान का जो ब्रह्मांड बना यानी कि जो पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो बना है वह मात्र कितनी सेकंड में बन जाता है वो एक दशमलव चार तीन सेकेंड में बनकर तैयार हो जाता है समझ में आ गया लेकिन ध्यान रखें ये, बन, ये जो आज से एक दशमलव तेरह दशमलव सात अरब वर्ष पहले विस्फोट तो हुआ लेकिन मानव की और पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई वो बात की प्रक्रिया है समझ आ गया तो समझ आ गया ना चलिए तो मैंने क्या बताया मैंने बताया कि जैसे ही इसका निर्माण हुआ वैसे ही क्या निर्माण होता है टाइम का भी स्पेस का भी मैटर का भी मैटर मतलब आप जो लोग जानते हैं सबसे पहले टाइम का निर्माण हुआ उसके बाद स्पेस का स्पेस मतलब क्या होती है जगह जब जगह होगी तभी तो उसमें माल भरेगा फिर उसके बाद क्या हुआ हुआ न्यूट्रॉन का मैटर मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फिर ये तीनों मिलकर क्या बन जाते है परमाणु बन जाते हैं परमाणु बनने के बाद फिर आने वाली आप सभी लोग जानते हैं सारी चीजें बन जाती है किस तरह से मैंने आप लोगों को बताई परमाणु से बन जाती है अड़ू अड़ू से फिर तो इस तरह से चीजें बन जाती हैं तो वर्तमान में क्या समझ में आया आज से तेरह अरब वर्ष पहले विस्फोट होता है विस्फोट के बाद वर्तमान का ब्रह्मांड का निर्माण होता है जब निर्माण नहीं हुआ था ब्रह्मांड का यानी ब्रह्मांड निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले ब्रह्मांड क्या था एक सघन पिंड के रूप में था यानी कि एक गोले के रूप में था एक बिंदु के रूप में था तो समझ में आ गया कैसे निर्माण हुआ तो ब्रह्मांड क्या होता है आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं ब्रह्मांड कहते हैं एक ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं सौ अरब से भी ज्यादा यानी कि सौ अरब यानी कि अंदाज लगाया अनगिनत भी हो सकती है अनंत तक हो सकती है चलिए आगे समझते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकाश गंगाओं के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब मैं आपको बिगवैन थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो पूरा ब्रह्मांड था वो एक सघन पिंड के रूप में था जब इस पिंड में क्या होता है जब पिंड में विस्फोट हुआ तो ये पिंड क्या हुआ बहुत सारी आकाश गंगाओं में क्या हुआ बट जाता है और इन आकाश गंगाओं में क्या होते हैं तारे होते हैं यानी कि जब ये पिंड का पिंड में जब विस्फोट हुआ तो करीब करीब सौ अरब आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ ये आकाश गंगा एक अनुमान लगाई जाती है सौ अरब हो सकती हैं इनसे ज़्यादा भी हो सकती हैं या अनंत तक भी हो सकती हैं और इन आकाशगंगा में यानी प्रत्येक आकाशगंगा में सौ अरब तारे होते हैं या अनंत भी हो सकते हैं ठीक है समझ में आ गया यानी कि पिंड था उसमें जब विस्फोट हुआ तो इन आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ इन आकाशगंगाओं को ही सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं ब्रह्मांड कह देते हैं चलिए समझते हैं तो एक केंद्र के चार ओर चक्कर लगाते हुए तारों धूलकड़ों और गैसों के विशाल समूह को आकाश कहते हैं जब महाविस्फोट हुआ तो पिंड महाविस्फोट जब हुआ तो जो वह पिंड था वह अरब आकाश में बट जाता है और आकाश में बट जाता है और ब्रह्मांड में लगभग करीब करीब ब्रह्मांड में करीब करीब सौ अरब आकाश गंगाएं हैं ठीक है ये आकाश गंगाएं यानी कि प्रत्येक आकाश गंगा में करीब करीब सौ अरब तारे हैं यानी कि ये तारे अनंत भी हो सकते हैं यानी कि अभी तक गिना नहीं गया सिर्फ अनुमान लगाया गया है ये आकाशगंगाएं है जो हैं यानी कि एक आकाशगंगा मान लीजिए यहाँ पर है एक आकाशगंगा गंगा यहाँ पर है एक आकाशगंगा गंगा यहाँ पर, पर है तो ये जो आकाश गंगाए एक दूसरे के पास नहीं आ रही बल्कि क्या कर रही है ये आकाश एक दूसरे से दूर जा रही है तो समझ में आ गया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रह्मांड जो बनाए आकाश गंगा को समूह से मिलकर बनाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ब्रह्मांड जो है हाँ सिकुड़ नहीं रहा है बल्कि क्या हो रहा है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है समझ में आ गया तो मैंने क्या बताया ये आकाश एक जगह स्थित नहीं है बल्कि ये आकाश एक दूसरे से दूर जा रही है यानी ब्रह्मांड सिकुड़ नहीं रहा बल्कि इसका विस्तार हो रहा है ये जो पूरी आकाशगंगा है इसका जो ब्यास की यदि बात की जाए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि इसका पूरा ब्यास की बात की जाए तो दो लाख प्रकाश वर्ग इसका ब्यास होता है एक प्रकाश वर्ग की यदि बात की जाए तो नौ दशमलव नौ दशमलव चार छ जीरो दो आठ चार गुणा दस की पावर पंद्रह मीटर होता है ठीक है एक प्रकाश वर्ग कितना होता है नौ दशमलव छियालीस जीरो अट्ठाईस चार गुणा दस की पावर पंद्रह मीटर होता है आकाशगंगा जो होती है उसके केंद्र को यानी कि ये जो आकाशगंगा है, यानी कि यान यहां से लेकर यहां तक पूरी जो आकाशगंगा, इसका जो ये चमकीला वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं केंद्र तो आकाशगंगा का जो केंद्र होता है उसको हम कहते हैं बल्ज जिसमें बहुत अधिक क्या होता है गुरुत्वाकर्षण होता है यानी कि ये जो चमकीला पिंड क्षेत्र देख रहे हैं ये आकाशगंगा का क्या होता है केंद्र होता है यह बहुत चमकीला होता है जिसमें बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि जो तारे होते हैं तारे और धूल और इसमें जो पिंड होते हैं वो आपस में क्या रखते हैं बांधे रखते हैं ठीक है समझ आ गया मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आकाशगंगा होती है उसके आकाशगंगा का जो केंद्र होता है वो बहुत चमकीला होता है उसको बल्ज कहते हैं बल्ज में बल्ज में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है यही एक कारण है कि जो बल्ज होता है जो आकाश गंगा के जो पिंड होते हैं तारे होते हैं गैसें होती हैं और जो धूल कण होते हैं वो ये बल्ज के आसपास ही बने रहते हैं यानी कि ये अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता है समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं आकाश गंगाओं के प्रकार के बारे में टाइप ऑफ गैलेक्सीज के बारे में तो होता क्या है कि जो हमारी आकाशगंगाएँ हैं वैसे हमारी क्या हमारी तो अंदाजनी है जो कि सर्पिल आकार की आक है स्पायरल इस, इस तरह से ठीक है यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से तो इस तरह से है लेकिन ये जो आकृतियाँ यानी कि जब हम आकाशगंगाएँ ऐसे करके ऊपर देखते हैं तो उनकी जो आकृति वगैरह बनी है उसके आधार पर हम तीन तरह से मान सकते हैं तो सबसे पहली जो आकाशगंगा है उसका प्रकार जो है उसको हम कहते हैं सर्पिल आकार की अंग्रेजी भाषा में इसको हम कहते हैं स्पायरल ठीक है दूसरी है दीर्घ वृत्ताकार तीसरी अब व्यवस्था ठीक है तो पहली जो आकाशगंगा है उसका प्रकार अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये बल्ज है बल्ज से ये इस तरह से जाती है ये है स्पायरल इस, इस तरह से ठीक है इस तरह से हम इसको देख सकते हैं यानी कि ये सरपिला के यानी सांप कैसे होता है इस तरह से ठीक है यानी सरपिलाकर दूसरी आप देख सकते हैं एक दीर्घ आकारला है और गोला है और उसमें ही सारा माल इसमें रखा हुआ है चाहे बल की बात की जाए चाहे ग्रह की जाए उपग्रह की चाहे तारों की बात की जाए सारा का सारा माल इसी में रखा हुआ है तीसरे की यदि बात की जाए तो अव्यवस्थित नहीं ये तो गोला दिख रही है हमें कहीं से भी ठीक है ना ही हमें ये सर्पिल दिख रही है तो इसको हम कहते हैं इ रेगुलर का अव्यवस्थित ठीक है तो तीन प्रकार हो किसके आधार पर हो गए आकृति के आधार पर यानी कि सबसे पहले सरपेल दूसरी है आपकी दीर्घताकार वाली और तीसरी है अव्यवस्थित चलिए ये हल्की सी चीज में आप लोगों को समझा देता हूँ दूरी नाप लेंगे चार इकाइयों को जान लेते हैं हल्का सा जो कि आगे इस्तेमाल हो सकती है सबसे पहली जो इकाई है वो है एक खगोली इकाई यानी कि सूर्य से ग्रहों की दूरी यदि नापी जाती है यानी कि मान लीजिए सूर्य है सूर्य से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तो इस तरह सूर्य से पृथ्वी मंगल वगैरह वगैरह की जो ग्रहों की दूरी यदि नापी जाए तो खगोली इकाई में नापी जाती है क्योंकि यहाँ से सूर्य और इनकी आपस में ज्यादा दूरी नहीं है लेकिन आकाशगंगाओं की दूरी नापी जाए एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा का एक सूर्य से दूसरी आकाश गंगा का तो हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं यानी कि पहर, अगर खगोली इकाई की बात की जाए तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की या सूर्य से दूसरे ग्रह की हम दूरी के बारे में बात करते हैं तो खगोली इकाई से नापते हैं दूसरी अगर बात की जाए प्रकाश वर्ग की तो एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा के बीच की दूरी प्रकाश वर्ग से नापते हैं ठीक है तीसरी बात की जाए नोटिकल मील के बारे में तो इसमें समुद्र के बीच की यानी एक समुद्र में मान लीजिए यहां पर यह समुद्र है तो यहां से लेकर यहां तक कोई चीज रखी हुई है तो यहां से लेकर इस समुद्र के अंदर की बात कर रहे हैं मतलब अंदर गहराई में नहीं यहां से लेकर यहां तक ऊपर सतह की बात की जाए यहां से लेकर यहां तक तो नॉटिकल माइल की बात की जाती है यदि स्थल पर दो स्थानों की मापने की यदि बात की जाए तो उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट माइल चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए हम लोग बात करते हैं उस आकाशगंगा की जिस आकाशगंगा में पृथ्वी स्थित है तो मंदाकिनी आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी स्थित है, है हमारा सौरमंडल स्थित है तो ब्रह्मांड में सौ अरब आकाश गंगा मैंने आप लोगों को बताई थी लेकिन जिस आकाश गंगा में हमारे हमारा सौरमंडल स्थित है उसे हम मंदाकिनी आकाश गंगा कहते हैं इसको यानी कि मंदाकिनी आकाशगंगा को दुर्गु मेखला आकाशगंगा या मिल्की बे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम दूध की तरह सफेद एकदम दिख रही ना तो इसको हम क्या कह देते हैं दुर्गु मेखला आकाशगंगा या कहें मिल्की बे आकाशगंगा भी कहते हैं किसको मंदाकिनी आकाशगंगा को मंदाकिनी आकाशगंगा में क्या स्थित है हमारा सौरमंडल तो ठीक है इस मंदाकिनी सॉरी इस आकाश गंगा की आकृति मैंने अभी बताई थी कि सर्पिल आकार की यानी कि आकृति के आधार पर तीन आकाश था तो जो मंदाकिनी आकाश गंगा है उसकी जो आकृति है वह सर्पिल आकार की आकार है या कहें आक यानी कि इस तरह से ये इस तरह से यानी कि सांप के जो सांप जब कुंडली मारता है तो इस तरह से हो जाता है ठीक है तो सर्पिल आकार की है तो सूर्य जो है मंदाकिनी आकाशगंगा का अपने सौर मंडल के साथ क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है यानी मैंने बताया था कि ये जो बल्ज है इसका जो जो आपके जो पिंड होते हैं बल्ज का क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं तो इस पूरे मतलब आकाशगंगा का क्या कर रहा है सूर्य और उसके ग्रह यानी कि अपना पूरे सौर मंडल के साथ आकाश का क्या कर रहा है चक्कर कर रहा है सूर्य इसके केंद्र का चक्कर बाईस से पच्चीस करोड़ वर्षों में लगा लेता है

तो पूछते इनके तारों का निर्माण होता है यानी कि धूल वगैरह यहाँ पर होती है पूछते तारों का निर्माण होता है और केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो एकदम नए होते चले जाते हैं जवानी आती है और जब केंद्र की ओर पहुंचते हैं तो क्या होता है बुढ़ापा आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसके पूंछ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा के पूंछ पर आपका सूर्य सूर्य जो है यहाँ पर स्थित है इसका मतलब सीधा सा ये है कि सूर्य अभी भी एकदम नया एकदम जवान तारा है यानी कि यहाँ पर इसका निर्माण हुआ होगा और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच चुका है चलिए तो आकाश गंगा की जो पूछ होती है यानी कि जो लास्ट का पार्ट होता है वो क्या करते हैं वहां पर क्या होता है उनका निर्माण होता है किसका निर्माण होता है तारों वगैरह का निर्माण होता रहता है तारे वगैरह ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हमारी इस आकाश गंगा की जो पड़ोसी आकाशगंगा की यदि बात की जाए तो देवयानी या कहें एंड्रोमेडा आकाश गंगा है ठीक है क्या नाम है इसका एंड्रोमेडा या देवयानी आकाश गंगा हमारे आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा है पृथ्वी की आकाशगंगा को हम मंदाकिनी कहते हैं और जबकि इसकी पड़ोसी आकाशगंगा को क्या कहते हैं देवयानी आकाशगंगा तो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे नई आकाशगंगा की यदि बात की जाए तो उसका नाम है वामन आमन आकाश या डोवार्फ गैलेक्सी ठीक है वामन होता है तो बोनी आकाशगंगा या डोवार्स आकाशगंगा गैलेक्सी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो समझ में आ गया ना आकाश मंदाकिनी आकाशगंगा की, की पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है आपकी एंड्रोमेडा या देवयानी आकाशगंगा और सबसे छोटी आकाशगंगा भी जल्द में ही पता चली है नई आकाशगंगा उसका क्या कहते हैं डोवर्फ आकाशगंगा या डोअर्स गैलेक्सी चलिए साथियों बात करते हैं डॉपलर विस्थापन या डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के बारे में तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है आप लोग सोच रहे होंगे तो हल्का सा ये आकाश गंगाओं से जुड़ा हुआ थोड़ा सा मैटर है जितना जुड़ा हुआ है उतना मैं बता देता हूँ पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे इंस्पेक्टर डॉक्टर वो डॉपलर प्रभाव के बारे में तो आइए समझते हैं होता क्या है कि जो इंफेक्टर होता है इंफेक्टर आप लोग जानते हैं उसमें सात रंग होते हैं ठीक है तो इंस्पेक्टर में यदि बैंगनी रंग का विस्थापन होता है तो आकाशगंगा क्या है पृथ्वी के पास आ रही होती है यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आकाश गंगाएँ यहाँ पर आकाश गंगाएँ क्या होती हैं पृथ्वी के यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी है तो आकाशगंगा क्या होती है अगर रही, रही होंगी लेकिन अगर लाल रंग का क्या होता है विस्थापन होता है तो आकाश गंगाएं है जो हैं वह आकाश गंगाएं मान लीजिए आकाश गंगा ये और ये पृथ्वी मान लीजिए आकाश गंगा मान लीजिए तो आकाश गंगा एक दूसरे से तो क्या हो रही हैं दूर जा रही में आ गया आ गया तो इस, इ, इसके तहत यानी कि जो डॉपलर प्रभाव है या डॉपलर इफेक्ट है इसके तहत हमें क्या पता चलता है कि जो आकाश गंगा है वो एक दूसरे से तो क्या हो रही है दूर जा रही है क्यों क्योंकि तो लाल रंग का विस्थापन हो रहा है समझ में आ गया तो सबसे तो बता तो तो दे रहा हूं डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव के तहत यानी स्पेक्ट्रम में ब्लू वो सॉरी बैंगनी रंग का यदि विस्थापन होता है तो आकाशगंगा क्या होती है एक दूसरे के पास आ रही होती है लेकिन लाल रंग का विस्थापन होता है तो आकाश गंगा क्या होती हैं एक दूसरे से दूर जा रही होती है यही एक कार्ड है कि हमें ये पता चलता है कि जो आकाश गंगा है वो सिकुड़ नहीं रही है बल्कि क्या हो रही हैं एक दूसरे से दूर जा रही है यहां उनका विस्तार हो रहा है चलिए आगे बात करते हैं तो ये हो गया आपके आकाश गंगा के बारे में जो भी जानकारी थी तो अब हम आगे बात करते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ब्रह्मांड में क्या होता है ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगा होती है यानी कि आकाश गंगाओं के समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं ब्रह्मांड कहा जाता है लेकिन ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगा है उन आकाश गंगाओं में क्या है बहुत सारे तारे हैं उस आकाश गंगाओं में भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम आगे समझते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं निहारिका ध्यान रखें ये आकाश गंगा का भाग है सौरमंडल का भाग नहीं है बहुत अच्छी समझना सौर मंडल का जब शुरुआत होगी तब हम बता देंगे यानी कि आप सौर मंडल में निहार का घूस दें सौर मंडल में आप नेविला घूसें ने? नहीं सौर मंडल के जो भाग होंगे उसको हम अलग से समझेंगे ये निहार का जो है आपका गैलेक्सी है आकाश गंगा का भाग है यानी कि वहाँ पर पाए जाते हैं क्या बताया आकाश गंगा में स्थित बहुत ही चमकीले धूल और गैस के ये बादल होते हैं इनमें धूल कण हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस तथा अन्य आयनीकृत प्लाज्मा मौजूद होते हैं निहारका से ही तारे तथा अन्य आकाशीय पिंड जन्म लेते हैं निहारिका को हमारे सौर मंडल का क्या माना जाता है जनक माना जाता है यानी कि निहारिका से ही सौर मंडल का जन्म हुआ माना जाता है निहारिका जो होती है बहुत ही चमकीला होता है और इन सभी निहारिकाओं में भी बहुत ज्यादा चमकीला यदि निहारिका की बात की जाए तो उसको हम कहते हैं ओरियन नेबुला ओरियन नेबुला या फिर निहारिका जो है वह सबसे ज्यादा चमकीली निहारिका है चलिए समझते हैं डार्क मैटर या आंध पदार्थ क्या होता है तो समझते हैं कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्रह्मांड में केवल आकाशगंगा, तारे ग्रहों की वजह से इसका इतना द्रव्यमान नहीं है बल्कि इन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्रह्मांड में अनेक ऐसे पदार्थ मौजूद हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते उसके बावजूद भी ब्रह्मांड में 90 से पिचानवे परसेंट द्रव्यमान इन्हीं न दिखाई देने वाले पदार्थों का माना जाता है क्योंकि मान लीजिए आप ये मान लीजिए ये बाल्टी है यह पूरा एक ब्रह्मांड है ब्रह्मांड में आपका एक गैलेक्सी आई ए दो आई तीन आई यानी कि करीब करीब सौ अरब इसमें गैलेक्सी आ गई उसके बाद इसका द्रव्यमान की बात की जाए यानी कि जो ब्रह्मांड है उसका कुल द्रव्यमान का इन सारी गैलेक्सी मिलाकर उन सारे पदार्थ को मिलाकर कितना होता है सात से पाँच परसेंट के बीच में होता है यानी कि इसका जो हंड्रेड परसेंट जो द्रव्यमान है वो किनकी वजह से है इसमें जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है पदार्थ उसका है यानी कि डार्क मैटर के कारण है यानी कि जब इसका मान लीजिए कोई आप बोरी लेके आए उसमें आपने जो पैसे देकर आ रहे हैं वो आपको कितना दिया जा रहा है सात परसेंट यानी कि जो मान लीजिए सात किलो वजन के आपने पैसे दे दिए लेकिन आप जब उसे उठा रहे हैं तो उसमें वजन कितना निकल रहा है उसमें वजन निकल रहा है तिरानवे किलो एक्स्ट्रा यानी कि पूरा सौ किलो वजन है उसमें से आपने सात किलो का ही दिया है पैसा तो इसका मतलब ये है जो हमें तिरानवे किलो जो वजन दिखाई नहीं दे रहा है उसका ये जो तिरानवे किलो वजन क्या कहलाया डार्क मैटर कहलाया यानी कि हर जगह मौजूद है हम महसूस नहीं कर सकते लेकिन उसका द्रव्यमान के रूप में उसे लिया जाता है ये जो वैज्ञानिक लेते हैं चलिए आगे बात करते हैं ये डार्क मैटर हो गया इतनी जानकारी काफी है चलिए समझते हैं तारों के बारे में बात करते हैं तारे कैसे कहाँ और किस तरह से काम करते हैं और ये इनका निर्माण कैसे होता है इनको समझते हैं अंग्रेजी भाषा में तारों को कहते हैं स्टार्स तो तारे वे खगोली पिंड होते हैं जिनकी उत्पत्ति आकाश गंगा में मौजूद निहारिका से हुई मानी जाती है यानी कि गैस धूल कर के बादलों से हुई मानी जाती है तारे लगातार ऊर्जा मुक्त करते रहते हैं जो कि नाव की की प्रक्रिया के द्वारा होता है यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं को हीलियम में बदलते रहते हैं यानी कि ये नाव की सल नाव की प्रक्रिया के द्वारा इसके कारण जब ये क्रिया होती है तो इसके कारण तारे जो होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं और यही एक कारण है कि जो तारे होते हैं उनमें अपना खुद का प्रकाश होता है तारों के बाद अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी कि तारे के आसपास गुरु

है तारे का जो कोर होता है या कहें केंद्र होता है या कहें नाभिक होता है इसमें हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है जब हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है तो तारे जो होते हैं अपना हाइड्रोजन को जलाते रहते हैं जब जलाते रहते हैं तो जलाने की प्रक्रिया कौन सी होती है नाभिकीय संलयन नावकीय संल के, के द्वारा ये हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते रहते हैं ऐसी इसी कारण जो तारे होते हैं वो हमेशा जब तक वो जीवित है तब तक प्रकाश उत्पन्न करते रहते हैं और तब तक वो उत्पन्न करते हैं जब तक इनके नाविक का या इनके कोर का जो हाइड्रोजन है वह समाप्त नहीं कर लेते कौन आपके तारे चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है यानी कि यूनिवर्स में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है तो आप कहेंगे हमें तो सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है सूरज नहीं भैया सबसे अधिक चमकीला तारे हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की वो सौरमंडल की नहीं सौरमंडल में अगर सबसे चमकीला तारा तो एक ही भैया है वो है आपका सौरमंडल में सौरमंडल में तो एक तारा है कौन सा है सन तो एक ही दिखता है यानी कि वही दिखेगा समझाया गया तो हम सौर मंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक ब्रह्मांड होता है उसमें करीब 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं उन 100 अरब उन प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तक तारे होते हैं उन तारों के आसपास क्या होते हैं उनके परिक्रमा करने वाले कुछ पिंड होते हैं उन्हीं में से एक तारा आपका सूर्य है ठीक है उसकी हम यहां पर बात नहीं करें मैंने बताया सबसे अधिक चमकीला तारा जो है ब्रह्मांड का उसका नाम है साइरस या डॉग स्टार तारा है ब्रह्मांड का सबसे अधिक चमकीला तारा है अब हम बात करते हैं कि हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम सौरमंडल के बारे में बात करें सौरमंडल से दिखने वाले सबसे अधिक चमकीले पिंड कौन से हैं तो वह है आपका सूर्य यानी कि पृथ्वी से अगर हम देखें तो सबसे अधिक चमकीला पिंड हमें दिखता है सूर्य उसके बाद हमें सबसे चमकीला दिखता है चंद्रमा और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है शुक्र ठीक है सबसे ब्रह्मांड का सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा हो गया साइरस सौरमंडल से यदि हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा चमकीला पिंड सूर्य उसके बाद चंद्रमा उसके बाद शुक्र समझ आ गया तो तारों में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी समझते हैं तारों में पाई जाने वाली गैसों में सबसे अधिक होती है आपकी हाइड्रोजन इकहत्तर परसेंट हीलियम होती है छब्बीस परसेंट गै, अन्य गैसें जो होती हैं टू पॉइंट फाइव परसेंट होती हैं ठीक है, है? पृथ्वी का सबसे पास का तारा अगर बात की जाए तो सूर्य है उसके बाद यदि बात की जाए सौरमंडल के सौरमंडल का सबसे पास का तारा जो है अल्फा सेंटोरी उसके बाद है प्रोक्सीमा यानी कि मान लीजिए यहां पर ये पृथ्वी है यहां पर है आपका सूर्य तो पृथ्वी के सबसे पास का जो तारा है वो हो गया आपका सूर्य उसके बाद अन्य तारे की अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर कौन सा है अल्फा सेंटोरी तीसरे नंबर पर आता है प्रोक्सीमा ठीक है तो सौरमंडल के सौरमंडल में तो आप जानते हैं सूर्य अपना खुद का एक सूर्य का ही सौरमंडल सूर्य उसका मालिक है तो सौर मंडल के पास का सबसे तारा कौन सा हो जाएगा अल्फा सेंटोरी और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा आपका प्रोक्सिमा चलिए ठीक है इसके बाद बात करते हैं अल्फा सेंटोरी और प्रोक्सिमा हो गया इसके बाद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा अगर बात की जाए तो स्पाइनल ओरोग और तारा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है क्या नाम है उसका स्पाइनल और चलिए आगे बात करते हैं अब आती है बात की तारे जो होते हैं वो रंग होता है उनका वो क्या दर्शाता है तो जो तारे होते हैं उनका रंग जो होता है वह उनका तापमान का सूचक होता है यानी कि यदि वो तापमान उसका लाल है तो किस तरह कितना उसका तापमान होगा अगर उसका नीला है तो कितना तापमान होगा तो आइए उसको समझते हैं तो तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है गया? तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है शुरू में जब तारा पैदा होता है तो उसका रंग जो होता है वो एकदम लाल वो नीला होता है धधकता हुआ और लाल रंग तब होता है जब तारा मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है तारा जब लाल रंग का हो जाता है तो वह रेड जाइंट तारा कहलाता है और उसके बाद यह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है तो आइए समझते हैं सबसे पहले रंगों के बारे में नीला रंग अगर तारा अगर आपको दिखता है तो वह उसके तापमान की बात की जाए तो अट्ठाईस हजार से लेकर पचास हजार कैलविन तक उसका तापमान हो सकता है अब बात करते हैं सफेद रंग के तारे के बारे में सफेद रंग का तारा दिख जाता है तो उसका तापमान जो होगा सात हजार पांच सौ कैलविन से लेकर नौ हजार पांच सौ कैलविन तक ठीक है इसका पीला रंग का अगर हमें तारा दिखता है तो उसका जो तापमान होगा चार हजार नौ सौ चार हजार नौ सौ कैलविन से लेकर छह हजार कैलविन तक इसके बाद नारंगी की बात यदि की जाए तो 3500 केल्विन से लेकर 4800 केल्विन तक इसका तापमान हो सकता है इसके बाद आप जानते हैं रेड जाइंट जो तारा होता है उसका तापमान जब 2000 या पैतीसौ से भी कम हो जाता है तो वह रेड तारा बन जाता है ठीक है आगे की प्रक्रिया आपको बाद में बताऊंगा चलिए बात करते हैं तारे का जीवन चक्र के बारे में स्टार लाइफ साइकिल के बारे में साइकिल नहीं है उसके बाद भी लाइफ इनकी साइकिल पर चलती है तो भी हम बात करेंगे चलिए तो समझते हैं कैसे इनका निर्माण होता है और कौन कौन सी इनकी भूमिका होती हैं आपको मैंने बताया था कि ब्रह्मांड होता है एक अकेला उसमें सौ अरब से भी अधिक आकाश गंगाएं होती हैं उन सौ अरब गंग, आकाश गंगाओं में प्रत्येक आकाश गंगा में करीब सौ अरब तारे होते हैं जिनकी गिनती वैज्ञानिक कर रहे हैं बैठे हुए हैं उनको गिनती करते करते कम से कम दो अरब साल लगेंगी आप ये कंफर्म मान लेते हैं तो जैसे ही ये गिनती पूरी हो जाती है मैं आपको वीडियो डाल दूंगा कि इतनी गिनती हो गई है ठीक है तो आइए समझते हैं ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएँ जिनमें अरबों तारे हैं जिनका निर्माण निहारिका से हुआ है किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है यानी कि तारा जितना बड़ा होगा जीवन अवधि उतनी ही कम होगी आ गया यानी कि तारा जितना बड़ा होगा उसकी जीवन की जो अवधि होगी वह उतनी ही कम होगी जब तारों के कोर में मौजूद ईंधन जो होता है वह समाप्त हो जाता है तब तारे की मृत्यु होने लगती है यानी तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और तारों का जो ईंधन होता है क्या है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जब धीरे 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 समाप्त होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि वह पूरी तरह समाप्त हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में बदलता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाता है तो तारे का प्रकाश और ऊष्मा भी समाप्त हो जाती है आइए मैं हल्कों से इसको साधारण भाषा में समझा देता हूँ मैंने बताया कि जीवन अवधि जो होती है तारे की किस पर आधारित होती है तारे के आकार पर होती है मान लीजिए कोई तारा अगर बड़ा है तो उसका जीवन चक्र कम होगा कोई चार तारा अगर छोटा है तो जीवन चक्र उसका ज्यादा होगा क्यों होगा मैंने आपको बताया था कि तारा जो होता है उसका उसके अंदर क्या होता है सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस होती है 71 परसेंट तक उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है जब हाइड्रोजन पाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो हाइड्रोजन को जलाकर अपना जीवन का गुजारा करता है यानी कि जो अपनी घर गृहस्थी का चलाता है वो किससे चलाता है अपने जो हाइड्रोजन के बाद जितना होता है अब मान लीजिए हम ऐसे मान लीजिए मैं एक तारा हूं और मैंने दो तारे पैदा कर दिए मैंने चांद और सितारे दो तारे पैदा कर दिए एक तारा क्या है बहुत बड़ा है और एक तारा बहुत छोटा है तो एक तारे को मैंने सौ रुपए दिए और दूसरा जो तारा था उसको भी मैंने सौ सौ रुपए दिए तो जो बड़ा तारा है वो क्या करेगा एक दिन में उसकी कितने रुपए की खुराक है दस की खुराक है तो उस बड़े वाले तारे ने क्या कर दिया उस आराम कोर ने दस दिन में अपने हाइड्रोजन जो जो से दस रुपये सौ रुपये का दिया था उसने खत्म कर लिया उसके दस दिन में उसकी मृत्यु हो गई अब दूसरा जो सितारा है उसका जो आकार था वो छोटा था वो उसका वो जो पेट भर जाता मतलब तो बिल्कुल नन्ना सा नुन्ना सा बोलते ना इतुसा बोलते हैं गाँव में तो वो छोटा सा तारा था उसका जो साइज था वो छोटा था कितना खाता था दो तीन रुपए का खा लेता था पर डे तो ऐसे करके उसका जो महीने पे ऐसे करके दो तीन मान लीजिए वो दो रुपये में पर डे खा लेता था एक खाना एक रुपये का एक रुपये का शाम को बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं पुराने जमाने की मतलब आज से दो साल पहले की बात तो ऐसे करके वो खा लेता था तो इस तरह से क्या था उसका जो जीवन चला वो कितने दिन चला पचास दिन चला समझ में आ गया ज्यादा बड़ा तारा कम समय तक जिएगा बड़ा छोटा तारा ज्यादा समय तक जिएगा क्यों जिएगा क्योंकि मैंने बताया किसी भी तारे के अंदर हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन क्या करता है अपना जो जीवन चक्र उसी पर आधारित तो होता है यानी कि हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता रहता है अगर बड़ा तारा है तो वो ज्यादा हाइड्रोजन खाएगा छोटा तारा है तो कम हाइड्रोजन खाएगा और बड़े तारे का जीवन चक्र कम होगा और छोटे तारे का जीवन चक्र ज्यादा होगा ठीक है और जब उसका हाइड्रोजन अपने यानी कि उसका जो कोर होता है यानी कि जो उसका नाभिक होता है उसमें जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो उसका आखिर में जो प्रकाश है जो ऊष्मा है वह समाप्त हो जाएगी और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा चलिए आगे करते हैं बात चल रही है लाइफ साइकिल के बारे में मैंने बताया साइकिल नहीं उसके बाद भी लाइफ की इनकी साइकिल है तो फिर हम चलेंगे और समझेंगे चलिए समझते हैं तो मैंने क्या बताया था उनका जो जीवन चक्र है किस तरह से काम करता है वो मैंने बताया था ठीक है तो तारे जब मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं यानी कि जब उनका जो हाइड्रोजन होता है कोर का जो हाइड्रोजन होता है समाप्त हो जाता है और वह एकदम लाल रंग का हो जाता है बिल्कुल एकदम लाल रंग का हो जाता है तो मैंने क्या बताया जब तारे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनकी भी कई दशाएं होती है यानी कि मरते मरते भी ये अपनी जो इनकी दशाएं होती हैं वो भी कई चरणों में गुजरती हैं जब तारे जब तारे समाप्त होते हैं तो उसमें बहुत तेज प्रकाश के साथ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है इसे ही हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं यानी कि जब तारे का कोर का ईंधन जब समाप्त हो जाता है तो कोर इतना सघन होता है कि उसको भी समाप्त होने में काफी समय लग जाता है यानी कि इतना सघन कि अगर वो पृथ्वी से टकरा जाए तो अपना पृथ्वी को चबा जाएगा ऐसे करके और इधर डार से निकाल के फेंक देगा

सुपरनोवा के बाद जब वह फटता है तो उसके अंदर एक और सघन पिंड निकलता है यानी कि कोर उसका रह जाता है तो वह न्यूट्रॉन तारा कहलाता है इसे वाइड या सफेद बा, बामन तारा भी कहते हैं न्यूट्रॉन तारा बहुत तेज छोटा होने के कारण बहुत तेज घूमता है यानी कि एकदम छोटे छोटे करके जैसे आपने चरखी देखी है ना दिवाली पे चरखी चलाते हैं तो बहुत तेज तेज तेजी से घूर्णन करता है इसके कारण यह बहुत सारी विद्युत चुंबकीय किरणें उत्पन्न करता है जब ये विद्युत चुंबकीय किरणें उत्पन्न करता है तब इसे पल्सर कहा जाता है इसके बाद ये बहुत बड़े विस्फोट के साथ एक ब्लैक होल में बदल जाता है जिससे जिससे इस ब्लैक होल में बहुत अधिक क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो जाता है इसके कारण क्या होता है इसमें से यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण यानी कि जब ये ब्लैक होल में बल देता है तो इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि इससे प्रकाश भी बाहर नहीं जा पाता है यानी कि जब ये क्रिया होती है यानी कि एकदम जो गुरुत्वाकर्षण बल वाली यानी कि ब्लैक होल वाली जब प्रक्रिया होती है वो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ती यानी कि अभी तक वैज्ञानिकों ने इसे देखा नहीं सिर्फ अनुमान लगाया है समझा गया चलिए मैं एक बार फिर से समझा समझाते हूँ तो मैंने बताया कि जो तारा होता है उसके कोर का जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह सुपरनोवा विस्फोट के रूप में क्या होता है बहुत तेज प्रकाश के साथ फट जाता है इसको हम क्या कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं इसके बाद जब तारा जब सुपरनोवा विस्फोट के साथ फट जाता है उसके बाद उसका जो कोर होता है यानी कि जो उसके नाभिक होता है वह रह जाता है और वह क्या होता है उसे क्या कहते हैं न्यूट्रॉन तारा या व्हाइट डोवर्स तारा कहते हैं जब वह व्हाइट डोवार तारा होता है बहुत छोटा होने के कारण क्या करता है बहुत तेज गुड़न करता है बहुत देर गुड़न

तारा जो है वह ब्लैक होल तारे में बदल जाता है यानी कि जो यानी कि सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसका एक दशमलव चार चार गुना यदि किसी तारे का द्रव्यमान हो जाए तो वह न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल तारे में बदल जाता है और ब्लैक होल तारे का गुरुत्वाकर्षण तो बल इतना अधिक होता है कि इससे प्रकाश तक बाहर नहीं जाता चंद से अगर सीमा का मान की यदि बात की जाए तो सूर्य के द्रव्यमान का एक दशमलव चार यानी कि वन पॉइंट फोर या तू, यहां पर मैंने लिखा है, टू पॉइंट सेवन सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर थर्टी यानि की के जी यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का एक दशमलव चार गुना या टू पॉइंट सेवन सिक्स फाइव मल्टीप्लाई टेन टेन मल्टीप्लाई टेन की पावर थर्टी किलोग्राम इसको मैं साधारण समझा देता हूँ इन्होंने एक सीमा बनाई उसके तहत इन्होंने बताया कि कोई सूर्य का इन्होंने एक सीमा बनाई वन गुना किसके सूर्य से यानी सूर्य का द्रव्यमान जितना है उस द्रव्यमान का एक दशमलव चार गुना यदि द्रव्यमान किसी तारे का अगर हो जाता है तो वह न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल तारे में बदल जाएगा और वह फिर आखिर में समाप्त हो जाएगा इसी को ही यानी कि 1.4 जो गुना तारे का जो इन्होंने द्रव्यम बताया इसको ही हम क्या कहते हैं चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं इसका प्रतिवादन करने वाले व्यक्ति थे इनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी कि इसका प्रतिवादन 1930 में यानी कि खोज किसने की थी आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी 1930 में चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं नक्षत्र मंडल या तारा मंडल के बारे में ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तरह तरह के नक्षत्र मंडल तारा मंडल ये यहाँ पर देख सकते हैं सप्त ऋषि मंडल यहाँ पर और भी कई हैं इनके नाम भी है सप्त ऋषियों के ये मरीच वशिष्ठ ददिक्ष ऐसे करके तो या ये समझते हैं तो नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कैसे कहते हैं उसको समझते हैं कि जब रात में रात में आसमान में तारों के एक गाना भी बनाए रात में आसमान में देखूंगा नक्षत्र मंडल करके ठीक है इस पे गाना बना एक तो रात में आसमान में तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं क्या कहते हैं तारों द्वारा यानी कि जो रात में जब आप आसमान में देखते हैं तो वहां पर जो तारों द्वारा आकृति बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं नक्षत्र मंडल कहते हैं एक संस्था है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईयूएन के अनुसार आकाश में कुल एट्टी नाइन नवासी नक्षत्र मंडल हैं ज्यादातर जो नक्षत्र मंडल हैं दक्षिणी गोलार्ध में देखे जाते हैं तो देखते हैं तो बिग बियर जो है बिग बियर बियर इसको मेजर, बीयर इसको हम हम मेजर स्मॉल माइनर भी कहते हैं तो बिग बियर तथा स्मॉल बियर कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं सात तारों का समूह सप्तषि मंडल कहलाता है यह बिग बियर का भाग है यानी कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये आकृति फिर ये फिर ये फिर ये इस तरह से ये यहाँ ऐसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अरसा मेजर यानी कि बिग बियर जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली अगर आकृति हम जाएँ तो यहाँ पर उठा के अगर हम लगाएं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो बिग बियर जो है वो जो सप्तऋषि मंडल है यह है बिग बियर या कहें अरसा मेजर का ही भाग है सप्तऋषि मंडल की सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान करते हैं यानी कि यहाँ पर इस तरह से शुरुआत होती है यानी कि ये इस तरह से शुरुआत होती है यहाँ से लेकर इस तरह से ये ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ जो आखिर में आता है इसको हम कहते हैं ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार या पोला ऋषवी कह देते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं सौर मंडल के बारे में सौर मंडल सौर मतलब सूर्य मंडल मतलब घर ठीक है चलिए अंग्रेजों की भाषा में इसको कहते हैं सोलर सिस्टम अंग्रेजों की भाषा का अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा सोलर मतलब सौर और सिस्टम मतलब तंत्र तो सौर तंत्र या सौर मंडल के बारे में चलिए बात करते हैं समझते हैं हम इसको सबसे पहले देखते हैं सौर मंडल सौर मैंने अभी बताया सौर मतलब सूरज सूरज का घर तो सूरज के घर के बारे में ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो सूरज के घर में बात घर में चल के इसके बारे में हम जानेंगे तो सौर मंडल में सूर्य तथा उसके खगोली पिंडों को शामिल किया जाता है ये सभी खगोली पिंड इस मंडल में एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे रहते हैं सौर मंडल को जानने से पहले हम सबसे पहले ग्रही मंडल को जानेंगे जो कि शायद किसी बुक में मिलता हो क्योंकि बताना जरूरी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर देता है इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ चलिए ग्रही मंडल के बारे में बात कर लेते हैं आइए समझते हैं यहाँ ग्रही मंडल किसी भी तारे का बात होगा सूर्य के बारे में नहीं हो रही है सभी तारों के बारे में बात हो रही है चाहे कोई सा भी तारा हो तो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए खगोली पिंडों के समूह को क्या कहते हैं ग्रहीय मंडल कहते हैं यानी कि मान लीजिए अल्फा सेंटोरी है उसके चारों ओर कुछ आ, क्या करते हैं परिक्रमा कर रहे हैं खगोली पिंड तो उन सभी को क्या कहते हैं एक साथ ग्रही मंडल कहते हैं चाहे अल्फा सेंटोरी हो चाहे प्रोक्सीमा हो चाहे सन हो या सूरज हो कोई भी हो उसके अगर चारों ओर चक्कर लगाते हैं खगोली पिंड तो उसको हम क्या कहते हैं ग्रही मंडल कहते हैं खगोली पिंड में क्या क्या शामिल किए जा सकते हैं ग्रह किए शामिल किए जा सकते हैं बौने ग्रह शामिल किए जा सकते हैं प्राकृतिक उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड धूमकेतु खगोली पिंड खगोलीय धूल आज सभी को शामिल किया जाता है चलिए बात करते हैं सूर्य के परिवार के बारे में सूर्य के परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं क्योंकि तो सूर्य के परिवार सूर्य है उसने अपने परिवार का नाम अपने नाम पर ही रखा है ठीक है तो इसमें यानी कि सूर्य के परिवार में सूर्य जो है इस सभी का पापा है यानी कि मुखिया है आठ ग्रह हैं इसमें आठ बच्चे हैं क्षुद्र ग्रह पंद्रह लाख से लेकर उन्नीस लाख के बीच में है खगोली धील उसमें शामिल की जाती है किसमें सौर मंडल में खगोली धूल प्राकृतिक उपग्रह धूमकेतु गैसें क्यूपर बेल्ट जो सौ से अधिक हैं जिनमें पांच की खोज हो चुकी है जिनमें पांच में आपकी सिरस जिनको साइरस साइरस भी कह देते हैं। आ, आ, तो सौर मंडल की सबसे पहले खोज कॉपर निकस ने की थी ठीक है एक अंकल थे जिनका नाम था कॉपर निकस निकोलस कॉपर निकस तो इन्होंने आपकी सौर मंडल की खोज की थी सौर मंडल का निर्माण चार दशमलव बिलियन वर्ष पहले हुआ था एक इंपॉर्टेंट आप, बात आपको बता देता हूं बात ये है कि जो निहारिका है वह सौर मंडल का भाग नहीं है अगर पूछा जाता है निहारिका किसमें है तो निहारिका जो है आकाशगंगा का भाग है ना कि सौर मंडल का ठीक है तो सौर मंडल निहारिका का भाग नहीं है सौर मंडल लगभग सौर मंडल लगभग मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र से तीन वो तो तीस हजार से लेकर तैंतीस हजार वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है यानी कि जो केंद्र है मंदाकिनी आकाशगंगा का यहां से ऐसे करके जाएंगे या फिर ऐसे करके जाएंगे तो तीस हजार से लेकर तैंतीस हजार वर्ष दूर है क्योंकि हम इतनी दूरी नहीं नाप सकते अभी तक हम इसके केंद्र तक वल्स तक नहीं पहुंच पाए हैं तो इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि तीस हजार से लेकर तैंतीस हजार वर्ष एक कोने पर स्थित है यानी कोना मतलब यहां पर किनारे ये लास्ट में केंद्र ये यहां पर चलिए आगे बात करते हैं चलिए सबसे पहले सूर्य यानी कि मुखिया यानी कि पापा यानी कि फादर के बारे में बात करेंगे तो आइए समझते हैं सूर्य के बारे में सूर्य जो है मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है यानी कि 30 से 33 प्रकाश वर्ष के बीच में इसकी दूरी यानी कि सूर्य का वो मंदाकिनी आकाश गंगा या करा का जो चमसे चमकीला क्षेत्र होता है उसको हम केंद्र कहते हैं केंद्र को हम बल्ज कहते हैं इसकी ही सारे पिंड जो होते हैं क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं जैसे वो सारे तारे जो होते हैं परिक्रमा करते हैं यानी सूर्य भी इसकी परिक्रमा कर रहा है जिसको करीब बाईस से पच्चीस करोड़ वर्ष लग जाते हैं ठीक है तो सूर्य एक गोलाकार कच्छ में यानी कि एक गोलाकार कच्छ में यानी कि इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है गलेक्सी यानी कि यहाँ पर इसको हम क्या देते हैं बल्ज तो एक गोलाकार कच्छ में यानी कि इस तरह से एक गोलाकार कच्छ में क्या कर रहा है ये मंदाकिनी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है सूर्य को एक पूरा चक्कर लगाने में पच्चीस करोड़ वर्ष लगते हैं जिसे गंगे या गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है तथा तीन लाख तैतीस हजार गुना भारी है यानी कि फिर से मैं बता दे रहा हूं कि सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना क्या है बड़ा है और तीन लाख हजार गुना भारी है लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना ही अधिक है तो सूर्य से सूर्य जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है 15 किलो 15 किलो, किलो वो सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर को एक खगोली इकाई माना जाता है नहीं, एक खगोली इकाई कितनी हो गई पंद्रह करोड़ किलोमीटर दो खगोली इकाई कितनी हो गई तीस करोड़ किलोमीटर समझा गया चलिए आगे बात करते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आठ मिनट बीस सेकंड में पहुंचता है यानी कि जो सूर्य होती है वहां से जैसे ए, उदय होता है तो आठ मिनट बाईस सेकंड या बीस सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है सूर्य की आयु की यदि बात की जाए तो सूर्य की आयु पांच करोड़ वर्ष है ठीक है इसका ब्यास की यदि बात की जाए ब्यास मतलब इसको हम अंग्रेजी में डाया कहते हैं तो ब्यास की बात की जाए तो तेरह लाख इक्यानवे हजार सोलह किलोमीटर या और भी अगर अंग्रेजों वाली स्टाइल में बोले तो वन पॉइंट थ्री नाइन वन मिलियन किलोमीटर इसका डायामीटर या इसका ब्यास है सूर्य में इकहत्तर परसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है छब्बीस दशमलव पाँच परसेंट हीलियम टू पॉइंट फाइव परसेंट लिथियम तथा यूरेनियम इसमें है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात की जाए तो जो, प, आ, है है जो, जो है वह नावकीय या न्यूक्लियर फ्यूजन जिसके तहत हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना यह प्रक्रिया क्या कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूजन या नावकीय कहलाती है सूर्य का केंद्र का तापमान वन पॉइंट की पावर सेवन वन पॉइंट की पावर सेवन कैलविन है जबकि इसकी सतह का तापमान पांच हजार आठ सौ कैलविन समझ आ गया कितना है पाँच हजार आठ सौ कैलविन इसकी सतह का यानी कि जो ऊपरी सतह आप देख रहे हैं ये इसकी ऊपरी सतह का कितना है पाँच हजार आठ सौ कैलविन और इसका जो कोर है यानी कि जो नाविक है इसका जो तापमान है वन पॉइंट फाइव सेवन टेन की पावर सेवन कैलविन ठीक है चलिए चलिए साथियों बात कर लेते हैं सूर्य का सूर्य की संरचना के बारे में अंग्रेजों की भाषा में इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सन चलिए समझते हैं सूर्य की संरचना के बारे में बढ़ लेते हैं आगे देखते हैं हाँ तो ये यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है सूर्य का ये केंद्रीय भाग है इसको हम कोर कहते हैं यहाँ से कुछ निकलती है किरणें ये रेडिएशन जोन होता है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सूर्य का जो कोरोना वाला भाग होता है उसको सूर्य की रीट कहते हैं ये जो ऊपरी सतह होती है इसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्पियर ये जो काला काला धब्बा होता है उसको हम कहते हैं सौर कलंक या सनस्पॉट हम ये कह देते हैं हम इसको अंग्रेजों की भाषा में चलिए तो समझते हैं सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है इसको हम कोर कहते हैं कोर का जो तापमान होता है टेन की पाव वन पॉइंट फाइव सेवन टेन की पावर सेवन कैलवन होता है यानी कि इसको हम भाषा में निकाल लें तो डेढ़ करोड़ वन पॉइंट फाइव करोड़ कैलविन इसकी केंद्रीय भाग यहाँ का कोर का क्या होता है तापमान होता है सूर्य की बाहरी सतह को यानी कि जो ऊपरी सतह आप देख रहे हैं ये वाली जो सतह है सूर्य की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटो स्पेयर कहते हैं इस ऊपरी सतह का जो तापमान की बात ये की जाए तो पाँच हजार आठ सौ कैलविन होता है सौर ज्वाला सौर ज्वाला क्या होती है सौर ज्वाला या सौ सोलर फ्लेयर इसको हम बोलते हैं तो ये यहाँ पर देख रहे हैं ना ये धधकता जो गोला होता है इससे ये तू ये कई किलोमीटर में होती है कहीं कहीं सौ से डेढ़ सौ किलोमीटर ऊंची ये लपटें होती हैं तो ये सूर्य की बाहरी यानी कि जो सूर्य की बाहरी सतह हो तो होती है, यानी प्रकाश मंडल की गुरुत्वा आकाश में आसमान में निकल जाती हैं ये लपटें हाइड्रोजन अड़ू के नाविक होते हैं यानी प्रोटॉन्स होते हैं इन लपटों का मार्ग कभी कभी पृथ्वी की ओर हो जाता है जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं बिजली कड़का देते हैं समझ में आ गया मैं फिर से बता देता हूँ कि जो सूर्य की ऊपरी परत होती है इसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं यहाँ से क्या होता है यहाँ से कुछ लपटें निकलती हैं सूर्य की एकदम चारों धतकती रहती हैं वो कई कर, किलोमीटर मैंने बताए करीब सौ से डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी तक हो जाती है तो ये पार करती हुई कभी कभी पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसमें प्रवेश कर जाती है यानी कि अपना जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण वाले होता है उसे पार करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें क्या करती है ये बिजली कड़का देती हैं इतना इसमें जानने के लिए काफ़ी है चलिए धुर्वी ज्योति समझते हैं या पोलर लाइट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं उससे पहले एक चीज़ जान लेंगे यहाँ पर ये सोलर विंड इसको हम कहते हैं सौर पवन तो जो सौर पवन होती हैं सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स की धारा को सौर पवन कहते हैं जब ये यह यहाँ से कोरोना वाले भाग से सौर पवन निकलती हैं तो ये क्या करती हैं वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में क्या कर जाती हैं प्रवेश कर जाती हैं तो सौर मंडल वो सॉरी सौर पवन तथा वायुमंडल के घर्षण से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे ओरोरा लाइट कहते हैं ये ध्रुवों पर दिखाई देते हैं यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये दिखाई देते हैं इन्हें पोलर लाइट या ध्रुवी ज्योति भी कहा जाता है किसको लाइट लाइट को पोलर या ध्रुवी ज्योति भी कहा जाता है इस प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर सुमेरु ज्योति या और बोरियालिस कहते हैं यहाँ पर ये प्रकाश देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव पर इसको औररा बोरियालिस या सुमेरु ज्योति कहते हैं जबकि दक्षिणी ध्रुव पर इसी प्रकाश को क्या कहते हैं कुमेरु ज्योति या और

वो सभी जैसे ग्रह हो गए उपग्रह हो गए धूमकेतु हो गए क्षुद्र ग्रह हो गए चाहे कुछ भी हो जो कि सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं उनको हम सौर मंडल के पिंड कहते हैं तो चलिए समझते हैं आगे सौर मंडल के पिंडों के बारे में बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोली खगोलीय संघ ने यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन दो में है आकाशीय पिंडों को तीन भागों में बांटा है सबसे पहला जो है परंपरागत परंपरागत ग्रह जिसमें है बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं ये है सूरज इसके बाद मरकरी बुध बीनस शुक्र अर्थ पृथ्वी मार्स मंगल जुपिटर बृहस्पति सेचरण आपका शनि यूरेनस आपका अरुण नेपच्यून आपका आपका वरुण हो जाता है ठीक है इसके बाद बोने ग्रह आपका जैसे प्लूटो हो गया और इरेस हो गया ठीक है वो सेरस हो गया ठीक है इसके की बाद लघु पिंड की बात की जाए तो लघु पिंड में आपके उपग्रह हो गए धूमकेतु तो हो गए और अन्य जो पिंड होते हैं उनको इसमें रखा जाता है चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात कर लेते हैं ग्रह के बारे में ग्रह या प्लेनेट्स इन्हें अंग्रेजों के में कहते हैं तो आइए समझते हैं ग्रहों के बारे में तो इतना नजर डाल देते हैं कि सूर्य ग्रह क्यों नहीं कहा जाता है ग्रह वो होते हैं जो दूसरों के प्रकाश पर आश्रित होते हैं जैसे कि सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं इनका इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं ये प्रकाशित होते हैं यानी किसी तारे के द्वारा ये प्रकाशित होते हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो ये हमें दिखेंगे इन्हें बिल्कुल काले होंगे ठीक है तो चलिए समझते हैं ग्रहों के बारे में तो सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये ग्रह सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं इनकी अपनी एक परिक्रमण कक्षा होती है समझ में आ गया यानी कि जो ग्रह होते हैं वह सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं सूर्य से ही प्र... प्रकाश प्राप्त करते हैं इन्हें अपनी न स्वयं की ऊष्मा होती है ना ही स्वयं की क्या होती है ना ही स्वयं का प्रकाश होता है किनके पास ग्रहों के पास इनकी एक अपनी परिक्रमण कक्षा होती है यानी कि एक निश्चित कक्षा होती है उसमें यह परिक्रमा करते हैं ग्रहों को दो भागों में बांटा जा सकता है आंतरिक ग्रह ठीक है ठीक है आंतरिक ग्रह जिन्हें हम पार्थिव ग्रेवी भी देते हैं। ये भारी पत्थरों से बने हुए ग्रह होते हैं ये आकार में छोटे लेकिन घनत्व तो इनका बहुत अधिक होता है पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं क्योंकि पार्थिव मतलब सीधा मतलब आप जानते हैं कि पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित होता है तो ऐसे ग्रह जो कि भारी भारी चट्टानों से बने हुए हैं जिस तरह से पृथ्वी चट्टानों में भारी ग्रह है ना तो जैसे कि आपका मरकरी यानी कि बुद्ध भी चट्टानों से बना हुआ है बीनस भी चट्टानों से मार्स भी और सॉरी अर्थ भी आपका मार्स ठीक है तो ये जो इनकी चट्टाने हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पृथ्वी

आपका मंगल तो चलिए आगे बात करते हैं बाहरी ग्रह या गैसी ग्रह या जोबियन ग्रह इन सारे ग्रहों के क्या कहते हैं गैसी ग्रह जोबियन ग्रह या बाहरी ग्रह भी कहते हैं ये ग्रह आंतरिक ग्रह से बड़े होते हैं लेकिन इनका घनत्व तो क्या होता है उनसे कम होता है ये हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं इन पदार्थों के निर्मित होने के कारण इनको दो भागों में बांटा जाता है यानी कि ये वाले जो दो ग्रह हैं जुपिटर और आपका सेचर यानी कि बृहस्पति और शनि जो ग्रह हैं इनको हम क्या कहते हैं गैसी ग्रह कहते हैं और इन दोनों को हम कहते हैं आइस जेंट यानी कि बर्फीले ग्रह कहते हैं ठीक है तो यानी कि दो ग्रह कौन कौन से आपके जुपिटर और सेचर आपका ग्रह कहलाएगा, और इनका निर्माण बर्फीले पदार्थों से होने क्या कहा जाता है इनको हम आइस जेंट या बर्फीले ग्रह कहते हैं कौन कौन से अरुण और वरुण चलिए आगे बात करते हैं ठीक है तो पिंडों में पिंडों में पिंडों में या कहें गिरोह में दो गतियां होती हैं किस तरह की गतियां होती हैं सबसे पहली जो होती है घूर्णन गति घूर्णन गति जो होती है अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं इसे परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं मान लीजिए पृथ्वी है पृथ्वी जो है सूर्य के ये मान लीजिए सूर्य है और सूर्य के ओर तो चारों ओर चक्कर लगा ही रही है चारों ओर चक्कर लगाने को हम कहते हैं परिक्रमण या कहें रेवल्यूशन ठीक है और जो अपने अक्ष पर यानी कि इसके साथ जो अपने अक्ष पर भी घूम रही है आप देख रहे हैं ये पूर्व से वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो इसको यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा ध्यान रखें चीजें जब पृथ्वी पूछी जाए कि पृथ्वी किस ओर घूम रही है तो हमेशा ध्यान रखें ये आप सबसे पहले कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में क्योंकि पूर्व पश्चिम कभी भी कभी गलत भी हो सकता है लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में है वो हमेशा काम करेगा ठीक है तो मैंने क्या बताया घूर्णन गति या रोटेशन अपने अक्ष पर घूर्णन की यानी कि मान लीजिए ये उंगली है मेरी उंगली पर कोई हम फुटबॉल घुमाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे अपने अक्ष पर घूमना इसको हम कहेंगे घूर्णन या रोटेशन ठीक है तो इसे परिक्रमण या परमण गति भी कहते हैं जो अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है या कोई भी ग्रह घूमता है तो अपने अक्ष पर घूमने के कारण उसका दिन और रात की घटना होती है यानी कि जो अपने पर घूमती है पृथ्वी मान लीजिए तो उसके कारण क्या होता है दिन और रात की घटना होती है किसके कारण अपने अक्ष पर घूमने का ठीक है इसके परिक्रमण गति की बात की जाए परिक्रमण गति या कहें रेवल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो जब अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है कोई पिंड या कोई ग्रह तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं इसको वार्षिक गति भी कहते हैं जो कि घड़ी की विपरीत दिशा में होती है यानी पश्चिम से पूर्व यानी कि दोनों काम यानी कि जो ग्रह होते हैं पश्चिम से पूर्व ही अपनी अपने अक्षर पर घूमते हैं और जब सूर्य के ओर चारों और चक्का लगाना हो तो पश्चिम से पूर्व भी घूमते हैं इस तरह से इस तरह से ठीक है चलिए चलिए तो इनमें से छह ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर पर करते हैं यानी कि एक बात ध्यान रखना कि जो ग्रह हैं ग्रह जो हैं उनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का क्रम तो सभी ग्रह यानी कि आट आठ के आठों ग्रह सूर्य के चक्कर तो लगाते हैं वो भी घड़ी की विपरीत दिशा में लेकिन अपने अक्ष अच्छा पर घूमने की यदि बात की जाए इस तरह से अपने अक्ष अच्छा पर घूमने की बात की जाए तो छह ग्रह तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा इन में इनमें से दो ग्रह ऐसे हैं जो कि उल्टी दिशा में घूमते हैं यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं समझ में आ गया यानी कि सारे ग्रह क्या करते हैं सूर्य की चक्कर लगाते हैं वो भी किस तरह से जिस तरह से पृथ्वी घूमती है यानी कि इस तरह से यही सभी का सभी का क्रम यही रहेगा लेकिन अपने अक्ष पर जो क्रम है वह बदल जाता है दो ग्रहों का दो ग्रह कौन कौन से हैं एक तो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र और यहाँ पर एक है आपका यहाँ पर अरुण तो अरुण और अरुण और शुक्र जो दो ग्रह हैं यह अपने अक्ष पर किस तरह से घूमते हैं घड़ी की जिस तरह जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में घूमती है बाकी सारे छह ग्रह जो हैं वह घड़ी की विपरीत दिशा में ही चक्कर लगाते हैं हैं और आठों के आठो जो आठों के आठों ग्रह वह घड़ी के विपरीत दिशा में ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बुध से लेकर शनि तक के हमें जो हैं वह खुली आंखों से दिखाई देते हैं यानी कि हमें कुल पांच ग्रह खुली आंखों से दिखाई पड़ते हैं यानी कि हम साधारण रूप से हम इनको देख सकते हैं कौन कौन से ग्रह हैं मान लीजिए शुक्र है बुध है ये शुक्र है ये पृथ्वी है ये मंगल है ये आपका बृहस्पति है और ये शनि है इसके बाद दो ग्रह जो होते हैं अरुण और वरुण ये काफी दूर होने कारण हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ते यानी कि अब हम कैसे समझेंगे कि कैसे कितने ग्रह दिखाई पड़ते हैं हमें खुली आंखों से हम कितने ग्रह देख सकते हैं पृथ्वी से हम सिर्फ और सिर्फ पांच ग्रह देख सकते हैं कैसे देख सकते हैं क्योंकि भैया पृथ्वी पे तो हम खड़े खड़े ही हैं तो पृथ्वी से हम कैसे देख लेंगे पृथ्वी को तो हम कितने ग्रह दिखाई पड़ेंगे बुध दिखाई पड़ेगा शुक्र दिखाई पड़ेगा मंगल दिखाई पड़ेगा और बृहस्पति और शनि यानी कि एक दो तीन चार और पांच ग्रह हमें साधारण रूप से ये खुली आंखों से दिखाई पड़ सकते हैं या पड़ते हैं चलिए आगे बात करते हैं तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह के, के बारे में बुध को हम अंग्रेजों की भाषा में मरकरीवी कहते थे हैं मरक्यूरीवी कहीं कहीं आप उच्चार जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं कोई नीचे नहीं कहेगा कि ये वाला क्यूरी होता है तो आपको जो अच्छा लगे मरकरी कह सकते हैं मरक्यूरीवी जो आपको समझ में आए यह ग्रह यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कैसे है सबसे पहले आपका आता है बुध उसके बाद आता है शुक्र फिर आता है बृहस्पति फिर आता है मंगल फिर आता है बृहस्पति फिर आता है शनि फिर आता है अरुण और फिर आता है वरुण ठीक है तो यह सबसे पहला ग्रह और सबसे छोटा ग्रह है यह अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी कि उनसठ दिनों में पूरा कर लेता है यानी कि यह किस दिशा में घूमता है अपने अक्ष पर यानी कि घड़ी की, की विपरीत दिशा में घूमता है और सूर्य के चक्कर भी घड़ी की विपरीत दिशा में ही लगाता है यह अपने अक्ष पर जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है और जो बुध ग्रह है वह कितने दिनों में करता है उनसठ um, दिन में यानी कि आपका बुध ग्रह पर एक दिन कितने घंटे कितने दिनों का होगा उनसठ um दिनों का एक दिन होगा समझ में आ गया तो यह अपने अक्ष पर उनसठ दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है यानी कि बुध पर एक दिन एक हजार एक चार सौ सात घंटे का होगा यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध का कोई उपग्रह नहीं है यानी कि बुध ग्रह जो है या कहें कर्क्यूरी जो ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है ठीक है यह सूर्य यह ग्रह सूर्य के पास होने का सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है यानी कि कुल सतासी दिनों में सतासी दिन तेईस घंटे में एक पूरी परिक्रमा कर लेता है मोटा मोटी हम इसको अट्ठासी दिन मान सकते हैं इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी पर तीन सौ पैंसठ दिन की एक साल होती है तो यहां पर जो साल होगी वो अठासी दिन की होगी ठीक है इसका कोई भी वायुमंडल नहीं है इसका औसत घनत्व की अगर बात की जाए तो पांच दशमलव चार तीन इसका औसत घनत्व अच्छी झुकाव की बात की जाए तो अच्छी झुकाव इसका जीरो पॉइंट वन है चलिए आगे बात करते हैं चलिए शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं अंग्रेजों की भाषा में इसको हम बीनस कहते हैं तो वीनस या शुक्र ग्रह तो शुक्र ग्रह सूर्य से शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूसरा सबसे पास ग्रह यानी कि सबसे पहले कौन सा आता है आपका बुध और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है शुक्र आता है यानी कि दूसरा सबसे पास ग्रह कौन सा है आपका बुध बुध सॉरी शुक्र ग्रह है ठीक है यह ग्रह आकार तथा भार में बिल्कुल पृथ्वी के समान है साथ ही ये पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक का ग्रह भी इस इसलिए इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमारी मौसी जो हुई वो हो जाती है शुक्र ग्रह ठीक है बहन उन्हें कारण हमारी मौसी कहलाई ठीक है तो यह आकार में तीसरा सबसे छोटा ग्रह भी है तीसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका शुक्र है ठीक है इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं है यानी कि बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है तो शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है यह सबसे गर्म ग्रह है यानी कि इसका जो तापमान है 480 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है यह सौर ऊर्जा का सबसे अधिक क्या करता है परावर्तन करता है इस कारण यह सबसे अधिक चमकता है यानी कि परावर्तन करने के कारण यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है इसको इसके वायुमंडल में सत्तानवे परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यह गर्म रहता है इसका ये सीधा सा मतलब होता है कि यह कभी भी रहने लायक नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो सॉरी पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें थोड़ी सी मात्रा ही तो है किसकी थोड़ी सी कुछ पॉइंट आपके मान सकते हैं कुछ परसेंटेज ही तो आपका उसमें क्या बोलते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की है उसके कारण पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती है लगा सकते हैं कि ये कैसे रहने लायक हो सकता है ठीक है इसके वायुमंडल सत्तानवे परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है इसका 80 मैदान ज्वालामुखी से भरा हुआ है ठीक है यहां पर मैंने कुछ लिखा है आप लोगों को याद दिला देने के बारे में तो मैं फिर से बता देता हूं कि सभी ग्रह जो है सूर्य ये है सूर्य का जो परिक्रमा कर रहे हैं किस दिशा में कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व यानी कि सुई की विपरीत दिशा में कर रहे हैं लेकिन जो अपने अक्ष पर घूमने की बात आए तो अपने अक्ष पर भी सारे ग्रह क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं यानी कि सुई की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं लेकिन इन दोनों ग्रहों में से दो ग्रह ऐसे हैं जो कि अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व न घूमकर कैसे घूमते हैं पूर्व से पश्चिम घूमते हैं यानी कि जिस दिशा में सुई चलती है इस तरह से इस तरह से उस दिशा में ये घूम रहे हैं उनमें से सबसे पहला ग्रह कौन सा आ गया आपका शुक्र ग्रह आ गया जो कि अपने अक्ष पर किस दिशा में घूम रहा है इस तरह से घड़ी की सही सुई दिशा में जाती है उस तरह से यानी कि पूर्व से पश्चिम बाकी सारे ग्रह ये अरुण इसी तरह से घूमता है चलिए आगे बात करते हैं यह यानी कि जो आपका सूर्य ग्रह शुक्र ग्रह जो है यह सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखाई देने का इसको साय तथा भोर का तारा कहते हैं इसका परिक्रमण पूर्व से पश्चिम की ओर है जो कि घड़ी की, की दिशा में है यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी कर लेता है इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से पृथ्वी पर तीन दिन तो दिन की एक साल होती है उसी तरह से शुक्र पर 225 दिनों की एक साल मानी जाती है इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है उससे कहते हैं मैक्सवेल माउंट जो कि ग्यारह किलोमीटर ऊंचा है कौन सा मैक्सवेल माउंट किस पर स्थित है आपका शुक्र ग्रह पर स्थित है ठीक है इसका घनत्व की बात की जाए तो पांच दशमलव दो पांच इसका घनत्व है औसत घनत्व की बात की जाए अच्छी झुकाव की यदि बात की जाए तो अपने पर यह है एक सौ सड़सठ एक सौ सतहत्तर डिग्री झुका हुआ है अच्छी झुकाव इसका ठीक है चलिए आगे बात करते हैं पृथ्वी के है, सबसे खूबसूरत ग्रह सबसे अच्छा ग्रह ग्रीन प्लेनेट कहते हैं और इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं ब्लू प्लेनेट हम कहते हैं ऊपर से आसमान में जो देखने वाले व्यक्ति हैं यानी कि जो एस्ट्रोलॉजिकल जो लोग होते हैं यानी कि जो खगोली विज्ञान से संबंधित रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ये आसमान से हमें कैसा दिखाई पड़ता है हमें ये आसमान से नीला दिखाई पड़ता है क्यों दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें पानी की अधिकता है ठीक है अगर बात की जाए ग्रीन प्लेनेट क्या कहते हैं क्योंकि इस पर पेड़ पौधे बहुत अधिक हैं इस कारण इसको ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है तो आइए समझते हैं पृथ्वी के बारे में यानी कि अर्थ के बारे में तो सूर्य के सभी ग्रह तथा उपग्रहों में एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है यानी कि जितने भी ग्रह यानी आठ के आठ ग्रह हैं और जितने भी उपग्रह हैं उन सभी में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है यानी कि जिस पर जीवित प्राणी रहते हैं यह आकार के आधार पर पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है तथा दूरी के आधार पर तीसरा सबसे पास ग्रह यानी yani कि सबसे पहले आता है बुध उसके बाद शुक्र उसके बाद पृथ्वी आता है यानी तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है और बड़े ग्रह की अगर बात की जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी पर वो पृथ्वी अपने अच्छे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी पर पृथ्वी अपने अच्छे ओर घूमती है तो दिन और रात होती है जब यह सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतु परिवर्तन होता है यानी yani कि वो क्या बोलते हैं मैंने क्या बताया ऋतु परिवर्तन किसके कार होता है सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तब और जब अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होता है दिन और रात होती है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो सुंदर सा चांद सा प्यारा मुखड़ा करके कहते हैं तो ये चांद है यानी कि चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है आपका पृथ्वी का तो इसको साढ़े फिर से समझा देता हूँ पृथ्वी को आपको ग्रीन प्लेनेट कहते हैं रेड प्लेट ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं वो मैं आप लोगों को बता दिया पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो दिन रात होते हैं पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो क्या होता है ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है चलिए आगे बात करते हैं आ, किसी ग्रह का उपग्रह होने के लिए उपग्रह का आकार ग्रह से एक बटे आठवां भाग होना चाहिए जो कि चंद्रमा का नहीं है उसके नियम के बावजूद भी चंद्रमा का जो ब्यास है एक बटे चारवां भाग है पृथ्वी से इसके बावजूद भी चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह माना गया है पृथ्वी प्रत्थ, का घनत्व तो पाँच पॉइंट पाँच दो है यही कारण है कि सबसे अधिक घनत्व आपका पृथ्वी का है सभी ग्रहों में ठीक है पृथ्वी पर जल तथा वायुमंडल की उपस्थिति कारण पृथ्वी आकाश से कैसी दिखाई पड़ती है नीले दिखाई पड़ती है पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े तेईस अंश झुकी हुई है और इसका कच्ची झुकाव की बात की जाए तो साढ़े पैंसठ अंश यह अपने कक्ष पर कैसी है झुकी हुई है चलिए आगे बात करते हैं इसका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसको हम कहते हैं चंद्रमा यानी कि चंद्रमा ठीक है चलिए आइए है। देखते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है यह प्रकाश उपग्रह है जिस तरह से आपका पृथ्वी यानी कि चंद्रमा जो है वो भी सूर्य के प्रकाश से दिखता है और पृथ्वी भी क्या है सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करती है यह सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई देता है चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण गति क्या है समान होने का के कारण चंद्रमा का केवल आधा भाग ही पृथ्वी की ओर हमेशा रहता है यानी कि कुल उनसठ परसेंट जो भाग है वह हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है क्योंकि होता क्या है जो चंद्रमा है वह जिस गति से घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर उसी गति से वह अपने चारों ओर भी घूमता है यही एक कारण है कि इसका जो परिक्रमण है वह परिक्रमण यानी कि अपने परिक्रमण यानी कि पृथ्वी चारों चक्कर लगाने का और अपने अक्ष पर घूमने का दोनों का जो समय है वह क्या है समान होता है यानी कि इस पर दिन एक दिन की बात की जाए तो कितने घंटे का कितना समय लगता है सत्ताईस दिन सात घंटे का एक दिन होता है और एक साल की बात की जाए तो सत्ताईस दिन सात घंटे का ही एक इस पर साल हो जाती है ठीक है तो शांत सागर क्या होता है इसको भी हम हल्के समझते हैं शांत सागर या डार्क साइड ऑफ द मून या फार साइड ऑफ द मून तो चंद्रमा का वह भाग जो हमेशा अंधकार में रहता है यानी मैंने बताया था जो भाग है वह पृथ्वी की ओर हमेशा रहता है और इसके जो पीछे का जो भाग है यहां पर इकतालीस परसेंट जो भाग है यानी चंद्रमा का जो भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता है उसको हम कहते हैं डार्क साइड ऑफ द मून यानी कि शांत सागर तो चंद्रमा का वह भाग जो हमेशा अंधकार में रहता है यह एक धूल का मैदान है और इसे चंद्रमा का विमुख फलक कहते हैं यानी कि विमुख मतलब ये जो आपका ये हो गया सम्मुख यानी कि जो सामने वाला और पीछे का जो होता है उसको हम कहते हैं विमुख तो जो पीछे का हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता हम उसको विमुख फलक कहते हैं इसको शांत सागर या डार्क साइड ऑफ द मून या फार साइड ऑफ द मून कहते हैं ठीक है यानी कि जो इसका पीछे का जो भाग है उस पर आए आये दिन क्या गिरते रहते हैं उल्का पिंड वगैरह गिरते रहते हैं तो वहां पर बड़े बड़े क्या है पहाड़ से यानी कि क्रेटर पाए जाते हैं गड्ढे पाए जाते हैं कौन से बार भी दूसरी तरफ धूल के मैदान वगैरह वगैरह इस तरह की पाई जाती हैं तो इतना ही काफ़ी है ज़्यादा टीपे नहीं जाएंगे बड़ा बड़ा बीजू आ जाएगा जब हम अलग से पढ़ेंगे तब तो हम बात करेंगे कभी इसके बारे में चंद्रमा पर भार की यदि बात की जाए तो पृथ्वी के बाहर से एक बट्टे छः भाग है यानी कि पृथ्वी पर मान लीजिए किसी भी चीज़ का भार अगर साठ किलो है तो आपका पृथ्वी पर साठ किलो अगर है तो इसमें से क्या करेंगे छः का भाग दे देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा दस किलो हो जाएगा यानी कि पृथ्वी पर अगर साठ किलो है तो उसका चंद्रमा पर ले जाने पर भार कितना हो जाएगा सिर्फ सिर्फ दस किलो हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं उपभू और अपभू के बारे में कि उप शब्द आता है तो पास का मान लेंगे अप होगा दूर ठीक है तो आइए समझते हैं उपभू यानी कि पैरेजी तो जब चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो क्या कहते हैं उसको उपभू कहते हैं अपभू क्या था? चंद्रमा जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं उसको हम अपभू कहते हैं इसको मैं आप आप लोगों को दिखा देता हूं आप यहां पर देख सकते हैं चंद्रमा की यह कक्षा है इस तरह से घूमता है ठीक है इस तरह से ठीक पृथ्वी यहां पर बीच में है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये ज्यादा है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी है कम है तो आइए मैं समझाता हूं आप लोगों को जब चंद्रमा यहां से शुरू होता है घूमते 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 यहां पर पहुंचता है जब यहां पर पहुंचता है तो अधिकतम दूरी होती है तब क्या कहलाता है उपभू कहला जाता है फिर आगे बढ़ जाता है बढ़ते 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 फिर यहां पर पहुंचता है पन... ठीक है यहां पर क्या कहलाता है इसको हम कहते हैं उपभू यानी कि कम दूरी होती है तो उपभू और ज्यादा दूरी होती है तो क्या कहते हैं अपभू कहते हैं तो एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं ये जो उपभू जो स्थिति होती है जब अमावस्या की रात होती है तब उपभू की स्थिति होती है और जब अधिकतम दूरी होती है पूर्णिमा की रात को अधिकतम दूरी होती है यानी कि इसको हम अपू कहते हैं ठीक है चलिए अब उपभू समझ में आ गया अधिकतम दूरी वो न्यूनतम दूरी यानी कि अमावस्या की रात को और अधिकतम दूरी आपका अपभू को यानी कि पूर्णिमा की रात को ठीक है आइए यहाँ पर बात करते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पथ के बारे में जब चंद्रमा हमें दिखाई देने लगता है तो उस समय को कहते हैं शुक्ल पक्ष यह आपका शुक्ल पक्ष जो होता है कुल चौदह दिनों का होता है शुक्ल पक्ष कब का होता है चौदह दिनों का होता है यह अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का होता है कृष्ण पक्ष की बात की जाए तो जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता यानी कि अंधेरा रहता है तो यह पक्ष पूर्णिमा से लेकर अम, अमावस्या तक का रहता है यह कुल चौदह दिनों का होता है चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं कलाएं फेसेस ऑफ मून को अगर हम समझें तो दोनों पक्षों में यानी कि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो रातें होती हैं तो दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटते बढ़ते क्रम को चंद्र कलाएं कहते हैं यानी कि जो सबसे कम होता है ऐसे करके इस तरह से फिर बढ़ता है फिर और बढ़ता है फिर और बढ़ता है फिर और बढ़ता है फिर बढ़ते 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 फुल हो जाता है फिर कम होता है कम होते 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 बिल्कुल कम हो जाता है समझ में आ गया तो मैं फिर से बता देता हूं इस तरह ये जो कम ज्यादा होने की घटना को क्या कहते हैं कृष्ण और शुक्ल पक्ष की उसको हम कहते हैं चंद्रकलाएं यानी कि फेजिस ऑफ मून तो ग्रहण क्या होता है इसको हम समझते हैं आइए देखते हैं ग्रहण तो किसी खगोली पिंड का अंधकार में हो जाना क्या कहलाता है ग्रहण कहलाता है यानी कि मैं एक खू अंधकार में हो जाना मतलब वो दिखना बंद हो जाना मैं हूं मैं मेरा बहुत अच्छे से काम चलता है और मैं मेरे काम चलते चलते एकदम क्या हो जाए उस पर ग्रहण लग जाए यानी कि मैं अंधकार में आ जाऊं मेरा सारा काम वाम क्या हो एकदम ठप हो जाए बंद हो जाए तो मैं क्या मुझ पर क्या माना जाएगा मुझ पर ग्रहण लग गया मैं जब काम बंद हो गया तो घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा पड़ा रहूँगा ऐसे जानवरों की तरह तो कोई काम नहीं होगा समझ आया गया तो ग्रहण इस तरह से यानी कि किसी भी पिंड का अंधकार में हो जाना

तो इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण कहते हैं ठीक है इसके बाद दूसरा जो होता है यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हम इसको सूर्य ग्रहण कह देते हैं क्यों सूर्य ग्रहण कह देते हैं यानी कि सूर्य पर ग्रहण लग गया यानी कि हमें सूर्य दिखना बंद हो गया समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं मार्स जिसको हम कह देते हैं अंग्रेजों की भाषा में तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लोह ऑक्साइड पाया जाता है यानी कि फेर जो आपका कहां पर है आयरन ऑक्साइड जो होता है इसकी पर जो सतह है इस पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इसका रंग कैसा होता है यानी कि जो आयरन ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड जो होता है इसका रंग कैसा होता है लाल रंग का होता है तो पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर यह भी पच्चीस डिग्री क्या है झुका हुआ है जिस तरह से पृथ्वी कितने साढ़े तेईस और तेईस के बीच में झुका हुआ है तो इसी तरह से आपका जो मंगल है वह कितना झुका हुआ है पच्चीस डिग्री झुका हुआ है ठीक है तो पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर पच्चीस अंश झुके होने कारण मंगल पर भी अप, मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं जिस तरह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं यह सूर्य से अधिक दूरी होने कारण इस पर ऋतुएं बहुत ठंडी होती हैं पृथ्वी के मुकाबले ठीक है क्योंकि इस तरह से आप मान लीजिए सूरज है सूरज के बाद आपका बुद्ध बुद्ध के बाद बृहस्पति के बाद आपका शुक्र शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद आपका आता है मंगल तो दूरी होने के कारण पृथ्वी के मुकाबले जो आपका मंगल है इस पर बहुत कड़कड़ाती कर हुई ठंड पड़ती है यानी कि बहुत बुरी तरह से इसकी स्थिति आती है तो मंगल के दो उपग्रह भी हैं वो है आपका फोबोस और दूसरा है डिमोस ठीक है तो मंगल पर एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं निक्स ओलंपिया निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट तीन गुना ऊंचा है यानी कि सौर मंडल का यह सबसे ऊंचा पर्वत माना जाएगा चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में इससे पहले हमने बात कर ली आपके जो पार्थिव ग्रह थे ठीक है उनके बारे में कौन कौन से पार्थिव ग्रह थे आपके मरकरी मर मतलब बुद्ध शुक्र पृथ्वी और मंगल यानी चार ग्रहों के बारे में बात हो गई अब हम अल्के से बात करते हैं ये हैं आपके चार ग्रह जिनको हम कहते हैं जोबियन ग्रह या गैसी ग्रह भी हमको कह देते हैं तो जोबियन ग्रह में बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है तो आइए समझते हैं बृहस्पति को तो यह ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यह सूर्य से दूरी के हिसाब से पांचवा सबसे पांचवा सबसे पास का ग्रह है यानी कि सबसे पहला कौन सा है आपका बुध उसके बाद शुक्र उसके बाद पृथ्वी उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल उसके बाद पांचवें नंबर पर क्या आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति आता है यह यह ग्रह यानी कि गैसों से बना है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें पाई जाती हैं बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं जिनकी संख्या उन्यासी है यानी कि सेवनटी नाइन है जो कि 2019 के तहत यानी कि अभी जो इसकी खगोल विज्ञान करके जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान करके जो साइट है खगोल विज्ञान करके अनुसंधान करके है उसकी साइट जो है उससे मैंने ये जस्ट अभी निकाला है उसकी संख्या कितनी है सेवनटी नाइन कि कुल उन्यासी ठीक है तो यह जोबियन ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है यह ग्रह मिट्टी तथा पत्थर की बजाय ज्यादातर गैसों से बना इस है इस कारण इसे गैस जाइंट ग्रह या गैस दानव ग्रह कहते हैं इस ग्रह का वायुमंडलीय दबाव यानी कि जो आपका बृहस्पति ग्रह है इसका वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी ग्रह के दबाव से एक करोड़ गुना अधिक है यानी कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल दबाव है जो कि हम लोग बहुत आसानी से उस पर सांस ले सकते हैं सारे काम बड़ा आसानी से हो जाते हैं लेकिन तो इस पर कितना है एक करोड़ गुना पृथ्वी से समझ में आ गया तो यहाँ पर तो जीना मुश्किल ही जी, सोचना भी मुश्किल है कि इस तरह से कभी हो सकता है चलिए आगे बात करते हैं आगे देखते हैं सबसे पहले <coughs> सॉरी इसमें इसके कुछ उपग्रह हैं जिनको हम हल्के समझ लेते हैं प्रमुख जो उपग्रह हैं गैनीमेड कैलिस्टो यो और यूरोपा ठीक है सबसे बड़ा उपग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड ठीक है नंबर दो पर है कैलिस्टो नंबर तीन पर है यो और नंबर चार पर है यूरोपा ये ठीक है यहां पर देख सकते हैं ये पांच हजार दो सौ पैसठ किलोमीटर ठीक है चलिए इसके बाद बात करते हैं गैनीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो कि बुध से भी आठ परसेंट बड़ा है यानी जितना बड़ा बुध है उस बुद्ध से भी आठ परसेंट यह बढ़ा है कौन सा ज्ञानी बृहस्पति का द्रव्यमान सभी ग्रहों के द्रव्यमान से भी ढाई गुना अधिक है यानी कि सभी ग्रह जो हैं उनको भी जोड़ लिया जाए उसके बाद भी इसका जो जो द्रव्यमान है सभी ग्रहों से कितना हो जाएगा ढाई गुना अधिक होगा तो बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में कुल बारह वर्ष लगते हैं इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति पर एक साल कितने सालों की हो जाएगी एक साल बारह साल के बराबर होती है पृथ्वी जो बृहस्पति है अपने अक्ष पर नौ घंटे आठ नौ पॉइंट आठ घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है यानी कि मोटा मोटी अगर हम इसकी बात करें तो जो बृहस्पति है इस पर दस घंटे का एक दिन होता है और बारह साल की एक साल होती है चलिए आगे बात करते हैं शनि के बारे में बात कर लेते हैं यह ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका बृहस्पति उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका शनि ग्रह यह भी एक दानव गैस दानव ग्रह यानी कि इसकी भी जो संरचना है उसमें किसकी अधिकता है आपकी गैसों की अधिकता ज्यादा है इस ग्रह के चारों चारस्त्री नुमा क्या पाए जाते हैं छल्ले पाए जाते हैं जो कि पानी वर्त तथा धूल कणों से बने हुए हैं इन छलों को क्या कहा जाता है बलय कहा जाता है या कहें अंग्रेजी भाषा में इसको हम रिंग कहते हैं जिसकी संख्या कितनी है दस है यानी कि जो शनि पर जो रिंग पाए जाते हैं इनकी संख्या कितनी है दस है ठीक है तो समझा गया दस है यह है बहुत तेज गति से घूमने का सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह भी है कौन सा आपका शनि ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह भी है यानी कि इसकी जो आकृति हो गई है इस तरह से चपट मतलब दब गई है चलिए यह सूर्य के चारों ओर 29 वर्ष 29 वर्ष यानी कि साढ़े उनतीस वर्षों में एक पूरा चक्कर लगा लेता है यह अपने अक्ष पर दस दशमलव तीन घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेता है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है इसके

बासठ उपग्रह हैं जिनमें से टाइटन जो उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह है इसका और इस पर अपना स्वयं का वायुमंडल भी है चलिए जो कि सौरमंडल सौर में कौन सा उपग्रह है जिसका स्वयं का वायुमंडल है है तो वह है टाइटन चलिए बात करते हैं आगे यूरेनस यानी कि अरुण के बारे में अरुण अपने अक्ष पर अट्ठानवे अंश झुका हुआ है इस कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं जिस तरह से आपका शुक्र ग्रह जो है वह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहा है यानी घड़ी की सुई के दिशा में जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में चक्कर लगाती है उसी तरह से आपका जो अरुण है वह भी शुक्र की तरह घड़ी की दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर किस तरह से लगाता है जिस तरह सारे ग्रह लगाते हैं तो यह अपने अक्ष पर अट्ठानवे झुका हुआ है इस कार्ड इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं इसके उपग्रहों की संख्या कुल है जिसमें टिटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है, है उपग्रह आकार, है है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह पर जुपिटर यानी कि बृहस्पति नंबर दो पर सनी और तीसरे नंबर पर आपका आता है यूरेनस ठीक है इसको हम अरुण कहते हैं अरुण के चारों ओर भी बलय छल्ले पाए जाते हैं जिनकी संख्या कुल तेरह है जिनमें अलग अलग, अलग नामों से बांटा गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन और तमाम अटरम जटर तमाम तरह के नाम इसके रखे गए चलिए आगे बात करते हैं अरुण भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है घड़ी की दिशा में यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो कि सूर्य की, सूर की परिक्रमा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर करता है समझ में आ गया यह इस ग्रह पर यानी कि आपका जो अरुण ग्रह है इस पर मीथेन गैस की अधिकता है, है इस कार्ड इस ग्रह का रंग हल्का हरा हमें दिखाई देता है इसको गैसी ग्रह के साथ साथ बर्फीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है वो इसके जो वायुमंडल में आसपास के क्षेत्र में क्या है बर्फ की अधिकता होने के कारण इसे बर्फीला ग्रह या आइसेंट कहते हैं इसकी खोज सर विलियम हर्सल ने उन सत्रह में की थी चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं बरुड़ ग्रह के बारे में जिसको हम अंग्रेजी भाषा में नेपच्यून कहते हैं तो यह ग्रह भी एक गैसीय दानव ग्रह है यानी कि बर्फ से तो बना हुआ है साथ में यह गैस से भी बना हुआ है वरुण ग्रह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है क्योंकि जब पास जो है सबसे गर्म और उसके बाद बढ़ते जाएंगे क्योंकि प्रकाश कम मिलेगा ना तो प्रकाश कम मिलेगा तो सौर ऊर्जा कम प्राप्त करेगा तो जैसी बात है वहां ठंडक ज्यादा रहेगी ठीक है बरुड़ ग्रह जो है एक सौ में अपने अपनी जो परिक्रमा सूर्य की जो है वह एक सौ वर्षों में पूरी कर लेता है अपने अक्ष पर पंद्रह दशमलव सात घंटे में एक पूरा चक्कर करता है यह हम सात दस हम कह सकते हैं साढ़े पंद्रह घंटे में जो नेपच्यून ग्रह है या कहें बरुड़ ग्रह है वह अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कर लेता है यानी कि साढ़े पंद्रह घंटे का यहाँ पर एक दिन होता है इसके चौदह उपग्रह हैं उनमें से आपका ट्रिट्रॉन जो है वह सबसे बड़ा उपग्रह है यह पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है इसको खोजने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोहान्स हाले जोहान हाले यानी कि इसकी खोज यानी कि बरोड़ ग्रह की खोज अठारह में जोहान गाले ने की थी ठीक है किसकी जोहान गाले ने चलिए तो ये हो गए आपके सारे ग्रह जो भी जानकारी थी उनके बारे में चलिए आगे बात करते हैं बात करते हैं, बात करते हैं बौने ग्रह या माइनर प्लेनेट्स के बारे में चलिए समझते हैं इनको एक एक करके आइए देख लेते हैं बोने ग्रह के बारे में तो इनकी अभी तक स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि कौन से कैटेगरी में कौन से बोने ग्रह रखे जाएंगे यानी कि इनके क्या क्या कशेषाएँ होंगी इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई यानी कि इनका कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि इस तरह से ये दिखने वाले ये बोने ग्रह होंगे बस कभी भी किसी का भी कुछ भी कह सकते हैं चलिए तो हमारा सौर मंडल में कुल पांच बोने ग्रह हैं वैसे खोज तो शौ की हो चुकी है लेकिन उनमें से प्रमुख जिनके नाम दे दिए गए हैं उन्हें पांच को हमने बोने ग्रह के रूप में रख दिया जिसमें सबसे पहला आता है प्लूटो जिसको हम भारतीय भाषा में ई कहते हैं दूसरा है सिरस या साइरस भी कभी कभी पढ़ देते हैं तीसरा है हाउ मेया चौथा है मेकमेक मेक और पांचवा है इरिस यहाँ पर देख सकते हैं प्लूटो इरिस हाउमे और मेकमेक मेक, ठीक है प्लूटो सबसे बड़ा बोना ग्रह इसके बाद इरिस फिर होमिया यानी कि सबसे बड़ा प्लूटो उसके बाद इरिस और उसके बाद होमिया यानी कि नंबर एक नंबर दो और नंबर तीन पर आपका आता है होमिया चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं प्लूटो या, या यम के बारे में तो अंतर होता क्या है कि आपका जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है आई ए यू ने प्राग सम्मेलन 2006 में प्लूटो को सौर मंडल से बाहर कर दिया क्योंकि ग्रह का एक नियम होता है कि वे अपनी एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करें लेकिन प्लूटो ने बरुड़ की कक्षा को काट दिया इसलिए इसे ग्रह की सूची से बाहर कर दिया आइए इसको हल्का समझते हैं होता क्या है कि दो से पहले जो प्लूटो था या कहें यम था वो एक ग्रह की सूची में आ ग्रह की सूची में आता था यानी कि दो से पहले आपका जो ग्रहों की संख्या होती थी वह नौ हुआ करती थी यानी कि सबसे पहले पहले जो था बुद्ध शुक्र पृथ्वी पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण और यम यानी कि कुल नौ ग्रह हुआ करते थे लेकिन होता क्या है कि जो आपका नेपच्यून था नेपच्यून ने क्या किया एक हरकत कर दी यानी कि जो पापा थे यानी कि सौर मंडल के जो पापा हैं यानी कि आपके क्या नाम है उनके पापा का मतलब सूरज जो है सूरज ने अपने बच्चे हैं नौ नौ बच्चों को दे दिए थे अपने-अपने घर यानी कि आपका दे दिया था बुध को अपना घर शुक्र को बृहस्पति को पृथ्वी को मंगल को बृहस्पति को शनि को अरुण को वरुण को और यम को भी अपना अपना घर दे दिया था उनने कहा कि ऐसा करो सब लोग अपनी अपनी एक कक्षा अच्छा बना लो और उसमें अपनी पढ़ाई करो शादी करो जो भी करना है करते रहो लेकिन एक दूसरे घर में ताका झाकी नहीं करोगे लेकिन हुआ क्या कि जो बाद में पता चला कि जो जो आपका प्लूटो है वह नेपच्यून की या कहें बरुड़ की कक्षा में घुस गया और उसके घर में ताका झाकी कर रहा है और ताका झाकी करने के बाद भी कि सब, सब लोगों ने सोचा चलो दो चार दिन में चला जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो दो चार दिन की बजाय कम से कम बीस साल उसकी कक्षा में रहा बीस साल बाद वह निकला इस कारण से क्या हुआ इसकी हरकतबाजी के कारण इसकी ने जो हरकत की यानी कि बहुत छोटी हरकत थी यानी कि दूसरे घर में ताका झाकी करना वो अपने नेपच्यून बिल्कुल सेट हो चुका था जब बेबी बच्चे सब कुछ थे तो उसके घर में ताका झाकी कीजिए यानी ओछी हरकत की यानी छोटी हरकत की या कहें सी हरकत की यही ये कारण है कि जो आपका प्लूटो था उसको माइनर प्लेनेट या बोना ग्रह की सूची में डाल दिया जाता है यानी कि उसको ग्रह से क्या कर दिया गया अलग कर दिया गया और उसे बोना ग्रह कहा जाने लगा क्योंकि उनकी छोटी हरकत थी बोना मतलब छोटा होता ना तो बोना यानी कि माइनर प्लेनेट में इसको रख दिया गया समझाया गया तो इस जो आपका प्लूटो है प्लूटो जो है ये मान लीजिए आपकी वरुड़ की जो कक्षा है वरुड़ की कक्षा को ये वरुड़ कक्षा है और यहाँ पर है आपकी इस तरह से जाती है प्लूटो की प्लूटो जो है बरुड़ की कक्षा में कम से कम 20 साल रहता है 20 साल बाद ये पार निकल आता है यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं कर देता हूँ ये है आपकी प्लूटो नेपच्यून यानी कि अरुण वरुड़ की कक्षा और ये है आपकी प्लूटो की जो कि बीस साल यहाँ पर रहता है तो इसको हल्के से समझते हैं कि जो बरुड़ है वो हर 248 सालों में जो नेपच्यून ने है उसकी कक्षा को काट देता है यानी कि ये जो नेपच्यून ने यानी कि अरुण बरुड़ की जो कक्षा है इसको हर 248 सालों बाद काट देता है यानी कि 250 सालों के अंतराल में इसको काट देता है और जब जैसे ही इसमें घुसता है वैसे कम से कम कितना साल रहता है बीस साल रहता है इससे पहले यह कब घुसा था यानी कि आपका जो अरुण था वो सॉरी जो बरुड़ बरुड़ की जो कक्षा में प्लूटो यानी कि यम जो घुसा था वह घुसा था आपका मान लीजिए सात फरवरी उन्नीस सौ उन्नी कि उन्नीस सौ उन्यासी यानी कि 1979 में गया सात फरवरी 1979 में ये घुस जाता है और 17 फरवरी 1999 तक रहता है यानी कि कुल 20 सालों तक ये इनके कक्षा में रहता है और 20 सालों के बाद ये निकल आता है जब इसकी यह हरकत पता चलती है जो खगोल अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के लोगों को पता चलती है कि ऐसे ऐसी ये बात हुई कि एक घटना घट गट गई है बहुत खतरनाक कि जो अरुण की वरुण कक, की कक्षा में यानी कि नेपच्यून की कक्षा में आपका प्लूटो घुस गया इसके बारे में कुछ किया जाए और सभी वैज्ञानिक कि वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं और उन लोगों ने ये फैसला किया कि जो प्लूटो है या यम है इसको ग्रह की सूची से निकाल दिया जाए और यही एक कार्ड है कि 2006 में आपको जो प्लूटो था इसको ग्रह की सूची से अलग कर दिया जाता है क्यों क्योंकि यह इसने नेपच्यून या कहें बरुड़ की कक्षा को काट दिया था चलिए आगे बात करते हैं तो आइए प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा के बारे में बात करते हैं इनको हम नेचुरल भी कह देते हैं तो आइए समझते हैं इस इनमें यानी कि हमारा जो है, इनकी कुल संख्या की बात की तो एक सौ पिचासी कुल इनकी संख्या है तो प्राकृतिक उपग्रह ऐसे खगोली पिंड होते हैं जो कि ग्रह या क्षुद्र ग्रह या अन्य किसी पिंड के चारों ओर क्या करते हैं ये चक्कर लगाते हैं यानी कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है सूर्य के चारों ओर आपकी पृथ्वी चक्कर लगा रही है यानी कि आठ के आठों ग्रह जो हैं चक्कर लगाते हैं और इन ग्रहों के भी यानी कि जैसे पृथ्वी है उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन सा उपग्रह आपका चंद्रमा है और आपका मार्स या कहें मंगल के चारों ओर चक्कर लगाने वाले दो उपग्रह हैं जैसे कि फोबोस और डिमोस ठीक है तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कौन कौन से उसके प्रमुख जो उपग्रह हैं पृथ्वी का यानी कि अर्थ का प्रमुख उपग्रह है इसको हम कहते हैं मून मार्स का फोबोस और डिमोस आपका जुपिटर का आयो ठीक है या ईओ भी हम इसको पढ़ देते हैं यूरोपा गैनीमेड और कैलिस्टो ठीक है शनि के उपग्रहों की की अगर बात जाए तो सबसे प्रमुख जो यहां पर आप देख सकते हैं ये सबसे प्रमुख जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन टाइटन जो है टाइटन के पास अपना स्वयं का क्या है वायुमंडल है ठीक है चलिए यहां पर देखें यूरेनस या हम इसको कह सकते हैं अरोण के बारे में तो अरोण में जो सबसे प्रमुख है उसको हम कहते हैं टाइटेनिया ठीक है जो कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह है यहाँ पर नेपच्यून की बात की जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसको हम कहते हैं ट्रिटोन ठीक है यहाँ पर प्लूटो की बात की जाए प्लूटो का भी एक अपना उपग्रह है जिसको हम कहते हैं कैरोन ठीक है चलिए आगे बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं उसको हम समझते हैं जो कि एक प्रमुख है ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है तो आइए देखते हैं क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, जो कि एक बेल्ट के रूप में मौजूद हैं। इनको लघु ग्रहकाएं भी कहा जाता है क्या कहा जाता है लघु ग्रहकाएं भी कहते हैं ये ग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा है उसको हम कहते हैं सिरस इसका निर्माण भारी धातुओं से हुआ है लेकिन सिरस का आकार इतना बड़ा है इस आकार के बड़े होने के का कारण इसको बोना ग्रह भी कहते हैं दूसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है तो उसका नाम है बेस्टा बेस्टा ठीक है नासा ने पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह से बचाने के लिए एक डिवाइस या क्या एक यंत्र का निर्माण किया है जिसका नाम है ग्रेविटी ट्रैक्टर जो कि पृथ्वी का क्षुद्र ग्रह से क्या करती है रक्षा करती है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं ध्यान रहे क्षुद्र ग्रह जो है वह किसी ग्रह की परिक्रमा नहीं करते बल्कि किसकी करते हैं सूर्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं यानी कि मैं आप लोगों को कल के समझा देता हूँ मैंने आप लोगों को बताया कि यह है आपका मंगल ग्रह और यह है आपका च, ज, आ, कहते हैं बृहस्पति ठीक है तो मंगल तथा क्षुद्र मंगल तथा बृहस्पति के बीच में एक खगोली पिंड की पट्टी पाई जाती है इनको हम क्या कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं इनको हम अंग्रेजी भाषा में भी कह देते हैं ठीक है मैंने क्या बताया ये है आपका मंगल ग्रह ये है मंगल ग्रह और यह मंगल और बृहस्पति के बीच में एक मोटी पट्टी पाई जाती है इसको हम क्या कह देते हैं ये है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, इसको हम कहते हैं एस्टोरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की पेटी ये Osionfish. किसी ग्रह की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कभी पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह क्या मंगल की परिक्रमा कर रहे हैं या फिर बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे हैं नहीं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी किसकी परिक्रमा कर रहे हैं इसको हम कहते हैं सूर्य ठीक है क्षुद्र ग्रह के बारे में यह ध्यान रहे कि अपनी निश्चित कक्षा में क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं कॉमेट या धूमकेतु या पुच्छल तारा या फिर हम इसको किसी अन्य नाम से जानते हो तो वो आप बता सकते हैं ठीक है तो धूम केतु जो होते हैं वो पत्थर धूलकर बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे चट्टानी धातु के टुकड़े होते हैं ये सूर्य के चार ओर अनियमित कक्षा में क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं यानी कि कोई इनकी कक्षा जो है वह निश्चित नहीं होती है इसलिए कभी सूर्य मान लीजिए ये सूर्य है तो कभी सूर्य के पास चले जाते हैं

हैं वैसे ही सूर्य से मिलने वाली उष्मा से अपनी बर्फ पिघलाकर चमकीली पूछ बनाते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये सूर्य का चक्कर छे से दो छे से लेकर दो सौ बर्षो में पूरा कर लेते हैं इनकी जलती हुई पूछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है क्योंकि जो सूर्य होता है वो भेज्य बल लगाता है और इस कार्य की जो पूंछ होती है वो सूर्य से विपरीत दिशा में चली जाती है यानी कि ऐसे मान लीजिए ये सूर्य होता है और सूर्य मान लीजिए कोई पिछलता तारा है और आया और जैसे सूर्य के पास पहुंच गया सूर्य की गर्मी से इसकी जो बर्फ वगैरह थी ये पिघलने लगी तो इसका जो भैज्य बल है सूर्य का वो

आपका क्षुद्रग्रह ग्रह ऐसे बहुत सॉरी धूमकेतु है ऐसे ये सूर्य है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ठीक है चक्कर लगाते लगाते इस तरह से ये चक्कर लगा रहे हैं लेकिन गलती से क्या हुआ इसके पीछे पास में आ गया जैसे ही पास में आया धूमकेतु के वैसे जैसे ही पास में आया वैसे इसमें जो बर्फ वगैरह थी वो पिघल जाती है और बर्फ वगैरह के वगैरह पिघलने के कारण इसका जो एक पूंछ बनती है यानी कि धुएं की और जलवास की बनती है क्योंकि पानी होता है तो पिघलता है तो वास्तु तो बनेगी और धुआं वगैरह की वो बनती है पूंछ ठीक है और जैसे ये पूंछ बनती है वैसे ये अपनी विपरीत दिशा में बन जाती है यानी सूर्यश्वर है तो ये है तो पूछ किशोर बनेगी ईश्वर बनेगी आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य है यहां पर ये जैसे इसके पास पहुंचा वैसे इसकी पूंछ किशोर बनी इह इसूर, इह इसूर, ये ईश्वर ये ईश्वर ये इसकी विपरीत दिशा में जा रही पूंछ ये विपरीत दिशा में जा रही ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं चलिए तो धूमकेतु भी कुछ हैं धूमकेतुओं का जो भाग होता है वो तीन भागों में बांट दिया जाता है धूमकेत के जो तीन भाग होते हैं उनमें सबसे पहला यानी कि जो बीच का भाग होता है जो चमकीला बहुत ज़्यादा दिखता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं यानी कि नाभिक नाभि कहते हैं नाभि यानी कि पेट में जो होती है ना वो वो पेट में ऐसी नाभि ठीक है इसके और आगे बढ़ेंगे तो इसको जो चमकदार भाग है इसके यानी कि जो केंद्र है इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसको हम कोमा कहते हैं क्या कहते हैं कोमा कहते हैं उसके बाद यहाँ पर जो इसका ये जो हिस्सा है ये ये जो दोनों हैं इसको हम कहते हैं पूंछ इनमें भी पूछ भी दो तरह की होती है एक होती है डस्ट टेल और दूसरी होती है गैस टेल यानी कि डस्ट टेल जो होती है वो घनी घनी देखती है और जो गैस टेल होती है यानी गैस की जो पूछ होती है वो कहती होती है कम घनी कम चमकी मतलब हमें कम घनी दिखेगी ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पर दिखाया था यहाँ पर एक आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ये वाली डस्ट है और ये है गैस चलिए आगे बात करते हैं तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि धूम केतु के तीन भाग होते हैं नाभि कोमा और पूंछ पूंछ दो प्रकार की होती है डस्ट और गैस प्रमुख धूमकेतु तो की अगर बात की कर ली जाए तो हेलबॉप यहां, यहां पर आप देख सकते हैं हेली और सुमेकर लेवी नाइन तो आइए समझते हैं हेली हर छिहत्तर वर्षों में एक बार दिखता है शूमेकर लेबी नाइन बृहस्पति से टकरा गया था यहां पर आप देख सकते हैं बृहस्पत से जब टकरा गया था तो बहुत भयंकर विस्फोट होता है और हेलबॉब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो धूमकेतु होते हैं वह अनियमित कक्षा में क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं सूर्य के इसी कारण ये किसी किसी न ग्रह पर क्या करते हैं टूट जाते हैं इन्हीं में से ग्रह पर गिरने वाला था सुमेकर लेवी नाइन जो कि बृहस्पति से टकरा गया था चलिए क्योंकि पूछा गया है हैलीबॉब हर क्षेत्र वर्षो में एक बार दिखता है और सुमेकर लेवी नाइन आपका पृथ्वी बृहस्पति से टकरा गया था चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं उल्का और उल्का पिंड के बारे में वैसे तो इसके पृथ्वी पर गिरने से पहले आप कहें आकाश से लेकर जमीन तक तीन स्थिति बनती हैं सबसे पहले होता है मेटीरायड्स ठीक है इसके बाद होता है मेट्योर ठीक है मेट्योर इसके बाद होता है मेटेराइट्स ठीक है यानी कि ये स्थिति और नंबर एक ठीक इसके बाद बनती है दूसरी स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं नंबर दो जब आग लग जाती है नंबर तीन होता है जो बचा हुआ माल जो होता है धरती पर जब पहुंचता है उसे कहते उल्टा पिंड ठीक है पहले भाग को यानी कि जो मेट्रॉड होता है उसको हम उल्का ही कहते हैं दूसरे भाग को उल्का कहते हैं उल्का कहते हैं फिर तीसरा भाग जो पृथ्वी पर आकर उससे भी हम उलका पिंड ही कहते हैं इंग्लिश में नाम इसके अलग अलग हो जाते हैं ठीक है तो आइए समझते हैं तो उल्का पिंड धूल तथा गैस से बने हुए होते हैं जो कि क्षुद्र ग्रह या अन्य आकाशीय पिंडों के क्या होते हैं टुकड़े होते हैं जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और वायुमंडल में प्रवेश करते हुए वायुमंडल के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और जल जल कर ये समाप्त हो जाते हैं जब किसी उल्का का भाग जो जलकर नष्ट नहीं होता पृथ्वी पर गिरता है तो उल्का पिंड कहलाता है यानी जब कोई पिंड अंतरिक्ष में है तो वह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाता है तो उसे उल्का कहते हैं लेकिन जब वह उल्का का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है पृथ्वी पर गिरता है तो उल्का पिंड कहते हैं तो आइए इसको भाषा में समझते हैं मैं आप लोगों को करके समझा देता यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मान लीजिए कोई क्षुद ग्रह है वो अपना चक्कर काट रहा है अपनी परिक्रमा कर रहा है रूप साधार उसका जीवन कट रहा है लेकिन गलती से क्या होता है वो उसमें से टूट आता है लेकिन टूटने के बाद अभी वो टूटने के बाद उसमें आग नहीं लगी अभी ये से है ना कि साधारण है बिल्कुल अभी इसको उल्टा पिंड ही कहेंगे यानी कि जैसे ही आसमान में ये गलती टूटा और आसमान में टूटने के बाद किसी ग्रह की ओर बढ़ा मान लीजिए ग्रह की ओर बढ़ता 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 यह पृथ्वी की ओर बढ़ जाता है पृथ्वी की ओर जैसे ही बढ़ता है अभी इसमें आग नहीं लगी अभी ही है ये तो जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है वैसे ही जैसे ही इसमें आग लगती है वैसे ही, ही इसको उल्का कहा जाने लगता है जैसे ही इसमें आग लगती है उल्का कहा जाने लगता है और जब इसमें क्या होता है उल्का कहा जाने लगता है आग लगने के बाद घसड़ क्या होता है रगड़ा रगड़ी समझ सकते हैं क्या होता है पृथ्वी के वायुमंडल में ये प्रवेश कर गया प्रवेश करने के बाद जब वायुमंडल में प्रवेश करने का वायुमंडल से रगड़ खाया घर्षण हुआ या रगड़ा रगड़ी हुई तो उसमें जो उल्का था उसमें क्या हो जाती है आग लग जाती है उल्का में आग लग जाती है ठीक है तो आग लगने के बाद अगर वो ऊपर ही खत्म हो जाता है तो तो उससे उल्का ही कहेंगे लेकिन उल्का का बचा हुआ भाग जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं यानी कि कभी समुद्र में गिर जाता है तो कभी धरती पर गिर जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं ये धरती पर गिरा था तो इतना बड़ा छेद हो गया करीब डेढ़ से दो किलोमीटर दूर तक का ये छेद होगा ठीक है इसमें पानी भर जाएगा तो ये झील बन जाएगी यहाँ पर अगर महासागर में गिरता है तो सुनामी की तरह एकदम लहर उठ सकती है और आसपास का जो क्षेत्र होगा जलमग्न हो जाएगा तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं कभी कभी उल्का पिंड में ठीक है तो समझ में आ गया सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि जो ऐसे अभी क्षुद्र ग्रह का भाग है तो मेटोरॉयड कहा जाएगा ठीक है उसके बाद जब ये गिरकर आग लग जाती है तो मेट मेट्योर कहा जाएगा ठीक है

तीनों चारों चीज़ों को मैंने एक साथ रख दिया है और उनको समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करते हैं और कहाँ पर इनका क्या नाम रहता है जब किसी पिंड का जैसे धूमकेतु है या पुछल तारा है तो अपने आकाश में या कहें अंतरिक्ष में ये परिक्रमा कर रहा है सूर्य वगैरह की तो नॉर्मल इनकी ज़िंदगी चल रही है यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है तो आपकी ये आपके एस्टोरायड यानी कि जिंदगी इसकी नॉर्मल कट रही है लेकिन धूमकेतु या उल्का पिंड का कोई पार्ट जो है उसमें से टूट कर गिर जाता है या कहें इसको हम टूटता तारा भी कह देते हैं तो उल्का पिंड का जब ये टूटता हुआ भाग अंतरिक्ष से यानी कि परिक्रमण जो उनकी गति जो उनका परमण क्षेत्र है उससे ये बाहर आ जाते हैं और किसी क्षेत्र में जब ये गिरने लगते हैं तो अब इनको हम क्या कहते हैं उल्का पिंडी कहते हैं या मेटोरॉयड कहते हैं ठीक है इसके बाद ये किसी के वायुमंडली क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं पृथ्वी के या फिर मंगल के तो मान लीजिए पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उससे वायुमंडल क्षेत्र से घर्षण करके यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आग लग जाती है तब इसको हम उल्का कहते हैं उल्का कहने के बाद अगर आग लगने के बाद भी कुछ भाग अगर बच के बचकर पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसको हम उलका पिंड कहेंगे यानी कि यहां पर ये माल बच जाता है कोई पत्थर वगैरह बच जाता है या उसका जो कोई भाग होता है तो हम उसको उल्का पिंड कहेंगे ठीक है तो उल्का का पिंड उल्का का बचा हुआ भाग समझ में आ गया ये तीनों चीजें समझ में आ गई कॉमेट नॉर्मल चलता है तो उनसे कोई मतलब नहीं है एस्टोरॉयड नॉर्मल चलते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इनका जब कोई भाग टूट जाता है तो उसे मेटीरोयड कहते हैं तो साथियों ये हो गया आपका सौर मंडल के बारे में जो भी जानकारी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी जरूरी थी उसके बारे में उसके पिंडों के बारे में उसके जो अंग होते हैं उसके बारे में किस तरह से कार्य करता है कहां कहां कौन सी कौन सी चीजें जरूरत थी उसको मैंने आप लोगों को बता दिया चलिए आगे बात कर लेते हैं चलिए साथियों अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में कौन कौन सी गति होती है घूर्णन गति परिक्रमण गति ये गति वो गति इसके बाद इसी में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण के बारे में ठीक है इसके बाद इसी में जो हम बात करेंगे वो होगा दिन और रात और ऋतु परिवर्तन के बारे में यानी कि जो सीजन होती हैं चेंज होती हैं किस तरह होती है उनके बारे में हम बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पृथ्वी की गतियां मूवमेंट ऑफ अर्थ ठीक है तो आइए समझते हैं ये किस तरह से कौन कौन सी गतियां होती हैं तो पृथ्वी में दो तरह की गतियाँ होती हैं यानी कि हर किसी में तो ग्रह या पिंड वगैरह सबके हैं उनकी दो तरह की गतियाँ होती हैं सबसे पहली गति होती है गुड़न गति और दूसरी होती है आपकी परि गुडन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति यानी कि एक होती है अपने अक्ष पर घूमने की यानी कि मान लीजिए ये ये है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ वैसे मेरा जो बेबके है वो साफ नहीं दिखा पाएगा मैं आप लोगों को वैसे दिखा सकता हूँ फिर भी ये अपने अक्ष पर घूम रही है इस तरह से इसको हम कहेंगे घूर्णन गति ये घूम रही है ना पश्चिम से पूर्व की ओर ये है आपका पश्चिम बाला भाग और ये पूर्व तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है समझ में आ गया तो ये हो गया इसका घूर्णन गति लेकिन ये है आपका सूर्य तो पश्चिम से पूर्व घूमने के साथ साथ इस तरह से ये आपकी चक्कर लगा रही है ये 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 इस तरह से घूम रही है यानी कि अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रही है इस तरह से ये चक्कर लगाते 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 और फिर अपनी वहीं पर जगह पे आ जाती है यानी कि अपने साथ अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के भी यानी कि ये सूर्य सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रही है तो अपने अक्ष पर जो घूम रही है इसको हम कहेंगे घूर्णन गति और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है इसको हम कहेंगे परिक्रमण गति यानी कि परिक्रमा करना किसी भी उसकी का किसी भी क्षेत्र की ठीक है तो आइए समझते हैं सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं ये अपने अक्ष पर घूम रही है यानी कि इस कारण क्या हो रहा है आधे भाग में जो सूर्य के सामने है वो वाला हिस्सा दिन में रहेगा और जो सूर्य के विपरीत दिशा में उसको हम क्या कहेंगे रात वाले क्षेत्र क्षेत्र कहलाएगा ठीक है तो चलिए यहां पर देखते हैं तो पृथ्वी का जो गुड़न गति होता है उसको हम अंग्रेजी भाषा में रोटेशन कह देते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है और यह अपने अक्ष पर तेईस घंटे छप्पन मिनट चार सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा देती है इसे परभ्रमण गति दैनिक गतिविधि कहते हैं इसी के कारण दिन रात की घटना होती है यानी कि पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर जो घूमती है मैं मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ये सूर्य है ये आपका ये चमकीला जो भाग है सूर्य है और ये क्या है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो अभी मैं आप लोगों के यहाँ पे जैसे मैं दिखा देता हूँ ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है यहाँ पर ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग अभी क्या है पीछे है ठीक है और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया भाग वाला जब भाग यहां पर पीछे है तो यहां पर इस टाइम कौन सा है साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इस समय क्या हो रहा होगा दिन हो रहा होगा क्योंकि शाम रात सूर्य के ठीक सामने और ऐसे धीरे धीरे जब बात बनेगी तो धीरे धीरे क्या होगा सूर्य के विपरीत दिशा में जाने लगेगा साउथ अमेरिका में फिर थोड़ी सी दिन ढलने लगेगा और शाम हो जाएगी फिर रात हो जाएगी और ये इसके बाद साउथ पेसिफिक आ जाएगा ओशियन उसके बाद आपका आ जाएगा नॉर्थ पेसिफिक पेसिफिक ओशियन यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में दिन हो जाएगा तो यहां पर दूसरी तरफ इसका क्या है रात हो जाएगी यानी कि जो भाग आपका सूर्य के सामने होगा उसमें रात और जो भाग आपका सूर्य के विपरीत दिशा में होगा उसमें क्या होगा रात होगी ठीक है यानी कि सामने वाले में दिन और विपरीत दिशा वाले में क्या होगा रात होगी चलिए आगे बात करते हैं तो घूडन समझ में आ गया अब हम बात करते हैं परिक्रमण या परिभ्रमण सॉरी परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन या इसको हम वार्षिक गति भी कह देते हैं तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में यानी अपनी कक्षा का यानी कि एक गोलाकार कक्षा यहाँ से लेकर ये इस तरह से ये इस तरह से ये पूरा एक गोलाकार कक्षा है तो पृथ्वी को अपनी कक्षा का एक पूरा चक्कर लगाने में तीन दिन पाँच घंटे 48 मिनट 48 सेकंड का समय लगता है इसी गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है इस गति को संयुक्त संयुति गति या कच्छीय गति भी कहा जाता है यानी कि इसको किसके नाम से जाना जाता है पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो यानी कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूम रही है इस तरह से ये सूर्य के चारों ओर यहाँ पर घूम रही है ये अपने अच्छ पर भी घूम रही है और सूर्य के ओर भी घूम रही है तो इसी गति के कारण क्या होता है यानी कि अपने पर घूमने के कारण क्या होता है दिनों रात होती है और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण क्या होती है ऋतु परिवर्तन होता है इसी गति इस गति को संयुक्त गति या कक्षीय गति या रेवल्यूशन या वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं परभ्रमण ध्यान रखें परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर होता है परिक्रमा

मा होता है किसी के चारों चक्कर करना परिभ्रमण होता है अपने अक्ष पर ही घूम जाना तो परिक्रमण के कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है और परिभ्रमण के कारण ऋतु और रात होते हैं समझ में आ गया तो ये आपका हो रहा है परिक्रमण और ये जो अपने अक्ष पर घूम रही है इसको हम कहेंगे परिभ्रमण चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं नत अक्ष के बारे में नत मतलब होता है जुखाव मतलब क्या होता है झुकाव होता है कि नतमस्तक कहते हैं ना नतमस्तक हो जाना नतमस्तक मतलब झुक जाना मतलब मस्तक के ऐसे मतलब नतमस्तक कैसे होता है मस्तक का मस्तिष्क क्या होता है ये होता है ये तो इसको हम जब ऐसे करते हैं तो इसको कहते हैं नतमस्तक हो जाना यानी कि सर इस तरह से मस्तक को जुक, झुका देना तो नत मतलब क्या समझ में आ गया झुकाव ठीक है तो आइए समझते हैं अच्छे तो जानते ही आप लोग समझते हैं तो नत अच्छ या यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी झुकाव ठीक है नत या तो जिस अक्ष पर या दूरी पर पृथ्वी घूमती है घूम रही है तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है या अपनी धुरी पर जब घूमती है तो पृथ्वी अपने कक्ष के तल पर साढ़े छियासठ अंश का कोण बनाती है पृथ्वी अपने इसी तल पर साढ़े तेईस अंश पर झुकी भी है तो पृथ्वी का अच्छी झुकाव कितना हो गया साढ़े तेईस डिग्री हो गया और कच्ची झुकाव की बात की जाए तो कच्ची झुकाव यानी कि ऑर्बिटल जो होता है ऑर्बिटल उस पर साढ़े तेईस डिग्री इसके कारण क्या होता है दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है और मौसम में परिवर्तन होता है साढ़े तेईस डिग्री झुकी होने के कारण और रात की लंबाई में अंतर और मौसम में परिवर्तन होता यानी कि ऋतु परिवर्तन होता है चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात कर लेते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी यानी कि जो पृथ्वी है उसका कच्छ कैसा मैंने बताया था अंडाकार है तो जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है पृथ्वी सूर्य से जब दूर होती है तो क्या स्थिति बनती है जब पास होती है तो क्या स्थिति बनती है उसको समझते हैं तो अंग्रेजों की भाषा में भी हल्का सा जान लेते हैं क्या कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून तो आई वो सन ठीक है चलिए समझते हैं एक एक करके पॉइंट तो ये आप आप देख सकते हैं ये है पृथ्वी का एक कच्छ जो कि सूर्य के चारों चक्कर लगाती है जो कि गोल न होकर कैसा है अंडा कार है यानी कि कहीं पर मोटा तो कहीं पर पतला ये इस तरह से आप देख सकते हैं तो सूर्य जो स्थित है यहाँ पर स्थित है यानी कि सूर्य इस तरह से बीच में न होकर कहां पर है ये इस तरह से कहाँ पर है पश्चिम की तरफ है ठीक है तो आइए समझते हैं तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाती है उसको एक वर्ष मान लेते हैं इसको सौर वर्ष भी कहते हैं पृथ्वी जो है यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर चक्कर लगाती है उसका आकार अंडे की तरह है इसके कारण सूर्य सूर्य से सूर से पृथ्वी पृथ्वी जो की दूरी है वह कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है तो कभी ज्यादा हो जाती है यहां पर आप देख सकते हैं यह स्थिति बनती है यानी कि यहां पर आती है तो पृथ्वी की दूरी क्या हो जाती है पृथ्वी सूर्य से दूरी क्या हो जाती है अधिक हो जाती है लेकिन यहां पर आती है तो कम हो जाती है समझा गया तो इसके तहत पृथ्वी और सूर्य के बीच में दो स्थितियां आती हैं पृथ्वी सूर्य से छ महीने के लिए दूर हो जाती है और छह महीने के लिए पास हो जाती है यानी कि मैंने बताया था कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होता है और जब पृथ्वी सूर्य के चार ओर घूमती है तो उसे हम ऋतु परिवर्तन मान लेते हैं यानी कि उसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है यानी कि पृथ्वी से जब सूर्य यानी कि सूर्य जो होता है पृथ्वी से जब दूर होता है तो उस समय की जो स्थिति होती है वो सर्दियों का मौसम होता है छह महीने के लिए और जब पृथ्वी सूर्य से क्या करती है सूर्य के जब पास होती है ठीक है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं गर्मी का मौसम मान लेते हैं ठीक है ठीके? तो मैंने यहां बताया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दो तो स्थितियां आती हैं एक होती है छह महीने के लिए दूर हो जाती है और दूसरी स्थिति तब आती है जब छह महीने के लिए वह पास हो जाती है चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात कर लेते लेते हैं 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 अपसौर और उपसौर के बारे में हल्का सा जान हैं। पर दो देख सकते हैं। आप चार जुलाई और तीन जनवरी के बारे में ठीक है दो स्थितियां तो आइए समझते हैं तो उपसौर जो होता है वो अपसौर या सूर्योचम इसको कह देते हैं जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है अधिकतम होती है यानी यहां से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है अधिकतम होती है इस समय पृथ्वी जो है सूर्य तब क्या करती है कम प्राप्त करती है या कहें जो सूर्य की किरणें होती हैं पृथ्वी पर कम पहुंच पाती हैं यानी कि कम गर्मी प्राप्त करती है इस स्थिति यह जो स्थिति आती है तो वह चार जुलाई को बनती है यानी कि सूर्य अपसौर कब होता है वो, वो, कब बनता है चार जुलाई को स्थिति होती है ठीक है इसका उपसौर, उपसौर की बात की जाए तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जब न्यूनतम दूरी होती है यानी कम दूरी होती है तब उपस्वर की स्थिति बनती है इस समय सूर्याताप अधिक प्राप्त होता है इस स्थिति को तीन जनवरी यह स्थिति कब होती है तीन जनवरी को बनती है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं तीन जनवरी को यहां पर बनती है ठीक है चलिए साथियों ऐनांत के बारे में बात करते हैं ऐनांत और विशुभ यानी कि एक्वीनोक्स क्या होता है और संक्रांत क्या होती है इसको हम समझते हैं एक एक करके तो आइए देख लेते हैं क्लियर करते हैं इन सभी को तो आइए ऐनांत के बारे में बात करते हैं ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा और यह रेखा तो साढ़े तेईस उत्तरी को कर्क रेखा कहते हैं साढ़े तेईस को आप मकर रेखा कहा जाता है तो जीरो डिग्री देशांतर को जीरो डिग्री जीरो डिग्री को आपका भूमध्य रेखा कहा जाता है तो आइए समझते हैं इसको तो सूर्य के सूर्य के कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है अयनांत कहा जाता है यानी कि इक्कीस जून को उत्तरी ध्रुव यानी कि इक्कीस जून को जो उत्तरी ध्रुव है आप यहां पर देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव ये है और ये दक्षिणी ध्रुव ठीक है तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है यहां यहां पे यहां पर देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव क्या है यहां पर अगर सूर्य है तो सूर्य की ओर उत्तरी ध्रुव झुका होगा लेकिन अगर सूर्य इस ओर है तो सूर्य नहीं बढ़ रहा है ये पृथ्वी घूम रही जा रो तो ओर क्या है दक्षिणी ध्रुव पर अधिक प्रकाश पड़ रहा है ठीक है तो मैं यहां पर दिखा देता हूं इक्कीस जून को सूर्य जो है वो तो सॉरी इक्कीस जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा यानी कि यहां पर देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव पर अधिक प्रकाश प्राप्त हो रहा होगा वहीं दूसरी ओर 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ यानी कि उत्तरी ध्रुव आप देख सकते हैं उस ओर झुका हुआ है तो यहाँ पर तो सूर्य है नहीं यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ है तो सूर्य क्या है अधिक प्रकाश यहाँ पर डाल रहा है यानी कि यहाँ पर सूर्य का अधिक प्रकाश प्राप्त हो रहा है यानी दक्षिणी ध्रुव पर दिसंबर के समय में यानी कि इसको हम सीता एनाथ कहते हैं और इक्कीस जून को 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर अधिक प्रकाश प्राप्त हो रहा है इसको हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं ये यानी कि अयनांत दो प्रकार के होते हैं उनको हम समझते हैं आगे एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहला जो है इसको हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत चलिए तो बात करते हैं ग्रीष्म अयनांत के बारे में या इसको हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं तो इक्कीस जून को क्या होता है सूर्य जो होता है वह है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है ठीक है समझ आएगा कर्क रेखा पर कैसा होता है लंबवत चमकता है यानी कि 21 जून को जो सूर्य होता सूर्य की तरफ क्या होता है उत्तरी ध्रुव झुका हुआ होता है इस कार्ड क्या होता है कर्क रेखा पर सीधी क्या पड़ती हैं किरणें पड़ती हैं किस पर कर्क रेखा पर साढ़े तेईस डिग्री पर ठीक है तो क्या मैंने बताया जब कर्क रेखा पर आ, सीधी लंबवत यानी कि सीधी या लंबवत किरणें पड़ती हैं जिससे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत नहीं पड़ती इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी रहती है यानी कि इक्कीस जून के बाद सूर्य जो होता है दक्षिण सूर्य जो होता है कर्क रेखा से बिस्वत रेखा की ओर चलना शुरू कर देता है 21 जून से जब सूर्य दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है तो इसको हम क्या कहते हैं दक्षिणायन कहते हैं जो कि छह महीने का होता है और तेईस सितंबर को किरण विश्वत रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है यहां पर आप देख सकते हैं ये किरणें जो होती हैं लंबवत पड़ने लगती हैं विश्वत रेखा पर इस समय आ जाता है तो विश्वत रेखा पर लंबवत पड़ने लगती इस है इस स्थिति को शरद विशुभ कहते हैं यानी कि ग्रीष्म अयनांत तो इसको हम क्या कहते हैं शरद विशुभ कहते हैं ठीक है तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार मैप में दिखा देता हूं मैंने बताया कि जो छह जून इक्कीस हो, जून होता है तब कर्क रेखा पर सूर्य क्या होता है लंबवत चमकता है ये कर्क रेखा पर यहां पर सूर्य आ गया लंबवत आ गया ठीक है तो इससे क्या हुआ जब यहां पर किरणें सीधी पड़ रही हैं यानी कि उत्तरी गोलार्ध में यानी कि यहां पर तो इसके जो नीचे वाला जो दक्षिणी गोलार्ध होगा यहां पर ये वर्तमान में यहां पर लंबवत तो नहीं पड़ रही तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा सर्दी पड़ रही होगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा गर्मी पड़ रही होगी लेकिन ये जैसे ही छ इक्कीस जून निकला यानी कि यहां पर देख सकते हैं इक्कीस जून जैसे ही निकला इक्कीस जून के बाद सूर्य जो होगा दक्षिण की ओर चलना शुरू कर देगा और ये दक्षिण की ओर चलते 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 तब तक चलेगा जब तक कि दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि मकर रेखा पर नहीं पहुंच जाता तो दक्षिण की ओर जब 21 जून के बाद सूर्य चलना शुरू कर देता है यहाँ पर दक्षिण की ओर तो इसको हम कहते हैं दक्षिणाएं जो की छह महीने का होता है फिर ठीक है इक्कीस जून के बाद धीरे 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 यहाँ पर सितंबर में आपका क्या होता है सितंबर में विश्वत रेखा पर पहुंच जाता है क्या सूर्य पहुंच जाता है तो विश्वत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं जिसको शरद विश्व कहा जाता है ठीक है शरद विश्व मतलब कोई भी जो गोलार्ध है यहाँ पर मैं आप लोग दिखा देता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप तेईस सितंबर तेईस सितंबर को क्या है कि शरद विश्व शरद विश्व का मतलब यह है कि इस समय तेईस सितंबर और 21 मार्च को कोई भी ध्रुव ना उत्तरी ध्रुव ना दक्षिणी ध्रुव कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ है क्योंकि आप इस तरह से झुकाव तो इस तरह से है ना इस तरह से यानी कि ये झुकेगा या ये झुकेगा लेकिन इस सर, इस तरफ कोई चीज है तो इस तरफ झुकाव नहीं माना जाएगा यानी इस तरफ कोई चीज है तो इस तरफ झुकेगा या इस इस तरफ तरफ है तो ऊपर नीचे नहीं झुकेगा तो यही है कि सितंबर को न उत्तरी गोलाद में ज्यादा सर्दी होती है ना दक्षिणी गोलाद में यानी कि दोनों में बराबर होता है यही ऋतु क्या कहलाती है शरद विश्व कहलाती है ठीक है समझ में आ गया तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं शीत या मकर संक्रांति के बारे में इसके बाद यानी कि तेईस सितंबर को यहां पर पहुंच जाता है तो इसके तीन महीने बाद इसके तीन महीने बाद 22 सितंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है यहां पर मैं आपको दिखा दूं यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सितंबर मकर रेखा पर पहुंच जाता है यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वह लंबवत पड़ने लगती है इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब मकर रेखा पर दक्षिणी गोलाद में सूर्य किरणें जब लंबवत पड़ने लगी तो उत्तरी गोलाद में यानी कि सर्दी हो रही होगी कब दिसंबर के टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में सर्दी हो रही होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रही होगी गर्मी हो रही है यानी कि 22 दिसंबर के टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में यानी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में यहां दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर अमेरिका वाले क्षेत्र में क्या हो रही होगी गर्मी हो रही होगी भयंकर तप्ती ठीक है लेकिन आप सभी लोग जानते हैं दिसंबर में ये उत्तरी गोलार्ध वाला क्षेत्र जो है मकर रेखा पर ये बहुत सॉरी कर्क रेखा पर ये भारत देश स्थित है तो यहाँ पर क्या हो रही होती है यहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है समझ में आ गया तो चलिए आगे समझते हैं इसको हम्म तो मैंने क्या बताया 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर यानी कि यह मकर रेखा मकर रेखा पर लंबवत चमकता है इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटे होने लगती हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होती है। दिसंबर के बाद सूर्य जो होता है आपका उत्तर की ओर यात्रा शुरू कर देता है फिर जनवरी में यहां पहुंच जाता है फरवरी में यहां पहुंच जाता है और मार्च में विश्व रेखा पर यह पहुंच जाता है फिर ऊपर बढ़ता है यहां पर तो जब 22 दिसंबर के बाद उत्तर की ओर जब ये यात्रा शुरू करता है तो इसको हम कहते हैं उत्तरायण यानी कि दिसंबर के बाद जब तक ये यहां पर ना पहुंच जाए यानी कहा न पहुंच जाए जब तक ये यहां न पहुंच जाए, तब तक क्या कहलाएगा छह महीने का आपका बसंत सॉरी छह महीने का के बाद इक्कीस मार्च को सूर्य की किरणें फिर से विश्व रेखा पर लंबवत चमकने लगती हैं यानी कि यहां पर देख सकते हैं 21 मार्च को बसंत विश्व कहलाता है यानी कि न उत्तरी गोलाद में ज्यादा सर्दी न दक्षिणी गोलाद में ज्यादा सर्दी तो 21 मार्च को बसंत विश्व कहते हैं एक फिर से यहां पर दिखा देता हूँ एक स्थिति आपको समझा देता हूं कि मैंने आपको बताया कि जून में यानी इक्कीस जून की स्थिति आती है फिर यहां पर मार्च में स्थिति आती है और फिर यहां पर दिसंबर में स्थिति आती है तो जब मार्च

ग्रीष्म और दक्षिण गोलार्ध में जब आती है तो इसको हम कहते हैं शीत आयनांत ठीक है एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो सूर्य होता है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत चमकता है यानी कि आप ये कहें कि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर और दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर यानी कि साढ़े तेईस डिग्री के बाद जो किरणें होती हैं वो कभी भी पृथ्वी पर लंबवत नहीं पड़ती यानी साई साढ़े तेईस डिग्री के ऊपर जैसी बढ़ेंगे तो पृथ्वी की जो पृथ्वी पर जो किरणें पड़ रही होंगी सूर्य की वो तिरछी पड़ रही होंगी इस तरह से इस तरह से इस तरह से यानी कि जितनी तिरछी होंगी उतनी ही उनकी जो ऊर्जा होगी वो कम होगी यानी कि जितनी तिरछी होती जाएंगी उतनी ही उनमें वहां पर ठंडक बढ़ती जाएगी यानी कि यहां पर उत्तरी गोलार्ध बिल्कुल तिरछी पड़ती है यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध पर छह महीने की रात और छह महीने का दिन होता है चलिए आगे बात करते हैं यहां पर देखते हैं ऋतुओं के बारे में एक नजर डाल लेते हैं ऋतुएं कैसे बदलती हैं उनको जानने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 21 मार्च को स्थिति क्या होती है 21 मार्च को मैंने बताया था कि बसंत विश्व होता है इस समय उत, न उत्तरी ध्रुव और न ही दक्षिणी ध्रुव यानी कि कोई भी ध्रुव पृथ्वी की ओर सूर्य की ओर नहीं झुका होता है यही एक कारण है कि इस समय यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है यानी कि दोनों गोलार्धों में बराबर सर्दी और बराबर गर्मी पड़ती है ना ही उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होता है ना ही दक्षिणी गोलार्ध में यानी बराबर होती है बराबर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होगी किसी जगह तो दक्षिणी गोलार्ध में भी उतनी ही सर्दी पड़ रही होगी ठीक है इसके बाद बाईस दिसंबर को क्या होता है यानी कि यहां से लेकर फिर बाईस दिसंबर की स्थिति को देखेंगे तो बाईस दिसंबर को जो होता है वो से हम कहते हैं शीत अयनांत शीत अयनांत की स्थिति जब होती है तो इस समय क्या होता है दक्षिणी ध्रुव जो होता है सूर्य की ओर क्या होता है झुका हुआ होता है इस कारण दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है किरणें ज्यादा पड़ती हैं इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी कि सर्दी का मौसम होता है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है इसके बाद फिर स्थिति आती है तेईस सितंबर की तेईस सितंबर की जब स्थिति आती है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है ठीक है यानी कि ना सर्दी ना गर्मी इसके बाद फिर से 21 जून की स्थिति आ जाती है तो इस स्थिति को हम उत, इस समय क्या होता है उत्तरी गोलार्ध अधिक प्रकाश प्राप्त कर रहा है या सूर्य तप अधिक प्राप्त कर रहा है यह एक कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है इक्कीस जून के समय गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है सर्दी का मौसम होता है तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऋतु में कैसे परिवर्तित होती हैं कैसे बसंत ऋतु होती है कैसे शीत ऋतु होती है और कैसे अनांत कार्य करते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में वो ग्रहण के बारे में बात करते हैं जिसमें दो तो चंद ग्रहण होते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ग्रहण का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी पिंड का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है यानी कि वह पिंड जैसे मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं जब हमें चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं क्योंकि हम पृथ्वी से देख रहे हैं ये थोड़ी ना पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ रही है हमें तो हम पृथ्वी ग्रहण कह देंगे ऐसा नहीं चंद्रमा जब नहीं दिखाई पड़ता है तो क्या होता है चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है तो हम क्या कहते हैं चंद्र ग्रहण और जब सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है तो हम इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं तो आइए समझते हैं किसी भी खगोली पिंड का अंधकारमय हो जाना क्या कहलाता है ग्रहण कहलाता है ये दो प्रकार के होते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो आइए समझते हैं एक एक करके दोनों को सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में तो चूंकि इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पूछा जाता है किस तरह से ये काम करता है तो आइए समझते हैं तो चंद्र ग्रहण समझते हैं जब पृथ्वी जब पृथ्वी जो है ये यहां पर देख सकते हैं पृथ्वी ये है चंद्रमा और यह है सूर्य जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है इससे क्या होता है जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता इसलिए पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा पर पड़ती है इससे चंद्रमा क्या होता है अंधकारमय हो जाता है और चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता है इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं समझ में आ गया फिर से मैं बता दे रूँ कि पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है यानी जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है जिससे चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देता इस इस, इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही हमें दिखाई पड़ता है ठीक है समझ में आ गया चंद्रमा जो होता है चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा होता है यही यह कारण है कि चंद्रमा को चंद्रमा को पृथ्वी की जो छाया है वह पूरी की तरह से ढक लेती है और इससे हमें पूरा का पूरा जो चंद्रमा है वह दिखाई नहीं पड़ता है चलिए आगे बात करते हैं इसी में हम समझते हैं आगे तो चंद्र ग्रह जो चंद्र ग्रहण होता है वो दो तरह का हो सकता है आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है तो चंद्र ग्रहण आंशिक और पूर्ण दोनों हो सकते हैं पूर्ण ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का एक भाग ही छाया से ढक पाता है इसके बाद जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यानी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही सीध में होते हैं तो इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं यह भी स्थिति केवल पूर्णिमा की रात को ही बनती है तो हल्के से मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ मैंने क्या बताया कि पृथ्वी इतनी बड़ी है यानी कि मैंने बताया था अभी चंद्रग्रहण के बारे में मैंने अभी हल्का सा बताया कि पृथ्वी का जो मतलब ऐसे नहीं समझते ऐसे समझें कि पृथ्वी जो है चंद्रमा से काफ़ी बड़ी है इसलिए पृथ्वी की जो छाया भी बनती है वह चंद्रमा से काफ़ी बड़ी बनती है इसलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया से पूरी तरह से ढक जाता है समझ आ गया पृथ्वी से पूरी तरह पृथ्वी की छाया से पूरी तरह से ढक जाता है इसलिए जब ये पूरी तरह से ढक जाता है तो इस स्थिति को हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं लेकिन जब चंद्रगढ़ की शुरुआत होती है तो आप ये मान लीजिए आप मान लीजिए ये ट्रेन आ रही है इस ओर से ट्रेन ठीक है तो ट्रेन जब आ रही है इस ओर से और ये दूसरी ओर से मैं अपनी ट्रेन लेकर आ रहा हूं तो जब दोनों ट्रेन आएंगी तो जायज सी बात है एक के बाद आएंगी तो पहले यहां पर पहुंचेगी ट्रेन मेरी वाली और ये भी आगे बढ़ेगी फिर यहां पर, यहां पर पहुंचेगी यहां पर पहुंचेगी फिर यहां पर ये यह एक स्थिति ऐसी आ जाएगी यानी दोनों बराबर ट्रेन है एक ही साइज की एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे की बराबरी में आ जाएंगे इस समय क्या होगा दोनों ट्रेन आमने सामने आ जाएंगी तो यहां जो तीसरी ट्रेन आ रही होगी इस ओर से वो वाली ट्रेन हम नहीं देख सकते जब हम यहां पर हैं तो ये तो हम इसको देख सकते हैं तो यही ऐसी स्थिति यहां पर आ जाती है कि जब पूरी तरह से चंद्रमा यहां से शुरुआत करता है मान लीजिए चंद्रमा जब शुरुआत करता है तो आधा भाग ढकता है फिर इतना ढकना शुरू होता है फिर इतना ढकना शुरू हो जाता है फिर पूरा ढक जाता है फिर पूरा का पूरा भाग चंद्रमा का ढक जाता है और ये जब

ये आपकी चंद्रमा पृथ्वी की जो परछाई है इस क्षेत्र में गुजरती है यानी कि हल्की सी परछाई होती है सीधी परछाई जाती है तो बिल्कुल काली बनती है जिस क्षेत्र से हमें अर्ध चंद्रग्रहण दिखता है उसको हम उप छाया क्षेत्र कहते हैं और जिस क्षेत्र से हमें पूर्ण चंद्रग्रहण दिखता है उस क्षेत्र को हम प्रछाया क्षेत्र कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रछाया लिखा है ठीक है जिस क्षेत्र जिन क्षेत्रों से पूर्ण चंद्रग्रहण दिखता है यानी कि हमें इस तरह की स्थिति दिखती है यानी कि पूरी तरह से चंद्रमा हमें काला दिखाई पड़ता है यानी कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है तो उस क्षेत्र को हम प्रछाया क्षेत्र कहते हैं जहां से हमें पूर्ण चंद्रग्रह दिखता है तो समझ में आ गया पूर्ण चंद्रग्रह किस क्षेत्र से दिखता है छाया वाले क्षेत्र से हमें पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई पड़ता है ठीक है इसके बाद उपछाया क्षेत्र जहां पर पूरी तरह से परछाई नहीं पहुंच पाती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं उपछाया क्षेत्र कहते हैं यहां से आंशिक या अर्ध चंद्र ग्रहण की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में सूर्य ग्रहण को हम भी हम हल्का समझ लेते हैं आइए एक नजर डालते हैं तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है सूर्य ग्रहण का मतलब सीधा सा आप समझ जाएं कि जब हमें पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा तब स्थिति क्या बनेगी सूर्य ग्रहण की, सूर की बनेगी इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण की स्थिति कह देते हैं इसका मतलब सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया इसका मतलब सूर्य है अंधकार में हो गया इसका मतलब सूर्य जो है हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण की स्थिति कहा जाएगा समझ में आ गया तो आइए इसको भी समझते हैं किताबी भाषा में कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की जो परछाई पर है पृथ्वी पर पड़ती है इससे सूर्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं ठीक है इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी के पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो पृथ्वी चंद्रमा से इतनी बड़ी होती है कि उसकी जो परछाई बनती है वह पूरे के पूरे चंद्रमा को ढक लेती है समझ में आ गया पूरे के पूरे चंद्रमा को जब ढक लेती है तो इससे क्या होता है हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है किसी भी क्षेत्र से जब पूर्व चंद्रग्रहण की स्थिति आती है लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा होता है यहाँ पर क्या है चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा है तो इसकी जो परछाई बनती है वह कभी भी पृथ्वी को पूरा नहीं ढक पाती बल्कि चंद्रमा जो है पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर ढकना शुरू करता है लेकिन यह पश्चिम से पूर्व की ओर ढकता है इसकी जो चौड़ाई होती है यानी परछाई की वह हमेशा 50 किलोमीटर की चौड़ाई में बनेगा यानी पूरी पृथ्वी को नहीं ढक पाएगा यानी कि जिस क्षेत्र से हमें सूर्य नहीं, दिखा, सूर नहीं दिखाई सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है उसी क्षेत्र से हमें यह पूर्ण सूर्यग्रह की स्थिति बनेगी जो कितनी क्षेत्र से हम देख सकते हैं 50 किलोमीटर के क्षेत्र में जो लोग रह रहे होंगे वो इसको क्या देख सकते हैं पूर्ण चंद्र चंद्रग्रह पूर्ण सूर्य ग्रह देख सकते हैं तो आइए मैं इसको समझा देता हूं कि जिन स्थान से जिन स्थान से सूर्य पूरी तरह से हमें दिखाई नहीं देता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण का क्षेत्र कहते हैं यानी कि इस समय यानी कि जिस समय पूरा हमें सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है उस जगह से हमें सिर्फ और सिर्फ सूर्य का कोरोना वाला भाग ही दिखाई पड़ता है कोरोना वाला भाग ही दिखाई पड़ता है समझ में आ गया तो सूर्य ग्रहण पर छाया जो है सूर्य ग्रहण की जो छाया होती है यहां पर आप देख सकते हैं तो सूर्य की जो छाया है यानी कि चंद्रमा की जो छाया है पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर ढकती है और कितने क्षेत्र को ढक पाती है केवल 50 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी ही पृथ्वी की ढक पाती है समझ में आ गया जिस स्थान से सूर्य का कुछ भाग हमें दिखाई पड़ता है समझ में आ गया जिस स्थान से सूर्य का हमें कुछ भाग हमें दिखाई पड़ता है उस स्थान को उस स्थान से हम क्या देखते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण देखते हैं और जिस स्थान से हमें पूरी तरह से सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है उस स्थान से हम पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति हम देख सकते हैं चंद्रमा सूर्य को हमेशा पश्चिम दिशा से ढकना शुरू करता है जिससे आकाश जो होता है पहले नीला दिखाई पड़ता है उसके बाद काला दिखाई पड़ता है क्योंकि आधा यहाँ से जब आधा ढक लेता है तब हमें नीला दिखाई पड़ता है फिर आधा फिर बढ़ता है और फिर स्थिति क्या आती है फिर पूरी जब ढक लेता है तो उस इस, ए, कैसा दिखाई पड़ता है मैं आसमान जब सूर्य ग्रहण की स्थिति आती है तो पूरा का पूरा काला दिखाई पड़ता है जब दिखता है जब चंद्रमा पूरी तरह से ढक लेता है सूर्य को समझ आ गया तो सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए आंखें चले जाने का खतरा रहता है क्योंकि इससे क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय कोरोना वाला जो भाग है यह बहुत ही भयंकर किरणों को क्या करता है निकालता है समझ में आ गया तो तो यहां पर भी दो स्थितियां बनती है उसको भी मैं हल्के से बता देता हूं आप लोगों को यहां पर आप देख सकते हैं प्रक्षाया वाला क्षेत्र वाला क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां से हमें पूर्ण सूर्य ग्रह दिखता है यानी कि पूरी तरह से सूर्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है प्रछाया वाला क्षेत्र कहलाता है इसके बाद उपछाया वाला क्षेत्र की अगर बात की जाए जहां से हमें आंशिक सूर्य ग्रह दिखाई पड़ता है उसको उपछाया वाला क्षेत्र कहा जाता है चलिए तो ये हो गया ग्रहण के बारे में जो भी जानकारी थी आगे बात करते हैं पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं समझते हैं जैसे कि आपकी आक्षांश रेखाएं और रेखाएं, रेखाएँ आक्षांश रे, अक्षांश रेखाओं में जैसे ये कर्क रेखा मकर रेखा विस्वत रेखा इस तरह की रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे ये काल्पनिक इसलिए कही जाती है क्योंकि हमने अभी तक इनको पैमाना लेकर नहीं खींचा है बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ माना है अभी तक क्योंकि इतनी बड़ी मैप नहीं बनाया जा सकता जितना बड़ा है क्योंकि हमने सिर्फ आइडिया लगाया यानी काल्पनिक रूप से माना है समझ आ गया इतना बड़ा मैप नहीं बना सकते क्योंकि मैप मान लीजिए इतना बड़ा बना भी लेते हैं पूरी पृथ्वी का तो भैया फोटो स्टेट कहाँ से करवाएंगे इतने बड़े मैप की समझ रहे हैं इतना बड़ा फोटो स्टेट नहीं हो पाएगा ना तो ये परेशानी है इसलिए हम इसको काल्पनिक रेखाएं मानते हैं तो एक हल्का हल्की जी में सबसे पहले काल्पनिक रेखाएं यानी देशांतर और आछांश रेखाओं को शुरू करने से पहले आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान भी रख सकते हैं कि आछांश रेखाओं का प्रयोग कहां पर किया जाता है आछांश रेखाओं का प्रयोग ऐसे होता है आछांश रेखा कैसे जाती है ये विस्वृत रेखा फिर कर्क रेखा फिर ये वृत्त आ जाता मतलब ये धुरवी क्षेत्र आ जाता है ठीक है फिर यहां पर आप देख सकते हैं विस्वृत रेखा फिर ये आ जाती है मकर रेखा दक्षिण दक्षिण में और ये आ जाता है दक्षिणी ध्रुव तो इस तरह से ये स्थिति बनती है इस तरह से यानी कि लेटी हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये आपकी कहलाती हैं है आछांश रेखाएं ठीक है तो आछांश रेखाओं का प्रयोग किसमें किया जाता है आछांश रेखाओं का प्रयोग जलवायु पेटियों के निर्धारण के लिए करते हैं यानी कि विश्वत रेखा पर क्या होती है गर्मी पड़ती है फिर और ऊपर जाते हैं तो कम गर्मी पड़ती है फिर और ऊपर जाते हैं कम गर्मी पड़ती है और ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल ठंडा क्षेत्र आ जाता है फिर यहाँ नीचे की ओर बढ़ते हैं तो फिर कम गर्मी होती है फिर और कम गर्मी होती है फिर ठंडा मौसम आ जाता जा है और विश्वत रेखा पर वो यहाँ पर दक्षिण ध्रुव पर आते हैं तो यहाँ पर कुल्फी जमने वाली ठंड होती है तो समझ में आ गया अछांश रेखाओं से क्या करते हैं हम वायु दाब या कहें जलवायु पेटियों का निर्धारण करने के लिए आछांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं ठीक है जबकि देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है यानी कि जीरो डिग्री देशांतर यहां से शुरू होती है इस तरह से तो जीरो डिग्री देशांतर उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहां तक जाएगी तो यहां से लेकर यहां तक का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जितना भी समय होगा वो समय हो, समान होगा फिर अगर हम पंद्रह डिग्री और आगे बढ़ जाएंगे पंद्रह डिग्री यहाँ कहें पंद्रह देशांतर चले जाए पूर्व की पूर्व की ओर तो एक घंटा क्या होगा आगे बढ़ जाएगा तो इधर जो यानी कि मान लीजिए यहां पर बारह बज रहे हैं तो यहां पर कितना हो जा हो रहा होगा एक बज रहा होगा तो एक बज रहा होगा यानी कि पूरे पंद्रह डिग्री देशांतर पर पूर्वी देशांतर पर ठीक है तो यानी कि समझ में आचांश रेखाओं का दाब पेटियों या जलवायु पेटियों के निर्धारण करने के लिए किया जाता है जबकि देशांतर रेखाओं का समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है अब एक बात आती है कि दोनों का प्रयोग कहां पर किया जाता है आक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहां पर किया जाता है जब हमें लोकेशन निकालनी हो तब ही

तो वो कहेगा जीरो है। अफ्रीका में नहीं रहते हैं हम जीरो और जीरो डिग्री आक्षांश पर रहते हैं यानी yani, जीरो डिग्री देशांतर और जीरो डिग्री आक्षांश की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से तो ये वाली एक पोजीशन बनेगी यहां पर यहां पर आप कह सकते हैं भाई साहब हम अफ्रीका में रहते हैं ना कि यहां पर समझ में आ गया

टिक इस तरह टिक 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 करती है लेकिन हम क्या करते हैं हम टिका टिक टिक टॉक कर देते हैं यानी कि हम इसको करते हैं टिक टोक, टिक टोक, टिक टॉक 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 यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घूमती है कौन से जितने ग्रह सारे सारे ग्रह क्या करते है? अपनी हैं अपनी अक्ष पर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं सिर्फ दो ग्रहों को छोड़कर कौन कौन से दो ग्रह मैंने बताए थे शुक्र और अरुण ग्रह जो है अपने ही अक्ष पर घड़ी की दिशा में घूमते हैं सिर्फ दो ठीक है तो यहां पर मैंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इस कार क्या होता है दो पॉइंट हमें यहां का दो बिंदु प्राप्त होते हैं एक बिंदु जो होती है उत्तरी ध्रुव और दूसरा जो बिंदु होता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं यानी कि यहां पर ये मान लीजिए कोई गोल चीज है वो जब घूमती है तो आप यहां से तो उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे कह दें कि ये आपका पूर्वी ध्रुव और ये पश्चिमी ध्रुव कहां से बन रहा है ना भाई साहब नहीं बन पा रहा हैं ना अब यहां से भी बन रहा होगा यहां से भी बन रहा होगा तो

अमेरिका के हिसाब से कौन सी दिशा में पड़ रहा है ये वाला पड़ रहा है पूर्व में समझ में आ गया यहाँ से ये मान लीजिए पूर्व ये पश्चिम तो अमेरिका के दिशा हिसाब से भारत जो पड़ता है पूर्व दिशा में पड़ता है लेकिन भारत के हिसाब से अमेरिका किस दिशा में पड़ रहा है भारत के हिसाब से जो अमेरिका है वह पश्चिम दिशा में पड़ता है ठीक है तो ये ध्यान रखें ये दोनों जो अन्य दिशाएं होती हैं वो काल्पनिक है लेकिन उत्तर और दक्षिण दिशा जो है वह काल्पनिक नहीं होगी ये बात कंफर्म हो गई कि नहीं चलिए तो समझते हैं तो मैंने क्या बताया ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं खींची जाती हैं ठीक है दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं किसके आधार पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आधार पर जिनमें से लेटी हुई रेखाओं को आछांश रेखा कहते हैं यानी कि जो लेटी हुई है यानी कि लेटी जिसको हम कह सकते हैं लेटी हुई रेखाओं को हम आछांश रेखा कहते हैं तथा खड़ी रेखाओं को हम क्या कहते हैं देशांतर रेखाएं कहा, कहा करते हैं कहते हैं ठीक है थीके? तो चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं बात करेंगे आछांश रेखाओं के बारे में इसको हम अंग्रेजों की भाषा में हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था लेटी ट्यूड ठीक है यानी लेटी हुई रेखाओं को आछांश रेखाएं कहते हैं तो इनमें आछांश रेखाओं में क्या क्या करवा रहेंगे आछांश रेखाओं को हम देखेंगे उत्तरी मकर रेखा कर्क रेखा विश्वत रेखा आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत के बारे में बात करेंगे उत्तरी ध्रुव तो आएगा ही आएगा चलिए उत्तरी ध्रुव कोई रेखा नहीं है वो एक बिंदु के रूप में है जिसको भी हम आगे समझेंगे तो आइए अक्षांशों के बारे में बात कर लेते हैं अक्षांश के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि अक्षांश रेखाएं और अक्षांश में अंतर होता है अक्षांश की बात की जाती है अक्षांश एक बिंदु के रूप में होता है यानी कि मैंने कहा तीस डिग्री अक्षांश यानी कि तीस अंश अक्षांश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बिंदु के रूप में होगा अब मैं कहूँ तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश तो तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात मैंने की तो इस तरह से यहां से लेकर यहां तक यानी कि तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां पर खींचा जाएगा यहां पर ठीक है यहां पर खींचा जाएगा ठीक है तो अब मैं अगर कहता हूं कि 30 डिग्री उत्तरी की बात की जाए उत्तरी रेखा की यानी 30 डिग्री उत्तरी आक्षांश रेखा तो 30 डिग्री उत्तरी आक्षांश कैसे जाएगा ये इस तरह से से पश्चिम तक खींची जाएगी यानी कि आक्षांश की बात की जाए तो यहां से लेकर इस तरह से एक बिंदु के रूप में रख दी जाएगी यहां पर ठीक यहां पर बिंदु के रूप में रख दी जाएगी लेकिन मैंने कहा कि रेखा की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इस तरह से एक रेखा हो जाएगी इसको हम कहेंगे तीस डिग्री उत्तरी आछांश रेखा तो चलिए पॉइंट क्लियर करते हुए समझते हैं तो किसी आछांश क्या होता है किसी स्थान की भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा यानी कि विश्वत रेखा यानी कि जीरो डिग्री देशांतर वो जीरो डिग्री आछांश होता है ठीक है तो किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर खींची गई कोणात्मक दूरी को आछांश कहते हैं समझ में आ गया मैंने फिर से बताया कि, कि किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर खींची गई कोणात्मक दूरी को आक्षांश कहते हैं अभी तक रेखा की बात नहीं हुई है यदि कोई स्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी आछांश कहा जाएगा ठीक है और कोई स्थान अगर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है तो हम इसको दक्षिणी आछांश कहते हैं एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आछांश रेखा कहते हैं समझ आ गया यानी कि मैंने क्या बताया एक ही स्थान से एक ही स्थान एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आछांश रेखा कहते हैं यानी कि 30 डिग्री उत्तरी आछांश की बात की जाए तो एक ही यहां से लेकर कोणात्मक दूरी यानी कि तीस डिग्री की बात की जाए तो यहां पर भी तीस डिग्री है यहां पर भी यहां 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 पर यह, यहां पर यह, यहां पर यानी मान लीजिए साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी की बात की जाए तो कर्क रेखा, रेखा कही कही कर है तो कर्क रेखा कई देशों से होकर गुजरती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिंदु की अगर बात कर ली जाए तो बिंदु तो कहीं पर एक जगह रख सकते हैं लेकिन रेखा की बात की जाए तो पूरी एक पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व के पश्चिम से और यहां से नहीं मिलाते हैं आप ध्यान रखना ये इस तरह से जाती है यानी कि मान लीजिए पूरा गोला है तो ये आपका पूर्व से पश्चिम मिलाया जाएगा तो ये उस तरह से पूरी काटेगी पीछे तक जाएगी ध्यान रखना समझ आ गया तो मान लीजिए दिल्ली का की अगर बात की जाए तो 30 डिग्री उत्तरी मतलब रेखा के, उत्तर के, उत्तर के, के साथ उत्तरी दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है आ गया ये यहां पर आपको मैंने तीस डिग्री का कोण बना दिया चलिए आगे बात करते हैं यह है आपकी जीरो डिग्री आछांश या इसको हम कह सकते हैं

नब्बे आक्षांशों को खींचा गया है यानी कि दक्षिण की ओर चलते चले जाएंगे दक्षिणी ध्रुव तक कितनी आछांश हैं? नब्बे आक्षांश हैं। तो जीरो डिग्री आक्षांश के उत्तर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और जीरो डिग्री आक्षांश के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है दो आछांशों के बीच की दूरी की अगर बात कर ली जाए यानी कि मान लीजिए ये विश्वत रेखा है यानी कि जीरो डिग्री आक्षांश है इसके ऊपर बढ़ेंगे एक डिग्री आक्षांश आ जाएगा तो एक और जीरो के बीच की अगर बात की जाए तो कितनी दूरी हो जाएगी एक सौ ग्यारह किलोमीटर होती है जो कि हमेशा समान रहती है यानी कि चाहे एक और दो के बीच में निकाल लो चाहे सौ नब्बे और नब्बे और नवासी के बीच में निकाल लो सबकी दूरी कितनी होगी एक सौ ग्यारह किलोमीटर होगी यानी कि विश्वत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर या ध्रुवों की ओर जाने पर आपकी जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होगी वो हमेशा समान रहेगी बल्कि बदलेगी नहीं कभी भी अब बात करते हैं कि इस गोलार्ध यानी कि इस ग्लोब पर कितनी रेखाओं को खींचा गया है एक सौ उन्यासी कैसे हैं तो मैं वो आप लोगों को हल्के से दिखा देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि जीरो डिग्री देशांतर जीरो डिग्री आक्षांश कितना हो गया एक हो गया यानी कि एक आचांश इसको मान लिया यानी कि यहाँ पूरी की पूरी एक आचांश है आप देख सकते हैं इसके बाद जीरो डिग्री के उत्तर में कितनी है नब्बे तो एक जाएंगे दो जाएंगे तीन जाएंगे पांग, चार पांच छह सात आठ नौ दस और यहां पर जाएगा नब्बे यानी कि उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव जाएंगे उत्तरी ध्रुव कोई रेखा नहीं है बल्कि क्या है एक बिंदु के रूप में है तो कितनी आसान से रेखाएं हो गई यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई यहां से लेकर यहां तक हो गई कुल एट्टी नाइन तो एक ये हो गई और प्लस एट्टी नाइन ठीक है यानी कि एट्टी नाइन और फिर दक्षिण की ओर जाएंगे विस्तुत रेखा छोड़ देंगे फिर एक जोड़ेंगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एटी नाइन तक जाएंगे और नब्बे वाला क्या है एक बिंदु के रूप में है तो फिर एट्टी नाइन जोड़ लेंगे तो एटी नाइन प्लस एसटी नाइन कितना हो जाएगा एटी नाइन प्लस एक्सटी नाइन हो जाएगा वन हंड्रेड सेवनटी एट और प्लस एक विश्व रेखा कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी वन हंड्रेड सेवनटी नाइन तो कितनी से रेखाएं हो गई वन हंड्रेड सेवनटी वन सॉरी वन हंड्रेड सेवनटी नाइन रेखाएं हो गई क्योंकि ये बिंदु के रूप में है ना कि आछांश रेखाएं आछांश रेखा कैसे मैंने बताई थी पूर्व से पश्चिम की ओर क्योंकि ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ये पूरा का पूरा उत्तरी ही दिशा उत्तर दिशा होती है ना कि पूर्व और पश्चिम होती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा दिखती है वो है, होती है उत्तर दिशा दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा दिखती है वो होती है दक्षिणी दिशा समझ में आ गया तो अब आछांश एक सौ इक्यासी कैसे होती है उसको भी हम समझते हैं मैंने बताया कि एक आछांश ये हो गया मैंने बताया पॉइंट के रूप में कितनी होती है वन हंड्रेड एट्टी नाइन तो कैसे होती है एक पिशवतरेखा हो गया इसको यहां पर जुड़ लो प्लस नब्बे उत्तर में जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ऐसे करके नब्बे जाएंगे उत्तर में नब्बे ये हो गई उत्तर में फिर दक्षिण में जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस करते करते चले जाएंगे यहां पर आ जाएंगे नब्बे तो नब्बे 90 आचांस उत्तर में नब्बे आचांस दक्षिण में यानी कि कुल हो जाएंगी नब्बे नब्बे कितना हो गए वन हंड्रेड एट्टी और प्लस वन कितना हो गया वन हंड्रेड एट्टी वन तो ये बात ध्यान रखें एट्टी वन हंड्रेड एट्टी वन कितनी क्या हो गया आछांश हो जाती हैं और वन हंड्रेड नाइन आछांश रेखाएं हो जाती हैं चलिए आगे बात करते हैं समझते हैं किस चीज को तो किन्हीं दो आक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं कटबंध कहते हैं ठीक है कटबंध कहते हैं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के भाग को उस कटबंध कहते हैं यानी कि यह है आपका कर्क रेखा यानी साढ़े तेईस उत्तरी आक्षांश और साढ़े तेईस तक्षिणी आक्षांश को हम क्या कहते हैं कर्क रेखा या कहें कर्क व्रत कहते हैं तो इन ये क्षेत्र यहां से लेकर इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं उष्ण कटवंधीय क्षेत्र कहा जाता है किस किसके बीच में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटवंधीय कहते हैं इसके बाद कर्क रेखा तथा या कर्क व्रत तथा आर्कटिक व्रत व मकर व्रत तथा आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त के बीच के भाग को शीत कटवंध शीतो कटवंध कहते हैं कैसे आइए समझते हैं मैंने बताया कर्क वृत्त तथा आर्कटिक वृत्त के बीच के भाग को क्या कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं आइए देख लेते हैं मैंने क्या बताया ये है साढ़े तेईस उत्तरी आक्षाश और ये है आपका साढ़े छियासठ उत्तरी आक्षांश ठीक है तो यहां से लेकर यहां तक का भाग जो है ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किस किस के बीच में कर्क व्रत और आर्कटिक व्रत के भाग के बीच को ठीक है इसको भाग वाले क्षेत्र को ठीक है ये वाला इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध फिर नीचे आ, आ जाएंगे तो ये है आपका मकर व्रत यानी कि साढ़े तेईस दक्षिणी और यह आपका साढ़े छियासठ दक्षिणी हम क्या कहते हैं अंटार्कटिक व्रत यानी कि ये आर्कटिक व्रत और ये अंटार्कटिक तो इसके बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण शीतोष कहते हैं इसके बाद आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं शीत कटवंध कहते हैं यानी कि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है यानी कि यहां पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर अंटार्कटिक व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच के भाग को क्या कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं यानी कि यहाँ पर देखें अगर कि साढ़े छिया साढ़े छियासठ दक्षिणी आशांत और नब्बे डिग्री दक्षिणी आक्षांश के बीच में कितना आ, का क्षेत्र क्या कहलाता है शीत कटबंध वाला क्षेत्र कहलाएगा और उत्तरी साढ़े छियासठ उत्तरी आक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले भाग को हम क्या कहते हैं हम शीत कटबंध का भाग कहते हैं चलिए एक उ, हल्की सी चीज है इसको हम थोड़ा समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये है अक्षांश जो है वह रेखाएं न होकर क्या है अक्षांश रेखाएं रेखाएं न होकर क्या है वृत्त है वृत्त मतलब होता है गोला यानी कि एक सर्कल ठीक है वहीं देशांतर वृत्त न होकर क्या है रेखाएं आइए इनको हम समझते हैं यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है आपका उत्तरी ध्रुव ये मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए ये है आपका प्याज है तो प्याज जो है अगर उसको काटा जाता है इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से तो जो सर्कल निकलते हैं तो ये मान लीजिए जी आपका जीरो डिग्री व्रथ जीरो डिग्री यानी जीरो डिग्री आशांश जीरो डिग्री आशांश ये पूरा एक सर्कल कटेगा इस तरह से क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम जब जाती हैं यानी कि मान लीजिए यहाँ से शुरू होती हैं पूर्व से पश्चिम जाती हैं पश्चिम से पूर्व या फिर मान लीजिए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जब जाती हैं तो इस तरह से गोल जब होती हैं तो एक पूरा क्या बन जाता है सर्कल या फिर एक व्रत बन जाता है यहाँ पर मैंने सारे व्रत लगा दिए ये जीरो डिग्री देशांतर वाला ये है आपका आपका कर्क रेखा वाला व्रत ये है मकर रेखा वाला व्रत तो जो आंश रेखाएं है वो वृत्त का निर्माण करती हैं वहीं देशांतर जो होती हैं वह वृत्त न होकर क्या बनती हैं रेखाएं बनती हैं यानी कि जब रेखा देशांतर रेखाओं को अगर हम काटेंगे तो इस तरह से निकलेगा माल यानी कि अंदर का जो माल निकलेगा ले, वो इस तरह से निकलेगा नहीं एक वृत्त काट दो एक रेखा काट दो तो ये इस तरह से निकल आएगी और दूसरी रेखा काट दो तो इस तरह से निकल आएगी कहीं से भी ये वृत्त नहीं बना सकती है कहीं से आपको वृत्त लग रहा है कहीं से भी आपको सर्कल लग रहा है बल्कि कैसा लग रहा है आपको इस तरह से यहाँ पर ये जो संतरा दिख रहा है ना ये ऑरेंज इस तरह से दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर जो प्याज दिख रहा है इस तरह से प्याज क्या है आप प्याज की जो आकृति मान सकते हैं वो मान सकते हैं आप आछांश रेखाओं की और जो संतरे वाली मान सकते हैं उसे मान सकते हैं देशांतर देशांतर रेखाएं खड़ी खड़ी यानी कि रेखाओं के रूप में हैं और जबकि जो आछांश रेखाएं हैं वो वृत्त का निर्माण करती हैं तो समझ में आ गया अछांश रेखाएं रेखाएं न होकर क्या होती हैं व्रत होते हैं यानी कि विस्वत व्रत कर्क व्रत आर्कटिक व्रत अंटार्कटिक व्रत उत्तरी ध्रुव ठीक है इस तरह से चीजें आप समझ सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों साचियों रेखा के बारे में बात करते हैं सबसे पहले सब लोग जानते हैं रेखा क्या होती है लेकिन एक दो पॉइंट जो है शायद आप नहीं जानते हों इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं तो ये है आपका यहाँ पर जीरो डिग्री अचानक इसको हम कहते हैं विश्वत व्रत या इसको हम विश्वत रेखा भी कह देते हैं इसको हम इक्वेटर या इसको हम रेखा के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो यह सबसे बड़ी आछांश रेखा है इसको ही विश्व व्रत कहते हैं यानी मान लीजिए यह है आपका पृथ्वी इस तरह से इसकी आकृति बनी हुई यह उत्तरी यह गोलात् गोला अगर हम इसको काटते हैं गोल गोल इस तरह से परतों में काटते हैं तो इसका जो बीच वाला यहाँ का जो होगा यानी कि विश्वत रेखा वाला जो भाग होगा यह निकलेगा विश्व व्रत यानी कि विश्व वृत सबसे बड़ा व्रत होगा में ठीक है इसे इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है पश्चिम तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर यानी ऊपर की ओर जाने पर नीचे की ओर आने पर इनके यानी कि भार जो होती है उसमें कमी आती है क्यों आती है ऐसा गुड़न बल में कमी के कारण होता है चलिए आगे बात करते हैं दूसरा है कर्क रेखा

उत्तरी को आर्टिक वृत्त कहते हैं इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में साढ़े छियांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं इसके बाद ये जो है आपके आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त इन्हें उपध्रुवीय कहते हैं क्यों क्योंकि ये ध्रुव के बिल्कुल पास होते हैं इसलिए इन्हें उपध्रुवीय व्रत भी कह देते हैं चलिए साथियों बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में देशांतर रेखाएं क्यों इंपॉर्टेंट है इसका जो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सबसे पहले तो हम बताते हैं समय का निर्धारण करने में इसका इस्तेमाल होता है प्रमाणिक या मानिक समय रेखा से संबंधित जब हम बात करेंगे तब तो इसका इस्तेमाल होगा समय जोन या टाइम जोन के बारे में जब बात करेंगे तब इसका इस्तेमाल होगा और अंतर्राज्य तिथि रेखा के जब बारे में बात होगी तब इसका प्रयोग होगा तो आइए समझते हैं अंतर देशांतर रेखाओं के बारे में तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं तो ए, ये ये मान लीजिए पृथ्वी पृथ्वी में आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ ये पृथ्वी इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है यह है इसका उत्तरी ध्रुव यह है इसका दक्षिणी ध्रुव तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं तो आइए समझाता हूं मैं पर कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को यानी कि खड़ी रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं आगे तो आइए यहां पर लिखा है मैंने ध्रुवों को मिलाने वाली खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं ध्रुवों से ध्रुवों से विश्वत रेखा की ओर आने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रेखा मान लीजिए ये है यहां से लेकर यहां तक आती है और दूसरी जो देशांतर रेखा है वो इस तरह से आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल न्यूनतम है यानी कि यहां से लेकर यहां तक ऊपर है कम और यहाँ पर जब आएंगे तो देखेंगे कि बहुत अधिक है यानी कि जीरो डिग्री से पंद्रह डिग्री के बीच में आप देख सकते हैं कितनी दूरी है ऊपर देखेंगे तो दोनों के बीच में कितनी है ना के बराबर दूरी ठीक है तो फिर से मैं बता देता हूँ ध्रभों से विश्वत रेखा की ओर चलने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है बढ़ती जाती है यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विश्वतरे खा पर अधिकतम होती है यानी कि एक सौ ग्यारह दशमलव एक सौ ग्यारह दशमलव तीन दो किलोमीटर विश्वत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है ठीक है तो ध्रुव से ध्रबों का मतलब ये नहीं कि उत्तरी ध्रुव से ही नीचे आएंगे तब ध्रुव से यानी कि उत्तरी ध्रुव से विश्वत रेखा की ओर आएंगे तो भी दोनों की ओर बढ़ती जाएगी दोनों दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और दक्षिणी ध्रुव से अगर विश्वत रेखा की ओर आएंगे तो भी दो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है जो उनके बीच की दूरी है वह बढ़ती जाएगी चलिए आगे बात करते हैं तो जो जीरो डिग्री देशांतर है ब्रिटेन के जीरो डिग्री देशांतर ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरती है इस रेखा को यहां पर ग्री, प्रधान माध्यान रेखा कहते हैं इन दोनों की इन दोनों के, के यानी कि जो प्रधान माध्यान्न रेखा है इसके दोनों ओर यानी कि प्रधान है जीरो डिग्री देशांतर के दोनों ओर यानी कि पूर्व में और, और पश्चिम में कुल 180 सौ अस्सी देशांतर रेखाओं को खींचा गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह है आपकी जीरो डिग्री देशांतर इसके पूर्व में 180 देशांतर रेखाओं खींचा गया है और इसके पश्चिम में 180 देशांतर रेखाओं को खींचा गया है इसका यह मतलब है कि पृथ्वी पर कुल तीन देशांतर रेखाओं को खींचा गया है जिस तरह से आपका जो विस्वत रेखा है

पू उसके पूर्वी भाग यानी कि इसके ये है आपका लीजिए ये लाइन है इसके पूर्व बाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और इसके पश्चिमी भाग ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं ठीक है तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम गोरे कहते हैं क्या कहते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है जो पृथ्वी है आप सब लोग जानते हैं अपने अक्ष पर घूम रही है इस तरह से यानी कि आप इस तरह से यहां पर देख सकते हैं उसमें मैंने डाला इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जब घूम रही है तो उसको अपना ए, अपने अक्ष पर यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में एक दिन का समय लगाती है यानी कि कुल चौबीस घंटे का समय लेती है तो पृथ्वी जो है तीन अंश को पार करने में चौबीस घंटे का समय लेती है तो उसको एक अंश पार करने में या एक डिग्री पार करने में या यहां से लेकर यहां तक पार करने में उसको कितना समय लगता है चार मिनट का समय लगता है इसका मतलब ये हुआ कि पंद्रह डिग्री पार करने में पृथ्वी को एक घंटे का समय लगता है दो घंटे तीस डिग्री पार करने में द, दो घंटे का समय लगता है पैंतालीस डिग्री पार करने में तीन घंटे का समय लगता है सात डिग्री पार करने में चार घंटे का समय लगता है ठीक है समझ में आ गया तो साथियों ये हो गया आचांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी आगे बात करते हैं इन्हीं संबंधित आचांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित देशों के बारे में यानी कि वो देश जो कि आक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर स्थित है तो सबसे पहले बात करेंगे विश्वत रेखा जो कि जीरो डिग्री आचांश है जीरो डिग्री आचांश है रेखा ठीक है तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर मैंने देश लिखे हुए हैं पूर्व से पश्चिम सॉरी पश्चिम से पूर्व यानी कि ये आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो विश्वत रेखा है यानी कि जीरो डिग्री आचांश है वह इस तरह से जाती है ये आपका यहाँ पर जब जाती है तो सबसे पहले जो आपका आता है दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका का मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का इक्वेडोर जो देश है वो पड़ता है उसके बाद फिर दक्षिण अमेरिका में आगे बढ़ेगी फिर कोलंबिया नामक देश पड़ेगा उसके बाद फिर आगे जब जीरो डिग्री अक्षांश बढ़ेगा यानी कि विश्व रेखा फिर आगे बढ़ेगी तो ब्राज़ील देश पड़ेगा सबसे पहले इक्वेडोर फिर कोलंबिया फिर ब्राज़ील फिर आगे बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर अफ्रीका में प्रवेश कर जाएगी अफ्रीका में उसके बाद प्रवेश करेगी एक देश पड़ता है साओ टोमे प्रिंसिपी यानी कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है साओ टोमे प्रिंसिपी इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गेवॉन पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कांगो गणराज पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो जनतांत्रिक कांगो गणराज्य देश पड़ेगा इसके बाद फिर अफ्रीका का ही एक देश यहाँ पर पड़ता है इसको हम कहते हैं युगांडा फिर आगे देखेंगे तो केन्या पड़ेगा फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सोमालिया उसके बाद ठीक आगे पढ़ेंगे तो भारत के दक्षिण में यहाँ पर एक देश पड़ता है इसको हम कहते हैं मालदीप मालदीप के फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप इंडोनेशिया नामक एक देश है इंडोनेशिया पड़ेगा इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे तो ये बढ़ती चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे फिर यहाँ पर एक जगह पड़ती है किरवाती ठीक है किरवाती तो मैं आप लोगों को मैप में फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में प्रवेश करती है आपकी कौन सी रेखा आपकी विश्वत रेखा किस से किस देश में प्रवेश करेगी इक्वेडोर में फिर कोलंबिया में फिर ब्राज़ील में फिर यहाँ पर आ जाते हैं अफ्रीका में अफ्रीका में मैंने बताया टोमे प्रिंसिपी ठीक है इसके बाद फिर यहाँ पर कांगो देख सकते हैं उसके बाद यहाँ कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका युगांडा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं केन्या उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सोमालिया ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं मालदीप देश पे स्थित है इसके बाद यहां पर इंडोनेशिया ये देख रहे हैं ना इंडोनेशिया इसके बाद यहाँ पर किरिबाती या किरबाती नामक स्थान इस पर स्थित है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए कर्क रेखा पे स्थित देशों के बारे में बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर ही चलेंगे यानी कि ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा तो साढ़े तेईस उत्तरी आचांश को हम कर्क रेखा कहते हैं तो कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में बात कर लेते हैं आइए तो समझते हैं सबसे पहले यह आपका दक्षिण उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका का देश है इसको हम कहते हैं मैक्सिको ठीक है मैक्सिको से आपकी कर्क रेखा गुजरती है इसके बाद यहां पर देख सकते हैं आप बहामास ठीक है इसके बाद अफ्रीका में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी सहारा उसके बाद यहाँ पर आप एक देश पड़ता है इसको हम कहते हैं मोरिटानिया ठीक है मोरिटानिया उसके बाद यहीं पर एक देश पड़ता है इसको हम कहते हैं माली इसके बाद यहाँ पर एक देश जगह देख सकते हैं इसको कहते हैं अल्जीरिया फिर यहीं पर एक जगह है इसको हम कहते हैं नाइजर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक जगह पड़ेगी लीबिया फिर आगे बढ़ेंगे तो एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं चाड़ फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर ये ऊपर है मिस्र फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पड़ता है सऊदी अरब जो कि एशिया का भाग है ठीक है इसके बाद यहाँ पर एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं ओमान ठीक इसके बाद भारत में प्रवेश कर जाती है भारत के बाद आपकी प्रवेश करती है बांग्लादेश में बांग्लादेश के बाद प्रवेश करती है म्यांमार में ठीक है म्यांमार के बाद आपकी प्रवेश करती है चीन में और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ताइवान तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ पूर्व से पश्चिम में आप लोगों के लिए चलता हूँ ताइवान चीन म्यांमार आपका बांग्लादेश भारत ठीक है इसके बाद फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ओमान फिर सऊदी अरब फिर यहाँ पर देखेंगे आपका मिस्र इसके बाद देखेंगे अल्जीरिया, यहाँ पर है लीबिया उसके बाद देखेंगे यहाँ पर चाड़ माली मोरिटानिया पश्चिमी सारा इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे बहामास और ये आपका जो देश है इसको हम कहते हैं मैक्सको चलिए तो आगे बात करते हैं मकर रेखा पर स्थित देश यानी कि मकर रेखा किसको कहते हैं साढ़े तेईस दक्षिणी आक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं तो आइए दिखा दे देता हूं मैं आप लोगों को कि ये सबसे पहले मकर रेखा ये दक्षिणी आक्षांश ये इस तरह से ये है आपका मकर रेखा साढ़े तेईस दक्षिणी आक्षांश तो सबसे पहले आपका दक्षिणी अमेरिका में एक देश पड़ता है इसको हम कहते हैं चिली उसके बाद यहाँ से गुजरती है आपका ये है पराग्वे पर अर्जेंटीना फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पराग्वे और यह है आपका ब्राज़ील ठीक इसके बाद अफ्रीका में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा नामीविया ठीक नामीविया इसके बाद यहाँ पर एक देश पड़ता है इसको कहते हैं बोस् इसके बाद यहाँ पर एक देश पड़ता है इसको कहते हैं दक्षिण अफ्रीका यानी कि अफ्रीका में एक देश है दक्षिण अफ्रीका उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप मोजाम्बिक ठीक है उसके बाद यहीं पर एक दीप स्थित इसको हम कहते हैं मेड़ागास्कर और इसके बाद फिर आपका सीधा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर जाती है तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूं कि यहाँ पर है आपका चिली फिर अर्जेंटीना पराग्वे ब्राज़ील ठीक है ये हल्का सा भाग जा रहा है ना इस तरह से फिर यहाँ पर प्रवेश करेगा तो ये आप देख सकते हैं लीबिया बोस्वाना दक्षिण अफ्रीका मेडागास्कर ठीक है और ये मोजाम्बिक भी इससे जाता है मोजाम्बिक भी इससे ही इसी पर स्थित है और यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों जिससे तीनों जो प्रमुख अक्षांश हैं वो गुजरती हैं जैसे मकर रेखा कर्क रेखा और विषुवत रेखा तो वो आपका पड़ता है अफ्रीका देश अफ्रीका से तीनों रेखाएं है, गुजरती हैं यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये है ये है आपका विस्वतरेखा ये बहुत सॉरी कर्क रेखा फिर यहां पर देखेंगे रेखा इसके बाद आपका है यहां पर यह है आ, मकर रेखा ठीक है तो तीनों तीनों आछांश रेखाएं इससे गुजर रही है प्रमुख समझ आ गया कौन सा देश कौन सा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप तो वो कौन सा महाद्वीप है जिससे दो आछांश रेखाएं है गुजरती हैं यानी कि रेखा और मकर रेखा तो वो है आपका ये यहां पर देख सकते हैं ये आपका इसको कहते हैं हम दक्षिणी अमेरिका तो वो कौन सा देश है जिससे दो देशांत दो आशांश रेखाएं गुजरती हैं तो वो आपका हो जाएगा ब्राजील ब्राजील के उत्तर में ये आपका जा रहा है विश्वत रेखा और दक्षिण से से गुजर रही है एक रेखा इसको कहते हैं मकर रेखा तो चलिए आगे बात करते हैं जीरो डिग्री देशांतर के बारे में बात कर लेते हैं यानी कि प्रधान या म्युत्तर रेखा यानी कि आपसे ये पूछा जाता है कि ग्रीन बीच टाइम वाली जो रेखा है वो किन किन देशों से जाती है तो आप ये कहेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम या लंदन से तो ऐसा नहीं है वो आपको मैंने बताया था उत्तरी ध्रुप से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको देशांतर रेखा कहते हैं तो जो उत्तरी ध्रुप से यानी कि जो ऐसे करके जाएगी ना तो जो ऊपर से लेकर यहाँ तक नीचे तक कई देशों से होकर जाएगी ये नहीं कि यहां पर अगर बारह बज रहे हैं तो यहां पर कुछ और हो जाएगा यहां पर है तो ये पूरा नीचे तक एक ही समय होगा तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम सबसे पहले कहाँ से निकलती है यूनाइटेड किंगडम उसके बाद यहां पर ही एक देश पड़ता है इसको कहते हैं फ्रांस उसके बाद यहां पर दिखता है स्पेन इसके बाद यहां पर देख सकते हैं आप अल्जीरिया ठीक है अल्जीरिया उसके बाद यहीं पर स्थित है माली उसके बाद यहीं पर है बुरकीना फासो वरिकना फांसो या फांसो कह देते हैं इसको ठीक है इसके बाद यहीं पर एक जगह पड़ती है उसको कहते हैं टोगो और यहीं पर एक जगह है उसको कहते हैं घाना ठीक है फिर मैं फिर से यहां पर बोल दे रहा हूं कि जो जीरो डिग्री देशांतर है उच्च उत्तर से दक्षिण की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपके पड़ेगा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन उसके बाद फ्रांस फिर स्पेन फिर अल्जीरिया फिर माली फिर बुर्किना फासो फिर टोगो फिर उसके बाद घाना अगर दक्षिण से उत्तर की ओर बात की जाए तो घाना टोगो बुर्किना फासो माली अल्जीरिया स्पेन फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम चलिए आगे बात करते हैं समय का निर्धारण कैसे किया जाता है उसको हम हल्का समझ लेते हैं ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हल्का हल्का समझेंगे तो आइए देखते हैं समय का निर्धारण कैसे किया जाता है आइए कहाँ जा रहे हैं बेटा सोलह देख लेते हैं तो समय का जो निर्धारण है वो दो तरह से किया जाता है सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं स्थानीय समय के द्वारा यानी कि लोकल टाइम के द्वारा और दूसरा होता है प्रमाणिक या मानक समय के द्वारा यानी कि मानक समय या मानक समय रेखा द्वारा ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय समय तो इसमें हम दोनों में अंतर देख लेते हैं लोकल टाइम वह होता है जिसके द्वारा हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और मानक समय वह होता है जिसके द्वारा हम पूरे देश का काम काज क्या करते हैं सुचारू रूप से चलाते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका विस्तार है जो पृथ्वी है उस पर आपका जो भारत देश का जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से है अड़सठ पूर्वी देशांतर से लेकर सत्तानवे पूर्वी देशांतर तक यानी कि कुल तीस देशांतरों का इस विस्तार है किसमें आपका भारत देश में ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश में समय होगा उसमें और इसमें अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में जो समय होगा दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा दो घंटे का अंतर होगा वो अंतर कैसे होगा दो घंटे का उसको हम समझते हैं यहां पर जो है पृथ्वी जो है चौबीस घंटे में तीन सौ साठ अंश घूमती है अपने अक्ष पर यह है इसका मतलब यह है कि एक चक्कर पूरा लगा देती है इसका मतलब यह है कि तीन सौ साठ अंश पूरा घूम लेती है कितने चौबीस घंटे में तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री पूरा करने में उसको कितना समय लगता है एक घंटे का समय लगता है अगर एक डिग्री एक की की बात जाए तो डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है चार मिनट का समय लगता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आप देख सकते हैं यह है जीरो डिग्री देशांतर तो अगर इसमें पूर्व की ओर जाएंगे यानी कि इस ओर जाएंगे तो चा... एक डिग्री बढ़े तो कितना समय बढ़ जाएगा चार मिनट का समय बढ़ जाएगा दो डिग्री बढ़े तो कितना समय बढ़ जाएगा आठ मिनट का तीन डिग्री बढ़े तो बारह मिनट का अगर हम पूर्व की ओर जाएं पश्चिम की ओर जाते हैं उल्टा जाते हैं तो क्या होगा चार मिनट कम हो जाएंगे यानी कि यहां पर चार मिनट घटा दो एक डिग्री पश्चिम की ओर गए तो चार मिनट कम हो जाएंगे दो डिग्री पश्चिम की ओर गए चार मिनट आठ मिनट कम हो जाएंगे तीन डिग्री पश्चिम की ओर जाते हैं तो कितना समय कम हो जाएगा बारह मिनट का समय कम हो जाएगा इसका मतलब यह है कि पश्चिम की ओर अगर हम जाते हैं पंद्रह डिग्री तो एक घंटे का समय क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और पूर्व की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो एक घंटा क्या होगा प्लस हो जाएगा अगर जीरो डिग्री देशांतर पर बारह बज रहे हैं तो पूर्व में कितना हो रहा होगा एक बज रहा होगा और यहाँ पर कितने हो रहे हैं सिर्फ ग्यारह ही बज रहे होंगे समझ में आ गया तो इसी तरह से क्या है मैंने अभी बताया कि अगर यहां पर गुजरात में अगर कितने बज रहे हैं गुजरात में पांच बज रहे हैं तो आपके अरुणाचल प्रदेश में कितने बज रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में आपका सात बज रहा होगा इसका मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे सूर्य निकलेगा अगर हम टाइम अगर इसके हिसाब से मान लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बज रहे होंगे जब सूर्य निकल रहा होगा अरुणाचल प्रदेश में सात बज रहे होंगे इसके हिसाब से ग्रीन विच मीन टाइम के हिसाब से यानी कि जीरो डिग्री देशांतर के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में कितने बज रहे होंगे सात रहे होंगे और गुजरात में कितने बज रहे होंगे जब वो निकलेगा आपका दो तो बज रहे होंगे पांच बज रहे होंगे ठीक है समझ आया ना तो इसका मतलब यह है कि दो घंटे का अंतर हो रहा है इसी के इसी को क्या करने के लिए इसी परेशानी को दूर करने के लिए सभी देशों ने क्या किया सभी देशों के लिए एक बीच का का समय निर्धारित कर दिया, यानी कि भारत देश का कितना विस्तार है साढ़े वो तीस डिग्री का विस्तार है तो, तो उनने क्या कर दिया यानी कि न तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश का ना ही गुजरात का दोनों ने क्या कर दिया यहां पर बीच का समय मान लिया बीच का समय निर्धारित कर दिया जिसको हम क्या कहते हैं प्रमाणिक या मानक समय रेखा तो अब बात करते हैं प्रमाणिक या मानक समय रेखा के बारे में हल्का से देख लेते हैं तो मानक समय रेखा क्या होता है उसको देखते हैं किसी देश का प्रमाणिक या समय वह समय होता है जो उस देश के केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है यानी कि बीच का होगा केंद्रीय मतलब बीच का न अरुणाचल प्रदेश का देशांतर ना ही गुजरात का यानी कि बीच का देशांतर तीस का जो बीच का बीच का निकलेगा वह पंद्रह निकलेगा यानी कि अड़सठ से यहाँ पर जाएंगे तो साढ़े पूर्वी देशांतर जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जाती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होती हुई जाती है ठीक है तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह के ग्रीन का है 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 डिग्री देशांतर को हम ग्रीन मानते हैं तो ग्रीन से घंटे क्या है? है क्योंकि, पाँच आगे है? क्योंकि पांच घंटे कैसे आगे क्योंकि साढ़े बयासी में जब हम चार का भाग देंगे चार का गुणा करेंगे तो कितने निकलेंगे पूरा का पूरा साढ़े पांच घंटे आएगा ठीक है तो भारत की जो मानक समय रेखा है भारत के चार राज्यों से होकर जाती है उत्तर प्रदेश से आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से ठीक है तो इलाहाबाद में यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद इलाहाबाद में एक पूर्व में एक ज़िला पड़ता है इसको हम कहते हैं मिर्जापुर मिर्जापुर में एक जगह है मंदिर है उसको कहते हैं माँ विंध्यवा वासिनी धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है मिर्जापुर में एक मंदिर है माँ विंध्य वासिनी धाम मंदिर है उसके पास में एक अमरावती चौराहा है वहाँ से आपकी जो जो आपकी मानक समय रेखा है भारत से गुजरती है कहां से मिर्जा इलाहाबाद के पूर्व में एक जिला है उसको हम कहते हैं मिर्जापुर मिर्जापुर में एक मंदिर है उसको हम कहते हैं बिंदवासिनी धाम ठीक है उसी के पास एक उ, चौराया है, उसको कहते हैं अमरावती चौराया ठीक है समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं तो साथियों बात करते हैं समय जोन है, टाइम जोन के बारे में तो बिस्को चौबीस टाइम जोन में बांटा गया है जो कि ग्रीन बीच में ग्रीन बिच के टाइम से ग्रीन बिच के टाइम से एक एक घंटे के अंतराल पर रखा गया यानी में जो टाइम हो रहा है उससे पूर्व की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो एक घंटे का पंद्रह डिग्री पार करने पर दो एक घंटे तीस पर दो पैंतालीस पर तीन साठ पर चार पिचहत्तर पर, पर पांच इस तरह से बांटा गया है ठीक है तो ग्रीन बिच जो है यानी कि जो जीरो डिग्री देशांतर है वह है आपका ग्रीनलैंड यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं जीरो डिग्री देशांतर जो है इस तरह से ये इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से तो जो जीरो डिग्री देशांतर है आपका ग्रीनलैंड से नॉर्वेजियन सागर से उसके बाद बढ़ते हैं नॉर्वेजियन सागर फिर ब्रिटेन फिर फ्रांस फिर, फिर स्पेन फिर अफ्रीका में आ जाते हैं अल्जीरिया फिर माले फिर बुर्किना फासो फिर घाना फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होता हुआ यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में चिपक जाता है क्या ग्रीनवे चियामुतर या जीरो डिग्री देशांतर ठीक है तो वैसे तो ज़्यादातर देश एक ही मानक समय रेखा को चुना है जो ज्यादातर देश जैसे भारत है पाकिस्तान है या छोटे छोटे जो देश हैं उन्होंने क्या किया है एक ही न, मानक समय रेखा को चुना है कितनी कौन सी मानक समय रेखा मानी गई है साढ़े बयासी पूर्वी को मानक समय रेखा माना गया है इसी पर जो समय हो रहा होगा वह पूरे देश का समय माना जाएगा लेकिन जो देश बड़े हैं यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर बहुत बड़े हैं उनमें एक से अधिक टाइम जोन या समय जोन की आवश्यकता पड़ती है ठीक है मैंने क्या बताया जिन देशों का क्षेत्रफल अधिक है उनमें एक से अधिक टाइम जोन की जरूरत पड़ती है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में तीन टाइम जोन है जैसे कि यहां पर एक देख सकते हैं प्लस टेन फिर साढ़े नौ यानी कि प्लस नाइन थर्टी और एट ठीक है यानी कि आठ फिर साढ़े नौ और यहां पर है दस ठीक है तो तीन टाइम जोन का आ, किया गया इसके बाद अगर यूएसए की बात की जाए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की बात की जाए तो इसमें कुल सात टाइम जोन चुने हैं यानी कि अमेरिका कहां पर स्थित है आप यहां पर देख सकते हैं ये है अमेरिका यहां से लेकर यहां तक कितने समय यहां पर ये यह वाला जो चित्र है इसको हम कहते हैं अमेरिका इसमें कितने चुने गए सात टाइम जोन इसका रूस की बात कर ली जाए तो रूस आपका ये वाला जो क्षेत्र है रूस है इसमें रूस में कुल नौ टाइम जोन को चुना है ठीक है तो ये हो गया आगे बात करते हैं तो आइए अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में बात कर लेते हैं एक नजर डाल देते हैं तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये आप देख सकते हैं एक सौ अस्सी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है तो इसका जो निर्धारण किया गया था अठारह सो चौरासी में किया गया था तो अस्सी में यानी कि एक सौ अस्सी में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है एक सौ अस्सी जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है वह एक ही देशांतर रेखा को कहते हैं यानी कि एक सौ अस्सी यानी कि मैंने क्या बताया पूर्व में एक सौ अस्सी देशांतर है और पश्चिम में एक सौ अस्सी देशांतर है तो इसका मतलब यह है कि जब 100 पूर्व में कितनी है 179 ठीक है और पश्चिम में कितनी है 179 और जो 180 में आता है यानी कि 180 वाला जो आता है इसको हम पूर्वी कहते हैं और पश्चिमी भी कहते हैं यही एक कार्ड है कि जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कितनी है तीन सौ है क्योंकि अगर हम एक सौ अस्सी पूर्व में खींचते हो एक सौ अस्सी पश्चिमी पश्चिम में खींचते और जीरो डिग्री अपने अलग हो गया तो कितनी हो जाती है तीन सौ इकसठ हो जाती है यही कारण है कि आपका जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कितनी है तीन सौ साठ है तो आइए हम इसको समझते हैं हल्का सा तो मैंने क्या बताया जो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर जो है एक सौ अस्सी वहां वह पूर्व और पश्चिम दोनों ही हैं ठीक है चलिए तो समझते हैं मान लीजिए यहाँ पर यानी कि 180 देशांतर रेखा पर अगर हम खड़े हैं यानी कि अंतरराष्ट्रीय रेखा पर मैं अगर खड़ा हूँ तो ये मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हूं तो यहाँ पर क्या ये पूर्वी है और पश्चिमी है लेकिन अगर मैं 180 सौ दे, देशांतर के पूर्व में खड़ा हूँ यानी कि यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर हो रहा है संडे और यहाँ पर जो तारीख हो रही है तेईस ठीक है तो मैं जाके पूर्व से पश्चिम की ओर अगर चला जाता हूं तो एक दिन क्या होगा घट जाएगा यानी कि तारीख हो जाएगी तेईस वो तारीख हो जाएगी बाईस और दिन हो जाएगा सैटरडे यानी कि शनिवार हो जाएगा अगर मैं इस ओर खड़ा हूं यानी कि अमेरिका की तरफ या कर पश्चिम की तरफ खड़ा हूं तो यहां पर अगर मैं मान लीजिए खड़ा हूं तो यहां पर जो समय हो वो क्या बोलते हैं यहां पर जो दिन हो रहा होगा वो हो रहा होगा शनिवार और तारीख हो रही होगी हो बाईस और मैं जैसे ही पूर्व की ओर प्रवेश करता हूं यानी कि पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हूं पार करते हुए और इस और आ जाता हूं, तो यहां पर एक दिन बढ़ जाएगा यानी कि तारीख हो जाएगी तेईस और दिन हो जाएगा संडे चलिए आगे बात करते हैं चलिए अंतरराष्ट्रीय रेखा के बारे में बात कर लेते हैं हल्की सी तो इसको समझते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई गई इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं किन क्षेत्रों से और क्यों मोड़ी गई इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं होता क्या है कि ये किसी महाद्वीप में न टकराए या किसी दीप पर न टकराए इसलिए इसको क्या कर दिया जहाँ पे जरूरत हुई है उस जगह इसको मोड़ दिया गया तो आइए समझते हैं इस रेखा को अटलांटिक महासागर में पिछहत्तर उत्तरी आछांत पर क्या कर दिया Luc गया है पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है इसके बाद पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है इसके बाद बेरिंग जल संधि से निकाला गया बेरिंग समुद्र से यह पश्चिम की ओर फिर से मोड़ दी गई है और उसके बाद फिर पूर्व की ओर मोड़ दी गई है और दक्षिण में चलती चली आ रही चलती चली आ रही है उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में यानी साढ़े सात दक्षिणी आछांश में इसको फिर से पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है ताकि फिजी और टोंगा जो है इनका टाइम जोन है वह है कहीं अलग ना हो जाए एक ही रहे इसलिए इसको पूर्व की ओर फिर से मोड़ दिया गया है फिर यह दक्षिण की ओर चली जाती है और फिर यह पश्चिम की ओर मोड़ती है और फिर यह दक्षिण की ओर चली जाती है तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है यह अटलांटिक सागर चुस्की चुकसी सागर बेरिंग सागर प्रशांत महासागर से गुजरती है और ये जो आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है बेरिंग जल संधि के सबसे पास है ठीक है तो ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में क्यों क्यों टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि ये किसी समुद्र से न हो और इस कारण इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया तो चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों शुरू करते हैं भू आकृति विज्ञान को ठीक है तो एक एक करके समझते हैं इसमें जैसे भूकंप है चट्टाने हैं इसकी जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की इस तरह की चीजें हम इसमें जानेंगे तो आइए एक एक करके समझते हैं तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठीक है तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ चलिए एक एक करके समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक एक सेकेंड में इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दू कर देता हूँ मैं आपका इसको ब्लू हाँ येलो कर देता हूँ ठीक तो है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें भूगर्भिक ताप ज्वालामुखी क्रिया चट्टानों का घनत्व और भूकंपीय तरंगों के आधार पर प्राप्त होता है यानी कि आप मान लीजिए पृथ्वी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी कैसे मिलती है हमें भूगर्भित ता, ताप यानी कि उसका जो अंदर का जो तापमान है उसके आधार पर जब ज्वालामुखी की फटता है तो उसके आधार पर वो कैसे होता है वो हम आगे बात करेंगे चट्टानों का घनत्व यानी कि जब हम अंदर जाते हैं तो घनत्व जो होता है कम ज़्यादा होता रहता है उससे हमें पता चलता है एक आइडिया लगाते हैं कि किस तरह से अंदर का माल होगा इसके बाद भूकंप की जब तरंगे होती हैं यानी भूकंप भूकंप जब उठता है तब उसमें जो तरंगे उठती हैं उसके आधार पर हम इसका जो स्ट्रक्चर इस है आ करें इसकी जो आंतरिक संरचना है उसको हम एक रूप दे देते हैं यानी कि ये हमने जाके अंदर खुदाई करके नहीं देखा है बस हमने एक इसके हिसाब से आइडिया लगाया है जो कि बिल्कुल सटीक है तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार से कहते हुए पता चलता है कि यह क्या होता है यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत होता है कौन सा ज्वालामुखी उद्गार क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो इसके नीचे का जो माल होता है यानी कि अंदर जो मलबा होता है यानी कि जो भी चट्टानों का चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं ज्वालामुखी विस्फोट के साथ नीचे से ऊपर आ जाती हैं ऊपर आ जाती हैं तो क्या होता है जो चट्टाने निकलती हैं पृथ्वी के गर्भ से वो क्या करते हैं हम लोग उठा लाते हैं और प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज देते हैं इसके आधार पर हम इसकी जो आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं यानी कि जो ज्वालामुखी होता है ज्वालामुखी जब फटता है तो अंदर से क्या होता है माल निकल पड़ता है बहुत सारा वो हम उठा के भाग जाते हैं गरम गरम तो नहीं लाएंगे ठंडा होता है तब हम उठे उन चट्टानों को उठा उठाकर ले आ जाए लेके आते हैं दूसरा है भूकंपी तरंगों के बारे में बात करें तो ये तरंगें भी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी देती हैं यानी कि क्या हमें पता चलता है जब भूकंपी तरंगें हम उठती हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी तरंगें हैं जो द्रव में नहीं चलती हैं कुछ ऐसी तरंगें जो ठोस को ठोस में नहीं चलती हैं तो इससे हमें जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम उसको बताएंगे कौन सी तरंगें कहाँ पर विलीन हो जाती हैं तो भूकंपी तरंगों के आधार पर हमें इसकी जानकारी मिलती है टिप डीप पर नहीं जाऊँगा फिर मेन्स वाली बात हो जाएगी इसके बाद बात करते हैं तापमान के बारे में तापमान से हमें कैसे आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है कि जब पृथ्वी यानी कि सामान्यतः पृथ्वी से केंद्र की ओर जब हम खुदाई करते हैं यानी कि ऊपर से यानी कि धरती पर जब हम आप खड़े हों तो अंदर केंद्र की ओर जब खुदाई करते हैं तो नीचे जाने पर 32 मीटर पर एक डिग्री तापमान में वृद्धि होती है यानी कि ऊपर अगर हम ये मान लीजिए प्रॉपर्टी है हम इस पर खड़े हो अंदर खुदाई कर रहे हैं तो बत्तीस मीटर पर क्या होगा जैसे ऊपर कितना है मान लीजिए सोलह डिग्री सेल्सियस तो अंदर क्या होगा सत्रह फिर और अठारह फिर उन्नीस बीस ऐसे करके ये बत्तीस डिग्री पर बत्तीस मीटर पर एक डिग्री तापमान क्या होता है बढ़ जाता है लेकिन यह तापमान सब जगह एक सा नहीं रहता एक सीमा ऐसी आती है यानी कि खुदाई करने के बाद एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके बाद तापमान का कोई नियम नहीं होता है यानी कि एकदम बढ़ जाता है इसका मतलब यह है कि जो आन, उसकी आंतरिक संरचना है वो एक जैसी नहीं है बल्कि वो परतें पाई जाती हैं उसको हम आगे जानेंगे उसके बाद दबाव के बारे में बात करते दबाव से हमें क्या पता चलता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर एक सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार क्या कहलाता है दबाव कहलाता है तो 50 किलोमीटर की गहराई पर दबाव यानी कि जो भूपरपट्टी है जब हम यानी कि पृथ्वी की जब हम सतह पे खड़े होते हैं तब जो दबाव है और जब हम अंदर जाते हैं 50 किलोमीटर की तो दबाव में कितना अंतर आ जाता है तेरह 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 हजार गुना अधिक हो जाता है जो भू पर्पट्टी पर दबाव होता है उसके मुकाबले ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अंदर जो माल है वो भिन्न है पृथ्वी से इस तरह से हमने ये अनुमान लगाया इसके बाद घनत्व के बारे में बात करें तो घनस्त में कैसे जानकारी मिलती है आंतरिक संरचना के बारे में तो पृथ्वी के भूपटल पर यानी कि जो आपका जो सतह होता है पृथ्वी की सतह पर ज्यादातर भाग क्या है महाद्वीपों का बना हुआ है जिसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है और इसका औसत घनत्व कितना है दो दशमलव सात यानी कि टू पॉइंट सेवन इसका औसत घनत्व है जबकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार पूरी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो फाइव पॉइंट फाइव यानी कि पांच दशमलव पांच है ठीक है यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका घनत्व तो अधिक है ठीक है चलिए तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम किस तरह से बांटते हैं और ए, किस रूप में हम उसको देखते हैं यानी कि उसकी जो परतें हैं यानी कि लेयर्स हैं उसको हम देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी की लेयर लेयर ऑफ द अर्थ ठीक है यानी कि पृथ्वी की परतें तो देखते हैं परतें हैं यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर दिखती है आपको सबसे ऊपर जो है क्रस्ट उसके बाद है सियाल उसके बाद है सीमा उसके बाद है निफे इसको हम आगे एक एक करके समझेंगे क्या ये सीमा और ये बीमा और ये शांति है तो एक एक करके समझेंगे तो ये जो परतें हैं वो किसके आधार पर है रासायनिक जो संगठन है उसके आधार पर तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतों के बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले तो वैज्ञानिक थे इनका नाम था एडवर्ड स्वेस एडवर्ड स्वेस ने बताया कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है यानी कि या कहें भूपरपट्टी जो है उसका ऊपरी भाग अब सादी चट्टानों का बना हुआ है और इसके नीचे जाने पर कुछ हम परतों में उनको बांट देते हैं यानी कि ऊपरी जो भाग है वो भूपरपट्टी यानी कि अब सादी चट्टानों से बना हुआ है लेकिन अंदर की ओर जाएंगे भूपरपट्टी से हम नीचे की ओर जाएंगे तो उसका जो रासायनिक संगठन है वो बदल जाता है ठीक है तो पृथ्वी के नीचे जाने पर यानी भूपरपेटी के नीचे जाने पर तीन परतें पाई जाती है उनको हम एक एक करके समझेंगे सबसे पहले होता है सियाल ठीक है उसके बाद होता है सीमा यहां पर देख सकते हैं इसके बाद सियाल उसके बाद सीमा और उसके बाद निफे ठीक है तो एक एक करके समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सियाल के बारे में तो देखते हैं सियाल के बारे में बात कर लेते हैं समझते हैं सियाल को सियाल मतलब एस आई मतलब सिलिका और ए एल मतलब लुमिनियम तो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं सियाल तो अवसादी अवसादी चट्टानों चट्टानों के नीचे यानी कि में कौन सी बताई थी जो भूपरपट्टी वाला भाग है यानी कि जो धरातल है है उस वो किससे बना हुआ है? आपका अवसादी चट्टानों से तो अवसादी चट्टानों के नीचे सियाल की परत पाई जाती है जिसका निर्माण सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुआ है यह परत ग्रेफाइट चट्टानों का बना हुआ है महाद्वीपों का निर्माण सियाल से ही हुआ है किससे हुआ है महाद्वीपों का निर्माण सियाल से ही हुआ है यह नीचे वाली परत से क्या है हल्का होने के कारण क्या है तैर रहा है कौन सी इससे यानी कि सीमा वाली परत से क्या है हल्का होने के कारण यह तैर रहा है ठीक है तो इसको किसको यानी कि सियाल है जो सियाल वाली जो परत है इसको हम लिथोस्फियर लिथोस्फीयर यहां पर आप देख सकते हैं यह है सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो ऊपरी परत है उसके बाद जो दूसरी परत आती है उसको हम कहते हैं सियाल ठीक है तो यहां पर मैंने बताया सियाल को लिथोस्फियर भी कहते हैं इसका औसत गहराई की अगर बात की जाए तो परपटी के बाद की जो स्थिति आती है वो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में आपका सियाल वाला क्षेत्र फैला हुआ है ठीक है यानी कि पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो हम 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक की गहराई में हम सियाल की परतों को देख सकते हैं इसका औसत घनत्व की अगर बात की जाए तो दो दशमलव दो सात पाँच से लेकर दो दशमलव नौ जीरो यानी कि 2.75 से लेकर 2.90 तक है यह अम्लीय चट्टाने हैं कौन सी सियाल जो है अम्लीय चट्टाने हैं तो सियाल किससे बनी हुई है आपकी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से कहां से कहां तक इसकी गहराई है पचास से तीन सौ किलोमीटर के बीच में सियाल की आपकी परत है चलिए सीमा के बारे में बात कर लेते हैं सीमा यानी कि सबसे पहले अवसादी अफसादी, अफसादी यानी कि क्रस्ट क्रस्ट के बाद सियाल सियाल के ठीक नीचे आपकी एक परत है उसको हम कहते हैं सीमा ठीक है तो इसका आ, सियाल के नीचे वाली परत को हम सीमा कहते हैं सीमा मतलब एस आई प्लस एम ए यानी कि एस si आई मतलब सिलिका सिलिका और एम ए मतलब मैग्नीशियम ठीक है तो इसका निर्माण सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुआ है यह बेसाल चट्टानों से बना हुआ है यह परत छारी है यानी कि सियाल वाली जो परत है वह अमली है और जो बेसाज वाली वाली यानी कि सीमा जो है है उसको कैसी कैसी मानते हैं वो छारी है। ये ज्वालामुखी के फटने के साथ ही पृथ्वी पर आ जाती है यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है यानी कि जब ज्वालामुखी में जो फटने के बाद जो ऊपर पृथ्वी पर जो माल आता है वो आपका सीमा वाले क्षेत्र से ही आता है ठीक है कहां से आता है सीमा वाले क्षेत्र से इसको हम पायरो चट्टानों वाला जो क्षेत्र है उसको क्रस्ट कहते हैं सियाल वाला क्षेत्र है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं और आपका जो सीमा वाला क्षेत्र है उसको पायरो कहते हैं ठीक है चलिए इसका औसत गहराई की अगर बात की जाए तो एक हजार से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी परत पाई जाती है यानी कि 300 किलोमीटर तक थी 50 से 300 किलोमीटर आपकी सियालवाला और सीमा कितना है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की गहराई तक ये चट्टान या कहें ये परत पाई जाती है इसका औसत गनत की बात की जाए तो 2.90 से लेकर 2.90 से लेकर 4.75 75 सेवन फाइव तक है यानी कि दो दशमलव नौ जीरो से लेकर चार दशमलव सात पाँच तक है चलिए तीसरी और तीसरी और आखिरी परत के बारे में बात कर रहे हैं तो ये है आपकी निफे निफे मतलब Ni Fe से बना है Fe मतलब होता है फेरस फेरस मतलब होता है लोहा ठीक है तो ये इसका जो प्रमुख जो अंदर जो रासायनिक है माल जो है उसको हम कहते हैं निकेल और लोहा तो इसका निर्माण या इसमें इस आपका निकेल और लोहा

चलिए आगे समझते हैं सबसे पहले मैंने रासायनिक संगठन के आधार पर हमने इसको समझ लिया सियाल सीमा और निफे रासायनिक आधार पर यानी कि निके यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरका प्लस एल्यूमिनियम सिरका प्लस मैग्नीशियम और निकेल प्लस फेरस यानी कि निकेल प्लस लोहा तो ये क्या क्या आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर हमने तीन परतें देखी इसकी अब हम बात करते हैं भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी को तीन भागों में बांटा जाता है या बांट सकते हैं तो आइए सब समझते हैं सबसे पहली जो परत है ऊपर वाली जो परत है इसको हम कहते हैं इसको हम कह देते हैं भूपरपटी या क्रस्ट या इसको भूपटल भी कह देते हैं चलिए तो यह परत यह परत पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसकी औसत मोटाई की अगर बात की जाए तो इसकी औसत मोटाई जो है वह महासागरों पर अगर बात की जाए तो पाँच किलोमीटर तो है और महाद्वीपों की बात की जाए तो 30 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है यानी यहां आप दिखा सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये महासागर वाली की अगर बात की जाए ये महासागर महासागर यहां से लेकर ये यहां से लेकर यहां तक तो महासागर में अगर फैली है तो महासागर तो ये पानी वाला तो भाग छोड़ ही दो तो महासागर वाला ये वाला जो क्षेत्र रेड कलर का जो आप देख रहे हैं ये वाला तो महासागरी क्षेत्रों में जो इसकी चौड़ाई है वो है आपकी पांच किलोमीटर अगर भूपृष्ठ की बात की जाए तो भूपृष्ठ वाला अधिक है तो भूपृष्ठ पर या कहें धरातल पर इसकी जो चौड़ाई है वह तीस किलोमीटर है तो मैं फिर से बता देता हूं कि भूपरपटी या भूपृष्ठ या कृष्ठ की जो चौड़ाई है महासागरों पर कम और जो धरातल है उस पर अधिक महासागरों पर पांच किलोमीटर की गहराई तक है और भूपृष्ठ पर आपकी कितनी है भूपृष्ठ पर तीस किलोमीटर की गहराई तक है या कहें मोटाई कितनी है धरातल पर तीस किलोमीटर और महासागरी क्षेत्र में कितनी पांच किलोमीटर ठीक है तो महाद्वीपों का भूपटल भारी चट्टानों से बना हुआ है यानी कि नीस और ग्रेफाइट चट्टानों का बना हुआ है किसका महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वह है भारी चट्टानों से बना हुआ है नीस और ग्रेफाइट जबकि महासागरों का जो भूपटल है यानी कि महासागरों के नीचे जो धरातल पाया जाता है वह वेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है ठीक है में आ गया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो आपका भूपृष्ठ या या भुपरेटी, भुपरेटी वाला जो क्षेत्र है वह है, महासागरी क्षेत्र में उसकी मोटाई कितनी है पांच किलोमीटर है जबकि महाद्वीप क्षेत्र में कितनी है तीस किलोमीटर की किलोमीटर मोटी पट्टी में है चलिए आगे बात करते हैं दूसरी परत देखते हैं तो भूकंपी लहरों के आधार पर भूपरपट्टी को भी दो भागों में बांटा गया है कैसे बांटा गया है यानी कि जो ऊपरी भूपरपट्टी है उसके ठीक नीचे आते हैं तो आता है एक कोणार्क असंबद्धता और ठीक नीचे आते हैं तो आता है निचली भूपरपटी यानी कि ऊपरी भूपरपटी यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट ठीक है तो मैंने यहां पर बताया कि भूपरपट्टी को दो भागों में बांटा जाता है ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के मध्य जो भाग है उसको कोनार्क असंबद्धता असंबद्धता कहते कहते हैं हैं इसके अलावा और मेंटल के बीच के बीच भाग को कहते हैं। इसको हम समझते हैं असंबद्धता क्या है असंबद्धता कुछ नहीं है ये वो क्षेत्र होता है जो संक्रम संक्रमणीय क्षेत्र होता है यानी कि आप मान लीजिए कृष्ण है ये मान लीजिए कृष्ण उसके बाद ये है मेंटल तो एक बात बताना कोई दीवार तो खींची नहीं है वहां पर किसी ने सीमा तो बना नहीं दी है कि भाई साहब तो तुम अपनी दीवार खींच लो और तुम्हारा वाला इसके दीवार का इधर वाला जो भाग है वो मेंटल कहलाएगा और इधर का भाग जो है वो क्या कहलाएगा भूपर पट्टी कहलाएगा ऐसे दीवार नहीं खींची है होता क्या है कि वो रासायनिक रूप से यह, जैसे मान लीजिए आप ये मान लीजिए नदी है एकदम साफ पानी की नदी है तो साफ पानी की नदी है तो यहां से एक गंदा नाला निकलता है गंदा नाला जब निकलता है तो नदी में जब जाता है तो गंदा नाले की इतनी औकात नहीं है कि वो नदी को पूरा गंदा कर सके लेकिन वो क्या है कि यहां पर जब उसके मुहाने पर आता है मुहाने पर क्या करता है ये अपना गंदा पानी फेंक देता है जब गंदा पानी फेंक देता है तो ये वाला जो भाग है यानी कि ये साफ पानी मिल गया तो साफ पानी गंदा तो नहीं हो गया उनकी जितना नाले का पानी गंदा है उतना गंदा ये नहीं हो गया तो ये वाला जो पानी ना तो ज्यादा गंदा है और ना ही ज्यादा साफ है तो ये हो गया बीच का भाग यानी कि क्षेत्र हो गया ना तो ये गंदा हो लग रहा है ज्यादा ना ही ये ज्यादा साफ हो रहा है तो ये जो बीच का भाग है इसी को हम असंबद्धता कह देते हैं अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो मान लीजिए ये आपका शहर मान लीजिए दिल्ली शहर है ठीक है और उसके बाद ये पड़ता है मान लीजिए कोई गांव है तो आप जब दिल्ली शहर से निकलेंगे तो एकदम दिल्ली शहर कहीं पर एकदम ऐसे जैसे आपने दिल्ली में कोई एक सीमा तो बना नहीं दी है कि जैसे ही आपने दिल्ली यहां पर कदम रखा वैसे ही आप गांव वाले बन जाएंगे ऐसा नहीं है जब आप दिल्ली धीरे धीरे क्रॉस कर रहे होंगे तो आपको पहले एकदम बहुत सारी बिल्डिंग दिखेंगी बहुत घना दिखेगा बहुत ज़्यादा संक्रमणीय क्षेत्र दिखेगा उसके बाद क्या होगा जो मकान वगैरह हैं जो बिल्डिंग वगैरह है वो हल्की होती जाएंगी और धीरे 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 हल्की होती जाएंगी उसके बाद स्थिति यह आ जाएगी कि बुढ़ना के बराबर आ जाएगा उसके बाद यहाँ गांव वाला क्षेत्र है तो पहले गांव जो आएगा गांव के बाद भी एक दो एक जब बाहर निकलेंगे तो एक आध कहीं झोंपड़ी डाल रखी होगी किसी ने छोटी मोटी दुकान रखी होगी तो उसके बाद भी एकदम गांव तो खत्म नहीं हो जाता बाद में जो बीच का भाग है वो हो जाएगा ना। बाद वाला जो बीच का भाग है इसे हम संक्रमण सॉरी बीच का जो भाग है उसे संक्रमण ना तो ये गांव लगता है ना ही ये दिल्ली जैसा शहर लगता है तो ये बीच का भाग हो गया यानी कि जो असंबद्धता बना दी गई है वो कुछ नहीं है यानी कि भूपरपट्टी से जब हम नीचे आते हैं तो ना तो ये भूपरपट्टी लगता है और जब हम मेंटल की ओर आते हैं तब तो ना ही ये मेंटल लगता है यानी कि जब नीचे वो बढ़ते हैं तो एकदम कोई दूसरी परत नहीं आ जाती ये नहीं कि हम वहां पर पहुंचे हैं कि ये कि हमने बांध बना दिया कि ये इसके बाहर ये भूपरपट्टी रही ऐसा नहीं है वो अपने आप ही निर्माण हुआ है तो जो बीच का भाग है उसे संक्रमणीय क्षेत्र कहते हैं तो असंबद्धता वही संक्रमणीय क्षेत्र है तो आइए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो भूपरपट्टी है उनको दो भागों में बांटा गया है ऊपरी भूपरपट्टी उसके बाद है आपकी कुनाड असंबद्धता उसके ठीक नीचे है निचली भूपरपटी तो ऊपरी भूपरपटी और निचली भूपरपटी की अगर बात की जाए तो 0.3 से लेकर 200 किलोमीटर तक इसकी गहराई है ठीक है इसके बाद बात करें तो भूपरपटी के ठीक नीचे आते हैं उसके भाग को हम देख लेते हैं क्या कहते हैं भूपरपटी के ठीक नीचे आते हैं ये आप देख सकते हैं भूपरपटी के जैसे नीचे आते हैं

अधिकता होगी और निचले भाग में क्या लक्षण मिल रहे होंगे मेंटल वाले तो ये यही कारण है कि जो असंबद्धता बनाई है वो दोनों के संक्रमण क्षेत्र को, को बनाई है तो आइए समझते हैं भूपरपट्टी के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं मेंटल कहते हैं यानी कि भूप, ये वाला जो क्षेत्र है इसके ठीक नीचे बढ़ेंगे तो हम यहां पर देख सकते हैं मेंटल देख सकते हैं ठीक है तो या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भूपरपट्टी तथा क्रोड के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं हम मेंटल कहते हैं यहां पर मैं दिखा देता हूं कि मान लीजिए भूपरपट्टी है और ये बीच वाला कोर

यानी कि जो सॉरी जो भूपरपट्टी है उसके भूपरपट्टी ja और मेंटल के बीच में एक असंबद्धता है मेंटल और कोर के बीच में एक असंबद्धता है और जो इन दोनों के दो दो भाग बांटे उनके बीच में भी जो गैप है उसको भी असंबद्धता कहते है। तो हैं हैं तो चलिए सब समझते तो मैंने क्या बताया भूपरपट्टी तथा कोर के बीच के भाग को क्या कहते हैं मेंटल कहते हैं यानी कि ये आपका कोर वाला भाग है और ये आपका भूपरपट्टी वाला भाग है तो इसके बीच के भाग को हम ब्लू कलर में आप यहां पर देख सकते हैं इसको हम कह देते हैं क्या इसको हम कहते हैं मेंटल तो इसकी अगर गहराई की बात की जाए तो इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक यह भाग में फैला हुआ है यानी कि ये यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चलते चले जाएंगे तो ये उनतीस किलोमीटर भाग तक फैला हुआ है ठीक है तो इनको इसको भी यानी कि मेंटल जो है उसको भी दो तो भागों में बांटा गया है यानी कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल तो ऊपरी मेंटल जो है उसके नीचे जैसे आएंगे तो उसको हम कहते हैं रेप्टी असंबद्धता और उसके ठीक नीचे आएंगे तो उसको हम कहेंगे निचला मेंटल है ये ऊपरी और जहां थोड़ा कम माल पड़ जाता है उसको हम कहते हैं निचला तो आइए समझते हैं इसको तो ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच रेप्टी असंबद्धता है चलिए आगे बात करते हैं ऊपरी मेंटल को दुर्बलता मंडल कहा जाता है इसका विस्तार 400 किलोमीटर की गहराई तक है यानी कि जो ऊपरी मेंटल है इसको हम क्या कहते हैं दुर्बलता मंडल कहते हैं ज्वालामुखी से जो माल निकलता है यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है तो ऊपरी मेंटल से ही माल ढोकर ले जाते हैं यानी कि जो ऊपरी मेंटल वाला जो भाग है इसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं इसी में से जो ज्वालामुखी फटता है तो माल लेकर ऊपर जाता है समझ में आ गया तो मेंटल का घनत्व जो है वह है से ज्यादा है यानी कि भूपरपट्टी का कम उसके बाद मेंटल का उससे अधिक और नीचे जाएंगे तो कुर का सबसे अधिक घनत्व होगा तो पृथ्वी का आयतन का तिरासी तथा द्रव्यमान का सड़सठ परसेंट जो भाग है इसके तहत ही आता है मेंटल और कोर के बीच गुटेन वर्ग असंबद्धता है यानी कि यह है मेंटल और यह है आपका कोर कोर के बीच में क्या है आपका गुटेन वर्ग असंबद्धता यानी कि सबसे पहले मैं आप लोगों को हल्का पहले बता देता हूं ऊपरी मैंने बताया ये है आपका भूप्रपटी भूप्रपटी के ठीक नीचे आएंगे तो एक असंबद्धता है उसको हम कहते हैं मोहरो असंबद्धता उसके ठीक नीचे है आपका मेंटल मेंटल के बाद एक है उसको हम कहते हैं है 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 है, तो है, है, लेकिन तीन भागों में जब बटे तो उनकी असंबद्धता अलग है तो आइए समझते हैं एक एक करके फिर से चलिए आखिरी जो भाग है उसको हम कहते हैं क्रोड या कोर या इसको केंद्रीय भाग भी कह देते हैं तो ये जो आखिरी भाग देख रहे हैं ये है कोर ये मैंने सबसे पहले बताया आपका भूपरपट्टी उसका मेंटल और ये आपका कोर तो आइए समझते हैं इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 यहां पर है दिख नहीं रहा होगा 6371 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है कहां से 2900 से शुरू होता है और नीचे चलता चला है चलता चला है केंद्रीय भाग 6000 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है कोर कहलाता है यह है लोहा यानी कि एन मैंने बताया था निकेल निफ़े लोहा और निकेल से बना हुआ है जिसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है ठीक है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है आंतरिक क्रोड तथा बाहरी क्रोड ठीक है तो आंतरिक क्रोड जो है ये देख रहे हैं धधकता गोलाता है और बाहरी क्रोड हल्का लाल है यानी कि इसका तापमान थोड़ा कम है तो आंतरिक क्रोड़ तथा बाहरी क्रोड के बीच का भाग जो है लेह मैन असंबद्धता कहलाता है यानी कि जो बाहरी क्रोड है और आंतरिक क्रोड जो है इसके बीच का जो भाग है उसको लेहमेन असंबद्धता कहते हैं यानी बताया मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यह है क्रोड़ क्रोड के बीच को हम यहाँ पर एक असंबद्धता कर देते हैं उसके ऊपर का जो भाग है उसको हम कहते हैं वाह क्रोड़ और निचले भाग जो है आंतरिक क्रोड कहलाता है तो आंतरिक क्रोड़ तथा तो वा, वाहिक क्रोड़ के बीच में कौन सी असंबद्धता है लेहमेन असंबद्धता ठीक है तो बाहरी क्रोड कुछ कुछ जो बाहरी क्रोड है कुछ कुछ तरल रूप में पाया जाता है यानी कि यहां पर कुछ जो भाग है वो तरल रूप में होगा क्या लावा ही पिघला हुआ होगा लेकिन इसका जो आंतरिक क्रोड़ है उसका जो जो बनावट है वह है पूरी तरह से ठोस अवस्था में क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऊपर से नीचे तक जब पृथ्वी के कोर की तरफ बढ़ते हैं तो जो घनत्व है दबाव है वो क्या होता है बढ़ता जाता है मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं यहां पर ठीक है आप यहां पर खड़े हैं तो आपके ऊपर एक आदमी खड़ा हो गया दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ऐसे करके साठ आदमी हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे आप बिल्कुल आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करोड़ बन जाएगा यानी कि बिल्कुल आपके ऊपर इतना दबाव हो जाएगा कि आप बिल्कुल ठोस से छोड़ मतलब छोड़िए आपका जो जूस है वो तो बिल्कुल निकल जाएगा तो आप बिल्कुल ठोस अवस्था में हो जाएंगे समझ रहे हैं ना आपकी सिर्फ हड्डी हड्डी रह जाएंगे अगर आपके ऊपर कम से सौ डेढ़ सौ आदमी ऊपर चढ़ा दिया जाए तो इसका क्या मतलब है कि आपके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा हो गया तो इसका यही मतलब तो मतलब है किसके ऊपर है सब क्रोड़ के ऊपर ही तो है वो भी आंतरिक क्रोड के ऊपर तो यही एक यह कारण है कि इसमें दाब बहुत अधिक होने के कारण यह बिल्कुल ठोस अवस्था में हो गया है चलिए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं हल्के से समझ लेते हैं तो हम इसमें दो तरह समझेंगे एक तो पृथ्वी के ऊपर यानी कि जो धरातल है जो हमें दिखता है महसूस होता है जहां पर हम रहते हैं उसके ऊपर एक अंदर यानी कि धरातल के अंदर यानी कि क्रोड और मेंटल और ये आप कन्फे वाला जो चट्ट पड़ते हैं उसके ऊपर जो भी माल पाया जाता है उसके अंदर जो माल पाया जाता है तो एक एक करके समझते हैं सबसे पहले भूपृष्ठ के बारे में बात करते हैं यानी कि धरती के ऊपर धरातल पर कौन कौन सा माल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है माल मतलब तत्व ठीक है सारा रहा में समझ लेते हैं फिर तत्व समझ में नहीं आता है ना माल समझ सकते हैं आप लोग एकदम चलिए समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में तो सबसे अधिक मात्रा में भू पृष्ठ पर क्या पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है कितनी मात्रा है ए 46.8 परसेंट यानी छियालीस दशमलव आठ परसेंट आपका ऑक्सीजन पाया जाता है दूसरे नंबर पर बात की जाए तो सिलिका या सिलिकॉन पाया जाता है कितना है सत्ताईस आपका क्या है आपका सिलिकॉन है इसके बाद तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम आठ दशमलव एक परसेंट उसके बाद है लोहा उसके बाद है कैल्सियम यानी कि एक दो तीन चार पांच जो तत्व हैं उनको ही वैसे तो और भी चीजें हैं इनके बारे में ही हल्का सा जानना है सबसे अधिक क्या है ऑक्सीजन यानी कि ओ टू फिर ऐसे करके जाएंगे इसके बाद आएगा सिलकोन एस आई फिर ऐसे बढ़ेंगे उसके बाद आएगा ए एल एल्यूमिनियम फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका लोहा मतलब एफ ई -E, इसके बाद आ जाएगा कैल्शियम तो आ जाएगा ए e, तो नंबर एक पर ऑक्सीजन नंबर दो पर सिल्कॉन नंबर तीन पर एल्यूमिनियम नंबर चार पर लोहा नंबर पांच पर कैल्शियम ठीक है तो ये हो गया आपका भूपृष्ठ के ऊपर अब बात करते हैं पृथ्वी के अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं तो सबसे पहले जो मात्रा है उसको कहते हैं लोहा तो सब अधिक क्या पाया जाता है है लोहा जिसको FE कहते हैं ठीक है? मैंने बताया था तीसरी जो है उसको हम क्या कहते हैं निफे यानी कि निकेल प्लस फेरस यानी कि लोहा दूसरा नंबर है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन यानी कि 30% परसेंट ऑक्सीजन चौथे नंबर पर है तीसरे नंबर पर है आपका सिलिकॉन चौथे नंबर पर है मैग्नीशियम पांचवे नंबर पर है आपका निकल तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि भूपृष्ट पर सबसे अधिक ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर सिलिकॉन तीसरे नंबर पर अगर अंदर की बात की जाए तो सबसे नंबर पर लोहा नंबर दो पर आपका ऑक्सीजन नंबर तीन पर सिलिकॉन है नंबर चार पर मैग्नीशियम नंबर पांच पर निकेल पाया जाता है तो चलिए ये हो गया आपका भू पृष्ठ के बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चलिए बात करते हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में एक एक करके समझते हैं इनको अंग्रेजी भाषा में हम इनको रॉक्स कहते हैं ठीक है रॉक्स वाला वो वाला नहीं रॉक चलिए तो रॉक मतलब चट्टाने चलिए तो देखते हैं यहां पर मैंने तीन चट्टाने बनाई हैं एक है ये आग्नेय चट्टाने नंबर दो पर है अवसादी चट्टाने नंबर तीन पर है ये रूपांतरित चट्टाने इसको अंग्रेजों की भाषा में क्या, क्या क्या कहते हैं उसको मैं एक एक करके बताता जाऊंगा इग्निसियर रॉक्स ठीक है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स और है रॉक्स ठीक है तो ये हो आपकी हो गई चट्टाने अंग्रेजों की भाषा में चलिए एक एक करके समझते हैं इनको तो अब देखते हैं तो बे सभी पदार्थ जिससे भूपरपट्टी यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी वाली जो परत है उसका निर्माण होता है उन्हें हम चट्टान कहते हैं यानी कि पृथ्वी की जो पपड़ी है या पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है उसके पदार्थ को हम चट्टान कहते हैं चाहे वो बिल्कुल, बिल्कुल लिप लिपी वाली जो चीका मिट्टी होती है बिल्कुल मुलायम वाली चाहे फिर वो ग्रेफाइड की तरह कठोर हो इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं चट्टान कहते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी परत पर पाई जाती हैं। चट्टानों का निर्माण खनिजों से मिलकर होता है पेट्रोजोलॉजी जो होता है पेट्रोलॉजी जो होता है चट्टानों के विज्ञान को कहते हैं जिसके तहत है, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है हर चट्टान जो है वह एक से अधिक खनिजों का मिश्रण होती है ये बात ध्यान रखें किसी भी चट्टान में मिश्र जो खनिज होता है उसकी मात्रा होती ही होती है चाहे फिर वो बिल्कुल कम हो चाहे बहुत बहुत अधिक हो ठीक है तो आइए समझते हैं चट्टानों के पे... चट्टानों को निर्माण के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है आग्नेय चट्टान सबसे पहले हुआ उसके बाद अवसादी चट्टान उसके बाद रूपांतरित चट्टान अंग्रेजों की भाषा में मैंने आप लोगों को बता दिया आपको एग्निशियसिमेंट्री और मेटामोर ठीक है आइए सबसे पहले बात करते हैं आग्ने चट्टानों के बारे में तो आग्ने चट्टानों के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो चट्टाने बनी हैं उसको हम कहते हैं आग्न चट्टाने आग्ने चट्टानों का निर्माण कैसे होता है उनको हम हल्के समझते हैं जब पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी होता है वह फटता है ठीक है पहले तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ज्वालामुखी जो, जो है इसके अंदर जो होता है माल भरा होता है यानी मैग्मा का यहाँ चैम्बर होता है जो कि अंदर ही अंदर जगह मिल जाती है तो इधर उधर चलता फिरता रहता है लेकिन जब बर्दाश्त बाहर हो जाता है तो ये क्या करता है बर्दाश्त बाहर जब इसमें माल भर जाता है तो ये फट जाता है फट कर सारा माल होता है पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है ठीक है तो यहां पर मैं आप लोगों को एक क्रिया दिखा देता हूं कि पहले जो ज्वालामुखी है इस तरह से इसके अंदर माल भरा हुआ है ज्वालामुखी जब फटा तो इसका जो माल था यानी कि जो मैग्मा वगैरह था वो यहां पर निकल के पसर जाता है यानी कि फैल जाता है और इधर उधर बढ़ने लगता है बढ़ने के बाद यानी कि बढ़ने के बाद थोड़ी बहुत समय बाद ये फैल कर ठंडा हो जाता है और इससे जो चट्टाने का निर्माण होता है उसको हम आग्ने चट्टाने कहते हैं ठीक है इसमें जो प्रमुख चट्टाने हैं उसको हम ग्रेफाइट और बेसाल्ट कहते हैं तो आइए समझते हैं तो जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के गर्भ से जो मैग्मा या लावा निकलता है और जब लावा जमकर ठंडा हो जाता है तो इस इन चट्टानों का निर्माण होता है ये चट्टानों में सबसे अधिक पाई जाती है यानी जो चट्टाने पाई जाती है पृथ्वी उनमें से इन चट्टानों का जो अधिकता है सबसे अधिक है इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो इसका मतलब हो ग्रेफाइट और जो ल, न, न, चट्टाने होती हैं इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते जीवाश्म नहीं पाने का नहीं होने का कारण मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि आपको मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी के गर्भ से ही तो आ रही है अब पृथ्वी के अंदर कहां से घुस गया यानी कि पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में कोई जानवर कोई पंछी कैसे घुस गया तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्योंकि अगर होगा भी ना तो वो जल जाएगा क्यों वहां से नीचे गरम गरम लावा निकल रहा है ना अब मान लीजिए आप चूल्हे में लकड़ी डाल देते हैं आग जल रही है तो भैया वो राख बन जाएगी अब उसमें जीवासम बचाई नहीं बिल्कुल भी नहीं बचा बिल्कुल कोयला है कोयला अगर मान लीजिए जीवास में तो उसको जला देंगे तो राख बन जाएगा कुछ बचेगा ही नहीं ठीक है तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो आग्ने चट्टाने होती हैं उसमें बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं पाया जाता इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि जीवाश्म नहीं पाया जाता इसका मतलब आग्ने चट्टानों से पेट्रोलियम या फिर खनिज जो वो सॉरी जो जीवाश्म जो पदार्थ होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम होता है गैस होती है और ये चीजें नहीं पाई जाती हैं इनमें कोयला भी नहीं होगा ठीक है समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में बात है तो आर्थिक रूप से आग्नेय चट्टान बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनमें मूल्यवान खनिज इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज यानी कि मूल्यवान खनिज इन्हीं चट्टानों से निकलते हैं जैसे कि आपका सोना हो गया चांदी हो गया जस्ता हो गया जिसको अंग्रेजों की बात हम जिंक कहते हैं तांबा हो गया सीसा हो गया निकल हो गया निकिल भी बोलते थे इसको निखिल नहीं बोलेंगे लेकिन लोह हो गया या लोहा भी बोलते हैं सॉरी लोह अयस्क होता है ठीक है तो फिर से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ सोना चांदी जिंक तांबा सीसा निकल निकल समझ रहे हैं ना आजकल चल रहा है ना ये निकल ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना निकल तो ऐसे करके वो निकल वाला चलता है वो वाला निकल नहीं है ये निकेल बोलेंगे लॉ अयस्क और किससे निकलता है ये आपका मैग्मा से ही निकलता है ठीक है तो है ठीक तो कारण कि इन चट्टानों का आर्थिक महत्व तो बहुत अधिक है इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं इन चट्टानों में जल आसानी से प्रवेश नहीं करता है इन चट्टानों पर अपर्दन का भी अपर्दन क्रिया जो होती है उसका भी प्रभाव न के बराबर होता है यानी कि बहुत समय लग जाता होता तो ऐसा ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है जिसका क्या हो जिसका अंत न हो तो होता है लेकिन इन पर अपर्दन क्रिया का जो प्रभाव होता है वो ना के बराबर होता है ठीक है तो मैंने फिर से बता देता हूं कि मैंने बताया इन चट्टानों में जल जो है आसानी से प्रवेश नहीं करता क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब आप मान लीजिए सोना है सोना है आप उसको पिघलाएं पिघला के आप उसको किसी जगह डाल दें तो आपको लगता है कि जो आपने किसी जगह डाल दिया अब उसके ऊपर से पानी अंदर घुस जाएगा नहीं जाएगा ना या आप ऐसे मान लीजिए लेंटर डालते हैं लेंटर डालते हैं कि लेंटर में पानी चला जाता है क्योंकि आपने एकदम परत जमा दी ना उसी तरह से मैग्मा जब निकलता है तो परत जम जाती है इसमें परतें भी नहीं होती हैं यानी कि एक परत जम जाती है पूरी एक सीधी सीधी एक के ऊपर एक नहीं जमती है पूरी एक जमती है ठीक है बर्फी खाइए ना बर्फी तो इस तरह से सोन पपड़ी की बात नहीं करेंगे उसमें तो बहुत सारी परतें होती हैं चलिए आगे बात करते हैं बात करते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में तो इनको भी देख लेते हैं इनका निर्माण तब होता है जब अपर्दन के साधनों से जैसे नदी द्वारा हवा द्वारा हिमनद द्वारा या फिर अन्य किसी साधन द्वारा वर्षा द्वारा तो निम्न प्रदेश से लाकर जमा कर दिया जाता है यानी कि मैं इसको बताऊंगा ये जमा किया हुआ माल या निक्षेप जो परत दर परत एक जगह जमा कर लिया जाता है बाद में दबाव तथा संपीडन के कारण ये माल ठोस हो जाता है और अवसादी चट्टानों का रूप ले लेता है यानी कि ये पहले से मौजूद चट्टानों का जब अपर्दन होता है और जब ये किसी जगह जाकर जमा हो जाती हैं तो बाद में ठोस होकर अवसादी चट्टानों का रूप ले लेती हैं। फिर से मैं बता देता हूं साधारण वाता बिल्कुल यानी कि जो पहले से मौजूद चट्टान है पहले से मौजूद कौन सी है भैया आग्नि चट्टान है उसका जब किसी कारण से अपर्दन होता है जैसे कि वर्षा के द्वारा बरसात होती है तो उसमें से मिट्टी वगैरह टूटती है फटती है धूप निकलती है हवा द्वारा नदी के द्वारा तो ऊपरी क्षेत्र से क्या करती हैं जो नदियां होती हैं अपनी घाटियों को काटकर या पहले से मौजूद चट्टानों को काटकर चाहे वो कोई सी चट्टान हो उनको काट काट कर काट कार, कार, कर काट कर अपनी घाटियों से लाकर क्या करती हैं किसी निचले क्षेत्र में जमा कर लेती हैं ये जब यहाँ पर जमा कर लेती हैं इसको हम कहते हैं निक्षेप यानी कि निक्षेपण कर देती हैं किसी जगह दूसरी जगह से काट कर अपर्दन क्रिया के द्वारा जब यहाँ पर जमा कर देती हैं तो एक बार जमा कर दिया फिर दोबारा वही क्रिया इनसे फिर फिर से अपनाई यानी कि फिर वही क्रिया अपनाई फिर से दोबारा उसी के ऊपर डाल दिया यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि आप ने घर पे बर्फी जमाई ठीक बर्फी जमाई एक पूरे कमरे में तो कमरे में जब बर्फी जमा दी तो क्या हुआ आपने बर्फी जमाई फिर से बर्फी जमाने के बाद फिर उसी के ऊपर एक और बर्फी जमा दी फिर से फिर उसके ऊपर जमा दी फिर उसके ऊपर जमा दी ऐसे करके आपने क्या किया परत दर परत यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करते गए करते गए और इस तरह से वो एक डिजाइन बन जाएगी जब जो नीचे परत होगी यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो माल होगा यानी सबसे पहले जो काट नदियां लाई होंगी वो क्या होगा दबाव के कारण और संपीडन के कारण क्या हो जाएगा वो ठोस हो जाएगा जब वो दबाव और संपीडन के क्रिया के द्वारा वो ठोस हो जाएगा तो चट्टानों का रूप ले लेगा और जब ये चट्टानों का रूप ले लेगा तो फिर क्या होगा

क्रियाएं की वो जाकर करने के बाद हमें हिमालय क्षेत्र में एक नदी पड़ती है उसमें हमने उसमें अपने आप को डलवा दिया अब हमारे जैसे जन कितने हजारों लाखों उसमें डलवाते जाके डलवाते होंगे तो वो भी जीवाश्म काय में चला गया नदी में चला गया हमने सुअर मरा हुआ काय फेंक दिया नदी में फेंक दिया अरे सुबह सुबह कुछ लोग जाते हैं खाया पिया और नदी के किनारे छोड़ दिया जाके सारा खाना पीना ठीक है तो इस तरह से उसमें क्या होता है जीवाश्म होता है यानी कि गोबर जो होता है इंसान का भी उसमें भी जीवाश्म होता है तो वो सारा जीवाश्म क्या होता है यानी कि वो सारा जो माल होता है सुअर गो गोबर और इंसान का गोबर जानवरों का गोबर मरे हुए इंसानों की ला, वो कभी कभी उसमें लाश डाल देते हैं इस तरह की सारी चीजें क्या होती हैं यहां पर आकर एक जगह जमा, जमा हो गई जमा हो गई तो वो जो सारा माल था यानी कि जितना भी माल उसमें था ऐसे करके एक परत जम गई ठीक है दस बीस पचास सालों बाद फिर उसके ऊपर एक और परत जम गई अब जो उसके अंदर जो माल था यानी कि जो लाश थी जो मरे हुए व्यक्तियों की था जो राख वगैरह थी जो कीड़े मकोड़े का मतलब था वो सड़ेगी गलेगी तो उसमें क्या होगा जीवाश्म दब गया इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब जीवाश्म हो गया तो अवसादी चट्टानों से जीवाश्म ईधन भी तो निकलेगा ना अब वही हजारों लाखों सालों बाद क्या बन गई जीवाश्म ईंधन उसी में से निकलने लगेगा समझ आ गया तो चलिए आगे बात करते हैं इन चट्टानों में

परतदार चट्टानों का निर्माण हो गया तो इसलिए हमने इसको क्या कहा परतदार चट्टान ये चट्टाने छिद्रमय होती हैं क्योंकि भैया छिद्रमय कैसे होती हैं मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऊपर से मान लीजिए क्या लाई ऊपर से मैं खत्म हो गया मैं खत्म हो गया मैंने कि बेटा ऐसा है मैं बहुत पवित्र रहना चाहता हूँ मुझको गंगा जी में डालाना मेरे बच्चे ने क्या किया मुझे गंगा जी में डालाया डाल दिया और जाके यहाँ पर किनारे नीचे करके नदी क्या कर ली नदी ने वहाँ पर मेरे मुझे लेकर यहाँ पर दबा दिया मेरी लाश को यहाँ पर दबा दिया ऐसी दसवीं और आ गए तो ऐसे क्या कर दिया इतना ऊँचा ये ढेर बन गया ढेर जब बन गया तो धीरे 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 इसके ऊपर तो परत जमी गई तब तक क्या हुआ जब बाद में ये लाश थी या जो भी माल था ये सड़ा गला और सड़ा गलने के बाद क्या हुआ ये बिल्कुल मिट्टी बन गया जब मिट्टी बन गया तो इसमें क्या हो गया गैप बन गए यानी कि हल्के इसके छिद्र हो गए तो छिद्र हो गए ऐसे जगह जगह तो यही कारण इन चट्टानों में क्या होती हैं छिद्र पाए जाते हैं यानी इनमें पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है इसलिए इन्हें चट्टाने भी कहते हैं ठीक है इन चट्टानों में जीवाश्म की अधिकता होती है इसलिए इन्हें इन्हीं चट्टानों से खनिज तेल प्राप्त होता है इनके प्रकार इसमें से जैसे मैंने आग्नेय चट्टानों के बारे में मैंने कौन कौन सी बताई थी आग्नेय चट्टान बताई थी ग्रिफाटा ग्रिफाइट और बेसाल्ट और अवसादी चट्टानों की अगर बात की जाए तो बलुआ पत्थर प्रमुख है और चूना पत्थर प्रमुख है और भी कई सारी हैं उनके बारे में, जाना है उनके बारे में जाना नहीं है बलुआ पत्थर से आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है अगर बात की जाए अन्य किसी की किसी और चीज बनाई गई हो बलुआ पत्थर से तो आप कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों के बारे में इसको हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं तो आइए समझते हैं तो मेटामोर्फिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अंग्रेजों के इसको कहते हैं इसको इसका निर्माण कैसे होता है जो पहले से मौजूद चट्टाने होती हैं उनका क्या होता है रूप परिवर्तन हो जाता है रूप बदल जाता है यानी कि मैं हूँ अभी मैं क्या हूँ मान लीजिए घर से बाहर निकला एक फटा सा पैंट पहन लिया और यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक काला सा निशान बना लिया और गजनी वाली स्टाइल कर ली गंजे पेट तीन चार डिजाइन बनवा ली और मैं बाहर गया तो मैं हूँ तो मतलब देखेंगे मैंने क्या कर ली पागल वाली सकल बना इसका मतलब क्या हो गया मैं तो मैं पहले से ही ये सकल बना इसका मतलब यह है कि मैंने उसमें कुछ चीजें ऐड करने के बाद क्या किया मैंने अपना रूप को परिवर्तित कर दिया रूपांतरित कर दिया रूप में अंतर कर दिया लगता था अब मैं गमार लगने लगा ठीक है मतलब हो सकता है मानता हूं चलिए तो समझते हैं तो आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूप परिवर्तन हो जाता है यानी कि मैं मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैं पागल की बेसभूषा बनाकर गया तो बाहर जाकर मैंने क्या किया मैंने बाहर जाकर कहीं पर जाकर मैंने स्टाइल मार दी हल्की सी ज़्यादा स्टाइल मार दी तो मेरी जो स्टाइल थी वो लोगों को पसंद नहीं आई वो मेरी कर दी कुटाई अब जब मेरी कुटाई कर दी तो कुटाई करने के बाद मेरे हाथ पैर गए ऐसे लटक गए और टूट गए एक हाथ टूट गया और इधर से आंख से यहाँ पर चोट भी लग गई तो अब मेरा और रूप परिवर्तन हो गया हमने मैं निकला घर से सज धज के मतलब जैसे ही पागल बन के और मेरी जो शकल थी मुझे मेरी घर वालों को पसंद नहीं आई तो मेरी कुटाई कर दिया जैसे भी कर दी तो मेरा और रूप परिवर्तन हो गया मेरी हाथ टूट गया पैर टूट गया कपड़े फट गए तो मेरा रूप परिवर्तन का भी रूप परिवर्तन हो गया उसको हमने क्या कह दिया पुनर्ूपांतरण कह दिया समझ में आ गया यानी कि रूप का भी रूप परिवर्तन कर दिया तो उसको हमने रूपांतरित उसको हमने पुनर कहा समझ आ गया तो चलिए समझते हैं तो आग्नि चट्टान या सादी चट्टानों के रूप में, में जब परिवर्तन हो जाता है या कहें उसका जो स्वरूप होता है वह बदल जाता है तब उनको हम रूपांतरित चट्टाने कहते हैं तो कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूप बदल जाता है उन्हें पुनर कहते हैं रूपांतरित चट्टानों की अगर बात की जाए तो स्लेट आती है सिल्ट आती है ठीक है सिल्ट

रूपांतरित चट्टान या कांत्रित चट्टानों के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लिस्ट देख रहे हैं मैं जूम कर देता हूँ आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अंग्रेजों की भाषा में और हिंदी भाषा में जैसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं चलिए ये यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग चट्टानों के रूप हैं रूपांतरित के भी हैं ये आपका आग्नेय का है ठीक है चलिए ये आप शादी चट्टानों का है और ये रूपांतरित का है तो यहाँ पर देख सकते हैं मूल चट्टान और उसका रूप बदलने के बाद क्या बना ग्रेफाइट जब रूपांतरित होता है तो क्या बनता है नीस

पुनर इसका क्या बन गया पुनर रूपांतरण हुआ इसके बाद यहां पर भी आप देख सकते हैं सेल जो था स्लेट में बदला तो स्लेट का जब दोबारा रूपांतरण हुआ है वो क्या बना फाइलाइट बना तो इसका मतलब स्लेट का पुनर् रूपांतरण हुआ है तो ये हो गई आपकी चट्टाने रॉक ठीक है चलिए साथियों अब हम बात कर लेते हैं भूकंप के बारे में भूकंप मतलब क्या कैसे आता है कहाँ आता है किन कारणों से आता है ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे उतना जाएंगे जो अगर कभी आ जाता है प्री में किसी एग्जाम में तो हम जान सकें तो आइए समझते हैं भूकंप इसको अंग्रेजों की भाषा हम कहते हैं अर्थ क्वेक ठीक है अर्थ क्वेक क्वेक क्वैक आ जाती है जो पथक चलाती है वही वाला क्वेक चलिए समझते हैं यहाँ पर देख सकते हैं भूकंप का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं भूकंप अंतला हो, मतलब होता है भूमि का कांपना या फिर कहें धरती का हिलना अक्सुमात यानी कि हमें पता नहीं है तो आइए समझते हैं इसको तो भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना या फिर कहें धरती का हिलना किताबी भाषा में समझें तो अचानक झटके से शुरू हुए पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं ये मान लीजिए मैं सो रहा था रात में आराम से और एक सपना देख रहा था और सपने में आप समझते हैं कौन आया होगा सपने में आए थे भगवान मुझे तो उन्हें नहीं देख रहा था मैं और बहुत गहरी नींद में तो देखा कि यार अक्समात एकदम मेरी जो खाटपाई थी एकदम हिलने लगी तो जब ये खाटपाई हिली है तो इसको क्या हम कहें कहेंगे भूकंप कहेंगे खाटपाई कब हिली पहले कमरा हिला तब खाटपाई हिली मतलब चारपाई कहते हैं उसको चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भूकंप आया ये बाबा रामदेव की कुटिया है ये यहाँ पर इनका बाग है तो आप पूरा देख रहे हैं ये किस तरह से कंपन कर रहा है तो चलिए आगे देखते हैं आइए भूकंप के कारणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं हल्का सा ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा उतना लिमिटेड समझेंगे जितना जरूरत है फिर बाद में कभी देखेंगे जब मैं अलग से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वर्ल्ड की तब तो उसमें हम बात करेंगे तो आइए समझते हैं सबसे पहले छोटे छोटे समझ लेते हैं कि भूकंप जो आते हैं पृथ्वी पर वो तो दो कारणों से हो सकते हैं एक तो होता है मानव निर्मित और दूसरा होता है प्राकृतिक ठीक है दो कारण होते हैं तो पहला होगा प्राकृतिक दूसरा मानव निर्णय मान, प्राकृतिक के बारे में अगर बात कर लें तो जैसे आप जानते हैं मैंने उल्का पिंड वगैरह पढ़ाए थे तो पृथ्वी पर क्या है किसी क्षेत्र पर क्या है उल्का पिंड क्रिया है तो वहां से क्या होता है भूमि संतुलन क्या हो जाता है हिल जाता है उसके कारण क्या हो सकता है भूकंप आ सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया से ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत भयंकर आवाज आती है इस कारण क्या होती है भूकंप आने के चांस रहते हैं भूपटल के बलन तथा भ्रंशन से यानी कि जब भ्रंश होता है यानी दो प्लेटों के टकराने से वो, दो प्लेटों के दूर जाने से या फिर बलन होता है दो प्लेटों के टकराने से तो इन कारणों से भूकंप आने के चांस रहते हैं ठीक है प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसके कारण तो आप जानते हैं पृथ्वी पर कितनी प्लेटें हैं वो आप लोग जानते हैं यानी कि जो पृथ्वी का भूपृष्ठ है वो कई सारी प्लेटों में बटा हुआ है ठीक है तो उस पर क्या होता है वो प्लेटें कुछ प्लेटें दूर जा रही हैं कुछ प्लेटें क्या हो रही हैं एक दूसरे के पास आ रही हैं इस कारणों से क्या होता है भूकंप आने के चांस रहते हैं मानव निर्मित कारणों की अगर बारे में बात करें तो छोटे छोटे समझेंगे मानव निर्मित कारणों के जैसे कि आप परमाणु विस्फोट है जैसे कि को, कोरिया करके देश है उसका एक शासक है उसका नाम चिंगपिंग करके ऐसे कुछ तो वो जैसे परमाणु का उसने परीक्षण किया तो उसके कारण जितना तेज विस्फोट था कि जो उससे किरण निकली उससे क्या होता है धरती में जो कंपन होता है उसका भूकंप आ सकता है जैसे बांध बनाए जाने से जैसे मान लीजिए आप बांध बनाते हैं मान लीजिए ये आपने बांध बनाया ठीक है यहां पर मान लीजिए बांध बनाया पानी सारा आपने इस क्षेत्र को रोक लिया तो यहां पर बहुत सारा जब पानी रुक गया तो यहां पर जो तली है यानी यानी कि कि जो यहां का भूपृष्ठ है वो क्या हुआ इसका नीचे को धस जाएगा जाएगा कि जब किसी क्षेत्र पे ज्यादा वजन हो और बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा धस जाएगा इससे क्या हो जाएगा कंपन पैदा होगा इस तरह से भूकंप आने के चांस रहते हैं खानों के ढह जाने से जैसे आप लोग जानते हैं खान खान मतलब सलमान खान की बात नहीं हो रही है कि खानों के ढह जाने से उन वो ढह जाते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उन पे कुछ नहीं आता वो जिनको पढ़क पड़, पढ़ता हो पढ़ता हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है पृथ्वी पर क्या पढ़क पड़ता है? उसके बारे में क्योंकि हजारों खान आए और चले गए पृथ्वी पर जो फर्क पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे पृथ्वी पर कैसे फर्क पड़ेगा जैसे मान लीजिए की की तो ली। करते, 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 करते एक लिमिटेड यानी कि हद से ज्यादा गहराई पहुंच गए और उससे क्या हुआ कि जो क्षेत्र हुआ वो ढह गया जैसे ही ऊपर वाला क्षेत्र नीचे गिरा तो एकदम जैसे मान लीजिए आप नीचे पानी रखा है नीचे पानी रखा है और पानी रखा है और आपने कुछ सामान वगैरह भी रख बना रख रखा है यहाँ पर पानी के किनारे तो आप गलती से से है और गलती से नीचे गिर गए गलती से गिर गए तो एकदम छपाक की आवाज़ आएगी पानी में आस पास का जो माल होगा उसमें क्या होगा दबाव पड़ेगा तो मैंने क्या बताया एकदम अगर धमाके से गिरेगा तो क्या होगा कंपन पैदा होगा इससे क्या होगा भूकंप आने के संभावना रहती है तो चलिए इतना काफी है बाद में जानेंगे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे ठीक है चलिए समझते हैं भूकंप का केंद्र तथा आदि केंद्र क्या होता, है? फोकस एंड एपी सेंटर क्या होता है तो समझते हैं ठीक है यानि कि मान दिखा देता हूं ये है आपकी मान लीजिए पृथ्वी है यहां पर आपको दिख रही होगी तो ये जैसे भारत की तरफ आते हैं भारत है आपका ये इंडिया वाला क्षेत्र इंडिया में मान लीजिए वैसे तो आते नहीं है लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं इस वाले क्षेत्र में आते हैं ठीक है तो यहां पर जैसे क्षेत्र जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यह है श्रीनगर वाला क्षेत्र तो यहां पर क्या हुआ श्रीनगर वाले क्षेत्र में अगर यहां पर अगर भूकंप आता है अंदर की ओर चली तो तो से तीन सौ किलोमीटर गहराई में चले जाएंगे वहां से भूकंप उठता है तो ये वाला जो क्षेत्र होता है जहां से भूकंप उठा यानी सौ डेढ़ सौ किलोमीटर नीचे गहराई से उसको हम क्या कहेंगे भूकंप का केंद्र कहा जाएगा ठीक है यानी कि भूकंप का उद्गम केंद्र कहेंगे उसको समझते हैं यहाँ पर मैंने क्या बताया यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से जब नीचे की ओर जाएंगे यहां से भूकंप की शुरुआत उद्गम केंद्र वह स्थान होगा जहां भूकंप की शुरुआत होती है उसको क्या कहते हैं उद्गम केंद्र कहते हैं उदगम केंद्र के ठीक ऊपर यानी कि नीचे जहां से सौ से डेढ़ किलोमीटर गहराई में तीन सौ किलोमीटर गहराई में जहां शुरुआत हुई और ये बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते हमें ऊपर सबसे पहले दिखाई पड़ा। तो उद्गम केंद्र ठीक के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र कहा जाएगा यानी कि जहां से भूकंप शुरू हुआ पृथ्वी के केंद्र में या केंद्र तो नहीं जाता है मतलब अंदर से सौ से डेढ़ सौ या तीन सौ किलोमीटर की गहराई से जहां शुरू हुआ उसको हम भूकंप का केंद्र कहेंगे यानी फोकस कहेंगे और ऊपर जहां शुरुआत होती है जहां पर हमें महसूस होगा जहां पर आएगा पृथ्वी की उसको हम अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहेंगे भूकंप उद्गम केंद्र से सभी दिशाओं में चलती हैं यानी कि जो उद्गम केंद्र होता है उसी के आधार पर सभी दिशाओं में चलती है यानी भूकंप की शुरू हो भूकंप शुरू होता है तो सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती है उसके बाद ये चारों ओर पहुंच जाती हैं भूकंप के केंद्र पर यानी कि जहां ये भूकंप का ये अधिकेंद्र है यहां पर मान लीजिए भूकंप के केंद्र पर रखी हुई वस्तु होगी वो ऊपर नीचे हिलेगी यानी कि ऐसे करके इस तरह से ऊपर नीचे हिलेगी जबकि भूकंप के जो अधिकेंद्र है उसके दाएं और बाएं अगर वस्तु रखी है मान लीजिए अगर भूकंप का ये अधिकेंद्र है तो इस पर कोई वस्तु रखी है तो वो कैसे होगी लेगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लेकिन इसके अगर दाएं रखी है

तो भूकंपी तरंगे क्या होती हैं? मान लीजिए मैं आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं मान लीजिए मेरा यहाँ पर एक झोपड़ी है ठीक है यहाँ पर एक झोंपड़ी है मैं यहाँ पर रहता हूँ और करीब 200 साल पहले की बात कर रहा हूं झोंपड़ी थी मेरी एक यहां पर मैं रह रहा हूं रहते रहते मुझे सुबह के समय जाना होता है आप जानते हैं सब लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक तालाब था तालाब है काफी बड़ा इस तरह से उसके ठीक किनारे में बैठा सुबह सुबह मैंने अपने काम खत्म किया काम खत्म करते करते हुआ क्या उस दिन थोड़ा मैंने खतरनाक कुछ चीज़ खा ली तो मेरा बात नहीं बन पा रही थी काफ़ी देर से नहीं आ रही और काफ़ी देर बैठने के बाद जब नहीं आ रही तो मैंने यह टाइम पास कैसे किया जाए टाइम पास करते करते मैंने इधर उधर पहले मैंने डिजाइन बनाई जमीन पर मतलब जो धरती होती है उस पर बालू पड़ी थी उस पर मैंने डिजाइन बनाई नाम लिखा अपना सब लोग करते हैं ऐसे नाम लिखा उसके बाद भी टाइम पास नहीं हुआ मैंने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के इसी यहां पर जो मैंने तालाब था यहां पर मैं बैठा हुआ था तालाब में मैंने पत्थर दिया फेंक जैसे ही मैंने पत्थर फेंका तो पत्थर जो फेंका था तालाब का जल एकदम शांत था बिल्कुल भी उसमें किसी भी तरह की कोई कंपन या किसी भी तरह कोई लहर नहीं थी जैसे ही मैंने उसमें पत्थर फेंका उस तरह से पत्थर जैसे फेंका उस पत्थर के केंद्र से शुरू हुई और यह एक तरंग बनी उसी तरह से भूकंप जब शुरू होता है तो यहां पर केंद्र में यानी कि जहां पत्थर फेंका गया वहां पर महसूस होगी और उसके बाद चारों ओर फैल जाएगी ठीक है तो चलिए मैंने यहां पर किताबी भाषा में यहां दिखा देता हूं मैंने अभी बताया कि मान लीजिए किसी तालाब किनारे सुबह का काम खत्म करने में जाता हूं और तालाब के शांत जल में मैं पत्थर फेंकता हूं तो उस पत्थर से जो तरंग बनेगी वो सारे ओर या कहें चारों ओर फैल जाएंगी तो इस तरह से भूकंप की जो तरंगे होती हैं कार्य करती हैं समझ में आ गया ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं तो सबसे पहले भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती है दो तरह की होती हैं यहां कहें दो प्रकार की तरंगे होती हैं तो नंबर एक होती है भू गार्विक तरंगे या इसको हम बॉडी वेव्स भी कह देते हैं उसको हम आगे समझेंगे और दूसरी जो तरंगे होती हैं दूसरे प्रकार की जो तरंगे होती हैं वो होती हैं धरातली तरंगे बॉडी वेव्स मतलब बॉडी वेव्स का मतलब बॉडी में मेरी बॉडी नहीं कि मुझे बॉडी में महसूस होगी बॉडी मतलब ये पृथ्वी की बॉडी यानी कि ये पृथ्वी है इसको एक पूरा बॉडी मान लेते हैं तो दो तरंगे जो होती हैं मतलब एक प्रकार की दो तरंगे हैं जिसमें दो तरंगों को शामिल किया जाता है एक पी और दूसरी होती है एस तो बॉडी वेव्स जो होती हैं वो पृथ्वी के अंदर ही ये बाहर नहीं निकलती और दूसरी वो जो तरंगे होती हैं उन्हें हम कहते हैं धरातलीय तरंगे यानी कि ये बॉडी से धरातल से धरातल बाहर सॉरी अंदर के जो के जो पृथ्वी गर्भ से बाहर निकलकर धरातल पर आ जाती हैं यानी कि आप मान लीजिए अफ्रीका में अगर आता है तो अफ्रीका के धरातल पर ही तो आएंगी ठीक है तो समझ में आ गया तो बॉडी कौन सी होती हैं बॉडी वेब्स होती हैं जो पृथ्वी के अंदर यानी कि शरीर में ही रहती हैं बाहर नहीं निकलती हैं उनको बॉडी वेब्स कहते हैं या भूगर्भिक तरंगे कहते हैं इनमें कितनी तरंगे आती हैं इनमें पी और एस तरंगों को शामिल किया जाता है दूसरी तरंग मैंने बताई धरातलीय तरंग होती है चलिए ठीक है तो भूकंप से तीन तरंगों का तीन तरह की तरंगों का निर्माण होता है सबसे पहली तरंग मैंने अभी बताई थी पी तरंग दूसरी थी एस तरंग तीसरी थी एल तरंग ठीक है तो यहां पर सबसे पहले जो बात करेंगे वो होगा आपका प्राइमरी या पी वेव्स ठीक है इसको हम क्या क्या, क्या कह देते हैं एक नजर डाल देते हैं इसको हम कह देते हैं प्राइमरी वेव्स बॉडी वेव्स कायांतरित या अनुदेर तरंगे। अनुदेर क्या होता है अनुदे मतलब सीधा सीधा चलता है मान लीजिए ये डंडा है कोई और इस डंडे पर मैं अगर चलता हूं तो इस तरह से जा रहा हूं यानी कि ऐसे करके अगर मैं जा रहा हूं इस पर चलता हुआ डंडे के ऊपर ऐसे खड़ा होकर जा रहा हूं तो मैं इसे कहूंगा अनुदेय यानी कि मैं कैसा जा रहा हूं अनुदेर्य जा रहा हूं यानी कि अगर ऊपर की ओर जाऊंगा तो बात अलग है ये अनुदेय है ठीक है समझ में आ गया अनुदेय तो आइए इसको समझते हैं इसकी गति सबसे तेज होती है इसकी पहले मैं आपको हल्का समझा देता हूं कि ये तरंगों जो तीन तरंगे हैं ये होती कैसी हैं आप मान लीजिए मैं कैसे समझेंगे आप ऐसे समझेंगे कि जब जब मोदी जी की सरकार थी शायद 2016 की बात है जब पाँच सौ और एक हज़ार के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए थे जब नोट बंद कर दिए गए तो मैंने क्या सोचा यार क्यों ना मेरे पास भी करीब दस हिस नोट थे जो एक हज़ार और पाँच सौ के थे जो मैंने छुपा के रखे थे मम्मी को नहीं बताया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना चुपचाप बदला जाए और जो घरवाले थे वो तो बदलवा लिए गए थे जुगाड़ कर कर आके तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर वालों को न बताया जाए और मैं अपने नोटों को बदलवाने जाऊँ जब बैंक में पहुंचा बैंक में पहुंचा तो कम से कम कम से कम 100 से 150 मीटर की लाइन थी यानी कि 100 से 150 उसमें व्यक्ति खड़े हुए थे या ज्यादा भी हो सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि यार बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं एक बहुत लंबी लाइन लगी है तो यहाँ पर जब लंबी लाइन लगी है तो मैं भैया क्या था मैं सबसे पीछे यहां पर जाके खड़ा हो गया खड़ा हो गया तो आदमी यहां पर एक जो सबसे लास्ट में था वो यहां से अंदर से बैंक से रुपए निकलवा रहा था बैंक से रुपए निकलवा रहा था तो काफी देर हो गई घंटे दो घंटे में एक व्यक्ति बढ़ा दो बड़ा तीन बढ़ा यार मुझ पर रहा नहीं गया मैंने थोड़ा सा ताकत दिखाया और मैंने क्या किया पीछे से मार दिया धक्का अब पीछे से धक्का मारा जब पीछे से धक्का मारा तो ऐसे धक्का लगते हुए धक्का करता हुआ इसने आगे से एक दूसरे को मारते 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 सबसे लास्ट में सबसे आगे वाले का मुंह कहां पर लगा खिड़की में लगा सबसे आगे वाले का जो मुंह था क्योंकि मैंने थोड़ी ताकत से लगा दिया आगे से मैंने क्या किया खिड़की से मुंह उसका टकराया मुंह जैसे उसका टकराया उसने भी क्या किया उसने भी खिड़की पकड़ी ऐसे दोनों हाथों से खिड़की पकड़ी और उसने भी एकदम पीछे धक्का दिया यानी कि पीछे धक्का दिया तो पीछे मैंने धक्का दिया तो क्या हुआ उसका मुंह लगा तो उसने भी एकदम पीछे दिया तो इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि पीछे से कोई धक्का मारता है इस तरह से कार्य करती है ये पी बिप्स है यानी कि इस तरह से ये इस तरह से ये इस तरह से चलती है

ठोस और द्रव्य दोनों माध्यम से गुजरती है यानी कि आप जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि आपका यह है आपका कोर फिर आता है मेंटल और यह आपका भू प्रटी वाला क्षेत्र तो यह जो है आपकी तीनों क्षेत्रों में चल जाती है यानी कि ठोस में भी क्योंकि पर, जब मैंने आपको कोर बताया था तो मैंने बताया था कि ऊपरी जो कोर है उसमें थोड़ा सा द्रव्य भी पाया जाता है तो द्रव्य वाले क्षेत्र से भी यह प्रवेश कर जाती है और ठोस के माध्यम से भी यह गुजर जाती है ये तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है क्योंकि इनकी क्या होती है स्पीड सबसे तेज होती है इसलिए सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दिखती है

सबसे अधिक होती है यानी कि इस तरह से ये ऐसे क्योंकि ये थोड़े से ही क्षेत्र में क्या कर लिया इसने अपने आपको एक बार मतलब ऐसे आप देख सकते हैं ना कितने बार ऊपर नीचे हो गई एक बार दो बार तीन बार चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इतने ही क्षेत्र में ये हो गई फिर आगे भी बात करेंगे कि अन्य की कैसी होती है समझ में आ गया तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि पी तरंग जो होती है वो प्राइमरी वेब्स कहते हैं कायंत्रित तरंगें कहते हैं काया मतलब शरीर होता है बॉडी वेव्स कहते हैं कायंत्रित कहते हैं प्राइमरी वेव्स कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि क्यों क्यों ये सीधी ऐसी चलती हैं ठीक है चलिए तो इनका भी एक तरंग ध्वनि तरंगों की तरह होता है यह ठोस और द्रव दोनों माध्यम से गुजर जाती हैं यह सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले दिखती हैं इनकी गति भी सबसे अधिक होती है इतना काफी है इनके लिए चलिए अब बात करते हैं एस तरंगों के बारे में ये तरंगें या इसको हम एस तरंगें कहते हैं सेकेंडरी वेव्स कहते हैं अनुदे तरंग भी इनको कहते हैं ठीक है क्या अभी अनुप्रस्त होती है ठीक है क्योंकि ये कैसी जाती हैं? ऐसी जाती हैं, इस तरह से इस तरह से ऐसे ठीक है चलिए तो इनकी गति जो होती है जो प्राथमिक तरंग होती है उनसे थोड़ी कम होती है ठीक है इनकी जो स्पीड होती है चार से छ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है ये तरंगें प्रकाश बेब के समान होती हैं एक बात ध्यान रखना प्रकाश बेब के समान होती हैं जिस तरह से प्रकाश की जो तरंगें चलती हैं उस तरह से चलती हैं बेग की बात नहीं हो रही यहां पर जितनी स्पीड प्रकाश की होती है वो वाली बात नहीं हो रही है ये सिर्फ उसकी तरह कार्य करती है उसकी तरह चलती है ठीक है ये पानी की लहर तथा प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं यह द्रव्य में नहीं चल पाती यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलती हैं मैंने जब आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है तो जो कोर होता है वह ऊपरी भाग में कुछ द्रव का भाग होता है इस कार्ड जो है ये आपका कोर वाले क्षेत्र से पार कर जाती है यानी कि इसमें प्रवेश नहीं करती है बल्कि इस तरह से मुड़ जाती है ठीक है चलिए तीसरी और आखिरी तरंग है इसको हम कहते हैं लव वेव एल वेव दरादलीय तरंग है, रेले तरंग है, ठीक है यहां पर देख सकते हैं आप एल वेव्स ठीक है एल तरंग दरादलीय तरंग रेले तरंग लव वेव तरंग अब लव का मतलब आप ये मत समझे ना कि लव में प्यार में जो होता है घरेलने लगते हैं या फिर जब प्यार करते हैं तो कुछ हिलने लगता है ऐसा कुछ नहीं लव एक वैज्ञानिक थे उनने इसका इस पर कार्य किया था और एक वैज्ञानिक बै, थे रेले उनने भी इसकी खोज वगैरह की थी तो इसके उनके नाम पर रखा गया है लव लव ये नहीं कि लव की वजह से ये आप देख रहे हैं घरेल रहा है रहा इस तरह, इस तरह से ऐसे करके सब हरकत नहीं ये वाली गंदी सोच नहीं रखेंगे इसमें लब वेब मतलब लब नामक एक वैज्ञानिक थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है ठीक है तो इसकी गति सबसे कम तथा नुकसान सबसे अधिक करती है ये तबाही मचा देती है ये सबसे बाद में धरातल पहुंचती है और ये धरातल पर ही रहती है ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं आवृत्ति की बात कर ली जाए तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो होती है आपकी पी तरंग की उसके बाद होती है एस तरंग की उससे कम होती है आपकी क्या बोलते हैं उसके बाद होती है आपकी एल तरंगी कैसे आवृत्ति क्या मतलब होता है मतलब कुछ सेकंड में जितनी बार वो तरंग ऊपर नीचे होगी उसको आवृत्ति कह देंगे जैसे मान लीजिए यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह इतनी दूरी है ये आपकी मान लीजिए पी की है ठीक ठीक है ये पी की मान लीजिए उसके बाद इतनी ही दूरी आपकी ए, ए, एस की मान लीजिए ठीक उसके बाद इतनी ही दूरी आप मान लीजिए एल की तो हुआ क्या जो पी तरंग है वो इतनी ही दूरी में कई बार ऊपर नीचे हो गई ठीक है इतनी दूरी में कई बार ऊपर नीचे हो गई लेकिन जो एस थी वो थोड़ा कम हुई ठीक है ये एक दो तीन बार ही ऊपर नीचे हुई जो एल है वो बहुत कम हुई एक बार और सिर्फ दो बार ही हो पाई तो समझ में आ गया आवृत्ति सबसे अधिक किसकी है इसकी और सबसे कम किसकी है इसकी ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं छाया क्षेत्र क्या होता है वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में भूकंप की तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं यहां कहें भूकंप की तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं उसको हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं मैंने भी थोड़ी देर पहले, पहले बताया था कि जो पी बेब्स होती हैं या पी तरंगे होती हैं वो द्रव और ठोस में चली जाती हैं तो यहां पर देखेंगे कि सबसे अधिक छाया क्षेत्र किसका है या कहें आप पहले आप यहाँ पर लिखा है मैंने वो बोल देता हूं कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंचती ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप जो है अधिकेंद्र से 105 से लेकर 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए क्या होता है छाया क्षेत्र होता है यह भूकंप का छाया क्षेत्र एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से अलग होता है 105 डिग्री के बाद के क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती और एस तरंगों का क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है इसका मतलब जो एस तरंगों का वो एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो होता है वो छाया क्षेत्र जो होता है वह सबसे अधिक होता है और पी का सबसे कम होता है क्योंकि पी जैसे मान लीजिए यहां से निकली इस तरह से ये पी जो है यहां पर इस तरह से, यह इस तरह तरह से 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 यहां यहां पर पी जो है आई और इन क्षेत्र में ये प्रवेश कर गई यानी कि पी का छाया क्षेत्र कितना हो गया इतना हो गया भूकंपी छाया क्षेत्र ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला यहां पर लिखा है जन, तो पी कितना हो गया इतना ही इतने इतने दोनों तरफ ठीक है क्योंकि, क्या क्योंकि जैसे शुरू हुआ, इसमें प्रवेश नहीं किया बल्कि दाया और बाया और यहां तक ही ये सीमित रह गई इसका मतलब ये है कि एस का जो छाया चित्र है वह सबसे अधिक है ठीक है तो यहां पर मैंने छाया चित्र बना दिया है उसको आप समझ सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं चलिए भूकंप की तीव्रता के बारे में बात कर लेते हैं भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए दो प्रमुख पैमाने होते हैं जिसमें आपका मरकेली स्केल का प्रयोग नहीं किया जाता है रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तो इसमें मरकेली के बारे में हम हल्का सा देख लेते हैं इसके तहत तो नुकसान के आधार पर क्या बनाया जाता था नुकसान के आधार पर यह स्केल कार्य करता था यानी कि इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता यानी कि यह है कि एक गाड़ी टूटी तो इतना है तीन गाड़ी टूटी तो इतना है घर रह गया तो इतना है तीन लोग मर गए तो इतना है इस तरह से पहले यानी कि जो नुकसान हुआ उसके आधार पर जान माल का जो नुकसान हुआ है उसके आधार पर इसका प्रयोग किया जाता था क्योंकि अब नहीं किया जाता ठीक है इसके बाद रिक्टर पैमाने की बात की जाए तो इस भूकंप यह भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा को अपना आधार बनाता है इस पैमाने पर भूकंप के बेग में अंक की वृद्धि दस गुना अधिक तीव्रता को दर्शाती है मान लीजिए यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बत्तीस दशमलव पांच किलोजूल ऊर्जा कंपन कितना हुआ दस उसके बाद बन कि जैसे ही एक अंक बढ़ा वन पॉइंट वन बढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पॉइंट का थर्टी टू निकालेंगे ऐसा नहीं इसको हम दोगुना कर देंगे यानी कि दस गुणा दस यानी कि दस गु... दस की वृद्धि हो गई दस गुने की वृद्धि हो गई इसका मतलब यहां पर बत्तीस पॉइंट बत्तीस पॉइंट पांच या कहें बत्तीस दशमलव पांच गुणा बत्तीस दशमलव पांच यहाँ पर दोगुनी हो गई फिर 1.2 हो गई 1.2 अगर हो गई तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा निकली फिर तीन गुनी हो जाएगी यानी कि तीस गुनी दस दस तीस तो बत्तीस दशमलव पांच गुणापत्ति दशमलव पांच पांच किलो जूल यानी कि टेन इंटू टेन इंटू टेन चलिए आगे बात करते हैं भूकंप का विश्व में विवरण के बारे में बात कर लेंगे तो भूकंप जो वो क्षेत्र होते हैं जो आपका प्लेट वाला जो क्षेत्र होता है वो खासकर भूकंपीय क्षेत्र होते हैं वैसे यहां पर आप देख सकते हैं भूकंपीय क्षेत्र जो है यहां पर मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहां पर जो आप देख सकते हैं डॉट 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 गोल गोल आप देख सकते हैं ये इस तरह से जो ये इस तरह से ये जो डॉट 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 देख रहे हैं ना यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है भूकंप कौन से हैं डॉट 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 ज्वालामुखी ट्रायंगल बने हुए हैं सॉरी <स्थाथ> तो ये डॉट 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 है ना ये इस तरह से ये इस तरह से ये ये सारा जो भूकंपी क्षेत्र है यानी कि जो प्लेटो वाले क्षेत्र हैं वो भूकंप वाले भी क्षेत्र हैं और भूकंप वाले क्षेत्र हैं तो वो यहाँ पर ज्वालामुखी वाले भी वो क्षेत्र माने जाते हैं तो चलिए इसको समझ लेते हैं हल्का सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक नज़र देख देते हैं पहला बात करते हैं प्रशांत महासागरी तटीपे थी प्रशांत महासागर महासागरी तटीपेटी कौन सी है यानी कि ये आपका हिंद यहाँ पर है ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर तो प्रशांत महासागर का तट तटीपेय तटीपेटी कौन सा हो जाएगा ये है प्रशांत महासागर का तट ये इस तरह से ये इस तरह से ठीक है ये इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ये भूकंपी क्षेत्र है ये 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 देख रहे हैं ना गोल 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 ठीक है पर ये तटीय तो क्षेत्र इस तरह से ठीक है तो विश्व के लगभग छियासठ परसेंट भूकंप इसी पेटी में है यह ज्वालामुखी का अग्निवलय क्षेत्र भी कहा जाता है भूकंप जो आपका न... भूकंप क्षेत्र उसको ज्वालामुखी का अग्निवलय पेटी भी कहते हैं अग्निवलय क्षेत्र है भी कहते हैं रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं यह है क्षेत्र न्यूजीलैंड से लेकर कम चटका प्रायदीप अलस्का होते हुए फॉकलैंड तक फैला हुआ है यानी कम चटका कहाँ है इस क्षेत्र में और अलास्का कहाँ है यहाँ पर है ठीक है तो ये कहाँ तक फैला हुआ है मैंने क्या बताया न्यूजीलैंड से लेकर कम चटका प्रायदीप अलास्का होते हुए फॉकलैंड तक फैला हुआ है यह क्षेत्र प्लेटों प्लेटों अभिसरण सीमा पर स्थित है यानी कि जो दो प्लेटें मिलती हैं उस क्षेत्र में यह पेटी स्थित है ठीक है जब प्लेटों के बारे में कोई बात करेंगे तब तो हम इसको डिटेल में समझेंगे यहां मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं चलिए मध्य पेटी की अगर बात की जाए मध्य कौन सा है ये वाला जो क्षेत्र मध्य पेटी की बात की जाए तो भूमत सागर से लेकर पूर्वी द्वीप समूह तक यह पेटी है यहाँ पर आप मध्य दीपी चित्र दिखा देता हूँ ये भूमद सागर चित्र ये आप देख रहे हैं डॉट 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 डोट डॉट डो, डॉट डो, और यहाँ पर ज्वालामुखी चित्र भी है यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं ये भूकंपी चित्र है यहाँ पर इस तरह से चलिए तो आगे बात करते हैं अब चलिए ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं ज्वालामुखी किस तरह से क्या होता है इसको समझते हैं ज्वालामुखी को अंग्रेजों की भाषा में हम बॉल कैनू कहते हैं तो आइए समझते हैं ज्वालामुखी होता क्या है कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी संरचना आप लोगों को पढ़ाई तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी के गर्भ में क्या होता है गर्म लावा होता है जब गर्म लावा किसी कारण से पृथ्वी के गर्भ को फाड़कर या पपड़ी को फाड़कर बाहर निकल जाता है किसी कोई छेद बनाकर तो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं ठीक है तो आइए समझते हैं इसको तो ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है इससे पृथ्वी पर अचानक क्या होता है विस्फोट हो जाता है जिसके द्वारा यानी कि जब विस्फोट होता है तो इसके द्वारा पृथ्वी के अंदर जो माल भरा होता है जैसे कि लावा गैस धुआं राख कंकड़ पत्थर अटरम झटरा जो चीजें होती हैं सब चीजें बाहर निकल के आ जाती हैं यानी कि जो ज्वालामुखी होता है इस जब ये फटता है तो इसमें जब फटता है तो इसमें से क्या निकलता है लावा निकलता है जो आप यहां पर देख सकते हैं लावा निकलता है लावा जब निकलकर क्या होता है वो सॉरी मेघमा निकलता है गर्म गर्म होता है ये तो इ, इस तरह से ठीक है तो ये इसमें से लावा होता है गैस होती है राख होती है कंकड़ होते हैं पत्थर होते हैं तमाम चीजें होती हैं है। तो ज्वालामुखी में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं बाहरी क्रिया तथा आंतरिक क्रिया तो आइए समझते हैं दोनों क्रियाओं को सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक क्रिया तो ज्वालामुखी क्रिया आंतरिक क्रियाओं के द्वारा कुछ आकृतियां बनती हैं उसको हम हल्का सा देख लेते हैं वैसे इसमें ज़्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है वो आप देख सकते हैं और उन्हीं कोई आप याद कर लेंगे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है तो ज़्यादा बोलना नहीं है यही सेम बोलना है तो बैथुलित जो होता है यहाँ पर मान लीजिए ज्वालामुखी है ज्वालामुखी की ठीक नली के नीचे एक स्टॉक सा बन जाता है यानी कि जमाव हो जाता है बहुत सारा इसको हम बैथुलित कहते हैं ये आकृति यहाँ पर आप लेकोलिथ देख सकते हैं फेकोलित की अगर बात कर ली जाए तो फैकोलित जो होता है यहाँ पर लहरदार एक लावा होता है जम जाता है इसमें ठीक है तो इतना काफ़ी है फैकोलित लेपोलित और बैथोलित इसके बाद लेपोलित के बारे में बात करी कर ली जाए लेपोलित ठीक है तो यहाँ पर ये है आपका लेपोलित ये तस्री जो आकृति होती है लेपोलिथ होती है यहाँ पर इस तरह से तस्री और इसमें इस तरह से तो तस्री जो आकृति होती है उसको लेपोलिथ कहते हैं इसके बाद सिलोर सिल्ट की बात की जाए सिलोर सिल्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता सिल ऐसी होती है और सिल्ट जो होता है इससे थोड़ा नीचे होता है यानी कि सिल और सिल्ट की आकृति एक सी होती है लेकिन सिल जो होता है थोड़ा मोटा होता है आगे की तरफ और ऊंचाई में थोड़ा ज्यादा होता है सिल जो होता है पतला सा होता है और ऊंचाई में थोड़ा कम होता है यहाँ पर सीट देख सकते हैं और ये सिल ठीक है तो सिल मोटाई में थोड़ा वो ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है और मोटाई थोड़ी ज्यादा है ठीक है और सीट जो होती है वो आपकी मोटाई में यानी कि पतला से पतला होता है भाग इसका और ऊंचाई थोड़ी कम होती है डाइस की अगर बात कर ली जाए डाइक की तो यहाँ पर डाइक भी देख लेते हैं डाइक कुछ नहीं होता है एक लंबवत खड़ा हो जाता है जिस तरह लाठी खड़ी कर देते हैं उसी तरह से आपका यहाँ पर डाइक देख सकते हैं लाठी जिस तरह से खड़ी होती है उस तरह से क्या आकृति बनती है डाइक स्टॉक की बात की जाए तो बैथोलित का ये छोटा भाग होता है बैथोलित की ही छोटा भाग होता है उसको हम स्टॉक कह देते हैं इतना काफी है ज़्यादा कुछ जाना नहीं है चलिए मेन जो है उसको समझते हैं ज्वालामुखी के भाग देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ज्वालामुखी सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी का शंकु ज्वालामुखी का शंकु कौन सा होता है यहां पर आप देख सकते हैं ये ये है जब लावा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी के छेद के चारों ओर जमा हो जाते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है जैसे ये मान लीजिए ये है आपका ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी से जब माल निकला लावा निकला और आसपास के क्षेत्र में जब ये पसर गया और इस तरह से एक आकृति बन गई यानी शंकुनुमा इस तरह से ट्रेंगल की तरह तो इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी का शंकु ठीक है ज्वालामुखी का छेद क्रेटर या विवर क्या होता है तो यहां पर जिससे यानी कि ज्वालामुखी के अंदर से माल निकलने के लिए जो छेद होता है उसको हम ज्वालामुखी का छेद क्रेटर या बिबर कहते हैं यानी कि जो इस तरह से ये पूरी नली होती है ज्वालामुखी का जो नली से माल आता है और इस तरह से जिस छेद से निकल जाता है उसको हम छेद या बिबर या क्रेटर कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है छेद ठीक है इस पर बात करते हैं ज्वालामुखी की नली यानी कि सारा माल निकलता है यानी कि जिससे सारा माल निकलता है उसे नली या नलिका कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा है यहां से लेकर यहां तक यानी कि जिससे होकर सारा माल निकलता है छेद से उसको हम नली कहते हैं यानी कि छेद पर आके ये निकल जाता है तो ये जो नीचे से लेकर ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यानी कि मैंबर से जुड़ा होता है मेघमा चैम्बर से जुड़ा होता है ये नली पूरा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ज्वालामुखी से निकलती है गैसे उसके बारे में हल्का बात करते हैं ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं उसमें होती है आपका सल्फर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है इसमें सबसे अधिक जो चीज निकलती है उसको हम कहते हैं जलवास यानी कि जो पानी होता है वो जब भाप रूप में बदल जाता है उसको हम कहते हैं जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है जलवाष्प निकलता है जलवाष्प जब ऊपर आता है तो ऊपर जब आसमान की ओर बढ़ता है तो वह क्या होता है ठंडा हो जाता है ठंडा होकर पूरा बारिश करता है ठीक है इस बार ठोस की बात की जाए तो ठोस के रूप में निकलते हैं ज्वालामुखी से जो ठोस पदार्थ निकलते हैं उसमें से पत्थर के टुकड़े राख धूल आदि हैं ठीक है इस इस ठोस पदार्थ में से जो पूर्वुख चीजें निकलती हैं उनको हम हल्के समझ लेते हैं धूलकड़ को हम क्या कहते हैं जो धूलकड़ निकलती है उसको हम टेल्क कहते हैं टेलक ठीक है बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो निकलते हैं उसको हम बम कहते हैं ठीक है मटर जितने बड़े आकार के जो टुकड़े निकलते हैं उसको लेपिली कहते हैं ठीक है छोटे टुकड़ों को स्कॉर्पिया कहते हैं स्कोरिया स्कोरिया कहते हैं यहां पर लिखा है स्कोरिया लावा से जब झाग निकलता है यानी कि जब आप देखते हैं वहां से मलबा अंदर भरा होता है तो उसमें झाक तो निकलता है बहुत सारा क्योंकि लावा जब नीचे की ओर बहता है तो झाग बन जाता है तो लावा से लावा का जो झाग होता है या कहें जो मैग वगैरह होता है उसका जो झाग होता है उससे जब जो पत्थर का निर्माण होता है उसको प्यूमिस कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लावा से बना हुआ लावा के जाग से बना हुआ क्या है ये पत्थर है इसको हम क्या कहते हैं प्यूमिस कहते हैं ठीक है तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं जो ठोस पदार्थ में क्या निकलते हैं पत्थर कंकर टुकड़े राग धूल गैसों में क्या निकलते हैं आपका सल्फर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे अधिक मात्रा जो निकलती है वो साठ से नब्बे परसेंट आपकी जलवाष्प निकलती है धूल जो जो ठोस होते हैं उनकी अलग अलग आकृतियाँ होती हैं उनको अलग अलग चीज़ों के नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि धूल धूलकड़ होता है उसको टैल कहते हैं बड़े बड़े पत्थरों को बम कहते हैं मटर जितने बड़े पत्थरों को लेपली कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं पत्थरों के उसको हम स्कोरिया कहते हैं लावा से लावा के झाक से जो बना पत्थर होता है उसको हम प्यू मिस कहते हैं चलिए

तो उसे लावा कहते हैं लावा भी सिलिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं यानी कि लावा जो है उसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा को दो प्रकार से बांटा जाता है नंबर एक होता है वह है लावा जिसमें लावा की मात्रा अधिक होती है और नंबर दो होता है जिसमें लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है ठीक है तो आइए समझते हैं सबसे पहला जो लावा का प्रकार है उसको कहते हैं एसिड लावा इस लावा में सिलिका की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है इसलिए बहुत तेजी से जमता है और ज्यादा दूर नहीं जा पाता यानी कि जब ज्यादा मान लीजिए सिल्का को मान लीजिए आप चीनी यानी कि पानी में जितनी अधिक चीनी होगी उसको गर्म करके जब हम छोड़ेंगे तो वो जल्दी से जमेगी यानी कि ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी और जम जाएगी लेकिन चीनी अगर कम होगी तो वो दूर तक फैल जाएगी यानी कि कम से कम अगर मान लीजिए एक लीटर पानी फैला दिया है तो पूरे रूम में फैल जाएगा और अगर उसमें मात्रा बहुत ज्यादा चीनी की है तो वो कम फैलेगा तो इसको ऐसे समझते हैं एसिड लावा जिसमें सिल्का की मात्रा बहुत अधिक होती है ये बहुत तेजी से जमता है यानी कि जैसे ही ज्वालामुखी फटता है अगर सिलिका की मात्रा बहुत अधिक हुई तो वह बहुत तेजी से जमना शुरू हो जाएगा और एक शंकुदार आकृति बनाएगा यानी कि जो सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसकी आकृति इस तरह की बनेगी और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी वो क्या होगा चारों ओर पसर जाएगा उस ज्वालामुखी जा की आकृति कैसी बनेगी क्योंकि भैया मा, मात्रा कम है तो दूर तक फैलेगा तो उसकी आकृति ऐसी बनेगी यानी कि दूर दूर तक फैल जाएगा ठीक है तो आइए दूसरा देखते हैं बेसिक लावा सिल्का की मात्रा जिसमें बहुत कम होती है उसको हम बेसिक लावा कहते हैं इसलिए यानी कि इसमें सिल्का की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए ठंडा होकर ठोस होने से पहले ही काफ़ी दूर पहुंच जाता है यानी कि जो कम जिसमें सिल्का होती है वह काफ़ी दूर तक बह जाता है यानी कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी दूर तक बह आया है करीब एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर यह बहकर चला आया है यानी कि कभी कभी ऐसा होता है सिल्का की मात्रा बहुत कम हो तो यह आसपास के जो रहने वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं वहां पर प्रवेश कर जाता है और वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वो खाली कराना पड़ जाता है ये काफ़ी परेशानी होती है तो एक बार मैं सारे भाषा में समझा देता हूँ मैंने क्या बताया लावा जब लावा किस तरह से समझेंगे जब ज्वालामुखी पड़ता है और ज्वालामुखी से जो माल निकलता है उसको हम मैग्मा कहते हैं पिघला हुआ रूप और पिघला हुआ रूप जो होता है यानी कि पिघला हुआ जो मैग्मा होता है जब, जब जम जाता है उसको हम लावा कहते हैं लावा भी दो प्रकार के होते हैं सिल्का के आधार पर जिसमें ज्यादा होती है वह बेसिक ला, एसिड लावा होता है जिसमें कम होती है उसे हम बेसिक लावा कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं चलिए तो बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में तो ज्वालामुखी वैसे तीन प्रकार के होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी स्वत ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी ठीक है यानी कि एक तो होता है जिसमें लावा निकलता रहा है एक वो होता है जो अभी सो रहा है कभी भी इसमें लावा निकल सकता है एक वो होता है जो अब बिल्कुल सो गया अब कभी भी इसमें लावा नहीं निकलेगा तो आइए सबसे पहले जो हम प्रकार देखते हैं इसको कहते हैं मृत ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी ठीक है तो इस तरह के ज्वालामुखी में अब कभी भी विस्फोट नहीं होगा ये मर चुके हैं इनकी सांसें बिल्कुल थम चुकी हैं अब ये कभी भी उठेंगे नहीं आप इनका इंतज़ार न करें कि हम इन्हें जगाएंगे अब ये कभी जागेंगे नहीं इनको मुंह इन इसके मुंह को बंद कर दिया जाता है खुद बंद नहीं करते प्रकृति इनका मुंह को बंद कर देती है जैसे पेड़ आते हैं धूल मिट्टी आ जाती है पानी भर जाता है तो इस तरह से इनका मुंह जो होता है वो बंद हो जाता है इसके मुंह में पानी भर जाता है जिससे झील बन जाती है जिसको हम क्रेटर झील भी कह देते हैं या इसके ऊपर पेड़ पौधे उगाते हैं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पेड़ पौधे निकल आए हैं यहाँ पर पानी भर गया है और ये अब बिल्कुल शांत हो गया है चलिए आगे बात करते हैं इसी को ही हम समझते हैं मृत ज्वालामुखी थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से मृत ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी तो आ... को सुल्तान देवबंद ठीक है कोहो सुल्तान देववंद आपका ये वाला ज्वालामुखी है कोह सुल्तान देवमंद यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पोपा ज्वालामुखी यह है म्यांमार में इसमें अब कभी भी विस्फोट नहीं होगा ये बिल्कुल भी समाप्त हो चुका है दूसरा है किली मंजारों किली मंजारो आपका है तंजानिया में तंजानिया आपका कहाँ पड़ता है आप लोग जानते होंगे तंजानिया जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है यहाँ पर तंजानिया में ये ज्वालामुखी है ये अब शांत हो चुका है मर चुका है कभी भी इसमें अब जान नहीं आ सकती ए, एंका काग ए, एंका कागुआ कागुआ ठीक है एंका कागुआ जो है ये आपका बिल्कुल शांत हो चुका है ये मर चुका है इसकी भी सांसें बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं यह है एंडिज पर्वत दक्षिण अमेरिका के तट पर स्थित है यानी कि यह है आपका दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका के यहां पर स्थित है एंडिज पर्वत के दक्षिणी अमेरिका के तट पर स्थित है इसके बाद यहां पर एक और है इसको हम कहते हैं ईरान यहाँ पर है ईरान ठीक जो कि एशिया का भाग है ईरान में एक ज्वालामुखी है इसको हम कहते हैं को सुल्तान देवबंद जो कि मर चुका है अब इसमें भी कभी भी जान नहीं आएगी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ पोपा ज्वालामुखी आपका म्यांमार में किली मंजारो तंजानिया में एंका का गुआ एंडिज पर्व दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ठीक है दक्षिण अमेरिका का ये पश्चिमी तरह ये पूर्व और ये पश्चिम पश्चिमी तट पर एक कोह सुल्तान देवबंद आपका ईरान में स्थित है चलिए प्रसुप्त ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी ठीक है

तो जो हमने देखा है उसी को मान रहा है कि भी, हमने, हम हमने मतलब अंधेरा तो वाला खेल और इधर रोशनी वाला भी खेल खेल रहे हैं दो लोग गए ना तो यहां पर भी लेकिन हुआ क्या एकदम इसके पेट में हुई गुड़ुरुड देखी हरकत यहाँ पर गंदी हो रही तो इसने देखा गुड़ुर गुडुर पंद्रह साल के बाद इसमें विस्फोट हुआ और हम कहा पहुंच गए भगवान के पास पहुंच गए ठीक है समझ में आ गया तो इसका मतलब हुआ प्रसुप्त ज्वालामुखी बहुत ज्वालामुखी होता है कि 10 से 15, 15 से 20, 20 से 50 ऐसे सालों तक उसमें ज्वालामुखी विस्फोट न हुआ हो तो उसमें कभी भी फटने के चांस होते हैं दो चार साल में भी हो सकता है दस साल में भी हो सकता है तो कभी भी इसमें हो सकता है समझ आ गया तो सोया हुआ है इससे यह मत कहो कि वो जागेगा नहीं सोया हुआ का मतलब ये होता है वो कभी भी जाग सकता है तो ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें काफी समय से विस्फोट या उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है इससे इसमें से कभी भी गैस या जलवाष्प कभी कभी निकलती रहती है इससे जान माल का खतरा बहुत रहता है जैसे कि इटली का बिशुएस ज्वालामुखी कई सालों तक प्रसुप्त रहने के बाद सोए रहने के बाद अचानक उन्नीस में फट गया यानी कि मैंने क्या बताया इस जो ज्वालामुखी होता है प्रसुप्त वाला इससे जान माल की खतरा बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि यार वैसा ऐसा है पंद्रह सोलह सालों से सा क्या है इसमें ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ कभी तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था हम दो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर जाके खेलने चले गए नहीं माने तो इससे क्या हुआ हमारी जान चली गई और हम एक फोन भी ले गए थे बीस हजार का वहाँ पर फोटो वोटो खींचने के लिए बीस हज़ार का फोन चला गया तो माल का भी चला गया जान माल का दोनों का नुकसान हुआ और हम बड़े होकर कोई विद्वान बनते समझ रहे हैं ना मैं विद्वान बनता लोगों की मदद करता क्योंकि ये कहा जाता है कि अक्लमंदी एक तोहफा होती है जो ईश्वर की देन होती है उसका आप प्रयोग लोगों की भलाई के लिए कर सकते हैं तो मैं हो सकता हूँ थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा बनता लोगों की भलाई करता तो ये क्या हुआ जान और माल दोनों का नुकसान हो गया क्योंकि ऐसा होता है सोया हुआ है तो लोग कभी सोचे कोई काम करने चले गए या कोई कभी कभी उसके किनारे आसपास रहने लगते हैं लेकिन रहने लगते हैं क्योंकि क्यों मना करते करते लोग रहने लगते हैं झोड़पड़पट्टी कहते हैं यार कई सारों तो नहीं हुआ है तो रहने लगते हैं अक्स्मत क्या हुआ वहाँ पर एकदम फट गया तो आस पास की क्या हुई लेथन हो गई मतलब चारों जो लोग रह रहे थे उन्हें अपनी दुकान ले लेकर भागनी पड़ी कुछ लोग तो उसमें ही उनका चिकन तंदूरी बन गया तो इस तरह के जानमाल का काफ़ी खतरा रहता है चलिए आगे बात करते हैं बात करते हैं प्रसुप्त प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ कहाँ हैं स्थित तो सोया हुआ तो बिशुवियस इटली में है ये आपका बिशुवियस आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका इटली इटली में एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन ये पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है ये नहीं पूछा जाता किस जगह है तो बिशुवियस जो कि आपका इटली में स्थित है ठीक इसके बाद फ्यू फ्यूजियामा जो कि आपका जापान वाले क्षेत्र में है यहाँ पर ठीक फ्यूजियामा है ये इसके बाद नारकोंडम क्योंकि तो अंडमान निकोबार दीप समूह वाले क्षेत्र में स्थित है यह अंडमान और निकोबार दीप समूह यहां पर स्थित है आपका इसके में कभी कभी वो निकलता रहता है धुआं वगैरह और आग निकलती रहती है ये आपका माउंट विसुवियस ठीक है चलिए आगे बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी या इसको हम कह देते हैं एक्टिव बॉल ठीक है तो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे आए दिन विस्फोट होता रहता है इनका मुंह हमेशा खुला रहता है और समय समय पर लावा धुआं अन्य तरह के पदार्थ जो होते हैं निकलते रहते हैं जिससे इनसे शंकु का निर्माण होता रहता है इटली का जो माउंट एटना है इटली का जो एटना ज्वालामुखी है दो तो हजार सालों से सक्रिय है और यह है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद यह फटा फटाता रहता है इसके बाद इटली में स्थिति एक और ज्वालामुखी है इसको कहते हैं स्ट्राम बॉली स्ट्राम बॉली नामक एक ज्वालामुखी है जो कि हर पंद्रह मिनट में फटता है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं ये रोशनी नहीं देता है बल्कि लोगों को दिशा का ज्ञान कराता है क्योंकि प्रकाश तो इतना नहीं होगा फट रहा है तो भैया एक आइडिया लग जाता है भैया ये पूर्व है या ये पश्चिम है तो इस तरह से आइडिया लग जाता है दिशा का कि भाई साहब उस उसोर जो धुआं वगैरह आ रही है वो लपटें दिख रही है उसोर की तरफ हमें नहीं जाना है और जिधर धुआं नहीं आ रहा है उस उसोर हमें जाना है तो इस तरह से हमें ये दिशा का क्या करता रहता है हमें दिखाता रहता है समझ आ गया तो चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करते थे हैं यहाँ पर देख सकते हैं किलाऊ किलायु ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है ठीक है इसका बाद द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है ठीक जो कि भारत देश का भाग है माउंट एटना जो कि सिसिली नामक स्थान है जो कि इटली में पड़ता है ठीक है इसके बाद माउंट एटना मैंने सिसिली बता लिया ओजस डेल सालाडो ओजस डेल सालाडो आपका यहाँ पर है अर्जेंटीना में ही अर्जेंटीना की वो अर्जेंटीना और चिली, चिली की सीमा पर स्थित है कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में है। आपका लेपारी द्वीप में है। मोनालोवा हवाई द्वीप में यहां पर आप मैंने सभी के नाम लिखा है किलायो बैरन द्वीप ओजर टेल सलाडो मोना लाओ ठीक है कोटोपैक्सी माउंट एटना सिसा का बॉली ठीक है चलिए ठीक है तो आइए एक नजर डाल लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में कुछ प्रमुख बिंद हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से लिख सबसे है ज्वालामुखी कौन सा है माउंट कोटोपेक्सी पृथ्वी के अंदर पिघले लावा को क्या कहते हैं मैग्मा कहते हैं वाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते ये ध्यान रखें कई बार पूछा गया है कि वाल्टिक्स सागर में क्या ज्वालामुखी उद्गार होते हैं नहीं होते हैं ठीक है ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है कहां पर स्थित है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है <coughs> सॉरी आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर मोना लोआ है मोना लोहा आप यहां पर देख सकते हैं आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्ट्राम वैली ज्वालामुखी को बोम सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी को हम किलायु ज्वालामुखी कहते हैं ये हो गया आपका ज्वालामुखी के बारे में जो भी जानकारी थी उसके प्रकार उनका तरीका किस तरह से लावा वगैरह ये सब निकलता है चलिए आगे बात करते हैं चलिए पर्वतों के बारे में बात करते हैं पर्वत यानी कि माउंटेन चलिए देखते हैं इनको कैसे और किस तरह समझेंगे तो एक एक करके हम समझ लेते हैं तो पर्वत क्या होता है इसको हम जानते हैं भूमि का ऐसा भाग यानी कि कोई ऊपर है यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उस पर कोई ऐसा भाग जो कि आसपास की भूमि से क्या हो ऊंचाई पर स्थित हो यानी कि भूमि का ऐसा भाग जो आसपास की भूमि से अत्यधिक ऊंचाई पर हो पर्वत कहलाता है यह अकेला भी हो सकता है और एक श्रृंखला के रूप में भी हो सकता है जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वतमाला या हिमालय पर्वत श्रेणी इस तरह से आप उसको एक श्रृंखला के रूप में भी देख सकते हैं यानी कि एक पहाड़ भी हो सकता है और श्रृंखला के रूप में भी हो सकता है है। ठीक है तो कुछ जो भूगोल विद हैं यानी तो कि कुछ भूगोल के ज्ञाता हैं उन्होंने पहाड़ी की एक परिभाषा बनाई है वैसे सामान्य रूप से ये होता है कहने का तरीका कि आसपास के क्षेत्र से जो ऊंचा दिखता है उसको हम पहाड़ या पर्वत कह देते हैं लेकिन कुछ भूगोल वेदता है उनके आधार पर क्या परिभाषा बनाई है उनका ये मानना है कि छह मीटर की ऊंचाई से अधिक अगर कोई आकृति है तो उसको हम पहाड़ या पर्वत कहते हैं पहाड़ या पर्वत कहते हैं लेकिन इससे कम ऊंचाई अगर है तो इसको हम पहाड़ी कहते हैं यानी पहाड़ होता है आपका माउंटेन और पहाड़ी होता है हिल ठीक है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले आकृति को हम पर्वत कहेंगे यानी कि माउंटेन कहेंगे और 600 मीटर से अगर नीचे है तो हम उसको पहाड़ी या हिल कहते हैं तो पूरे जो पृथ्वी का भोपरपट्टी वाला क्षेत्र है या हम उसको धरातल कहते हैं तो धरातल पर कुल 27 परसेंट क्षेत्र में सत्ताईस क्षेत्र में पर्वतों का विस्तार है, यानि कि पर पर चलिए आगे बात करते हैं पर्वतों के प्रकार के बारे में हम हल्का से देख लेते हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं किस तरह से इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है उसके आधार पर हम इनके जो वर्गीकरण किया है, इनका, है? तो आइए हम एक, एक करके समझते हैं तो पर्वतों के सामान्य प्रकार यहाँ पर जो आकृति है वो आप देख सकते हैं पर्वत किस तरह के हैं तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर सबसे पहला जो पर्वत है उसको हम कहते हैं बलिद परवत, फोल्डेड या फिर हम इसको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं यानी जब मोड़ ऐसे जो दो प्लेटें हैं जब आपस में टकराती हैं तो मोड़ पड़ जाता है तो इस तरह से ये ऊपर उठ जाता है और तो पर्वत की आकृति ले लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जब दो आकृति मान लीजिए ये आपका Uh, मान लीजिए कोई बल लगा रहा है ओर से इस ओर और एक जो है टीम इस ओर से बल लगा रही है ऐसे मान लीजिए ये आयरन मैन वाला क्षेत्र है और ये थेनोस वाला क्षेत्र है तो थेनोस और आयरन मैन वाला जब एक दूसरे में जब इधर उधर से धक्का मार रहे हैं तो जो बीच का भाग है इस पर क्या हो जाएगा बलन पड़ जाएगा या मूड पड़ जाएगा जब इस प्रक्रिया से जिस पर्वत का या जिस माउंटेन का निर्माण होगा उसको हम बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन या फिर मोड़दार पर्वत कहते हैं ठीक है तो आइए समझते हैं तो बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में बलन या मोड़ पड़ जाते हैं और इनके कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें मोड़दार पर्वत कहते हैं या इनको हम पर्वत भी कह देते हैं जो बलित पर्वत है या मोड़दार पर्वत है वो विश्व में विश्व के प्रमुख नवीन या युवा या नए पर्वत है यानी कि जैसे कि आप जानते हैं जो हिमालय पर्वत है उसको हम क्या कहते क्या है? हैं नवीन पर्वतमाला यानी कि अभी जल्द में ही हुआ है यानी कि अरावली वाला जो क्षेत्र है उसके मुकाबले उसका बहुत ही जल्द यानी कि अभी नया बोलेंगे यानी कि अब जो हिमालय है वो अभी जवानी के दिन है हिमालय के ठीक है तो समझ में आ रहा है कि जो नवीन बलत पर्वत है उनका निर्माण हाल ही के वर्षों में हुआ है हाल ही के वर्षों में दो तीन साल में नहीं हो गया है मतलब तीन से चार हजार साल पहले या फिर पचास हजार साल पहले या एक लाख साल पहले इतने समय पहले इसका निर्माण हुआ है तो विश्व के प्रमुख नवीन जो पर्वत हैं जो नवीन बलित पर्वत हैं वो नए पर्वत हैं जैसे कि हिमालय मैंने बताया रॉकी बताया एंडीज बताया और एटलस जैसे कि हिमालय आपका कहाँ पर है हिमालय आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत नेपाल और चीन और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो यहाँ पर देख सकते हैं ये हिमालय वाला क्षेत्र इसके बाद नवीन वलित पर्वत पर्वत आपका ये नवीन बलित पर्वत आपका, आपका एटलस जो कि आपका अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी भाग में है यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका ये है की ये आपका एंडीज वाला क्षेत्र जो कि पश्चिमी तट पर आपका पूरा पूरा किनारे पर फैला हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो रॉकी पर्वत जो कि आपका नवीन वलित पर्वत है यहाँ पर यह जो है अपलेसियन पर्वत है ये आपका पुराना पर्वत है अब होता क्या है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो अंदर ही जो मैंने बताया था कि जब पृथ्वी होती है पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो पृथ्वी जो है जो उसका धरातल है वो कई सारी प्लेटों में बटा हुआ है जिसको हम कभी डिटेल से जानेंगे कई सारी प्लेटों में बटा हुआ है तो वो प्लेटें हैं कुछ दूर जा रही हैं और कुछ प्लेटें जब पास आ रही हैं तो जब प्लेटें होती हैं पास आती हैं जब प्लेटें पास आती हैं तो आपस में इस तरह से टकराती हैं तो बीच का जो भाग होता है क्या होता है ऊपर उठ जाता है यानी कि बीच में जो माल होता है मान लीजिए यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए बालू रख देते हैं बालू रख देते हैं एक हाथ आप इधर से रपकाते हुए लाते हैं और एक हाथ इस तरह से रपकाते लाते हैं तो जो बालू होगी वो ऊपर उठ जाएगी ठीक है समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है, है या या ब्लॉक पर्वत तो जब, जब उनका निर्माण होता है तो जो जब दो प्लेटें पास आती है तब तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है जब दो प्लेटें आपस एक दूसरे से दूर जाती है या फिर किन्हीं कारणों से जब दो भूखंड होते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं तब उन दोनों के बीच में भ्रंश पड़ जाता है तब क्या होता है इसकी आकृति बनती है ठीक है तो मैंने क्या बताया जब धरातल में दरार या भ्रंश पैदा हो जाता है इसके कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है या फिर कुछ भाग नीचे धंस जाता है ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं ये वास्तविक पर्वत नहीं होते हैं बल्कि इन्हें झूठा पर्वत कहते हैं यानी कि ये वास्तविक पर्वत नहीं होते हैं, बस ये क्या होते हैं वो अभी बताऊंगा क्यों वास्तविक पर्वत क्यों नहीं होते हैं जैसे कि कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं जो कि वास्तविक पर्वत नहीं यानी कि भ्रंश या ब्लॉक पर्वत है ब्लॉक माउंटेन है तो वो है आपका सतपड़ा में सतपड़ा पर्वत श्रेणी आपका जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट

ये पूरी जमीन है यहाँ पर ये अभी धसा नहीं है तो बीच का जो भाग है मान लीजिए इसमें से ये धस गया यानी कि पूरी जमीन है इसमें से बीच का भाग धस गया और एक भाग क्या हुआ इन्हीं में से ये ऊपर रह गया जब यहां से हम इसको देखेंगे तो क्या महसूस होगा पहाड़ महसूस होगा मान लीजिए 300 या 400 मीटर की ऊंचाई पर ये अंदर धस जाता है तो यहां से जब आप खड़े होंगे तो आपको ये पहाड़ जैसा महसूस होगा यानी कि ये बाक्यो पर्वत नहीं है बस पहाड़ या पर्वत की आकृति ले ली इसने अब यहाँ पर दूसरी तरफ आ जाते हैं मान लीजिए ये आपका जमीन वह है पूरी यानी कि बिल्कुल समतल जमीन है ये अभी क्या होता है तो इनमें से दो तरफ की भाग जो होते हैं नीचे धस जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये और एक ये यानी कि दो ओर से ये नीचे धस जाता है और एक भाग जो क्या होता है वहीं का वहीं खड़ा रहता है

और उन पर्वतों का जो बचा हुआ भाग होता है उनको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं या कहें पर्वतों का जो बचा हुआ अवशेष है उसको अवशेष मतलब मतलब किसी चीज का बचा हुआ भाग तो अवशेष जो होता है उसको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं तो आइए समझते हैं कि ये पर्वत के बचे हुए अवशेष होते हैं इनका निर्माण पर्वत के लंबे समय में जब अपरदन हो जाता है तो इसके बाद जो बचा हुआ भाग होता है या जो भाग बचता है या फिर वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है घिस जाता है या अपरदित हो जाता है और अपर्दित तो संतल हो जाता है उस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं अवशिष्ट पर्वत कहते हैं तो जैसे कि हमारा भारत देश में आप यहां पर देख सकते हैं यह अरावली पर्वत जो कि एक न... बहुत पुराना पर्वत है जो कि अब घिस घिसकर घिस घिसकर कैसा हो गया है इस तरह से छोटा सा यानी कि कम ऊंचाई में रह गया है अरावली पर्वत श्रेणी ये अपने जमाने पर जब जमानी के दिन में होगा तो यह शायद हो सकता है हिमालय से भी ऊंचा रहा होगा ठीक है तो अब बुढ़ापा आ गया है अवशिष्ट हो गया यानी कि बचा हुआ भाग रह गया है चलिए आगे बात करते हैं संग्रहित पर्वत संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत या फिर बॉलकैनिक वॉलकैनिक माउंटेन्स यानी कि ये वो पर्वत होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकले हुए लावा से होता है उसको हम संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं तो आइए समझते हैं इसको फिर से मैंने क्या बताया इसका निर्माण जब होता है जब धरातल धरातल के ऊपर मिट्टी मलबा लावा का अत्यधिक जमाव हो जाता है और वह जब किसका रूप ले लेता है पर्वत या पहाड़ी का रूप ले लेता है तो उसको हम संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे अंदर से मैग्मा निकलता है मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं तो जब लावा जम जाता है और पहाड़ की जब आकृति ले लेता है क्योंकि आप लोगों को पता है जब मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले बताए हुए कि जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो वो क्या होता है वो सिलिका की मात्रा जो ज्यादा होती है तो बहुत जल्दी से जम जाता है और सिलिका की मात्रा कम होती है तो वह जल्दी से नहीं जमता बल्कि पसर जाता है तो जब मान लीजिए ये है आपका ज्वालामुखी और ज्वालामुखी है इस तरह से ज्वालामुखी से आ, माल जो निकला यानी कि जो उसमें से विस्फोट होकर जो मैग्मा निकला उसमें क्या था बहुत अधिक मात्रा सिल्का की है तो ऐसे करके वो इस तरह से एक पहाड़ जैसी आकृति बना लेगा आज अपनी दोनों तरफ क्या करेगा अपना माल है बिछा देगा और यहाँ पर एक पहाड़ की आकृति बना देगा इसको हम वॉलकैनिक या संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं इसके उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में सबसे प्रमुख जो आता है वो है आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका इसको हम भारतीय भाषा में कहते हैं तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके कुछ हैं माउंट एडम्स ठीक यहां पर देख सकते हैं माउंट हुड ठीक है यहां पर देख सकते हैं माउंट रेंडियर माउंट रेंडियर और माउंट सेंट हेलेना यहाँ पर आप हेलेंस देख सकते हैं तो मैंने क्या बताया यूएसए का रेंडियर हुड सास्ता नामक जो पर्वत हैं, जो कि किससे निर्मित हैं ज्वालामुखी पर्वत हैं। यहां पर आप देख सकते हैं माउंट रेंडियर माउंट सेंट हेलेंस ठीक है माउंट एडम्स माउंट हुड और यहीं पर एक है माउंट सास्ता ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं सास्ता चलिए इसके बाद बात करें अगर अन्य की बात की जाए तो जापान में एक पर्वत एक ज्वालामुखी है उसके द्वारा एक पर्वत का निर्माण हुआ है उसको हम कहते हैं फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो कि कहां पर है आपका जापान नामक देश में ठीक है इसके बाद एंडीज की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं एंडीज में एक पर्वत है या एंडीज में एक ज्वालामुखी है उसको हम कहते हैं कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी ठीक है इसके बाद चिली में अगर आ जाते हैं तो चिली में चिली में जो कि आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली में एंका एंका का गुआ ठीक है एंका का गुआ ठीक है चलिए आगे बात करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में बात कर लेते हैं सारे जो प्रमुख कैटेगरी थी यानी कि प्रमुख जो उनका मतलब प्रकार थे वो हमने जान लिए अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख पर्वतों के बारे में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एशिया से यानी कि एशिया में कौन कौन से पर्वत हैं और किन किन देशों में इनका विस्तार है तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय के बारे में सबसे प्रमुख और भारत देश के बारे में बात कर रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ये है आपका हिमालय वाला क्षेत्र तो हिमालय जो है वो आपका भारत यानी कि भारत देश में इसका विस्तार है इसके बाद भूटान भी यहाँ पर रास्ते में पड़ता है यहाँ पर भूटान इसके बाद यहाँ पर उत्तर में इसके ठीक उत्तर में आपके नेपाल और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा आपका पाकिस्तान ठीक है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो एशिया में हिमालय नामक एक पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोग एशिया में हिमालय नामक के ऊपर श्रृंखला है इस ये आपकी भारत नेपाल भूटान पाकिस्तान वो पाकिस्तान और चीन में फैली हुई है तो माउंट हिमालय की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसको हम यहां पर देख सकते हैं इसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट जो विश्व की, की सबसे ऊंची चोटी है यह नेपाल में स्थित है ठीक है कहाँ पर स्थित है नेपाल में स्थित है चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरा एक है दूसरा इसको हम कहते हैं हिंदुकस पर्वत हिंदुकस आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान नामक इसमें फैला हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका पर, हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत के ठीक पश्चिम में चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं ये है एक पर्वत इसको हम कहते हैं हिंदू कुश पर्वत यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान नामक देश में फैला हुआ है यानी कि इसका विस्तार कहां कहां है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके बाद बात करें जेगरोस की तो जेगरोस की तरफ अगर हम बढ़े तो ये है आपका ईरान में अब ईरान कहां पर है यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका ईरान वाला क्षेत्र ईरान में वो सॉरी यहां पर है जेगरोस ये है यहां पर हाँ यह है ईरान वाला क्षेत्र ईरान का पठार यहाँ पर देख रहे है? के के जग, है, हैं जागरूस जाग्रोस में, अलग 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 तो में इसके बाद बात करें एल बुर्ज की तो यह भी आपका ईरान वाले क्षेत्र में है यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान का पठार ईरान के पठार के ठीक उत्तर में एक पर्वत पड़ता है इसको हम कहते हैं एल बुर्ज का पर्वत ठीक है इसके बाद और आगे बढ़े तो तीन, तीन सान, तीन सान, तो दक्षिण मध्य एशिया अब दक्षिण मध्य एशिया कैसे होगा यह है आपका एशिया वाला भाग पूरा एशिया का यह है पूर्व यह पश्चिम और यह है उत्तर और यह है दक्षिण तो अब यह क्या हो गया मध्य एशिया यानी कि बीच वाला भाग तो यहां पर ही एक पर्वत पड़ता है उसको हम कहते हैं मध्य दक्षिण और मध्य तो यहाँ पर देख लेते हैं यहां पर यहाँ पर एक पर्वत है इसको हम कहते हैं तियन शान दक्षिण और मध्य एशिया में ये तियन शान पड़ता है ठीक है इसके बाद बात की जाए अल्ताई के बारे में तो अल्ताई आपका मध्य एशिया में ही है यानी कि तियन शान के ठीक उत्तर में देखेंगे उत्तर पूर्व की ओर तो यहाँ पर एक अल्ताई पर्वत पड़ता है ठीक है इसके बाद आप पूर्वी रूस की तरफ बढ़ेंगे तो पूर्वी रू, रूस में यहां पर आप देख सकते हैं बरखो यांस यहां पर देख सकते हैं बर्खो यांस ठीक है बर्खो यांस पर्वत श्रेणी जो कि आपका पूर्वी रूस में स्थित है इस, इसके बाद काकेसस के बारे में बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है रूस वाला ही क्षेत्र इधर बढ़ाता है रूस वाला ही क्षेत्र तो यहां पर है काकेसस ठीक है समझ आ गया इसके बाद आखिरी बात की जाए कम चटका शिर्डी तो कमचटका आपका पूर्वी रूस में स्थित है यहाँ पर आप देख सकते हैं रूस वाला क्षेत्र और यहाँ पर इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कम चटका प्रायदीप यहीं पर एक पहाड़ी है उसको कहते हैं कम चटका शिरढ़ी अब इतना वैसे जो एशिया वाले पर्वत हैं ये आपके काफी हैं एशिया में आपका हिमालय हिंदुकोस जैग्रोस एलबुर्क तियनसान अल्ताई वर्खोयांस काके काकेसस कम चटका ठीक है अगर आपको इसमें कोई और इंपॉर्टेंट दिखता है तो आप लगा सकते हैं चलिए ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं जूम यह है आपका न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र

वैसे अलग अलग क्षेत्रों में हम इसके अलग अलग इसके बारे में पढ़ेंगे जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तब हम अलग से जानेंगे चलिए आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अगर बात कर ली जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख जो पर्वत हैं उनको देख लेते हैं एटलस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं यह अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो यहाँ पर चलेंगे उत्तर पूर्व की ओ उत्तर पश्चिम की ओर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है इसको हम कहते हैं एटलस पर्वत श्रेणी ठीक है ठीक है समझ में आ गया तो ये कौन कौन से देशों में पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिशिया यानी कि कहां का पड़ता है आपका मोरक्को अल्जीरिया और ट्यूनिशिया नामक देशों में इसका विस्तार है इसके बाद ड्रांकेश बर्ग पर्वत की अगर बात की जाए तो ये है आपका ओ, ओ, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग और यह अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक महाद्वीप पड़ता है उसको हम कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका ठीक है तो इसको हम जूम करके देखते हैं तो यहां पर ही एक पर्वत श्रृंखला है इसको हम कहते हैं ड्रंके पर्वत यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है ये कौन कौन से क्षेत्रों में पहली है आपका पूर्वी अफ्रीका ठीक है या इसको हम कहते हैं साउथ अफ्रीका ठीक साउथ अफ्रीका नामक देश है तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका और यहां पर एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं ले सेथो ले से ठीक है चलिए आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों के और पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो आते हैं हम रॉकी के बारे में ठीक है रॉकी के बारे में बात की जाए तो रॉकी अपरी, वो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये पूरा उत्तरी अमेरिका दक्षिण वाला, उत्तर वाला में आएंगे यहां पर आपका अमेरिका इसके ठीक नीचे आएंगे मैक्सिको पड़ेगा तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं रॉकी के बारे में तो रॉकी ऐसे करके लंबी लंबी पर्वत से ऐसे शुरू होती है ये नीचे चलती चली जाती है रॉकी पर्वत आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे करके ये दक्षिण में पर्वत चलते चली जाती है चलते चली जाती है इसको हम कहते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला ये कौन कौन से क्षेत्रों में फैली है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैनेडा नामक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका नामक देश में दो देशों में इसका प्रमुख रूप से विस्तार है ठीक है इसके बाद बात करें व्हाइट पर्वत के बारे में तो यूएसए में एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया ठीक है तो कैलिफोर्निया नामक एक राज्य है जो कि आपका यूएसए में ही है यानी कि अमेरिका में ही है यहाँ पर व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं ठीक है अपलेसियन की बात की जाए तो इसको मैं जूम कर देता हूं अप्लेशियन पूर्वी यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है यह है आपका उत्तर वाला क्षेत्र कनाडा और ये है आपका पूर्वी यूएसए यानी कि पूर्वी अमेरिका यहां पर देख सकते हैं अप्लेशियन अपलेसियन पर्वत श्रृंखला ठीक है कौन कौन से क्षेत्रों में है? यहाँ पर मैंने लिखा है पूर्वी यूएसए यूएसए यानी यानी कि कि अमेरिका का पूर्वी भाग और कैनेडा वाले क्षेत्र में इसके बाद बात करते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल जो कि आपका मैक्सिको वाले क्षेत्र में है यहां पर आप देख सकते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल जो कि आपका कहां पर है मैक्सिको सिटी के मैक्सिको का पठार है उसके ठीक दक्षिण में ये पर्वत श्रृंखला है इसके बाद दूसरा अगर बात करें तो सियरा माद्रे डेल्सुर

अमे, वैसे बात की जाए मैं आप लोगों को हल्का सा बता दूं कि जो उत्तर वाला भाग है ये कनाडा में आता है लेकिन यहाँ पर एक अमेरिका का ही भाग है जो कि यूएस वो जो कि रूस से कभी रूस के ये भाग में आता था लेकिन रूस ने क्या कर दिया था इसे अलास्का को गिफ्ट गिफ्ट तो नहीं पैसे में पैसे से बेच दिया था ठीक है तो यहाँ पर ही एक अलास् अलास्का यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अलास्का पर्वत श्रेणी कहाँ पर है अलास्का में कहाँ पर है यूएसए ये यूएसए वाला भाग है इतना भाग वैसे ये कनाडा में है लेकिन ये इतना भाग अलास्का वाला क्षेत्र यूएसए में आता है चलिए इसके बाद चलिए कास्केड के बारे में अगर बात की जाए तो ये यूएसए और कनाडा कनाडा वाले क्षेत्र में फैला हुआ है चलिए आगे बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका में प्रमुख एक पर्वत है उसको ही हम जानेंगे उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला जो कि आपका ऊपर से शुरू होता है यानी कि ऊपर से क्या मैं नीचे से बात करूं या ऊपर से करूं कहीं से भी लेकिन ऊपर से नीचे तक ये पूरा का पूरा ही फैला है ये नहीं कि ऊपर वाले भाग में फैला है ये पूरे पश्चिमी जो दक्षिण अमेरिका वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी किनारे पर ये लंबा लंबा फैला हुआ है तो ये कौन कौन से देशों से जाता है ये आपका अर्जेंटीना वाले देश से चिली से पेरू से एक्वेडोर से और बोलीविया और वेनेजुएला से होकर जाता है ठीक है कौन कौन से क्षेत्रों से आपका अर्जेंटीना चिली पेरू एक्वेडोर बोलिविया और बेनिंजला ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यूरोप के बारे में बात कर ली जाए यूरोप में कौन कौन से पर्वत हैं अभी सबसे पहले जो बात करेंगे वो है आल्प्स आल्पस या आल्प्स आल्प्स आल्प uh, मैंने दक्षिणी आल्प्स मैंने आप लोगों को बताया था न्यूजीलैंड में जो कि ओ वाले क्षेत्र में पड़ा था वो अलग है और ये अलग है ये नहीं कि उसका भाग नहीं है ठीक है ये उसका भाग बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यूरोप में है तो आल्प्स के बारे में अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले मध्य यूरोप फ्रांस जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर यह है आपका मध्य यूरोप वाला क्षेत्र तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं ये मैंने अभी बताया था यहाँ पर मध्य यूरोप मध्य यूरोप में कौन कौन से आते हैं आपका फ्रांस आपका जर्मनी आपका इटली स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया इसके बाद बात की जाए यूराल पर्वत के बारे में तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है यानी कि मध्य रूस में आपका स्थित है ये मैं चून कर देता हूँ देख सकते हैं आप ये यूराल पर्वत ठीक चलिए इसके नेवियन ठीक है तो ये जो है आपका नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड वाले क्षेत्र में पड़ता है यानी कि नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड वाले क्षेत्र में यह है स्कैंडिनेवियन ठीक है पर्वत श्रृंखला चलिए इसके बाद बात की जाए ए, एपे नाएंस। एपे नाएंस जो है आपका इटली वाले क्षेत्र में है मैं आपको इटली झूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं एपेनाइंस इटली वाले क्षेत्र में यहां पर एक और पर्वत आप, आप देख सकते हैं ये है सियरा नेवादा कहाँ पर है आपका यूरोप वाले क्षेत्र में वैसे और भी इसमें है वो जरूरत नहीं है वैसे जानने की उनके बारे में वैसे एक और मैं हल्का सा बता दूं वैसे आगे इसके बारे में बात होगी यह है आपका पिरीज पर्वत ठीक है जो कि आपका यूरोप का भाग है चलिए आगे बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं यानी कि पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के बारे में बात करेंगे ठीक है यानी कि उत्तर से दक्षिण जो क्षेत्र में फैली हुई है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो एंडीज यानी कि एंडीज कहाँ है दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में है दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में है इसकी जो लंबाई है यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई की अगर बात की जाए तो सात हजार किलोमीटर क्षेत्र में है, फैली हुई है इसके बाद दूसरा जो नंबर आता है उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी ठीक है ये यहाँ पर चलिए समझा गया एंडीज पर्वत श्रेणी दूसरी सबसे लंबी उत्तर से दक्षिण के बारे में बात हो रही है उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आती है महान विभाजक रेंज इसकी जो लंबाई है तीन हजार पांच सौ यानी कि रॉकी कितनी है चार हजार आठ सौ इसकी तीन हजार पांच सौ कहां पर है यह ऑस्ट्रेलिया वाला भाग ऑस्ट्रेलिया के यह है पूर्वी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ठीक है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी तो ये आपकी तीसरी नंबर पर आती है चौथे नंबर पर जो आती है वो है आपकी हिमालय विश्व की ऊंचाई के आधार पर पर्वतमाला के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे ऊंची जो पर्वत है माला है वो है हिमालय यानी कि हिमालय पर एक चोटी है इसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दूसरे नंबर पर आती है वो है आपकी एंडी जो कि दक्षिण अमेरिक, अमेरिका में पश्चिमी तट पर फैली हुई है एंडीज ठीक है तो एंडीज में सबसे ऊंची चोटी है एंडीज में दूसरे नंबर पर मतलब ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कि अब ये कहेंगे इस पर दूसरी चोटी फिर कंचनजंगा आ जाएगी फिर केट आ जाएगी वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर प्रमुख पर्व श्रेणियों की बात में बात कर रहा हूँ जैसे आपकी हिमालय है एंडीज है रॉकी है एटलस है इसके बारे में ठीक है तो दूसरे नंबर पर आती है आपकी एंडी uh, जिसकी ऊंचाई के बारे में बात की सबसे ऊंचा जो बिंदु है उसका है छ हजार नौ सौ इकसठ मीटर छ हजार नौ सौ इकसठ मीटर क्या नाम है इसका चोटी का एंका एंका कागुआ ठीक है चलिए तीसरे नंबर पर आती है वो है आपकी रॉकी रॉकी का सबसे ऊंचा जो बिंदु है उसको हम कहते हैं माउंट एलवर्ट माउंट एलवर्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी किसकी है रॉकी की यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं ये यह यहां पर आप देख सकते हैं कॉले के पास यहीं पर है माउंट एलवर्ट या एल्वर्ट चलिए तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर जो आती है वो है आपका महान विभाजक श्रेणी जिसमें यहां पर जो महान विभाजक श्रेणी में जो पर्वत श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है केजी आस्को के जी एस को जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अलग से पढ़ेंगे तब तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा होगी आप लोगों को यहीं पर याद हो जाना चाहिए कम से कम थर्टी से फोर्टी परसेंट फिर दोबारा देखेंगे फिर और याद हो जाएगा फिर आपको दिमाग में ये रट जाएगा चलिए प्रमुख बिंदुओं के बिंदुओं के बारे में बात करते हैं जो कि आपका पहाड़ों से संबंधित है पर्वतों से संबंधित है तो सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका का अफ्रीका का सबसे ऊंची अगर चोटी की बात की जाए तो माउंट किली मंजारो है जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है ठीक है माउंट ब्लैक आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक यहां पर मैं कैसे बताया मैंने माउंट ब्लैक जो है वह आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है जो कि यूरोप में स्थित है ब्रिटिश कोलंबिया मैंने क्या बताया? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है ठीक है विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। मैंने अभी बताया था नवीन मोड़दार पर्वत कौन कौन से थे आपकी हिमालय रॉकी एंडीज एटलस ये नवीन मोड़दार पर्वत हैं, ठीक है फ्रांस तथा स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत जो है उसका नाम है

जानते हैं चलिए बात करते हैं पठारों के बारे में पठार को अंग्रेजी भाषा में हम टेबल लैंड कह सकते हैं और प्लेटियो कह सकते हैं ठीक है तो आइए समझते हैं पठारों को एक एक करके कैसे पठार होते हैं क्या आकृति होती है कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं कहाँ कहाँ किस किस नाम से इनको जाना जाता है तो आइए समझते हैं पठार टेबल लैंड का ही समझन अंतर के टेबल की जो आकृति का जो टेबल की जो आकृति होगी किसी भी भूखंड की वह पठार कहलाएगा आगे समझते हैं इसको पठार ठीक है तो ऐसी उच्च भूमि होती है जिसका शिखर मेज की तरह सपाट हो और काफी बड़े भाग में फैला हो लेकिन किनारे काफी तीव्र हों उसको हम पठार कहते हैं ठीक है या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि धरातल का एक ऐसा स्थल जो अपने आसपास की जमीन से काफी ऊंचा हो, होता है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट होता है पठार कहलाता है ठीक है धरातल की धरातल सॉरी पठार की समुद्र तल से ऊंचाई की बात यदि की जाए तो 300 से 1000 मीटर तक हो सकती है ठीक है तो कैसे मैंने बताया अभी बताया कि कोई मान लीजिए ये है धरातल धरातल पर कोई आकृति है पहाड़ नुमा या पर्वत नुमा या इस तरह से उठ जाती है लेकिन ये पहाड़ बन जाएगा क्योंकि इसकी ऊंची ऊंची चोटी है यहाँ पर इस तरह से इसकी अगर ऊंची चोटी है तो ये पहाड़ या पहाड़ी कहलाएगा ये रहने लायक स्थिति नहीं होगी यहाँ पर लेकिन दूसरी ओर एक आकृति बनती है जो कि पहाड़ या पर्वत नुमाई होती है लेकिन उतनी ऊंचाई नहीं होती है उसी टाइप से ऊपर उठा होता है आसपास की भूमि से लेकिन इसका जो ऊपरी भाग होता है वह सपाट होता है इस तरह से तो इसका मतलब क्या हो गया टेबल जो होती है उस तरह से सपाट होती है और यह है पठार कहलाता है इसकी ऊंचाई की बात यदि की जाए तो तीन मीटर से लेकर एक मीटर तक हो सकती है पठारी क्षेत्रों में आप सभी लोग जानते हैं हैं खनिज तेल नहीं पाए जाते कभी-कभी पठारी जो मैदान होते हैं नीचे भी होते हैं कभी कभी मतलब जो मैंने बताया 300 मीटर से भी यानी कि नीचे होते हैं समुद्र तल से काफी नीचे भी होते हैं जैसे कि आपका पीड़मांड का पठार ड का पठार जो कि आपका यूएसए में है अब ये नीचे कैसे हो सकता है कि मान लीजिए ये है आपका एक पर्वत है एक ये और एक ये दो, दो पर्वत श्रेणियों के बीच में एक बिल्कुल सपाट मैदान है टेबल की तरह इसको हम क्या कह देते हैं आ, अंदर गहराई में इसको हम पठार कहेंगे ठीक है चलिए ये पर्वतों से भी ऊंचे हो सकते हैं जैसे कि तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये पठार है जब इसकी औसत ऊंचाई कितनी है पाँच हजार मीटर ठीक है इसका मतलब पाँच हजार वो पाँच किलोमीटर ठीक है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि, कि किसी धरातल पर किसी भूखंड की ऐसी आकृति ऊंची आसपास के क्षेत्र से उठी ऐसी आकृति जिसका ऊपरी भाग या शिखर कैसा होता है मेज की तरह सपाट या बिल्कुल मतलब ऐसा होता है समतल होता है इसको हम पठार कहते हैं पठार आपका समुद्र तल से गहराई मतलब समुद्र तल से नीचा भी हो सकता है जैसे कि आपकी पीडमान पठार आपका यूएसए वाला और यह पहाड़ से भी ऊंचा हो सकता है जैसे कि आपका तिब्बत का पठार जो कि 5000 मीटर पाँच हजार मीटर पर स्थित है ठीक है और जैसे कि आपका तिब्बत का पठार जो है आप ये मत कहना कि तिब्बत का ही है तिब्बत का पठार हम उसको कहते हैं लेकिन तिब्बत का जो पठार है वह है कहां कहां फैला हुआ है तिब्बत में फैला हुआ है यानी कि चाइना वाले क्षेत्र में फैला हुआ है तिब्बत में जिसमें आपका ये यहां पर मैंने नाम लिख दिए हैं इसके बाद इंडिया में अगर बात की जाए भारत देश की बात की जाए तो लद्दाख लाहौत और स्पीति आपका तिब्बत का पठार में ही स्थित है पाकिस्तान की बात की जाए तो गिल के तौर तो बल्चिस्तान जो है पाकिस्तान के तिब्बत के पठार में ही स्थित है और नेपाल का जो उत्तरी भाग है वह तिब्बती पठार पर ही स्थित है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए पठारों के प्रकार को, प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं तो पटल सबसे पहला जो है पटल विरूपड़ीय पठार ठीक है पटल क्या होता है पटल मेज होता है यहाँ ऊपर उठा हुआ भाग होता है आप जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ ये ये आपकी चेयर चेयर के बाद यहाँ पर ये टेबल लगी हुई है तो मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ इस तरह तो खड़ा होने के बाद ये मैं जब इस पर कोई चीज रखूंगा तो मैं कहूँगा मैंने पटल पर रख दी ठीक है तो आस पास के क्षेत्र से क्या है ये ऊंचा है ठीक है तो आइए समझते हैं भू संचलन द्वारा जब धरातल का कुछ भाग ऊपर उठकर पठारों का रूप ले लेता है तो इसको हम पटल पठार कहते हैं जैसे कि तिब्बत का पठार दक्षिण भारत का पठार यानी कि आप लोगों को पता ही है आपका तिब्बत का पठार और ये दक्षिण भारत का यानी दक्कन प्लेट हम इसको कहते हैं दक्कन का पठार कैसे मैंने इसको बता देता हूं भू संचलन बल कौन से यानी कि पृथ्वी जो होती है उसके अंदर या आंतरिक जो बल होते हैं या आंतरिक जो प्रक्रियाएं होती हैं और आंतरिक जो बल लगते हैं उसके कारण क्या होते हैं जो क्षेत्र हो होता है उसमें बदलाव आ बदल जाता है और किन्हीं कारणों से तो वह केस का रूप ले लेती है, पठार का रूप ले लेती है पटल की तरह यानी कि ऊपरी भाग कैसा होना चाहिए टेबल की तरह सपाट होना चाहिए तो उसको हम पटल है, पठार है। जैसे कि आप लोगों को यह पता होगा कि तिब्बत का पठार का निर्माण कैसे हुआ था यहां पर जब मैं आप लोगों को भारत पढ़ाया था हिमालय के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि ये आपका एशिया वाला भाग था और ये भारत देश वाला भाग था यहाँ पर बीच में टैथिस सागर था ठीक है और नदियां जो आया करती थी इसमें टैथिस सागर में जो मलबा था यानी कि अफसाद था जो माल था उसमें क्या हुआ बलन पड़ गया था किस कारण से होता है ये आपकी एशिया वाली प्लेट और यूरेशिया वाली प्लेट और ये इंडिया वाली जो प्लेट थी यह ऊपर बढ़ जाती है यानी कि ऐसे करके आप देख सकते हैं ये एशिया वाली प्लेट और ये इंडिया वाली प्लेट ये क्या था ऊपर खिसकती है यानी कि उत्तर पूर्व की ओर जब बढ़ती है तो यह सागर वाला जो माल था उसमें बलन पड़ जाता है और बलन पड़ते-पड़ते-पड़ते-पड़ते क्या होता है हिमालय का पर्व हिमालय पर्वत बनता है और यहां का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है वह तिब्बत का पठार कहलाता है चलिए आगे बात करते हैं दूसरा है लावा का पठार लावा प्लेट्यू या बॉल्केनिक्लेट्यू हम इसको कह सकते हैं बेसाट लावा के नीचे पर से इसका निर्माण होता है इसका रंग काला होता है जैसे कि आपका दक्कन का पठार में यहां पर मैंने बताया का पठार लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया दक्कन का पठार और अमेरिका में एक पड़ता है कोलंबिया नामक एक राज्य उसी के पास एक पड़ता है कोलंबिया का पठार यहां पर देख सकते कोलंबिया का पठार और यह है आपका लावा का पठार ठीक है तो लावा बेसाट लावा से होता क्या है कि मैंने अभी बताया था कि जब ज्वालामुखी फटते हैं ज्वालामुखी फटने के बाद उनके अंदर

विश्व के प्रमुख पठार और उनकी विशेषताएं देख लेते हैं एक एक करके सबसे पहले देखते हैं तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है इसकी ऊंचाई कितनी है पाँच हजार मीटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तिब्बत का पठार यहाँ पर ये हिमालय है हिमालय के ठीक ऊपर है आपका कुल्लुन और कुल्लुन और हिमालय के बीच में एक पठार पड़ता है इसको हम कहते हैं तिब्बत का पठार ठीक है तो बिश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है इसकी ऊंचाई मैंने कितनी बताई पांच हजार मीटर यह पठार हिमालय तथा कुल्लुन के बीच में स्थित है इसमें कई सारी झीलें हैं इस पठार से सिंधु सतलज मेकांक जैसी नदियां निकलती है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूं यहां से मैंने क्या बताया यहां से आपका यारलिंग जा... जांगपो या सांगपो इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी इससे निकलती है आपकी सिंधु नदी निकलती है सतलज नदी निकलती है आपका यहां पर मैंने एक और नदी बताई थी जिसका नाम मैंने क्या बताया मेकांग नदी आपका इसी क्षेत्र से निकलती है चलिए आगे बात करते हैं अरब का पठार अरब का पठार यहां पर आप देख सकते हैं ये अरब वाला क्षेत्र है तो दक्षिण पश्चिमी एशिया दक्षिण पश्चिमी एशिया वाला कौन सा भाग है यह दक्षिण पश्चिमी एशिया यानी कि आप इस तरह से मान लीजिए यह आपका उत्तर यह है आपका दक्षिण यह है आपका पूर्व यह है आपका पश्चिम ठीक तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा यानी कि यह आपका पश्चिम वाला क्षेत्र और यह आपका दक्षिण वाला तो दक्षिण और पश्चिम वाला क्षेत्र बीच का क्या कहलाएगा दक्षिण दक्षिण और पश्चिम के बीच का क्या कहलाएगा दक्षिण पश्चिम तो एशिया का दक्षिण पश्चिमी जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं अरब का पठार इस क्षेत्र में स्थित है तो दक्षिण पश्चिम एशिया में यह स्थित है यह गोंडवाना लैंड का भाग है यह बहुत पुरानी चट्टानों से बना हुआ है यहाँ पर पानी के कमी के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वह रेगिस्तान में बदल गया है यानी काफी हद तक रेगिस्तान में बदल गया है यह अरबी प्रायद्वीप पर स्थित है

चलिए आगे बात करते हैं प्रादीपी पठार जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भारत देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कई सारे पठार हैं यानी कि प्रादीप पठार जो है वह कई छोटे छोटे पठारों में बांटा गया है तो यहां पर लिखा है डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल हाईलैंड एंड द कंप्लेटिव एंड छोटा नागपुर यानी कि जो प्लेटू है उसको यानी कि जो प्रायदीप पठार है उसको तीन से चार भागों में बांट दिया है वैसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है सबसे उत्तरी वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं सेंट्रल हाइन है यानी कि के, ए, ए, ये आपका उच्च भूमि इसको हम कहते हैं दूसरा है यहाँ पर दक्कन का पठार ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार तो आपका प्रायदीप्य पठार जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग है यह बहुत पुरानी चट्टानों से बना हुआ है इस पदार्थ में वो सॉरी इस पठार में खनिज पदार्थों का भंडार है यानी कि इन पठार इस पठार में क्या किसका भंडार है खनिज पदार्थों का भंडार है इस पठार इस पठार पर कई सारी नदियां बहती हैं इस इसलिए इस पठार को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया यानी कि इस पठार पर यानी प्लाइट दीपे जो पठार है उससे कई सारी नदियां निकलती हैं जब कई सारी नदियां निकलती हैं तो उस पठार को जगह जगह से काट दिया है इस कार से इस पठार को कई सारे भागों में बांट दिया गया है तो आइए समझते हैं एक एक करके तो प्रायदीप पठार को मैं भारत का जब भूगोल मैंने पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बता दिया था लेकिन यहाँ रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को हल्का सा बता देता हूँ यानी कि ऊपर ऊपर आप लोगों के इस पर तैरा देता हूँ तो चलो समझते हैं तो प्रायद्दीप पठार गोंडवाना लैंड का भाग है इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है किस तरह से यानी कि इस तरह से जाता है इस तरह से यहाँ से शुरू होता है इस तरह से ये ये इस तरह से ये इस तरह से तो इसकी आकृति किस तरह से है त्रिभुजाकार है यह अर राजस्थान वाले क्षेत्र से राजस्थान वाले क्षेत्र से शुरू होता है और यहाँ पर नीचे चलता चलाता चलता चलाता है और दक्षिण में यहाँ पर कन्याकुमारी तक 1700 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और पूर्व पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पर है गुजरात गुजरात में पश्चिम से यहाँ से शुरू होता है और चलते 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 यहाँ पर पहुँच जाता है पश्चिम बंगाल पश्चिमी पश्चिम बंगाल में लगभग चौदह किलोमीटर तक फैला हुआ है यानी कि कुल अगर इसका वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो आपका पठार सोलह लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी का भ्रंश इस पठार को दो असमान भागों में बांटता है।, भाग भाग है ठीक है प्रायदी पठार का विभाजन हम देख लेते हैं कैसे कैसे नदियों ने काट दिया और उसके आधार पर इसको किस तरह से बांटा गया है तो वैसे तो मुख्य रूप से तीन भागों में मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड इसके बाद दक्कन प्लेटी और यहां पर है छोटा नागपुर का पठार ठीक है यहाँ पर कोयला काफी मात्रा में पाया जाता है तो आइए समझते हैं तो सबसे पहले देखते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमिया ये मैंने बताया था सेंट्रल हाइडेड मध्य भूमि उच्च भूमियों के बारे में बात करते हैं तो इस वाले जो क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया गया है तो इसमें जो हमने शामिल किया है उसको देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अरावली के बारे में बात करेंगे अरावली को मैं बता चुका हूँ अरावली यहाँ पर है इसके बाद है पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि है उसके बाद मालवा का पठार यानी कि अरावली के ठीक नीचे आएंगे तो मालवा का पठार पड़ेगा उसके बाद बुंदेलखंड की उच्च भूमिया मालवा के पठार के ठीक पश्चिम में पूर्व की ओर बढ़ेंगे उत्तर पूर्व की ओर तो यहाँ पर एक पठार पड़ता पथा है उसको कहते हैं विन्द्याचल बघेलखंड का पठार ठीक है छोटा नागपुर का पठार आपका यहाँ देख ही सकते हैं आप लोग छोटा नागपुर का पठार इसके बाद मेघालय के पठार की अगर बात की जाए तो इस वाले क्षेत्र में यहां पर पड़ता है मेघालय का पठार ठीक क्या पड़ता है मेघालय का पठार जिसको हम शिलांग पठार के नाम से भी जानते हैं इसके बाद पठारों की पे बात की जाए ये तो उच्च हो गई पठारों बात की की बात जाए तो सतपुड़ा आप यहां पर देख सकते हैं पर ये है आपका विंध्यांचल विंध्यांचल के ठीक नीचे है आपका सतपुड़ा तो सतपुड़ा और इसके बाद महाराष्ट्र मा, का पठार महाराष्ट्र का पठार यहाँ पर दक्कन पिंडलेटि के अंतर्गत ही आता है इसके बाद महानदी बेसिन महानदी जिससे बहती है उसको हम कहते हैं महानदी बेसिन दंडकारण का पठार आपका जो दक्कन का पठार छोटा नागपुर का पठार उसके ठीक नीचे दंडकारण का पठार है आपका इसके बाद तेलंगाना और आंध का पठार कर्नाटक का पठार जो आपका महाराष्ट्र का पठार तेलंगाना God, का और आंध का पठार और कर्नाटक का पठार ये दक्कन के पठार के भाग हैं तमिलनाडु का पठार इसके बाद पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी ये वाला घाट है ठीक है इसके बाद पूर्वी घाट ये वाला है तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और उड़ीसा उच्च भूमि ठीक है तो ये हो गया आपका प्रायदी पठार का भाग इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं आपको भारत के भूगोल में ठीक है चलिए साथियों बात करते हैं मंगोलिया के पठार के बारे में तो उत्तर मध्य चीन यानी कि चीन और मंगोलिया और रूस में ये तीन क्षेत्रों में फैला हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं ये रूस वाला क्षेत्र ये मंगोलिया वाला क्षेत्र ये चीन वाला क्षेत्र यहाँ पर जो ये पठार है यह थोड़ा ऊबड़ खा खाबड़ है यानी कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं ऊंचा कहीं, कहीं नीचा है इस तरह की इसमें आकृतियां पाई जाती हैं यहाँ पर जल की बहुत कमी है इस कारण यहाँ का जो ज्यादातर भाग है वह कैसा हो गया रेगिस्तानी भाग हो गया है एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आप लोगों को जो मंगोलिया का पठार है मंगोलिया का पठार है मंगोलिया के पठार का भाग नहीं है गोभी मरुस्थल ठीक है ये गोभी का पठार जो है वो गोभी का जो रेगिस्तान है मैं मंगोलिया के पठार का भाग नहीं है चलिए आगे बात करते हैं अनातोनिया का पठार अनातोनिया का पठार है। यहां पर आप देख सकते हैं ये तुर्की वाला क्षेत्र है तुर्की में ये एक पठार है उसको हम कहते हैं अनातोनिया का पठार यानी कि तुर्की पॉन्टेक तथा टोरस पर्वत के बीच में नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं फिर भी हल्का सा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ये आपका यहाँ पर वैसे लिखा है पॉन्टीन और ये लिखा है ठीक है तो मैंने क्या बताया पोनटिक न हो तो पॉन्टीन आप तो तथा आपका पठार फैला हुआ है इसमें बहुत सारे खारे पानी की झीले है यानी खारे तथा तो मीठे जल की झीले निकलते हैं किससे आपका अनातोनिया का जो पठार है उससे इतना काफी है इसके लिए चलिए मुझे यहां पर लोकेशन दिखाना है इसलिए लेकिन एक दो शब्द बता दू तो ज्यादा अच्छा रहेगा बोलोविया का पठार देखते हैं बोलोविया का पठार ठीक है तो यह अंतर पर्वतीय पठार यानी कि पर्वत होता है पर्वत होता है पर्वत के ही अंदर एक पठार होता है उसको हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं तो यह है एक अंतर पर्वतीय पठार है और इसकी औसत ऊंचाई जो है इकतीस सौ मीटर है यहां पर देख सकते हैं ये चलिए आगे बात करते हैं <coughs> सॉरी चलिए बात करते हैं यूकॉन का पठार या अलास्का का पठार तो ये है आपका वो अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है इसमें यहाँ पर चले जाएंगे तो ये आपका कनाडा वाला क्षेत्र है के बाद यहाँ पर एक छोटा सा भाग है जो कि अमेरिका वाला ही है लेकिन ये पूरा तो भाग वैसे कनाडा का है लेकिन यहाँ पर एक उसका खुद का राज्य है जिसको हम अलास्का कहते हैं तो अलास्का में एक यहाँ पर अलास्का का यहाँ प्रायद्वीप है यहाँ पर देख सकते हैं अलास्का प्रायद्वीप ठीक है तो अलास्का प्रायद्वीप के पास में एक आपका पठार है उसको हम कहते हैं अलास्का या यूकॉन का पठार इसकी ढाल जो है पश्चिम की ओर है यानी कि ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम तो इसकी ढाल किस ओर है इस ओर पश्चिम की ओर है यह बहुत अधिक ठंडी जलवायु वाला पठार है कोलंबिया का पठार अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलंबिया का पठार ये इस तरह से यहाँ लंबा में फैला है इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैला हुआ है कोलंबिया का पठार ठीक है तो आइए हम इसको देख लेते हैं यह अंतर पर्वतीय पठार है जिस तरह से अभी बोलोविया का पठार बताया उसी तरह से भी अंतर पर्वतीय पठार है यानी कि पर्वत के अंदर इसका पठार है बना हुआ है इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है इसके बाद बात करते हैं ग्रीनलैंड का पठार तो ग्रीन का पठार यह वर्ष से ढका हुआ पठार है जो कि ग्रीनलैंड जो द्वीप है उस पर स्थित है ठीक है चलिए तो साथियों ये हो गया आपका पठारों के बारे में जो भी जानकारी थी जो प्रमुख प्रमुख पठार थे उनको मैप में दिखा दिया आप अपने मैप में बना सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं मैदानों के बारे में बात कर लेते हैं मैदान यानी कि प्लेन प्लेन एरोप्लेन वाला नहीं प्लेन है ठीक है चलिए देखते हैं मैदान समझते हैं मैदान क्या होता है मैदान ए जंग वाला मैदान ठीक है तो आइए समझते हैं मैदान तो धरातल पर निचले और समतल क्षेत्र को मैदान कहते हैं यानी कि पृथ्वी का धरातल है या भूट पर्पट्टी है वो नीचे क्षेत्र होता है समुद्र तल के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो बिल्कुल समतल होना चाहिए उसको हम क्या कह देते हैं मैदान कह देते हैं ठीक है यह ऊंचे नीचे हो सकते हैं यानी कि इतना ऊंचाने के पर्व पठार कहलाया इतना ऊंचा नहीं कि पर्वत कहलाए इतना ऊंचा नहीं कि पहाड़ी बन जाए बस हल्का पूरा है। क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है हमने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है हम जिसमें हस्तक्षेप करते हैं वो गुड़ गोबर कर देते हैं सब सब खत्म कर देते हैं जिसमें भी हस्तक्षेप करते हैं मैं बता भी चुका हूं कई बार बताता हूं कि इंसान जिस चीज में हस्तक्षेप कर दे वो चीज समाप्त हो जाती है चलिए समझते हैं तो मैंने क्या बताया यह ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं ऊंचाई के आधार पर देखा जाए यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि भैया मैदानों की थोड़ी ऊंचाई होनी चाहिए तो ऊंचाई के हिसाब से माना जाए तो मैदान जो है मैदान समुद्र तल से 500 फीट की ऊंचे भूभाग पर हो सकते हैं या कहें जो ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो मैदान समुद्र तल से 500 फीट या 150 मीटर ऊंचे भूभाग होते हैं मैदानों में तटीय तथा आंतरिक दोनों क्षेत्रों को या कहें दोनों को शामिल किया जा सकता है स्थल मंड के कुल क्षेत्र के 41 परसेंट भाग पर क्या है मैदान फैले हुए हैं विश्व की 90 परसेंट आबादी जो है इन 41 परसेंट भूभाग पर क्या करते हैं जो 90 परसेंट आबादी इकतालीस परसेंट जो भूभाग है उस पर रहते हैं ठीक है समझ आ गया तो आइए मैं फिर से समझा देता हूं कि धरातल पर जो समतल मैदान होते हैं उसको मैदान कहते हैं मैदान ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं ऊंचाई के हिसाब से अगर बात की जाए तो 150 150 मीटर मीटर ऊंचे ऊंचे या 500 फीट ऊंचे आपके मैदान कहलाते हैं मैदान तटी तथा स्थली दोनों को तटी जो मैदान होते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को जब भारत का भूगोल पढ़ाया तब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इस तरह से जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है यानी कि पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के बीच का जो भाग है उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं पूर्वी घाट पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच का जो भाग है उसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं तो ये तटीय मैदान को शामिल कर लिया गया और आंतरिक मैदान आप लोग जानते हैं जैसे उत्तर भारत का मैदान हो गया और उत्तर भारत के मैदान जैसे कि गंगा का मैदान सिंधु वाला मैदान ब्रह्मपत्र वाला मैदान तो इस तरह के तो आंतरिक वाले विभाग इसमें शामिल किए जाते हैं और तटीय क्षेत्र के जो मैदान होते हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जा सकता है स्थलखंड के यानी कि स्थलखंड यानी पूरी धरातल पर कितना परसेंट भूभाग है यानी कि पूरा जो पृथ्वी है उसमें कितना परसेंट पानी है उसमें सेवेंटी वन परसेंट पानी है उस सेवेंटी वन परसेंट के बाद जो भाग बचता है उसमें से मैंने अभी बताया था पर्वतों के बारे में तो मैंने बताया था कि ट्वेंटी सेवन परसेंट उसमें जो बचा भाग है उसमें से इकतालीस परसेंट क्या है मैदान है उसमें से यानी कि मैदान में पूरी पृथ्वी की जो नब्बे परसेंट जनसंख्या है वो इकतालीस परसेंट भाग पर रहती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं मैदानों के प्रकार देख लेते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं गिरिपद या जलोड़ मैदान गिरिपद या, या जलोर मैदान इसका निर्माण कैसे होता है गिरी मतलब पर्वत और पद मतलब या पाद मतलब होता है पैर यानी कि ऐसा पर्वत ऐसा क्षेत्र जो पर्वतों के पैरों पर हो यानी कि ऊंची चोटी होती ऐसे है ऐसे मैं आप लोगों को बता देता हूं ये मान लीजिए पर्वत है पर्वत ऐसे करके पर्वत जानते हैं ऊपर किसी ने उठाकर रखते हो है धरातल पर इसका कुछ भाग अंदर भी होता है ठीक है ऐसे होता है ना किसी ने उठा के रख तो दिया नहीं नहीं किसी ने बनाया कि से पहुंचा दिया है। तो पर्वत है इस तरह से नीचे जाता है और नीचे नीचे जाते जाते इसका जो कुछ भाग आ आ जाता जाता है 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 इस तरह से कम ठीक है। है? तो पहले तो बहुत होती है फिर कम नीचा हो जाता है तो ये वाला जो क्षेत्र है यानी कि ये पर्वत के पैर हो गए और ये हो गई शिखर मतलब सर हो गया तो पर्वत का जो पैर होता है या पर्वत के पैर वाले क्षेत्र या पाद वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम गिरिपद कहते हैं समझ में आ गया तो आइए समझते हैं तो जब नदियां अपने साथ जलोढ़ जलोड़ों के साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों को भाकर लाती हैं और पहाड़ियों के पादों पर जमा कर देती हैं इससे जो मैदान बनता है उसे या जलोढ़ मैदान कहते हैं भारत में ऐसे मैदानों को भाबर कहते हैं भाबर प्रदेश कहते हैं जो कि मैं आप लोगों को भारत का भूगोल जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था यानी कि फिर से मैं बता दे रहा हूं मैंने बताया कि मान लीजिए हिमालय क्षेत्र से जो नदियां हैं अपन निकलती हैं हिम नदियों से वहां से नदियां निकलती हैं और चलती चली जाती हैं चलती चली जाती हैं चलती चली जाती है ऐसे यहां पर आ जाती है ठीक है तो क्या करती हैं ये पहाड़ी को बड़े बड़े पत्थर काट लाती हैं बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर ले वो होता क्या है? कि जब बढ़ाल से से तो चले चले कम हो गया तो यहां पर इन्होंने क्या कर लिया जो पद होता है वहां पर इन पत्थरों को डाल लिया जब डाल लिया तो क्या किया इनने इन पत्थरों को जब डाल लिया तो वहां पर एक मैदान बन गया उवड़ मैदान बन गया जिसके बीच में क्या होता है यहां पर मैदानों मैदान तो बन गया

अफवा और प्रबणता के आधार पर विशाल मैदानों को कई भागों में बांटा गया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था भाबर तराई खादर और बांगर चार इस तरह के मैदान बताए थे ठीक है इनमें से मैंने आप लोगों को भावर पढ़ाया था उसके बारे में मैं यहाँ से हल्का सा रिवीजन रिविजन कराऊँ यह शिवालिक जो श्रीढ़ी मैंने बताई थी शिवालिक श्रेणी की तलहटी शिवालिक श्रेणी की तलहटी या गिरीपात के सहारे सिंधु से तिस्ता नदी तक फैला हुआ है यानी कि सिंधु नदी है यहाँ पर ये सिंधु नदी है और ये आपका तिस्ता नदी है ठीक है ये सिंधु नदी और तिस्ता नदी के बीच वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है भावर का प्रदेश कहलाता है यानी कि भावर प्रदेश कहलाता है गिरिपात पर स्थित होने के कारण कृपात पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर बजरी बालू लाकर जमा कर देती हैं जिससे यह नदी होती है पारगम्य हो जाती है पारगम चट्टानों का निर्माण होता है पारगम चट्टानों मतलब ऐसी चट्टान जिसके अंदर आर पार चला जाए जल तो चट्टान जो जल होता है वो इनके अंदर घुस जाता है यानी कि पारगम्य होने के कारण इनके अंदर यानी कि भूमिगत हो जाता है जल इसी कारण इस इसी कारण कई नदियां इस क्षेत्र में भूमिगत होकर गायब हो जाती हैं और यह जो क्षेत्र होता है वह कृषि की योग्य नहीं होता है कैसे उपयोगी नहीं होता इसकी चौड़ाई की अगर बात कर ली जाए तो जो शिवालिक श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी में जो फैला हुआ है इसकी चौड़ाई है ऊपर से नीचे की अगर बात की जाए तो आठ से छब्बीस किलोमीटर तक आठ से छब्बीस नहीं आठ से छब्बीस किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं डेल्टा के मैदान के बारे में पहले तो आप लोग जानते होंगे डेल्टा होता क्या है डेल्टा होता है नदी का महाना कैसे होता है त्रिभुजा कार आकृति बनाता है यानी कि डेल्टा आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा करके इसमें देखा हो तो ये ग्रीक अक्षर है यानी कि ग्रीक में एक आता है डेल्टा तो डेल्टा की जो आकृति बनाता है यानी कि जो नदी का महाना जब डेल्टा की आकृति बना है उसको क्या कहते हैं डेल्टा कहते हैं ठीक है थीके? ये नदी का महाना होता है नदी अपना सारा माल कहां कर देती है अपने मुहाने पर जमा कर देती है क्योंकि डाल जब इसका कम हो जाता है तो ये आगे ले जाने की इसमें क्षमता नहीं होती है तो मिट्टी को अपने मुहाने पर ही रख लेती है ठीक है तो मैंने क्या बताया कि नदी जब ये मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है यानी कि हिमालय क्षेत्र है नदी अपने पर्वतीय क्षेत्र से जब नदियां लेकर आती हैं तो ढाल के सारे आती 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 ये आती हैं वो अपने मुहाने तक जब पहुंचती हैं तो इनके मुहाने तक क्या होता है ढाल बिल्कुल मंद हो जाता है इस कार जो ये अपना सारा माल लेकर आई है यानी कि मिट्टी कंकड़ पत्थर वालू कूड़ा कचरा क्योंकि हम भी तो योगदान करते हैं ना हम तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं कहीं ना कहीं कर योगदान करने के लिए तो हम सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं हम क्या करते हैं उसमें गोबर डालते हैं अपना इंसानों वाला भी डालते हैं जानवरों वाला भी डालते हैं कभी जानवर पर उसमें ख़त्म हो गया तो वो भी हम उसमें डाल देते हैं कभी क्या होता है हम जैसे मैं ही मान लू मैं ख़त्म हो जाता हूँ तो मैंने मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा करना बेटा मुझे गंगा के किनारे ले जाना तो मुझे गंगा में डाल दिया जाके पूरा पूरा मतलब बिना किसी उसके कभी कभी लोग क्या करते हैं फैक्ट्री किनारे बना लेते हैं तो वो भी अपनी सारी गंदगी डालते हैं तो इस तरह से क्या होता है उसमें जो गंदगी वगैरह जो कुछ भी होता है वो अपने मुहाने तक लाकर जमा कर लेती है मुहाने के वहाँ पर नहाने पर लाकर जमा कर लेती है तो इस तरह की आकृति बन जाती है डेल्टा नुमा एक आकृति बन जाती है और ये जो धारा है पीली पीली कलर की ये तो आपकी मान लीजिए नदी की धारा है उसके बीच में जो खाली जगह है ये इसका माल है यानी कि जो जलोड़ निक्षेप है यानी कि अवसाद है ये ऊंचा हो जाता है जब ऊंचा हो जाता है तो इससे मैदानों का निर्माण हो जाता है उसको हम कहते हैं जलोड़ निक्षेपों का मैदान जिसको हम डेल्टा कहते हैं सॉरी जिसको हम डेल्टा का मैदान कहते हैं तो जब नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं और उससे जिस मैदान का निर्माण होता है उसे डेल्टा का मैदान कहते हैं जैसे कि गंगा सिंधु नदी का मुहाने पर नील नदी के मुहाने पर ठीक है समझ आ गया आपके इस तरह के डेल्टाई मैदान मिलते हैं चलिए लाबा का मैदान के बारे में बात करते हैं ज्वालामुखी फटता है अंदर से माल निकलता है तो जब ज्वालामुखी फटा और निचले भाग से जब जो माल निकला यानी कि लाबा निकला मेघवा निकला और ठंडा होकर क्या हुआ एक चादर के रूप में फैल गया यानी कि मैंने बताया कि ये जो आपका ज्वालामुखी है ये वाला ज्वालामुखी कहां पर है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से तो ये आपका यहां पर ज्वालामुखी है ये आपका यहां पर ज्वालामुखी है ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे क्या निकला लावा निकला यहां से बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ, हुआ आया निचले क्षेत्र में क्या हुआ ये इस तरह से बह गया यानी कि ये इस तरह से क्या किया जम गया जिस तरह से बर्फी जमती है लौकी की बर्फी खोए की बर्फी इस तरह से लौकी और खोए की बर्फी की तरह क्या हुआ ये जम गया ठीक जो जम गया फिर दूसरी परत आई फिर इसके ऊपर जम गई तो इससे क्या हुआ कि एक मैदान का निर्माण हो गया समतल मैदान का निर्माण हो गया किससे लावा के निक्षेपों से जब लावा के से या ज्वालामुखी पड़ता है तो उसमें से जो लावा निकलता है जो माल निकलता है उसकी एक चादर फैल जाती है और इस चादर के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसको हम लावा का मैदान कहते हैं तो चलिए समझते हैं आगे पवन द्वारा निक्षेपित मैदान पवन मतलब हवा हवा समझ रहे हैं ना चलिए जिसको अंग्रेजों की भाषा में बिंड कहते हैं नहीं हो तो तो अब समझ में में आ गया होगा क्योंकि भारत देश अंग्रेज कुछ ज्यादा हो गए हैं तो समझते हैं देखते हैं पवन द्वारा निक्षेपित मैदान तो इसमें रेगिस्तानों के मैदान भी शामिल किए जाते हैं यानी कि जो रेगिस्तान के मैदान होते हैं रेगिस्तान मान लीजिए आपका थार का है सारा का है वो उसको नहीं शामिल कर रहे हैं रेगिस्तान का मैदान नहीं रेगिस्तान के मैदान यानी कि रेगिस्तान के अंदर जो मैदान बन जाते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है तो जब रेगिस्तान में हवाएं रेत को उड़ाकर दूसरी जगह जमा कर देती हैं तो उससे एक मैदान का निर्माण होता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम पवन द्वारा निक्षेपित मैदान कहते हैं क्योंकि मैंने क्या बताया मान लीजिए कोई रेगिस्तान है वहां की जो बालू है या फिर जो रेत है उसको उड़ाकर दूसरी जगह ले गई तो उससे क्या हुआ एक मैदान का निर्माण हुआ इससे क्या हुआ उसको हमने पवन द्वारा निक्षेपित मैदान कहा यह मैदान अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में यानी कि सहारा के रेगिस्तान में भारत देश के थार के मैं आप लोगों को दिखा दूं यहां पर भारत देश है भारत देश का यहां पर ये भारतीय महामरुस्थल ठीक है भारत का महामरुस्थल यानी कि भारत देश का ये मरुस्थल है भारत देश में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है ये आपका सारा वाला अफ्रीका महाद्वीप का यहां पर देख सकते हैं चलिए तो आगे बात करते हैं लोयस के मैदान क्या होते हैं लोएस लोएस के मैदान कैसे होते हैं है? इसको हम समझते हैं इसका निर्माण भी इसी तरह से होता है यानी पवन निक्षेपित मैदान पवन द्वारा जो निक्षेपित मैदान हो तो होता, होता है इसका भी निर्माण होता है लेकिन इसकी थोड़ी प्रक्रिया अलग होती है इसका निर्माण इसी तरह से होता है लेकिन रेगिस्तान से दूर कहीं जाकर बनता है चीन का लोयस का मैदान का निर्माण मध्य एशिया के मरुस्थल से लाई गई रेत से हुआ है आइए समझते हैं इसको कैसे निर्माण होता है मैंने बताया पवन द्वारा निक्षेपित मैदान कैसे बनता है इसको मैंने पीछे भी बताया मैंने बताया था पवन द्वारा कैसे कि मान लीजिए कोई रेगिस्तान है रेगिस्तान की मिट्टी जब

ठीक है तो रेगिस्तान से या फिर मान लीजिए जो रेत है रेत जो हुई आपके पाकिस्तान को पूरा दबा दिया यानी कि पूरा पाकिस्तान के ऊपर रेती रेत आ गई तो उससे एक मैदान का निर्माण हो गई कि थार से अलग है यानी कि रेगिस्तान से रेगिस्तान से कभी दो सौ तीन सौ चार सौ किलोमीटर दूर ये रेत चली गई है तो रेगिस्तान से दूर बनते हैं

आपका मध्य एशिया के मरुस्थल से लाई गई रेत से हुआ है चलिए चलिए हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदानों के बारे में बात कर लेते हैं हिमानी क्या होता है हिमानी को मतलब ग्लेशियर्स या हिमनद ठीक है तो आइए समझते हैं हिमनद या हिमानी द्वारा लाए गए मलबे से जमा करने पर इसका निर्माण होता है यह उत्तरी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में फैले हुए हैं क्योंकि अभी भारत देश में तो इतनी हिमानी है नहीं और हिमानी आती है तो वो नीचे क्षेत्र में जब आती हैं तो क्या करती हैं पानी बनकर नीचे आ जाती हैं लेकिन ये क्षेत्र जो है आपका यूरोप वाला और उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है यहाँ पर इनका निर्माण बहुत सारा हुआ है चलिए आगे बात करते हैं ज्यादा नहीं जरूरत है इसमें जाना भारत के मैदान तथा तो उनकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में हल्का से जान लेते हैं क्योंकि भारत देश के मैदान है उनका निर्माण कैसे हुआ और किस तरह से कहाँ कहाँ कौन से मैदान फैले हो ये तो मैं भारत के भूगोल में पता चुका हूँ इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें तो आइए देखते हैं भारत का विशाल मैदान जिसको हम क्या कहते हैं भारत का विशाल मैदान इसका किससे निर्माण हुआ है

सिंधु नदी के जो अपसादी जहाँ से हुआ है लद्दाख का मैदान हिमानीकृत मैदान है यानी कि लद्दाख वाला जो क्षेत्र है क्योंकि ऊपरी क्षेत्र तो यहाँ पर क्या हुआ है हिमानी द्वारा मैदान कश्मीर का जो मैदान जो है उसको हम झीलकृत मैदान कहते थे हैं ठीक है तो इतना काफ़ी है चलिए आगे बात करते हैं जूम करके मैं आप लोगों को हल्का सा नज़र डॉवा देता हूँ ये यह आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका लद्दाख श्रेणी वाला क्षेत्र यहीं पर है लद्दाख ठीक है ये आपका कश्मीर वाला क्षेत्र इतना काफ़ी है बाकी आप इंडियन जोग्राफी में पढ़ सकते हैं चलिए मैदान तथा उसकी अवस्थिति के बारे में हम खास देख लेते हैं विश्व की ठीक <coughs> सॉरी सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट प्लेन जो कि यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है बृहत मैदान यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी भाषा में यहाँ पर देख सकते हैं बृहत मैदान यूएस यूएसए है नीचे और कनाडा है ऊपर तो यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में ये फैला हुआ है कौन सा ग्रेट प्लेन दूसरे नंबर पर है पैटा गोनिया है पैंटागोनिया यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंटो गोनिया जो कि यह आपका दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में है दक्षिण दच, अमे, अमेरिका महाद्वीप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में नंबर तीन पर आता है आपका पंपास का मैदान पंपास का मैदान जो कि दक्षिण अमेरिका का ही भाग है यहां पर आप देख सकते हैं जब घास के मैदान पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी जानेंगे अलग से ठीक है इसके बाद सहारा का मैदान कहाँ पर है अफ्रीका के मैदान में ये आपका सहारा सारा में मैंने बताया था रेत द्वारा स्थिलाकृतियाँ बना दी जाती हैं कुछ उसको हम क्या कहते हैं मैदान कहते हैं तो सारा में भी कुछ मैदान है उसको हम क्या कहते हैं सहारा का मैदान सिंधु का मैदान भारत पाक सीमा पर वो भारत और पाकिस्तान में क्योंकि सिंधु नदी द्वारा बनाया गया मैदान बेसू तो पूरा जो मैदान है इंडो गंगा मैदान ठीक है और ब्रह्मपुत्र को भी शामिल कर लिया जाता है इंडो गंगा और ब्रह्म तीनों को मिलाकर जो मैदान का मैदान का निर्माण होता है उसको ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कहते हैं ठीक है तो सिंधु और गंगा का मैदान के बारे में बात की जाए तो भारत और पाक वो भारत ठीक है और सिंधु का मैदान की बात की जाए तो भारत और पाक दोनों ठीक है ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत और बांग्लादेश में क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश और भारत अरब का मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर ये यह अरब प्रायद्वीप है यहीं पर पड़ता है अरब का मैदान यानी कि सऊदी अरब वाले क्षेत्र में पश्चिमी साइबेरिया का मैदान रूस वाले क्षेत्र में यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी साइबेरिया का मैदान ये आप देख सकते हैं तो एक बार मैं फिर से मैप में दिखा दे रहा हूँ रूस वाले क्षेत्र में पश्चिमी साइबेरिया का मैदान ठीक यूरोप का मैदान जो कि यूरोप महाद्वीप में है इसके बाद इंडो गंगा का मैदान यानी कि भारत इंडो और गंगा के मैदान की बात की जाए तो भारत वो भारत और पाकिस्तान में है गंगा ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो बांग्लादेश और भारत में है अरब मैदान की बात की जाए तो अरब प्रायद्वीप में है जो कि यहाँ पर पड़ता है आपका ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सऊदी अरब वाला क्षेत्र इसके बाद सहारा की बात की जाए तो आपका आ, 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 आपका ये है आपका सारा मतलब अफ्रीका मादी में ठीक है इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप पेटा या पेंटे गोनिया पंपास ठीक यहाँ पर देख सकते हैं बरज मैदान या ग्रेट प्लेट चलिए अन्य मैदानों के बारे में भी हल्का सा देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं अमेजन का मैदान अमेजॉन की बात नहीं हो रही है अमेजन अलग है बो सामान और चूड़ी और बो है कंगन ये अमेजन नदी है अमेजन नदी ठीक है तो अमेजन नदी के बारे में अगर बात की जाए तो मैं आप लोगों को दूर ले चलता हूँ अमेरिका में ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं अमेजन नदी का माना इस तरह से बहती हुई आती है और ये यहाँ से निकलती है ठीक है तो ये अमेजन नदी का माना यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में ये यहाँ पर मैंने जूम करके यहाँ पर ये ब्राजील ये इस तरह से यहाँ पर आज के आस पास के क्षेत्र बेनिजेला कोलंबिया गुआना यहाँ पर ओबोलिबिया इस तरह से यहाँ पर पेरू तो इसके बीच का जो भाग है इसको हम क्या कहते क्या हैं अमेजन नदी का मैदान कहते हैं जो कि कहां पर है दक्षिण अमेरिका में नील नदी के बात की जाए तो नील नदी का महाना है मिस्र और अफ्रीका में अफ्रीका का जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका एक देश है क्या कहते क्या हैं उसको मिस्र यानी कि इस तरह से बहती हुई आती है ये 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 इस तरह से कहाँ गिर जाती है ये सागर में अपना जल गिरा देती है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकलती है ये इथियोपिया उच्च भूमि और ये नील नदी यहाँ पर गिर जाती है ठीक है यहाँ पर नील नदी का महाना बनता है उत्तर पश्चिम चीन की बात की जाए तो ये लोएस का मैदान है जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को ही दिया था पेरिस बेसन अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये पेरिस बेसन ठीक है चलिए आगे बात करते हैं संपराय के मैदान अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि संपराय के मैदान होता क्या है कि एक ऐसा मैदान जिसमें चट्टानी टीले या शिखर नहीं पाए जाते हैं इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा अपरद करके लाए गए निचेपों द्वारा किया जाता है इसलिए इसमें एक भी पर्वत नहीं पाया जाता है यानी जब नदियां समुद्र तल को प्राप्त कर लेती हैं तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही एक संप्राय मैदान बन जाता है छोटा नागपुर का पठार है उसका एक भाग है जिसको हम कहते हैं रांची का पठार रांची का पठार संप्राय मैदान का ही एक उदाहरण है मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या बताया पेरिस का मैदान जो बताया था पेरिस बेसिन जो है मैं हाल के इस पर से समझा देता हूँ मैंने बताया कि जो नदियाँ होती हैं वो अपना जो घाटी है अपना जो क्षेत्र है जिससे वो बहती हैं उसको काट काट कर क्या करती हैं समुद्र तल के बराबर कर लेती हैं फिर क्या करती हैं अपना जो पूरा क्षेत्र होता है उसको संप्राय मैदान में ही बदल देती हैं तो वो क्या करती हैं अपने नक्षेपोंदार ऐसे मान लीजिए नदी क्या है ऊपर से काट काट कर काट काट कर चूरन करके लाती हैं पहाड़ी पर्वत जो भी चीज मिलती है उसे काट काट कर लाती हैं और आसपास के क्षेत्रों में बिछा देती हैं तो मिट्टी कैसी होती है महीन 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 ही तो होती है और ज़्यादा से ज्यादा इतना बड़ा उसमें कंकड़ हो सकता है ठीक है तो महीन जो मिट्टी होती है जब आसपास के क्षेत्रों में बिछा देती है तो उससे मैदान कैसे बनेगा एक समतल मैदान बनेगा जिसमें बिल्कुल भी पर्वत नहीं होंगे क्योंकि पर्वत का तो निर्माण होता है ना तो ये कहाँ से पर्वत का निर्माण कर लेंगी तो इन्हीं ऊंचाई पर तो चढ़ेंगी नहीं पर्वत से नीचे की ओर आती है हमेशा नदियाँ कभी भी पर्वत पर नहीं चढ़ती हैं ये नहीं कि हेलमेट वगैरह लगाया और नदियां पर्वत पे चढ़ जाए ऐसा नहीं पर्वत से नीचे की ओर आती हैं तो आसपास के क्षेत्र में क्या उन्होंने बना दिया है मैदान बनिया बना दिया है अपने जलोड़ ये हमेशा समुद्र तट के किनारे होते हैं कैसे होते हैं समुद्र तट के किनारे होते हैं डेल्टा अलग होता है ये अलग होता है ठीक है तो साथियों ये हो गया आपका मैदानों के बारे में जो प्रमुख मैदान थे ठीक है डिटेल में काफ़ी डिटेल ये भी हो गई है इतनी डिटेल में काफ़ी है और जब हम लोग बाद में जब बर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे डिटेल में इतना डिटेल में कि शायद आपको बुक में भी ना मिले चलिए तो आगे बढ़ते हैं चलिए साथियों बात करते हैं आइसलैंड के बारे में आइसलैंड मतलब द्वीप द्वीप बोलते हैं द्वीप द्वीप नहीं होता है ठीक है चलिए चलिए तो देखते हैं दीपों के बारे में हल्का सा देख लेते हैं समझ लेते हैं दीपों को दीप खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चार ओर पानी होता है अब आप ये कहेंगे कि ग्रीनलैंड के चार ओर पानी का है भैया ग्रीनलैंड के चार ओर पानी तो है बर्फ भी तो पानी की ही बनती है बर्फ कौन सी चाय की बनती है बर्फ भी पानी की ही बनती है तो वो जो पानी था वो बर्फ के रूप में जम गया है समझ आ रहा ना तो चलिए वो हम ग्रीनलैंड को समझेंगे आगे तो चलिए तो देखते हैं दीपों के हल्के से प्रकार देख लेते हैं सबसे पहला है निक्षेपित जनित जी दीप निक्षेप जनित निक्षेप क्या होता है अवसादी निक्षेप अवसाद जनित माल जनित यानी कि जो नदियां होती हैं अपना माल लेकर आती हैं वो कहीं जमा कर देती हैं तो निक्षेप जनित तो आइए समझते हैं कैसे क्या नदियां हिम नदियों द्वारा सागरी लहरों के साथ अपने साथ जो निक्षेप लाकर जमा कर देती हैं उन्हें अलग अलग प्रकार से दीपों का उससे अलग अलग प्रकार के दीपों का निर्माण होता है मैं फिर से बता देता हूँ कि नदियां जो होती हैं ऊपर हिम नदियों से क्या करती हैं निकलती हैं नदियों से जब नदियां निकलती हैं तो वहां से अपने पहाड़ी क्षेत्रों में बहती 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 निचले क्षेत्र में आती हैं और जब उनका जो ढाल होता है वो बहुत मंद हो जाता है तो उनके अंदर जो माल होता है अरे यार ऐसे मान लीजिए आप खाते 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 इतने मोटे हो जाते हैं कि ससुर का अपना खुद का वजन भी नहीं साथ के ले के जा पाते हैं तो क्या सोचते हैं कि आप उसको कहीं छोड़ जाए लेकिन शरीर की बात है तो वो छोड़ नहीं सकते ना लेकिन नदियां क्या हैं नदियों का जो भाग होता है वो इतना माल इकट्ठा कर लेती हैं यानी कि इन पर भी इतना मोटापा आ जाता है आखिर में स्थिति ये आ जाती है कि बिल्कुल ढाल मंद हो जाता है इसके कारण जो नदियां होती हैं अपना माल ही दूर तक नहीं ले जा पाती इसलिए वो अपने माल को क्या करती हैं अपने ही मार्ग में रख लेती हैं यानी मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है और ऊपर से लेकर आई है माल या अवसाद वगैरह जो भी लेके आई और स्थिति ये आ गई कि उसमें इतना माल आ गया कि उसने अपना खुद का ही रास्ता रोक दिया अपने खुद के में ही डाल दिया यानी कि खुद की जमीन धस गई इतना माल हो गया वो अब नदिया भैया पानी जा ही रही है तो पानी कहीं तो कहीं तो जाएगा तो भैया नदी ने क्या किया कि भैया रास्ता रोक गया थोड़ी बहुत देर इंतजार किया शायद चढ़ पाए चढ़ पाए नहीं चढ़ पाएं उनने बगल से निकलना शुरू कर दिया ठीक अब फिर दूसरी न... वही धारा चलती चली आ रही चलती चली, चली आ रही है फिर आगे बढ़ी और इस तरह से ये जो बीच का मैदान था क्या बन गया द्वीप के रूप में उभरे आया समझ में आ गया तो आइए समझते हैं तो मैंने क्या बताया नदियों द्वारा लाए गए सागरी लहरों के द्वारा अपने साथ जो निक्षेप लाकर जमा करती हैं उससे अलग अलग प्रकार के द्वीपों का निर्माण होता है जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी में आप लोगों को मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा निक्षेप होने के कारण जब निक्षेप में इतना वजन हो गया कि वह अपना निक्षेप आगे तक नहीं ले जा सकी नदी तो इसने क्या किया अपने ही अपने ही मार्ग में वह निक्षेप डाल दिया और फिर वह नदी दूसरी धारा बनाकर दूसरी जगह से निकल गई ठीक है तो यहाँ पर एक दीप का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं माजुली दीप इसे हम नदी दीप कहते हैं विश्व का पहला नदी दीप है जो कि माजुली दीप है ठीक है माजुली दीप दूसरा है गंगा सागर दीप यह है हुगली नदी हुगली नदी के ठीक मुहाने पर एक दीप है इसको हम कहते हैं गंगा सागर दीप क्योंकि आप लोगों को पता है कि, कि जो गंगा नदी होती है गंगा नदी के मुहाने पर वो सॉरी गंगा नदी जो होती है गंगा नदी इस तरह से बहती हुई जाती है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है लेकिन गंगा नदी की एक धारा होती है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और उसे उगली नदी के नाम से जाना जाता है हुगली नदी जिस जगह अपना महाना बताती है उसी के महान पर ही एक द्वीप है इसको हम कहते हैं गंगा सागर द्वीप यहां पर आप देख सकते हैं गंगा सागर द्वीप इसके बाद तीसरा जो प्रमुख है उसको हम कहते हैं न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के माह पर है इस पर विवाद रहता है भारत और भारत और बांग्लादेश का ये यहां पर देख सकते हैं भारत देश द्वीप ठीक है न्यू मूर द्वीप गंगा नदी के महान पर बांग्लादेश कहता है ये मेरा है और ये भारत कहता है ये मेरा बच्चा है लेकिन अभी किसका बच्चा है इसके बारे में विवाद बना ही रहता है ठीक है चलिए चलिए ज्वालामुखी द्वीपों के बारे में बात करते हैं ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण कैसे होता है जब महासागरों के कटकों ये जो कटक शब्द इस्तेमाल हुआ है इसको हम रिज भी कह देते हैं इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे जब महासागरों के बारे में बात करेंगे तो बस इतना काफ़ी है कटक समझ लें बस दिमाग में बसा लें कि इसका आगे जाके हमें निराकरण करना है चलिए महासागर के महासागरों के कटकों के सारे लावा का विशाल निक्षेप समुद्री जल से ऊपर आकर सतह पर जमा हो जाता है इससे दीपों का निर्माण होता है समझाता हूँ साधारण भाषा में बिल्कुल मैंने बताया कि जो महासागर होते हैं मान लीजिए गहरे गहरे महासागर होते हैं और चलते रहते हैं चलते रहते हैं वो अपना कार्य करता रह करता है लेकिन होता क्या है उसके महासागरों के अंदर कुछ आकृतियाँ होती हैं जिस तरह से धरातल पर आकृतियाँ हैं कहीं पहाड़ कहीं पर्वत कहीं ज्वालामुखी कहीं कुछ तो कहीं कुछ इसी तरह से ही अंदर यानी महासागरों के अंदर भी अलग अलग तरह की आकृतियां होती हैं, उन्हीं में से आप लोगों को मैंने बताया कटक होता है तो अगर मान लीजिए अंदर ही अंदर क्या है कोई ज्वालामुखी है कोई ज्वालामुखी है ज्वालामुखी क्या, क्या हुआ गलती से वो अंदर ही अंदर फट गया और फटते फटते क्या हुआ लागा लावा जो है समुद्र से बाहर निकल आया बाहर निकलाया सतह पर दिखने लगा जब सतह पर निकलने दिखने लगा तो उसने क्या किया एक दीप का रूप ले लिया या कहें एक स्थलखंड बन गया इतना ऊंचा था क्योंकि ये अंदर तक है इस तरह से अंदर तक है लेकिन जब इसमें विस्फोट वगैरह हुआ अंदर ही अंदर तो इसका जो माल या लावा था वो बाहर निकल आया तो बाहर जब आया तो एक दीपनुमा आकृति बन गई इसी को हमने क्या कहा ज्वालामुखी दीप जैसे कि आपका जो बैरन द्वीप है बैरन बारंग इसको हम कह सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे कह सकते हैं तो जो बैरन दीप है और नारकोंडम दीप है इसको कौन लेके आया इसको कौन लेके आया कोई नहीं लेके आया भैया ये पृथ्वी के अंदर जो गर्भ में आकर गर्भ मतलब पेट में पेट मतलब अंदर नीचे तो पृथ्वी का समुद्र है समुद्री क्षेत्र है वहां पर क्या होगा ज्वालामुखी होगा ज्वालामुखी होता क्या ज्वालामुखी कैसे बनते हैं मैंने बताया था ज्वालामुखी या भूकंप आने वाले जो क्षेत्र तो वो होते हैं जो आ, दो प्लेटें मिलती हैं, दो प्लेटें मिलती हैं या दूर जाती हैं तब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं होती हैं तो ज्वालामुखी क्या होता है दो पर्यटक जब दूर जा रही होंगी तो किसी गाड़ से क्या है ज्वालामुखी का जो अंदर का जो माल होगा वो एकदम ऊपर उठाया यानी कि जो ऊपरी परत जो होती है वो हल्की पड़ जाती है क्योंकि दो पर्यटन जब इधर उधर जाती हैं तो ऊपरी परत जो होती है हल्की पड़ जाती है वैसे ही जो इसके अंदर का माल होता है ऊपर आ जाता है जैसे ये लावा ऊपर आया समुद्री सतह पर उसी तरह से ज्वालामुखी नामक एक दीप बन जाता है यानी कि इस दीप की आकृति ले लेता है इसी को हम ज्वालामुखी द्वारा निर्मित दीप कहते हैं जैसे कि आपका बैरन दीप और नारकोंडम दीप चलिए विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में बात करते हैं सबको हल्का हल्का देख लेते हैं जो प्रमुख है ग्रीन लैंड मैंने आप लोगों को बताया था आर्कटिक महासागर में स्थित है यहाँ पर ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है डेनमार्क के अंडर में है ये ठीक है यहाँ पर वैसे पानी नहीं है लेकिन पानी था वो बर्फ़ में बदल गया है ठीक है यहाँ पर मेडागास्कर की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं हिंद महासागर में है वैफिन द्वीप की बात की जाए तो उत्तरी ध्रुवी महासागर में है यहाँ पर देख सकते हैं वैफिन ठीक है बेफिन द्वीप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी ध्रुवीय महासागर है इसके बाद ब्रिटेन की बात की जाए ब्रिटेन भी एक द्वीप है ये आपका अटलांटिक महासागर में है इसके बाद श्रीलंका द्वीप की बात की जाए तो ये हिंद महासागर में यहाँ पर आप श्रीलंका देख, देख सकते हैं वैसे मालदीप भी यहीं पर है चलिए वो भी हम देख लेंगे एक एक करके न्यू गिनी द्वीप की बात की जाए तो प्रशांत महासागर में है न्यू गिनी द्वीप यहाँ पर आप देख सकते हैं पपुआ न्यू गिनी ठीक है यहाँ पर ठीक है इसके बाद बोर्निया द्वीप जो है हिंद महासागर में ही है कहां पर है हिंद महासागर हिंद महासागर आपका इसमें दिख रहा है ये मैं जूब कर दूं जूम कर दूं द्वीप ठीक है ये है इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है इसी में यहाँ पर एक स्थित है इसको हम क्या कह, क्या कहते हैं बोर्निया द्वीप ठीक ये है बोर्निया द्वीप ठीक है तो बोर्निया द्वीप हिंद महासागर वाले क्षेत्र में है सुमात्रा द्वीप यही है आपका मैं जूम कर देता हूँ ये सुमात्रा द्वीप यहाँ पर ही है जावा द्वीप यहीं पर है तो सुमात्रा हिंद महासागर नहीं है हॉन्सू की अगर बात की जाए तो मैं आप लोगों के जब जापान के बारे में बताऊंगा तब मैंने आपको उनको बताऊंगा कि जापान चार दीपों के रूप में फैला हुआ है जिसमें एक दीप है उसको हम कहते हैं हनसुद्वीप हंसुद्वीप जापान का सबसे बड़ा दीप है यहां पर देख सकते हैं हनसु ये है हैकेडो ठीक है चलिए तो हंसुद्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है दक्षिणी न्यूजीलैंड दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप की अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर में ही है यह आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप यहाँ पर ये ठीक है न्यूजीलैंड इसका दक्षिण जीत भरे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ये न्यूजीलैंड फैला हुआ है ये इसका दक्षिण वाला क्षेत्र ये उत्तर वाला क्षेत्र दोनों दीप ऐसे तो है तो न्यूजीलैंड के ही भाग और ये प्रशांत महासागर में आप न्यूजीलैंड का पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी दोनों जोड़ना चाहते हो जोड़ लें लेकिन ज़्यादा डीप पर नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं चलिए तो दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप कहाँ पर है प्रशांत महासागर में उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप प्रशांत महासागर में जावा द्वीप मैंने बताए थे यहाँ पर प्रशांत वो हिंद महासागर में स्थित है ये यहाँ पर ये जावा चलिए यह हो गया दीपों के बारे में जो भी जानकारी थी इसका निर्माण कैसे होता है कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रमुख दीप हैं चलिए आगे बात करते हैं लेक यानी कि भारतीय भाषा में इसको कहते हैं झील चलिए गाना भी बनाए जरा झील झील जरा झील झील ऐसे कुछ गाना बनाएं तो वही झील है ये जो गाने में आती है झील वही ठीक है चलिए देखते हैं तो धरातल के ऐसे बड़े गड्ढे होते हैं जो कि पानी से भर जाते हैं ये नहीं कि आपने घर में पीछे गड्ढा छोटा सा खोद दिया उसमें आपने पानी भर दिया उसे झील करने लगे नहीं वो आपके लिए झील होगी हमारे लिए झील नहीं है ठीक है तो चलिए मैंने क्या बताया धरातल के धरातल तो आप जानती हैं पृथ्वी का वाला क्षेत्र तो अगर ऐसे गड्ढे जिसमें पानी भर जाता है उनको हम क्या कहते हैं झील कहते हैं झील ज्यादातर मुख्य भूखंड पर होते हैं यानी कि जो मुख्य भूमि होती है जैसे भारत देश का है मुख्य भूखंड है उस पर ज्यादातर झीलें होती हैं लेकिन कुछ ऐसी झीलें भी होती हैं जो मुख्य भूखंड से अलग हैं जैसे कि भारत की चिलका झील है जो कि मुख्य भूखंड से अलग है बिल्कुल किनारे आकर आती हैं ठीक है यानी कि समुद्री किनारे पर बिल्कुल ठीक है? है तो कुछ ऐसी झील भी हैं जो नदी का मुहाना होती हैं कुछ ऐसी झील हैं जो जली नदी का उद्गम स्थान होती हैं समझ आ गया तो लेकिन इन झीलों की अपनी एक प्रकृति होती है या तो नदी खारेज पानी की झील होगी या फिर नदी मीठे पानी की झील होगी फिर से मैं बता देता हूं पृथ्वी पर या धरातल पर ऐसा गड्ढा जिसमें पानी भर जाता है उसको झील कहते हैं झल झील जो होती है ज्यादातर मुख्य भूखंड पर होती है लेकिन मुख्य भूखंड से अलग भी हो सकती है तो कुछ झील जो होती है नदी का महाना भी हो सकती है कुछ झील नदी का उद्गम स्थान भी हो सकती है लेकिन इन झीलों का अपनी एक प्रकृति होती है या तो नदी खारे पानी की झील होगी या फिर मीठे पानी की झील होगी तो आइए इसी मीठे और खारे को समझते हैं विश्व की प्रमुख झीलों को हम समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से ये आप देख सकते हैं एशिया वाला क्षेत्र जो है तो प्रमुख झीलें झीलों की प्रकृति कैसे कैसे कौन सी है उसकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछी नहीं जाती हैं वो मेन्स का टॉपिक होता है फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं तो आइए देखते हैं विश्व की प्रमुख झीलें सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख जो है उसको हम कहते हैं कैस्पियन सागर झील आप ये कहेंगे सागर लगा है सागर में गागर कैसे बन गया गागर में सागर कैसे बन गया भैया जो कैस्पियन सागर है यानी कि कैस्पियन नामक झील है वो इतनी बड़ी है कि इसके आकार के कारण इसको कैस्पियन झील न कह कर क्या कह देते हैं जागर कह देते हैं लेकिन यह है क्या यह है एक झील ही है तो आइए समझते हैं कैस्पियन सागर को कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है विश्व की सबसे बड़ी झील है इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो तीन लाख इकहत्तर हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह नदी फैली है गहराई की बात की जाए तो इसकी जो गहराई है 980 मीटर है यानी कि जब आप इसमें जाएंगे तो आप 980 मीटर तक इसमें जा सकते हैं उसके बाद नीचे आप खुदाई कर सकते हैं ठीक है तो जो आपकी झील है कैस्पियन सागर झील कहां पर स्थित है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ये मैं करता हूं इसको जूम यहां पर जूम करने के बाद यहां पर आप देख रहे होंगे कैस्पियन सागर झील किन किन क्षेत्रों से ये घिरी हुई है तो यहां पर सबसे पहले जो आपका देश आता है उसको कहते हैं हम इसको वैसे मैं यहां से शुरू करता हूं यहां से शुरू करेंगे तो आपका आएगा सबसे पहले अजरबै अजरबैगान ये अजरबैजान भी पढ़ सकते हैं इसको इसके बाद आता है रूस उसके बाद आता है कजाकिस्तान उसके बाद आता है आपका तुर्कमेनिस्तान उसके बाद आता है ईरान यहां पर मैंने लिख दिए हैं अजरबैजान ईरान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान सॉरी तुर्कमेनिस्तान और रूस अब ये एक दो तीन चार पांच पांच देशों से यह सीमा बनाती है अब प्रश्न पूछा जाता है कि क्या क्या उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है तो आप देख देख सकते हैं कजाकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान ने इसकी जो सीमा है ब्लॉक कर रखी है इसका मतलब यह है उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है क्या जॉर्जिया क्या जॉर्जिया सागर से सीमा बनाता है नहीं भैया नहीं बनाता क्या आर्मेनिया सीमा बनाता है नहीं बनाता क्या आप यह कहेंगे यहां पर तुर्की सीमा बनाता है? नहीं बनाता समझ आ गया ईरान बनाता है आपका अजरबैजान है कजाकिस्तान है रूस है तुर्कमेनिस्तान है अब हम आगे बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी यह झील है इतनी आपको पता चल गया विश्व की दूसरी झील के बारे में बात करते हैं इसका नाम है सुपीरियर झील सुपीरियर झील आपकी यूएसए कनाडा में स्थित है यह पूछा जाता है कि किस के कि इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है तो उसको हम कहते हैं दुलुत यहां पर आप देख सकते हैं यह है मैंने बताया सुपीरियर झील सुपीरियर झील यहां पर एक जगह है यहां पर मैं हाँ यह यूएसए और कनाडा के सीमा पर है यहीं पर एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं दुलुत यह आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर दुलुत ठीक है तो दुलुत इसी के ही के नारे पर बसा हुआ है यह पूछा गया है कई बार इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो बयासी हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है इसकी गहराई इतनी है गहराई की वैसे जरूरत नहीं है कैसपियन सागर की पूछी जा सकती है जो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है केसपी सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है सुपीरियर झील कहां पर है यूएसए और कनाडा में इसी झील के बारे में बात करें तो आपकी है ह्यूरन जो कि यूएसए और कनाडा में है यह मिशीगन में ही पड़ती है यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यह है आपका यूएसए वो यह है आपका कैनेडा और यह है यूएसए यह यहीं पर एक झील पड़ती है उसको हम कहते हैं ह्यूरन इसमें यहां पर लिखा है यूरोन या ह्यूरन भी इसको पढ़ सकते हैं तो यूरन आपका कहां पर है आपका ये है ऊपर वाला कनेडा और यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए कहां पर है आपका मिशीगन कौन सी झील है यूरन ये तीसरे सबसे बड़ी झील है इतनी तीन नदियों के बारे में तीन झीलों के बारे में जानना इतना काफी है कि कौन सी कितनी बड़ी है सबसे बड़ी कैशियन दूसरे नंबर पर सुपीरियर तीसरे नंबर पर आपकी आती है यूरन अब आगे बात करते हैं मिशीगन झील ये भी आपकी कहां पर स्थित है मिलबॉकी कहां पर स्थित है यूएसए में हाँ मैंने कहा बताया मिशिगन झील है यहां पर एक जगह पड़ती है आप यहां पर देख सकते हैं मिल जो कि कहां पर है मिशिगन में ठीक है इसके बाद ग्रेट बियर झील की बात की जाए ग्रेट बियर झील जो कि कहां पर स्थित है कैनेडा में स्थित है यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेट बेयर बेयर लिखा है ग्रेट बियर इसको लिखा देखा है मैंने तो बियर भी बताया और बेयर भी ठीक है तो ग्रेट बियर झील कहां पर है आपका कैनेडा वाला क्षेत्र इसके बाद बात की जाए ग्रेट स्वेल झील कहां पर स्थित है कनाडा वाले क्षेत्र में आप जूम करेंगे आपको मैप साथ रखना होगा आप अपने मैप में भी देखेंगे यहां पर भी देखेंगे इससे आपका डबल होमवर्क हो जाएगा ठीक है तो ग्रेट स्वेल झील इसके बाद तीसरी इसके बाद आती है इरी झील इरी झील आपकी यूएसए यानी कि कैनेडा में ही पड़ती है यूएसए और कैनेडा दोनों में है यहां पर देख सकते हैं मैंने क्या बताया ये है आपकी इरी इरी यूएसए और कैनेडा वाले क्षेत्र में यहां पर आप देख सकते हैं क्वींसलैंड क्वींसलैंड तो क्वींसलैंड में आपकी पड़ती है ये इसके बाद ग्रेट लेक जो है ग्रेट लेक बनता है पांच झीलों के संगम से या पांच झीलें मिलकर क्या बनाती हैं ग्रेट लेक बनाती हैं जिसमें आपकी आती है मिशिगन ऑन्टेरियो सुपीरियर यूरन और इरी तो आइए मैं इनको दिखा देता हूँ आप लोगों को ये पांच झील कौन कौन सी हैं मैंने बताया है, सुपीरियर यहाँ पर है मिशिगन यूरन इरी और ऑनटोरियो ठीक है ये आपकी ऑनटेरियो ठीक है तो ये है आपकी पांच झील है इस तरह से ये पांचों झील में कर क्या बनाती हैं ग्रेट लेक संयुक्त रूप से इनको क्या कहते हैं ग्रेट लेक कहते हैं कितनी झीलें है? इसमें पांच झील है मिशिगन ऑन्टोरियो सुपीरियर ह्यूरन और इरी चलिए सबके बारे में अलग अलग बता दिया था कौन सी कहाँ पर है वैसे ऑनटोरियो के बाद बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनटोरियो ये न्यूयॉर्क को ठीक उत्तर में ठीक है चलिए बात करें बिनी पेक की तो ये झील आपकी कनाडा वाले क्षेत्र में ही पड़ती है देख सकते हैं आप ये कनाडा है इसके यहां पर तो ये है आपकी मिनी वो बिनी झील आगे बात करते हैं अरल सागर झील ठीक है अरल सागर झील भी आपकी कहां पर पड़ती है अरल सागर झील भी आपकी कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान से सीमा बनाती है यह देख सकते हैं आपकी अरल सागर झील आप पूछी जाती है कि अरल सागर क्या रूस से सीमा बनाती है नहीं भैया क्या तुर्कमेनिस्तान से बनाती है नहीं भैया क्या ईरान से बनाती है भैया बिल्कुल नहीं बनाती है समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया जो अरल सागर झील है वो किससे सीमा बनाती है आपकी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से ठीक है चलिए आगे बात करते हैं बान झील कहां पर स्थित है तुर्की तुर्की को ले चलते हैं वैसे खतरना के रिया तुर्की में पहुंचते हैं तुर्की में यहां पर एक झील है इसको हम कहते हैं बान झील ठीक है चलिए टीटी काका के बारे में बात करते हैं टीटी काका झील यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चलता हूँ दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में एक देश है उसको कहते हैं पेरू पेरू के बाद यहाँ पर पड़ता है एक बोलोविया बोलोविया और पेरू के बीच में या बोलोविया और पेरू, पेरू के मध्य एक सीमा बनाने वाली झील है उसको हम कहते हैं टीटी काका झील ठीक है समझ आ गया इसके बाद विक्टोरिया झील के बारे में बात करें तो विक्टोरिया झील पड़ती है आपकी अमेरिक अफ्रीका में ठीक है तो टीटी काका पेरू और बोलोविया में तो आइए हम समझते हैं यहाँ पर विक्टोरिया झील चलते हैं ये आप देख सकते हैं ये है विक्टोरिया झील विक्टोरिया झील किन किन देशों से घिरी हुई है तो ये है आपका युगांडा ठीक केनिया तंजानिया ठीक है समझ में आ गया तीन देशों से मैंने यहाँ पर लिखा है वो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है युगांडा तंजानिया और आपका युगांडा तंजानिया और आपका ये है केन्या ठीक है यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ये जो विक्टोरिया झील है इसकी जो क्षेत्रफल है हत्तर हजार चार सौ पिचासी दूसरी सबसे गहरी झील के बारे में बात करते हैं वो है टंगा निका झील टंगा निका के बारे में भी बात करते हैं आइए समझते हैं टंगा निका यहां पर आप देख सकते हैं ये एक झील है इसको हम कहते हैं टांग्या का टांग का इस तरह से लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं टंगा निका ठीक है टांगा निका जो आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं मैंने जो बोला वो आप अपने फीलिंग के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं टांगा कहां पर है किस किस की सीमा पर है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या बताया अफ्रीका महाद्वीप में है ये ठीक कौन सी टांगा कहां कहां है कौन कौन से देश हैं इसमें कांगो ठीक कांगो गज उसके बाद तंजानिया ठिक? तंजानिया ठीक जाम्बिया और बुरुंडी मैं जूम करके दिखा देता हूं यह आपका कांगो तंजानिया जाम्बिया और बुरुंडी बुरुंडी जाम्बिया तंजानिया जाम्बिया और कांगो समझ आ गया याद हो गया हो गया चलिए तो जो टांगा निका झील है यह दूसरी सबसे गहरी झील है पहली झील कौन सी है सबसे गहरी बैकाल झील तो आइए बैकाल के भी बारे में बात कर लेते हैं बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील कहां पर स्थित है रूस में आइए रूस को भी दर्शन कर लेते हैं यह है आपकी बैकाल झील रूस में स्थित है मंगोलिया के ठीक उत्तर में एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं रूस रूस के यहां पर स्थित है बैकाल झील बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है तो आइए एक बार रिविजन करा देता हूं सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील कहां पर स्थित है आपकी रूस में कितनी गहराई है 1940 सब दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका कहां पर है कांगो तांजानिया जाम्बिया बुरुंडी कितनी गहराई है चौदह दूसरी सबसे गहरी ठीक है अरल सागर कहां है कज, 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 कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान झील कहां पर है तुर्की झील सबसे खारे पानी की झील है इसको हम आगे बात करेंगे टिटिकाका पेरू बोलिविया विक, विक्टोरिया झील अफ्रीका में युगांडा तंजानिया केरल केन्या टंगानिका झील आपको मैंने बता दी ये हो गया प्रमुख जिलों के बारे में जानकारी चलिए साथियों अब हम लोग एक नजर डाल लेते हैं एक प्रमुख टॉपिक उसको हम कहते हैं बल बल कैसे पृथ्वी पर जो कार्य करते हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल तो ये है आपका मेंस का टॉपिक है लेकिन इसमें कुछ ऐसे शब्दावली इस्तेमाल होती हैं जो कि हमने यहाँ पर अलग से समझ ली हैं वैसे ये टॉपिक की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है लेकिन हम उतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितनी हमें प्री में और हमें जानकारी के लिए जरूरी है उतना पढ़ेंगे तो आइए समझते हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या क्या और किस किस तरह से कार्य करते हैं और कौन कौन से होते हैं होता क्या है आप लोग जो पृथ्वी है उसको देखते हैं उस पर कहीं पर आप पहाड़ देखते हैं कहीं पर झीलें देखते हैं कहीं पर पठार देखते हैं कहीं पर गहरा गड्ढा देखते हैं तो कहीं ऊंची ऊंचे पहाड़ियाँ या पर्वत या पठार देखते हैं तो ये जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो उच्चावच होते हैं यानी कि ऊँची और नीचे जो होती है उनको बनाने वाले कुछ बल कार्य करते हैं उन बलों Dakar, को हम वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है उन बलों को केवल दो के बारे में हम यहां पर जानेंगे उन बलों में दो बल होते हैं जिनका नाम एक का होता है अंतर्जात बल और एक होता है बल तो ये होते किस तरह से किस तरह से कार्य करते हैं तो आइए समझते हैं पृथ्वी के धरातल पर बदलाव लाने वाले बलों की शुरुआत दो स्रोतों से होती है पहला है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल वल कौन सा होता है देखते हैं अंतर्जात बल पृथ्वी के धरातल के नीचे उत्पन्न होने वाले बलों को अंतर्जात बल कहते हैं तो मैंने क्या बताया अंतरजात बल वो होते हैं जो धरातल के नीचे उत्पन्न होने वाले बलों के कारण जो पृथ्वी के धरातल पर जो बदलाव लाते हैं उनको हम अंतर बल कहते हैं इनमें आपका भूकंप हो गया ज्वालामुखी हो गया भ्रंथ तो हो गया तनाव हो गया संपीडन हो गया बलन हो गया इनको एक एक करके समझते हैं मैं आपको हल्का समझा देता हूं भूकंप आप सभी लोग जानते हैं मैं ऊपर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ज्वालामुखी आप लोगों को मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ ब्रंश आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा संपीडन आप लोगों को मैं बता चुका हूँ संपीडन होता है धक्का मारना धक्का मुक्की करना यानी कि इस तरह से धक्का मारना यानी कि किसी दीवार पे मार लीजिए आप धक्का मार रहे हैं उसको हम संपीडन कहते हैं बलन आप लोग जानते हैं मोड़ पड़ जाना उसको बलन कहते हैं तो आइए देखते हैं दूसरा जो बल है उसको हम कहते हैं बहिर्जात बल यानी कि इन बलों की शुरुआत पृथ्वी के ऊपर होती है जिसमें दो प्रमुख होते हैं जिसमें है पहला अपर्दन और दूसरा है अपक्षय अपर्धन और अपक्षय को हम आगे करके एक एक करके जानेंगे तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बलन के बारे में तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बलन के बारे में बलन होता है मोड़ पड़ जाना बलम नहीं बलम नहीं है ये ध्यान रखें वलन लिखा है वलन ठीक तो इस तरह से जब किसी भी चीज में मोड़ पड़ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं बलन कहते हैं चलिए तो पृथ्वी के धरातल के नीचे पैदा होने वाले बल से पृथ्वी के धरातल पर मौजूद चट्टानों में क्या होता है संपीडन होता है या कहना संपीडन की स्थिति पैदा हो जाती है इससे क्या होता है चट्टानों में लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं मोड़ पड़ जाते हैं और इस तरह के मोड़ों को हम क्या कहते हैं बलन कहते हैं तो सारे बड़ा सा मैंने क्या बताया कि पृथ्वी का धरातल है मैंने बताया था कि पृथ्वी पर किस तरह के हैं प्लेटें कार्य करती हैं जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास आती है और जब मान लीजिए ये है आपकी एक प्लेट और ये है दूसरी प्लेट और बीच में कुछ माल

उनमें बलन पड़ जाता है यानी कि उनमें जो रखी रखाई होती है वो मान लीजिए मैं किसी का बीच बचाव करने जाता हूं तो मुझे वो दोनों मिलकर क्या करते हैं तोड़ मरोड़ टेढ़ा मेढ़ा करते थे यानी कि मुझ में ज्यादा बल लग जाता है और मुझ में जब बल लग जाता तो मेरी जो हड्डी है वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है कहीं पर ऊंची तो कहीं पर नीची तो इस तरह की जब मोड़ पड़ जाती है किसी भी चट्टान में या पृथ्वी के धरातल पर तो हम इसको क्या कहते हैं बलन कहते हैं ठीक है तो चट्टानों में जब मोड़ लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बलन कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक प्लेट ये है और एक प्लेट यह है ये है एक दूसरे के पास में आ रही है इसलिए क्या हुआ जो हल्की प्लेट थी हल्की प्लेट जो थी वो नीचे चली गई जो भारी प्लेट थी वो ऊपर आ गई और जिसमें माल था वो ऊपर हो जाता है और बलन के तहत क्या होता है एक पर्वत का निर्माण हो जाता है और आप लोग जानते भी हैं जो पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचे पर्वत है वो नवीन मोड़दार पर्वत है यानी कि बलन पड़ने के कारण उन पर्वतों का निर्माण हुआ है जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि आपका हिमालय आपका बलन इम, के द्वारा ही निर्माण हुआ है एंडिज आपका बलन के द्वारा ही हुआ है रॉकी आपका बलन के द्वारा हुआ है समझ आ गया तो बलन में कुछ भाग क्या होता है ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धस जाता है यानी कि ऐसा होता है जब दो आपस में लड़ रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है जब माल हो, होता है वो मान लीजिए उसमें बलन पड़ गया वो ऊपर उठ गया इधर उधर हो गया अब दोनों की बारी आ गई यानी कि दोनों एक दूसरे लड़ रहे हैं तो अब तो भैया किसी ना किसी का तो कुछ ना कुछ होगा तो कभी करण इधर हो जाता है कभी अर्जुन हो जाता है कभी चुंगा हो जाता है इधर कभी मुंगा हो जाता है तो क्या होता है जब दोनों की ये पलटा पलटी हो जाती है काफी देर के बाद तो स्थिति ऐसी आ जाती है जो कमजोर पड़ जाता है यानी कि जो हल्का पड़ जाता है उसको क्या करता है भारी वाला दवा लेता है और इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं हल्की वाली जो प्लेट थी या हल्का वाला जो क्षेत्र था वो नीचे चला गया और भारी वाला है इसके ऊपर चढ़ जाता है और इसके माल का तो आप जानते हैं वो तो ऊपर चला गया मे था ट्रेडा मेढ़ा हो किनारे हो गया तो समझ में आ गया मैंने क्या बताया बलन में कुछ भाग क्या होता है ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धस जाता है ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं और नीचे धसे हुए भाग को अविनती कहते हैं अविनती मैंने बताया था अविनत क्या होता है झुकना ठीक है तो बलन से बने हुए कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों में विश्व के नवीन मोड़दार पर्वत बलित पर्वत को, को, को बार बार देखते हैं तो उससे हमारा डर खत्म हो जाता है क्योंकि आप ऐसे ही समझ सकते हैं जब आपने पहले पुराने जमाने में उसको मौत का कुआ कह देते हैं जो दीवारों पर जो नुमाइश वगैरह लगती थी या मेला लगता था उसमें कुएं में बाइक चलाया जाती थी तो आप अंदाज लगा सकते हैं जो बाइक चलाने वाला होगा उसने भी तो कभी ना कभी पहले सीखी होगी मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं मौत के कुएँ में खेल दिखाऊं, तो मैं शुरुआत कहीं से करूँगा अब जब हम उसे देखने जाएंगे तो भैया डर तो लगेगा तो इसी तरह से ये मौत का कुआ कुआ वाला खेल मानकर आप इसको जब देखना शुरू करेंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप कुएं में बाइक चला सकते हैं आसानी से क्योंकि इतना होता है इसमें पढ़ने के लिए इतना देखने के लिए होता है ऐसा लगता है समय में याद करना होगा ऐसा कुछ नहीं कुछ प्रमुख प्रमुख जो बिंदु होते हैं उन्हीं पर ही ध्यान देना होगा आप एक बार पहाड़ देखेंगे पूरे मैप में तो उसके बाद झील देख लें ये एक बार में पहाड़ भी देख लें झील भी देख लें झरने देख, देख लें नदिया देख लें ये फलाना डिमका जटरा सब चीज एक बार में देख लें तो भैया खिचड़ी पक जाए खिचड़ी में आप समझ नहीं पाएंगे कि किसका स्वाद आ रहा है इसमें पुदीना की चटनी का आ रहा है या टमाटर की चटनी का आ रहा है तो आप पहले टमाटर की चटनी का आनंद लें उसके बाद पुदीना की चटनी का आनंद लें उसके बाद आप मिर्च के जो अचार है

आप मान लीजिए पर्वत देखेंगे तो इससे क्या होता है हम हम चीजों को समझ जाते हैं और याद हमारे दिमाग में यहां पर हो जाता है समझ में आ गया इसलिए मैंने मैप अलग अलग मैं एक बार में ही सारी चीजें दिखा सकता था आपको मैप में लेकिन उसका कोई तुक नहीं बनता आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां पर मैंने कौन सी चीज देखी है समझ में आ गया तो इसलिए मैंने नहीं किया तो समझ में आ गया चलिए आगे कर बात करते हैं बलन के बाद देखते हैं भ्रंश के बारे में भ्रंश क्या होता है भ्रंश मतलब होता है गैप मान लीजिए जो यहां पर गैप हो जाना उसको हम भ्रंश कहते हैं चलिए तो पृथ्वी के के अंतर्जात बल कारण जब धरातल पर मौजूद चट्टानों में एक तल के सहारे अपनी जगह से खिसक जाता है तो इस प्रक्रिया से बनी आकृति क्या कहलाती है भ्रंश कहलाती है मैंने क्या बताया मान लीजिए ये आपका धरातल है धरातल मान लीजिए धरातल का एक तल जो है वह आगे या पीछे या ऊपर नीचे कहीं पर भी खिसक गया तो उसके बीच में जो गैप बन गया उसको हम खाली जगह को क्या कहेंगे उसको हम भ्रंश कहेंगे ठीक है तो जिस तल के सारे चट्टाने खिस सकती हैं उसे भ्रंश तल कहते हैं ये चार प्रकार के होते हैं जिनमें से हम केवल तीन प्रकारों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे वो भी ज़्यादा गहराई से नहीं उतना जितना हम अक्सर शब्दों के बारे में सुन लेते हैं कि सामान्य भ्रंश है या भ्रंश घाटी है या रिप्ट घाटी है या ग्रेवान है या फिर पर्वत है या दो नदियों के बीच में एक भ्रंश घाटी है तो इस तरह की चीजें हम अक्सर देख लेते हैं जो कि हमारे समझ में नहीं आती कि, कि किस तरह से ये कार्य करती हैं तो इसलिए हम तीन को समझेंगे चौथे को हम छोड़ देंगे जो कि हमें यहाँ पढ़ना जरूरी नहीं है तो सबसे पहला जो है भ्रंश का प्रकार वो है सामान्य भ्रंश नॉर्मल फॉल्ट इसको कह सकते हैं व्युतक्रम फ्रंट नॉर्मल का उल्टा यानी कि फ्रंट uh, इसके बाद सोपानी फ्रंस इसको हम स्टेप इस फ्रंस कह देते हैं यहां पर तीनों प्रकार दिए हैं एक, एक सामान्य में क्या होता है ये इस तरह से खींच सकती है वो आगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और बेतक्यों में क्या होता है ये दोनों साथ साथ खींच सकती हैं और सोपानी में क्या होता है ये इस तरह से खींच सकती हैं दाया वाया तो आइए देखते हैं एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं सामान्य फ्रंस के विभस के बारे में यहां पर मैंने कुछ कलाकारी की है वो आप देख सकते हैं तो सामान्य भ्रंश में क्या होता है नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है जब भ्रंश तल के सहारे दोनों ओर की चट्टाने विपरीत दिशा में सरकती हैं तो उसको हम सामान्य भ्रंश कहते हैं समझ में आ गया यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य भ्रंश में क्या होता है ये जो है यानी कि ऊपर नीचे तो हमेशा खिसकती है लेकिन दो अपनी अपनी यानी दो दोनों चट्टाने क्या हैं विपरीत दिशा में खिस सकती है विपरीत दिशा में सरकती हैं तो उसको हम सामान्य भ्रंश कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये विपरीत दिशा में खिसक रही है यहाँ पर ये यह आगे और ये पीछे तो बीच में क्या हो रहा है गैप बन रहा है जो गैप बन जाएगा उसको ही हम भ्रंश कहेंगे ठीक है इसके बाद दूस, दूसरा क्या है व्युत्क्रम भ्रंश व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट इसके तहत क्या होता है भ्रंश तल के सारे दो चट्टाने आमने सामने खिसकती हैं और एक चट्टान एक दूसरे के क्या होती है ऊपर चढ़ जाती है यानी कि फिर से मैं आप लोगों को सामान्य से बताऊंगा सामान्य में मैंने क्या बताया एक दूसरे के विपरीत सरकती हैं और ऊपर वाली जो चट्टान होती है ऊपर वाली चट्टान से ये नीचे खिसक जाती है यानी कि इसमें क्या होता है चट्टान नीचे खिसक जाती है और जो रिवर्स होता है उसमें क्या होता है चट्टाने एक दूसरे के विपरीत न होकर क्या होती है आमने सामने खिसकती हैं यानी कि आमने सामने बढ़ती हैं और जब आमने सामने खेसकती है मैंने आप लोगों को बताया था कि आमने सामने जब सकती हैं, तो जो हल्की पड़ जाती है उसके ऊपर भारी वाली चढ़ जाएगी तो हुआ क्या यहां पर आप देख सकते हैं हल्की वाली वाली के ऊपर भारी प्लेट चढ़ गई यानी कि चुंगा के ऊपर मुंगा चढ़ गया क्योंकि चुंगा जो था वो हल्का पड़ गया और मुंगा था थोड़ा भारी पड़ गया इस तरह से ये ऊपर चढ़ गया तो इस तरह की जो भ्रंश बनी उसको हम क्या कहेंगे उसको हम व्युत्क्रम भ्रंश कहेंगे यहां पर आप देख सकते हैं ये पानी बह रहा है जब ये बृहस् घाटी बन गई तो किस तरह से ये पानी कहाँ जाएगा ये इसमें चला जाएगा इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला यहाँ पर आ जाएगा वो नीचे चला जाएगा समझ आ गया तो यहाँ पर दोनों आप समझ सकते हैं दोनों को सामान्य में ये स्थिति बन रही है व्युत में ये बन रही है यहाँ पर सामान्य में सामान्य में क्या मैंने बताया एक दूसरे के विपरीत सकते हैं और जो एक दूसरे के विपरीत खे सकते हैं और ये जो हल्की वाली होती है वो नीचे चली जाती है ठीक है यानी कि ऊपर नहीं चढ़ते हैं बल्कि जो दूसरी वाली चट्टान होती है वो नीचे खिसकते है इसमें क्या होता है में ऊपर चढ़ जाती है ठीक है चलिए चलिए सामान्य या नॉर्मल या रिवर्स से रिवर फॉल्ट से कुछ बनी आकृतियों के बारे में देख लेते हैं जो की बहुत बार पूछी जाती हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है कि जब किसी जगह दो सामान्य सामान्य मतलब नॉर्मल फॉल्ट कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह से पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग क्या होता है नीचे धंस जाता है इससे क्या होता है बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है इसे हम क्या कहते कहते हैं हैं घाटी या ग्रेवान आइए मैं आपको समझा देता हूं मैंने क्या बताया जब दो सामान्य सामान्य मतलब नॉर्मल फॉल्ट इस तरह से होते हैं कि इनका एक भाग क्या होता है ऊपर उठ जाता है यानी दो भाग ऊपर उठ जाते हैं और बीच का भाग क्या है नीचे धंस जाता है तो उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा होस्ट कहलाएगा हो ठीक है होस्ट कहलाएगा और जो झुका अंदर गहरा जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे गिरेवानिया रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली कहेंगे जैसे कि यूरोप में राइन नदी की घाटी इसके एक और वोलसेज पर्वत है और दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ठीक है इसी तरह की ये स्थिति बनी है ठीक है अगर भारत में बात की जाए तो भारत में नर्मदा नदी की जो घाटी है वह भी एक भ्रंस घाटी है यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में आपकी विन्यांचल पर्वत और नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है सतपुड़ा पर्वत घाटी

चलिए साथियों अब हम बात करते हैं स्थलाकृतियों के बारे में कौन कौन सी प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं जो कि पूरे पृथ्वी की बात हो रही है स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं तरह तरह की क्रियाओं के, के द्वारा बनाया जाता है जैसे कि आपका नदी द्वारा हवा द्वारा हिमानी या समुद्री जल के द्वारा अपर्दन या क्षिपण के द्वारा अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा ये स्थिलाकृतियाँ बनती हैं तो सबसे पहले हम जो स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे वो होगा नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के बारे में ठीक है यानी कि लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाई रिवर्स ठीक है आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एक प्रमुख है उसको हम कहते हैं छाड़न झील इसको हम बिसरपण या मोड़ यानी कि बिस्पड़ भिसर, या नदी मोड़ भी कहते हैं तो आइए समझते हैं छाड़न झील के बारे में इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसका हाँ झील के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं देखते हैं सबसे पहले तो नदी नदी क्या होती है जब ऐसे किसी मार्ग से बहती है जिसका ढाल बहुत ही मंद होता है तो नदी बिसरपड़ करने लगती है या फिर जब नदी के मार्ग में ज्यादा मलबा जमा हो जाता है तो नदी के किनारे बढ़ जाते हैं और तो नदी क्या होती है बिसरपड़ करने लगती है समझ समझाया मैंने क्या बताया नदियां होती हैं नदियां जब पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं तो बहुत तीव्र गति से आती हैं फिर मैदानी क्षेत्र पर आ जाती हैं अगर उनका ढाल है वो कभी कभी क्या होता है ढाल मान लीजिए इस तरह का है अब आप इस तरह सा है अब मान लीजिए ये बिल्कुल सपाट मैदान है तो आप मान लीजिए अगर किसी कमरे में अगर उसका ढाल नहीं समझ में आ रहा किधर है तो ढाल जब पानी डालेंगे कमरे में तो चारों ओर फैल जाएगा कि इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता भी जाएगा लेकिन अगर ढाल इस हल्का सा भी है तो पानी सीधा चलता चला जाएगा यही क्या कभी कभी क्या होता है ढाल बहुत मंद हो जाता है इसलिए इसका जो नदी का जो ढाल होता है जब मंद हो गया तो इसलिए नदी क्या होती है टेढ़ी मेढ़ी होकर बहने लगती है इस तरह से ऐसे करके ऐसे करके कभी ऐसे करके कभी ऐसे करके कभी ऐसे करके इस तरह से इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी होकर बहने लगती है इसको हम क्या कहते हैं नदी मोड़ या नदी का बिसरपण करना कहते हैं इसी से एक आकृति बनती है उसको भी हम समझते हैं छाण झील या ऑक्स वो लेक ठीक है छाड़न झील या ऑक्स वो लेक या इसको हम गोखुर झील भी कह देते हैं ऑक्स मतलब बैल होता है वो उसका जहां तक अंदाजा खुर होता है तो आइए समझते हैं जब नदी विसर्प को छोड़कर सीधे बहने लगती हैं तो इन नदियों का विसर्प या विसर्प या अवशिष्ट भाग छाण या गोखुर झील कहलाता है यानी कि आइए हम समझते हैं मैंने क्या बताया कि जब नदियों का ढाल बहुत मंद हो जाता है तो नदियां क्या होती हैं इस तरह से विसर्प पर करने लगती हैं इस तरह से नागिन डांस करने लगती हैं जब नागिन डांस करने लगती हैं या कहें विसर्प मतलब सर्फ की भांति ठीक है तो नागिन डांस जब करने लगती हैं तो क्या होता है इस तरह की आकृति बना देती हैं तो कभी कभी इस तरह की आकृति बना देती हैं तो कभी कभी ऐसे आपको मैं हल्के समझाता हूँ इस तरह से आकृति बना देती हैं कभी कभी इस तरह से ऐसे इस तरह से तो कभी कभी क्या होती है कि कभी कभी नदी जो होती है अपनी जो आकृति बनाई हुई होती है ये इस तरह की इसको कभी कभी भूल जाते हैं कि हमने कौन सा स्टेप कहां पर किया था यानी कि नागिन डांस करते हैं, तो हैं ऐसे करके एकदम झूम बराबर झूम की तरह नागिन डांस करते हैं लेकिन कभी कभी नागिन डांस का जो तरीका होता है वो कभी कभी जो हमने स्टेप मारे होते हैं कभी इस तरफ लौटना होता है कभी वो वाली कला करनी होती है तो हम जो नागिन डांस का स्टेप होते हैं ये नदी नागिन डांस का स्टेप जाती है भूल जब नागिन डांस का स्टेप भूल जाती है तो ये वाले भाग से नदी क्या होती है इससे मोड़ न करके क्या होती है नदी सीधे बहने लगती है जब यह नदी सीधे बहने लगती है तो इसका जो बचा हुआ भाग या अवशिष्ट अवशिष्ट भाग कि या बचा हुआ भाग क्या कहलाता है छाड़न झील या गोखुर झील कहलाता है गोखुर झील इसको या छाड़न झील क्यों कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है जो गाय या गाय बैल का जो खुर होता है उसके आकार का बनता है ठीक है अगर गाय न देखी या भैंस वो बैल न देखा हो तो उसका पैर जब बैठी हो तो उसका पैर पकड़ के देखना इसी तरह का बनेगा या उसका पैर है पेज पे मोहर लगवाना तो सेम इसी प्रकार का बनेगा से मैं बता दे रहा हूं कि जो नदी होती है वह जब बिस्तर पर करती है तो बिस्तर पर करते 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 जब वो डिजाइन बनाती है या पे, इस तरह के जो आकृति बनाती है तो कभी कभी क्या होती है कि वो अपनी जो स्टेप मारा होता है उस आकृति को भूल जाती है और इस आकृति को छोड़ के वह क्या करती है इस तरह से सीधे बहने लगती है इसलिए जो इसका बचा हुआ है अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है छाड़न झील या गोखुर झील कहलाता है चलिए आगे बात करते हैं गुम्पित नदी क्या होती है यह भी बिसरफर की तरह ही होता है लेकिन इसका थोड़ा तरीका अलग होता है होता क्या है जब नदी का ढाल बिल्कुल हल्का हो जाता है तो नदी क्या करती है अपने साथ जो मलवा लेकर आती है अपने साथ जो माल लेकर आती है नदी के कम ढाल होने के कारण क्या होती है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह जो माल लेकर आई है या जो अवसाद लेकर आई है वह आगे ले जा सके इसलिए क्या करती है नदी उस माल को अपने ही मार्ग में डाल देती है इससे क्या होता है नदी का अपना खुद का मार्ग ब्लॉक हो जाता है जब नदी का अपना खुद का मार्ग ब्लॉक हो जाता है या रुक जाता है तो नदी क्या करती है उस मार्ग से छोड़कर दूसरी जगह रास्ता बनाकर निकल जाती है इसी तरह से फिर ऐसी तो इसी तरह से क्या होता है ये जो नदी बह रही है इस तरह से जगह जगह बिसअ तो नहीं करती है मतलब बिसर्फ की तरह आकृति बनाती है लेकिन नदी क्या करती है बीच के भाग से छोड़ जाती है बीच में अपना माल डाल लिया और आगे बढ़ गए बीच में अपना माल डाल लिया फिर आगे बढ़ गई तो इस तरह की जो आकृति बनती है उसको हम कहते हैं गुम्फित नदी या ब्रेडेड रिवर जो कि आप भारत में कौन सी नदी है जो इस तरह की आकृति बनाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह की आकृति बनाती है तो आइए किताबी भाषा में देखते हैं जब नदी ऐसे क्षेत्र में होती है जहां का ढाल बहुत कम होता है इस कारण बाव बहुत कम हो जाता है इस कारण इसे अपना जो माल लेकर आई होती है या जो मलबा लेकर आ जाती है उस उसे ले जाने की क्षमता नहीं बचती इसलिए इस माल को इस मलबे को या इस अवसाद को अपने ही मार्ग जमा कर देती है या छोड़ देती है इस कारण नदी 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 अपना ही मार्ग रुक, नदी का अपना खुद का ही ही का का खुद जाता है 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 जिससे नदी क्या होती कई कई धाराओं धाराओं में में बट जाती बटी नदी को हम नदी कहते समझ आ गया गुम्फित नदी चलिए कैनियन और आकार की घाटी के बारे में चलिए साथियों तो कोई पर्वत है और पर्वत की चट्टान जो है बहुत कठोर है उससे कोई नदी बह रही है नदी क्या है जब पर्वत की जो कठोर चट्टान होती है उसको काट नहीं पाती बल्कि अपनी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है अपनी घाटी को ही गहरा कर पाती है यानी कि जो दायां किनारा और बायां किनारा जो होता है उसको नहीं काट पाती बल्कि अपनी घाटी को ही सिर्फ और सिर्फ गहरा करती है यानी कि अपने सिर्फ तल को काटती है इससे क्या होता है जो आकृति बनती है उसको हम गौर कहते हैं तो आइए समझते हैं इसको है। में नदियां ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों से कठोर चट्टानों पर जब बहती हैं तो नदियां चट्टानों को कठोर होने का काट नहीं पाती लेकिन यह अपनी घाटियों को गहरा करती रहती है यानी कि लंबवत अपर्दन करती है लंबवत मतलब नीचे की ओर यानी खड़ा खड़ा अपर्दन करती है दाया और बाया कि पार्श्विक अपर्दन नहीं करती यानी किनारों को नहीं काट पाती ठीक है यानी कि अपने तल को गहरा करती है किनारों को नहीं काटती जिससे क्या होता है इससे क्या होता है इससे आई आकार की या आय इसको बोलते हैं वैसे अंग्रेजों की भाषा में हम लोग इसे आई पढ़ते आए हमेशा सारी जिंदगी तो वैसे इसे बताते हैं सुना भी जाता है कि आय बोलते हैं तो आई आकार की घाटी का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं गर्ज कहते हैं यानी कि खड़े डाल की घाटी क्या कहलाती है गर्ज कहलाती है ये नदियां अपने किनारों को चौड़ा नहीं करती यानी कि जो दाया और बाया जो क्षेत्र होता है उसको नहीं काटती बल्कि इनकी जो चट्टाने हैं दोनों ओर बैसी की बैसी ही खड़ी रहती हैं इनकी पहले जैसी ही खड़ी रहती हैं जैसे कि आपका सतलज नदी जो है इसी तरह का गोरज बनाती है सिंधु नदी जो है इसी तरह का गोरज बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी इसी तरह का करती है नर्मदा नदी भी जो है अपने एक भ्रंश घाटी में बहती है जो कि गौरज टाइप बनाती है कुगंडक नदी है इसी तरह से बहती है कोसी नदी इसी तरह से इसी तरह की गोरज का निर्माण करती हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आइए कैनियन के बारे में बात कर लेते हैं कैनियन ये गोर्ज की तरह ही होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है तो उस अंतर को हम हल्का सा समझ लेते हैं ये उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ की जलवायु शुष्क होती है और साथ ही यह पहाड़ी क्षेत्र भी होता है यानी कि जो गोर्ज की तरह ही इसकी स्थिति होती है यानी कि इसकी भी ऊंचाई होती है और जलवायु थोड़ी जल जलवायु जल जल थोड़ी है उसके मुकाबले शुष्क होती है लेकिन ये अपन यहाँ की जो चट्टाने होती हैं वो ज़्यादा है कठोर नहीं होती यानी कि गोरज के, के समय क्या होती हैं गोर्ज के समय क्या असर होती है उसकी चट्टाने कठोर होती हैं बहुत अधिक लेकिन इसकी चट्टाने कठोर तो होती हैं लेकिन इतनी कठोर नहीं होती हैं कि ये अपने दायाँ बायाँ न काट सके ठीक है तो वैसे तो जो कैनियन और गोर्ज कैनियन जो है वो गोर्ज का ही विस्तृत रूप होता है लेकिन कैनियन और गोर्ज में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं उनको हम थोड़ा अंतर को समझ लेते हैं गोर्ज के दोनों किनारे बहुत ही तीव्र होते हैं यानी कि इस तरह से खड़े होते हैं कि आप अगर चाहें तो नीचे नहीं जा सकते आप जब ऊपर से नीचे झाकेंगे तो आपको एक सीधी रेखा दिखेगी आप नीचे ढाल के सारे नहीं जा सकते क्योंकि इसका ढाल बिल्कुल ना के बराबर होता है साथ ही गोर्ज की जो चौड़ाई होती है तल से लेकर ऊपर तक यानी कि ये आपका तल 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 से लेकर ऊपर तक कैसी होती है एक समान ही होती है यानी कि चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती, होती है ज्यादा चौड़ा नहीं होता क्योंकि आप यहां पर देखें कैनियन में तल इसका जो है कम चौड़ा है और यहां पर क्या है ये क्षेत्र थोड़ा ज्यादा चौड़ा है जबकि गौरज क्या होता है तल से लेकर ऊपर तक समान चौड़ाई वाला होगा यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही बराबर ही चौड़ाई होगी समझ आया जबकि कैनियन में तल जो होता है कम चौड़ा होता है यानी संकरा होता है और ऊपर की ओर जब हम बढ़ेंगे तो थोड़ी सी चौड़ाई आप यहां पर देख सकते हैं विश्व की जो प्रमुख कैनियन है उनमें सबसे प्रमुख है वो है आपकी कैनियन ठीक है तो विश्व का प्रमुख कैनियन यूएसए में के शुष्क पठार पठार पर कोलेडो कोलेडो नदी ने कॉलेडो कैनियन का निर्माण किया यानी कि यूएसए में एक का पठार है है ठीक उसमें एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं और उसी नदी के द्वारा एक घाटी बनाई गई है या एक उसकी नदी की घाटी जो है उसको हम क्या कहते हैं का कालेडो कैनियन ठीक है रेडो 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 ठेके? तो चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही बी आकर की घाटी को भी देख लेते हैं एक नजर मोटा मोटी समझ लेते हैं बी आकर की घाटी कैसी होती है ऐसे क्षेत्रों में नदियां अपने तल को काटती हैं साथ ही किनारों को भी गहरा करती हैं यानी कि ये नदियां जो होती हैं अपना किनारों को तो काटती हैं यानी कि दायां बायां तो काटती हैं साथ में अपने तल को भी गहरा करती हैं इससे क्या होता है बी आकार की घाटी का निर्माण होता है यानी कि ये नदियां जो होती हैं लंबवत कटाई करती हैं और साथ में कहती करती हैं पार्श्व कटाई यानी कि दाया यानी कि अपने किनारों को भी काटती हैं ये जो आकृति बनाती हैं वो बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं ये और कैनियन से थोड़ी सी चौड़ी होती है तो ये हो गया कैनियन घाटी। आगे बात करते हैं जल गर्तिका के बारे में तो इसको भी देख लेते हैं जल गर्तिका जल गर्तिका क्या होती है सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि ये जो है आपका झरना सॉरी झरना नहीं इसको हम वाटरफॉल कहेंगे वैसे झरना भी कह सकते हैं या जल भी कह सकते हैं इसको तो जब जल प्रपात की तली में ऊपर से जब पानी गिरता है यहाँ पर पानी गिरता है यहाँ पर तली है यहाँ पर देख सकते हैं तो जब जल प्रपात की तली में मुलायम जो चट्टान है वह आ जाती है और जब ऊपर से पानी गिर रहा है तो मुलायम चट्टान को क्या करती है ये जल प्रपात या पानी तुरंत काट देता है और उसका अप्रदन कर देता है इससे क्या होता है वहाँ पर एक छोटा सा गर्त या गड्ढा बन जाता है इस गर्त में नदी जो होती है वो इस गर्त में क्या होता है नदी का या आपका वाटरफॉल का जो पानी होता है क्या होता है भमर की तरह घूमता है चाहे वो जलप्रपात हो चाहे नदी क्योंकि नदी क्या करती है कभी कभी अपने ही तल को क्या करती है जो मुलायम चट्टान हुई उसको काट लेगी उसमें जब पानी जाएगा ना तो ऐसे भमर लेते हुए निकलेगा ऐसे करके ऊपर से आएगा एकदम गोमदार भमर बनाएगा और ऊपर निकल के आएगा ठीक है तो फिर से मैं बता देता हूँ जलप्रपात की तली में पर नदियों की तली में जब मुलायम चट्टान आ जाती है तो उसका अपर्दन हो जाता है इससे यहाँ पर क्या होता है एक छोटा सा गर्त या गड्ढा बन जाता है इस गर्त में जो नदी या जलप्रपात या फिर वाटरफॉल का जो पानी होता है भंवर की तरह घूमता है इसको क्या कहते हैं जल जलगर्तिका कहते हैं छिप्रिकाएं क्या होती हैं इसको हम समझते हैं रिवर रैपिड्स क्या होती हैं एक नजर डालते हैं इससे क्या होता है जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टाने एक साथ मौजूद होती हैं यानी कि मान लीजिए नदी इस तरह से बह रही है यहाँ पर क्या है मुलायम चट्टाने और यहाँ पर क्या है कठोर चट्टाने फिर क्या है मुलायम चट्टान कठोर चट्टान मुलायम चट्ट सॉरी मुलायम चट्टान और कठोर चट्टान इससे क्या होता है यहां पर आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये पत्थर दिख रहा है ये पत्थर दिख रहा है ये पत्थर दिख रहा है ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर ये कठोर चट्टान और यहां से जो इसको काट दिया गया इसको कहेंगे हम मुलायम चट्टान तो इससे मैंने क्या बताया जहां पर नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम दोनों प्रकार की चट्टाने जब होती हैं तो नदी इस मुलायम चट्टान को क्या करती है काट देती है इसके कारण क्या होती है नदी जब होती है मुलायम चट्टान को जब काट देती है तो नदी क्या करती है तली नदी की जो तली होती है वह उबड़ खाबड़ हो जाती है जिससे नदी का पानी क्या होता है बहुत तीव्र ढाल पर तो बहता है लेकिन झोंके ले लेकर बहता है कैसे यानी कि ए धक्का फेरपोस धक्का फेरपोस्ट धक्का फेरपोस्ट यानी कि पहले क्या होगा जो मुलायम चट्टान थी उसको काट दिया वहां पर गड्ढा हो गया फिर क्या हो गई कठोर आ गई फिर एकदम कठोर आने के बाद फिर मुलायम चट्टान आ गई तो पहले एकदम जैसे मुलायम चट्टान आने वाले होगी तो एकदम बढ़िया सा ढाल बन जाएगा एकदम जैसी ढाल बनेगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एकदम ढाल बन गया फिर क्या हुआ एकदम कठोर चट्टान आ जाएगी ढाल फिर कठोर चट्टान ढाल आप अक्सर मूवी देखते होंगे तो मूवियो में अक्सर दिखाया जाता है कि ऊपर से पानी गिरता है तो क्या होता है कभी कभी ऐसे झोंके लेते हुए दिखा देते हैं झोंके लेते हुए तो वो क्या होता है छिप्रिकाएँ होती हैं रिवर रैपिड्स होते हैं समझ में आ गया किस तरह से निर्माण होता है जब एक साथ कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें होती हैं तो इससे क्या होता है कठोर चट्टान हट जाती है मुलायम चट्टान हट जाती है और कठोर वहीं की वहीं बनी रहती है इससे जो नदी का बजल होता है वो झोंके ले लेकर चलता है ऐसे करके क्योंकि पानी आगे बढ़ा और झटका लगा क्यों आया कठोर चट्टान फिर आगे बढ़ा फिर कठोर चट्टानी झटका लगा तो इस तरह से झोंके ले लो के चलिए तो दोनों में अंतर समझ में आ गया जलगर्तिका का बनता है जब सिर्फ और सिर्फ मुलायम चट्टान होती है चलिए साथियों बात करते हैं डेल्टा के बारे में डेल्टा आप लोग जानते ही हैं क्या होता है लेकिन थोड़ा डीप में समझ लेते हैं डेल्टा जब नदी अपने मुहाने के पास पहुंचती है तो उसकी गति क्या होती है बहुत धीमी दीम, हो जाती है या कहें ढाल जो होता है बहुत मंद हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मान लीजिए गंगा नदी है गंगा नदी इस तरह से ऊपर से निकली गंगोत्री वाले क्षेत्र से और ऐसे बहते 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 और बांग्लादेश में पदमा के नाम से पहुंच जाती है और यहाँ पर क्या करती है ये मुहाने तक पहुंच जाती है यानी कि यहाँ तक आती है और आखिर में इसका जो ढाल होता है बहुत मंद हो जाता है क्यों हो जाता है इस ऊपर से यहाँ तक आई और यहाँ तक आते आते जब अपने मुहाने तक पहुंची तो मुहाने पर इसके बहुत सारा माल या कहें बहुत सारा अवसाद या सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है इसलिए क्या होता है इसका ढाल जो होता है बहुत मंद हो जाता है मंद होने के कारण क्या होता है नदी जो होती है कई सारी धाराओं में बट जाती है कई सारी धाराओं में जब बट जाती है तो इससे एक आकृति बनती है ये डेल्टा नुमा बनती है यानी कि इस तरह की आकृति बन जाती है ठीक है जो कि डेल्टा के तरह दिखती है तो आइए देख लेते हैं जब नदी अपने मुहाने के पास पहुंचती है तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है इससे यह नदी अपने मुहाने पर ही माल या मलबे को क्या करती है जमा कर देती है जिससे नदी कई धाराओं में बट जाती है जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है जिसको हम डेल्टा कहते हैं डेल्टा एक ग्रीक बर्ड माला का अक्षर यानी अल्फा बीटा गामा ऐसे करके डेल्टा फिल्टा तमाम चीजें आती हैं इसमें इसके इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए यानी डेल्टा का निर्माण करने के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि नदी की धारा का जो बहाव है वह बहुत तेज नहीं होना चाहिए साथ ही उसका ढाल है वह मंद होना चाहिए साथ ही भाटा की लहरें थोड़ी दूर होनी चाहिए यानी कि जो मुहाना है इसका इसके मुहाने से ज्वार भाटा की जो लहरें हैं वो थोड़ी दूर होनी चाहिए क्योंकि समझ में आए ना क्योंकि अगर इस तरह की अगर इसको शर्तें इसकी पूरी नहीं होती हैं तो क्या होगा डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा यही एक कारण है कि नर्मदा और तापी जैसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या करती हैं ज्वार का निर्माण करती हैं क्योंकि इसके लिए वो पूरी शर्तें नहीं हो पाती हैं यानी कि इसका ढाल जो होता है बहुत तीव्र है यानी कि नर्मदा और तापी नदियों का क्या है मुहाने तक भी ढाल बहुत तीव्र है यानी बहुत तेजी से स्पीड से पानी जाता है और इनका क्या होता है इनका मुहाना बिल्कुल ज्वार भाटे के लहरों के बिल्कुल वहीं पर है तो इनके मुहाने पर क्या होता है ज्वार भाटा के लहरें बिल्कुल आके टकराती हैं तो मुहाने पर जो भी माल इकट्ठा होता है एकदम लहरें आई और माल सारा ले गई अब बेचारा कुछ इकट्ठा ही नहीं कर पाया ये नदियाँ क्या करती हैं इन पे जो इनका ढालमंद हो और लहरों से दूर हो तो नदियां अपने महाने पर माल बहुत सारे इकट्ठे कर लेती हैं ठीक है तो मैंने क्या बताया कि यही एक कारण है कि नर्मदा तापी जैसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वार निर्माण करती हैं क्योंकि इसका जो वो क्या बोलते हैं क्योंकि इसका जो बहाव है बहुत तेज है ज्वार वाटा की लहरें मलबे को इकट्ठा नहीं होने देती हैं यानी कि नर्मदा और तापी में साथ ही ये नदियां एक भ्रंश घाटी में बहती हैं इसलिए इनकी इसकी इनकी ज्यादा सहायक नदियां भी नहीं है और साथ ही इसमें ज्यादा माल इकट्ठा नहीं हो पाता क्योंकि ब्रंसघ घाटी में बहती है यानी कि जब दोनों पर्वत हैं तो पर्वत होने से इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी बहुत कम है चलिए आगे बात करते हैं चलिए डेल्टा के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं हल्का हल्की समझ लेते हैं क्योंकि एक दो एक दो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी प्रकार कि ये पंजाकार डेल्टा कौन सा है दंताकार डेल्टा कौन सा इस तरह से आ जाते हैं तो आइए समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं चापाकार डेल्टा चाप मतलब आर्क होता है चाप के आकार का चाप किस तरह का होता है इस तरह से चाप लगाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब वो आप प्रकाल देखते हैं तो प्रकाल पे चाप किस तरह से खींचते हैं ये प्रकाल होती है आपने अगर पढ़ा हो ज्योमेट्री तो इस तरह से प्रकाल बनती है तो प्रकाल किस तरह से चाप खींचती है ये इसका वो होता है और गोले पे एक तरह से चाप खींचते थे किस तरह से इस तरह से यानी प्रकाल का मुंह यहां पर होगा और एक यहाँ पर मुंह रख के इस तरह से चाप खींचते थे तो इस तरह की ये आकृति बन जाती है तो चाप के आकार की यानी चापाकार डेल्टा ठीक है तो इसका आकार चाप या धनुष के आकार का होता है यानी कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि धनुष के आकार का या चाप के आकार का डेल्टा बनाती हैं जिसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे कि नील नदी मैं एक एक करके सबको बताऊंगा यहां पर मैं बोल दे रहा हूं नील नदी गंगा नदी रायन नदी वांगो नदी नाइजर नदी इराबदी नदी सिंधु नदी बोलगा डेन्यू लीना गोदावरी कृष्णा कावेरी ठीक है इस तरह की नदियां तो आइए एक एक करके सबका नाम बता दे रहा हूं मैं कहां पर कौन सी नदी स्थित है यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक नदी देखेंगे यहां पर एक नदी है इसको कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह है नाइजर नदी कहां पर है माली नाइजर वाले क्षेत्र में समझ में आ गया नाइजर नदी क्या बनाती है आपकी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देख सकते हैं नील नदी नील नदी क्या करती है चापाकार डेल्टा बनाती है चाप के आकार का आप देख सकते हैं धनुष के आकार का ठीक है इसके बाद यहां पर बढ़ेंगे तो यहां पर एक नदी बहती है इटली वाले क्षेत्र में इसको हम कहते हैं पो नदी जो है आपकी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है यहां पर एक नदी है जो कि आपकी जर्मनी वाले क्षेत्र में जो कि है डेन्यू नदी कैसा निर्माण करती है डेल्टा चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है यहां पर आप देखेंगे ये आपका जर्मनी ये यह है आपका यहां पर ये यह जर्मनी यहां पर इस तरह से देख सकते हैं तो जर्मनी वाले क्षेत्र में एक नदी ऐसे करके बहती 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 आती है इसको हम कहते हैं रायन नदी रायन नदी क्या करती है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है इसके बाद और आगे बढ़ेंगे यहां पर एक नदी है इसको हम कहते हैं लीना नदी लीना नदी जो है यहाँ से निकलती है ये इस तरह से मैं आप लोगों को थोड़ा डिजाइन बना के दिखा देता हूँ इस तरह से लीना नदी आई और उत्तर की ओर बहती, बहती 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 अपने मुहाने पर यहाँ आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है ठीक है तो यहां पर क्या है लीना नदी का महाना है कहां पर है रूस वाले क्षेत्र में इसके बाद वाँ और बात करें तो यहां पर हांगवो नदी है कहां पर है ये आपके चीन वाले क्षेत्र में यहां पर इसको ब्रह्मपुत्र नदी तो आप लोग सब जानते ही हैं पूरा ब्रह्मांड जानता होगा ब्रह्मपुत्र नदी कहां से कहां से निकलती है कई बार बता चुका हूं ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है चापा का बनाती है कृष्णा नदी क्या करती है चापाकार डेल्टा बनाती है सिंधु नदी क्या करती है चापाकार डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी क्या करती है चापाकार कृष्णा नदी क्या करती है चापाकार कावेरी नदी क्या करती है चापाकार पर देखेंगे एक नदी है पर है इरावदी नदी कहां पर है ये म्यांमार वाले क्षेत्र में ठीक है ये है मेकांग नदी ठीक है इंडो चीन प्रायदीप में ठीक है इसके बाद और नदियां हो गई एक दो नदी और देख लेते हैं ये आपकी बोलगा नदी जो कि क्या करती है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है तो इतना काफी है कौन कौन से क्षेत्रों में थी ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए बात करते हैं पंजाकार डेल्टा की पंजाकार डेल्टा कैसा होता है पंजा इसको हम बर्ड फुट वर्ड वर्ड वी आई आर डी वाला बर्ड मतलब चिड़िया वाला चिड़िया बोलते हैं लोग गांव में चुड़िया तो वही चिड़िया वाला डेल्ट चिड़िया का जो पंजा होता है चुड़िया नहीं चिड़िया का जो पंजा होता है चिड़िया का पंजा कैसे होता है ऐसे वो सॉरी चिड़िया का पंजा जो होता है इस तरह से इस तरह से, से चिड़िया का जो पंजा होता है इस तरह से होता है ऐसे पैर रखती है थोड़ी ड्रॉइंग कमजोर है लेकिन कोई बात नहीं आप फीलिंग अंदर आंखें मत करके महसूस करते हैं कि क्या चिड़िया का पंजा होता है तो चिड़िया के यानी पंजा का डेल्टा वर्ड फॉर डेल्टा इस पूरे पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी नदी है जो कि क्या करती है मिसिसिपी नदी है इसका नाम क्या मायने में है मिसिसिपी नदी है जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती है कैसा डेल्टा बनाती है पंजाकार डेल्टा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये गई ये इसका एक पैर ये इसका एक पैर ये इसका एक पैर ये इसका एक पैर ये, ये इसने क्या आकृति बनाई पंजाकार डेल्टा की आकृति इसने बना दी मैंने क्या बताया यहां पर ये देख सकते हैं आप इस तरह से ये आकृति बनाई इसको हम मिसिसिपी का डेल्टा कहते हैं कहां पर है मिसीसीपी नदी ये इस तरह से आती है मिसिसिपी नदी और ये चलती चली आई चलती चली आई चलती चली आई और नीचे आई अमेरिका में पूरा पार करते हुए यहां पर मिसिसिपी एक जगह पड़ती है और यहां पर इसने मेक्सिको खाड़ी में अपना जल मिसिसिपी नदी ने गिरा दिया किस तरह का डेल्टा का निर्माण किया इस तरह का यानी कि पंजाकार डेल्टा का, का निर्माण किया इसके बाद दंताकार डेल्टा की अगर बात की जाए दंता मतलब दांत दांत के आकार का जो डेल्टा बनाती है वो है आपका इटली की टाइवर नदी अब मैं इटली की टाइवर नदी कहां ढूंढूं आपको मिले चल रहा हूं इटली में सबसे पहले चल बेटा इटली पहुंच इटली में यहां पर एक है टिवेर नदी जो लिखा है ना टिवेर इसको हम कहते हैं टाइवर नदी अलग अलग भाषा में कन्वर्ट देते हैं हिंदी में इसको टावर टेवेर, पेवेर ऐसे जो मर जाए वो अपने हिसाब से इंग्लिश का जब कन्वर्ट करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं कुछ भी क्योंकि बुक को अलग दिखाना होता है तो टेवेर नदी यानी कि टाइवर नदी है जो कि इटली में रहती है ये कैसा डेल्टा बनाती है आकार यानी दांत के आकार का इसके बाद यहां पर देखेंगे स्पेन में इब्रो नदी जो है स्पेन कहाँ पर है ये आपका स्पेन स्पेन में यहां पर एक नदी देख सकते हैं इसको हम कहते हैं

या डेल्टा लंबा और संकरा होता है यानी कि डेल्टा का आकार ही होता है लेकिन संकरा और लंबा होता है इस तरह से इस तरह से होता है जबकि डेल्टा कैसा होता है डेल्टा इस तरह से होता है इस तरह से ऐसे फैला हुआ ठीक है तो ये क्या है ऐश्वरी तो अमेजन नदी का डेल्टा ऐश्वरी का निर्माण करती है नर्मदा तापी ओप विश्वला ज्वार मुक्का निर्माण

वाटरफॉल मतलब वाटरफॉल मतलब झरना या जल प्रपात इसको कहते हैं चलिए तो देखते हैं एक एक करके इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है बस न, सीधी सिंपल सी परिभाषा है उसको डायरेक्ट समझ के और कहानी खत्म कर देंगे जल प्रपात किसे कहते हैं नदी जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो उसके द्वारा जो धारा नीचे गिरती है और जो ऊपर से नीचे जो धारा गिरती है उसको हम क्या कहते हैं जल प्रपात या जो नदी ऊपर से नीचे जब गिरती है तो किसका निर्माण करती है जल प्रपात या झरना या जल सॉरी या वाटरफॉल का निर्माण करती है ठीक है तो विश्व के कुछ प्रमुख जलप्रपात है ठीक है उनको हम देख लेते हैं कहां पर और कैसे स्थित है तो एंजल जलप्रपात ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे और एक दो तीन चार पांच ही काफी है आप लोगों के लिए फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यहां पर बनाती है ठीक है तो सबसे पहला जो है वो है आपका एंजिल जलप्रपात एंजिल कहां पर स्थित है बेनजेला बेनजेला किस देश किस महाद्वीप का देश है आपका वेनेजुएला उत्तरी अमेरिका तो दक्षिणी अमेरिका का देश है यानी कि ये आपका उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका में एक चीज पड़ता है उसको हम कहते हैं वेनेजुएला यहाँ पर एक झरना है उसको हम कहते हैं एंजल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई कितनी है नौ यानी कि मीटर तुगेला तुगेला कहां पर है दक्षिण अफ्रीका में अब दक्षिण अफ्रीका कहां पर है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में जाएंगे तो यहां पर पड़ता है दक्षिण दक्षिण अफ्रीका दच्षिण अफ्रीका में एक एक जगह पड़ती है है वहां पर जलप्रपात उसको हम कहते हैं तुगेला जलप्रपात जो कि दूसरा विश्व का दूसरा सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है कितनी इसकी ऊंचाई है नौ मीटर इसके बाद उटी गोड उटी गोड के बारे में अगर बात की जाए तो ये आठ 26 मीटर ऊंचा है नॉर्वे में है नॉर्वे कहां पर है यह आप यूरोप वाला क्षेत्र यूरोप के यहां पर देखेंगे फिनलैंड फिनलैंड के ठीक उत्तर में है आपका नॉर्वे वाला क्षेत्र यहां पर क्या बनता है ओटी गोड मोंगे मौ, के बारे में बात की जाए मोंगे आठ सात सौ अस्सी मीटर इसकी ऊंचाई है यह भी नॉर्वे वाले क्षेत्र में ही स्थित है और आप यहां पर मैं नाम बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं ठीक है इनमें से चांस कम रहते हैं पूछने की फिर भी एक दो एक्स्ट्रा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुतारोजी मुता रोजी सात सौ बासठ मीटर कहां पर है जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे कहां है आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है वो सॉरी दक्षिण अफ्री अफ्रीका का एक देश है दक्षिण में जाएंगे तो यहां पर एक पड़ता है जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे की राजधानी है हर हरे ठीक है चलिए इसके बाद करें योमे माइंट योन से माइट योन से माइट की बात की जाए तो सात मीटर है कैलिफोर्निया में यूएसए नामक एक देश है उसमें एक राज्य पड़ता है उसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया ठीक है यूएसए में इसके बाद इम प्लांट ठीक है इम्प्लांट की बात की जाए तो नॉर्वे में ही स्थित है ये मैंने नॉर्वे बनाया था इसके कुकेनान छो सत्तर ज्वेला में ही है कुकेनान सुंदरलैंड न्यूजीलैंड में है यहां पर है न्यूजीलैंड यहां मैं जुम करके दिखा देता हूं प्रशांत महासागर में यहां पर न्यूजीलैंड है जो कि एक द्वीप है कील कहां पर है नॉर्वे में ही स्थित है चलिए तो ये हो गए आपके प्रमुख जलप्रपात आगे बात करते हैं डेजर्ट या इसको हम कह देते हैं मरुस्थल या इसको हम रेगिस्तान भी कह देते हैं तो चलिए देखते हैं मरुस्थल किस तरह के और कहाँ पर प्रमुख पाए जाते हैं तो इनको मैंने आप लोग ये जानते ही हैं पानी की कमी के कारण आपके मरुस्थल बनते हैं ठीक है सूखा जहां क्षेत्र होता है इस काफी है जानने के लिए बस जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है कौन से क्षेत्र में स्थित है

सियरा uh, नेवादा की बात की जाए तो ये भी यूएसए में ही है यहाँ पर इसको जूम करेंगे यहीं पर एक दिखेगा वो है आपका सियरा नेवादा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सियरा नेवादा और uh, मोजेब मैंने फिर से मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ ये आप देख सकते हैं मो जावे ठीक है मोजेब या मो जावे मोरिस्तल यहाँ पर और सोने रेन सोनो रन यहीं पर है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के ठीक उत्तर में यहाँ पर देख सकते हैं मैं मुझे मैंने आप लोगों को बता दिया सेचुरा आप लोगों को बता दिया इसके बाद सेवारा न, नेवादा मैंने आप लोगों को बता दिया उत्तरी अमेरिका में ही है इसके बाद सोने रान भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यूएसए और मैक्सिको में दो क्षेत्रों में फैला हुआ है ये सोनो रन अलग अलग नामों से लिख देते हैं हिंदी में आप इसको क्या पढ़ेंगे आप इसको पढ़ेंगे सोनो रान जो अच्छा लगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूएसए और मैक्सिको वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है ठीक है फिर से मैं आप लोगों के एक बार नजर डलवा देता हूं आपका मोजेब यूएसए में सेचुरा यूएसए में यूएसए नेवादा, नेवादा, में सोनोरान आपका यूएसए प्लस मैक्सिको दो क्षेत्रों में फैला हुआ है ठीक है इसके बाद सहारा की बात अगर कर ली जाए तो सहारा बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये कहां पर है लीबिया और नूवियन मरुस्थल इसी में ही शामिल किया गया है नीविया और नूवियन ये है आपका यहां पर देख सकते हैं ये है लीबिया का मरुस्थल और यहीं पर पड़ेगा आपका नूवियन ठीक है तो यहाँ पर कई सारे इसमें छोटे छोटे मरुस्थल में बांटा गया है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ईगुद मरुस्थल चेंच मरुस्थल ठीक है और यहाँ पर यह आपका सारा वाला क्षेत्र उत्तरी उत्तरी आपका अफ्रीका में यह सहारा मरुस्थल कालाहारी की बात की जाए तो बोधसवाना में स्थित है अब बोधसवाना कहाँ किस महाद्वीप का देश है तो आपका दक्षिण अफ्रीका सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी वाले क्षेत्र में पड़ने वाला एक न, देश है उसको कहते हैं बोधसवाना यह आपका कालाहारी ठीक है इसके बाद बात की जाए सोमाली सोमाली आपका सोमालिया में सोमालिया कहाँ है यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहीं पर यहाँ पर सोमाली प्रायद्वीप है यहीं पर एक मरुस्थल है उसको कहते हैं सोमाली मरुस्थल नावेव की बात की जाए नाम नावेव ठीक है तो ये आपका नामीबिया वाला क्षेत्र नामीबिया वाले क्षेत्र में यहां पर पड़ता है आपका मरुस्थल ये आपको क्या करना होगा जो मैंने मैप में बताए आप लोग एक बार अपने मैप में भी टिक मार लेंगे तो इससे अच्छी कुछ भी आप लोगों के लिए बात नहीं होगी ठीक है तो ये ध्यान रखें मैं ये गर्म मरुस्थल के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है चलिए तो इसके बाद आटाकामा के बारे में बात की जाए तो आटाकामा उत्तरी चिली में अब चिली कहां है भैया चिली है दक्षिणी अमेरिका का देश दक्षिणी अमेरिका का यह चिली वाला क्षेत्र चिली के ठीक ऊपर जाएंगे तो यहां पर पड़ेगा बोल आटा आटाकामा मरिस्थल कहां पर यह स्थित आपका चिली वाले क्षेत्र में उत्तरी चिली में पैटागोनिया की बात की जाए तो अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में है अर्जेंटीना कहां पर यहां पर देख सकते हैं हाँ यहां पर देख सकते हैं पेंटेगोनिया का मरिस्थल कहां पर स्थित है ये अर्जेंटीना में ठीक है दक्षिण अमेरिका का देश है चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर एक दो मरिस्थल और हैं प्रमुख गर्म वो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर थार से थार जो है उत्तर पश्चिमी भारत व पाकिस्तान यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो थार वाला जो क्षेत्र है आपका भारत में भी फैला है यानी राजस्थान वाले क्षेत्र में और कुछ भाग कहाँ है पाकिस्तान में भी ये फैला हुआ है ठीक है इसके बाद बात करें नाफुद ए अहमद सऊदी अरब में यह है आपका सऊदी अरब वाला क्षेत्र यहीं पर एक मरि मरुस्थल है उसको हम कहते हैं नाफुद बहमद ठीक है यहाँ पर इसके बाद बात की जाए दस्त ए लुत्त और लूट भी कह देते हैं कहीं का लूट भी मिल जाएगा दस्त ए लुट और दस्त ए कबीर आपका पूर्वी ईरान और दक्षिणी ईरान में है तो आइए दिखा देता हूं मैं आपको यह आपका ईरान वाला क्षेत्र ईरान का पश्चिमी ईरान कौन सा है ये वाला इम्बो सॉरी पूर्वी ईरान कौन सा है ये तो दस्त ए लुट लुट या लूट तो कहां पर है यहां पर ठीक और उत्तर पूर्व की बात की जाए तो यहां पर दस्त काबिर लिखा है कबीर या काबिर एक ही बात ठीक है चलिए आगे बात करें तो देख लेते हैं ठंडे मरिस्तलों के बारे में भी बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कहानी इसकी समाप्त करते हैं यहीं पर सबसे पहले देखते हैं गोभी मरुस्थल गोभी मंगोलिया और चीन में यह सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है कहाँ पर है यह आपका गोभी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है यह विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है इसके बाद तकला मकान तकला मकान आपका सिंक्यांग प्रांत में यानी कि चीन वाले क्षेत्र में ही है इसको हम एक चीज समझेंगे हल्के से आगे कारा कुंभ कारा कुंभ जो है तुर्कमेनिस्तान में है यहां मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, किजिल कुम जो है आपका उज़्बेकिस्तान में किजिल कुम या काजिल ठीक है मैंने बताया था भारतीय लोग बहुत विद्वान हैं वो जब अंग्रेजी भाषा का हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो जबरदस्ती का अंग्रेज बनने के चक्कर में हम उसको ज्यादा स्टाइल में कन्वर्ट करते थे ठीक है तो कायजिल या जिलकुम कहां पर है उज्बेकिस्तान एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ मरुस्थल मंगोलिया चीन में सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है तकला मकान प्रांत चीन में काराकुमे काजिलकुम उज्बेकिस्तान एक इंपॉर्टेंट बात गोभी मरुस्थल को तीन भागों में बांटा जाता है तकला मकान रेगिस्तान असलान रेगिस्तान मुरसल मुस ओडिस रेगिस्तान ठीक है तो इसका मतलब तकला मकान जो है आपका गोभी मरुस्थल का ही भाग है तो ये हो गया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट ठीक है इसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया क्या क्या हम लोगों ने इसमें पढ़ा ठीक है तो अगला वीडियो जो मैं इसका डालूंगा वो जल्द ही डालूंगा लेकिन आप शेयर करते रहें लाइक करते रहें क्योंकि जो डिसलाइक वाले लोग होते हैं वो चूकते नहीं हैं तो आपको अच्छा लगता है तो आप भी चूका ना करें क्योंकि आप ये नहीं कि सिर्फ आनंद लेने के लिए क्योंकि धरती पर बोझ न बने अगर कुछ लिया है तो उसके बदले में कुछ तो दे दें ठीक है चलिए तो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और आप शेयर करेंगे क्योंकि मेरे पास लिस्ट आती है कि कितने लोगों ने शेयर किया है और कितने बार इसको शेयर किया गया है जब ज़्यादा शेयर कर देंगे आप लोग तो मुझे अच्छा लगता है और मैं इसका क्या करता हूँ नया वीडियो की तैयारी में लग जाता हूं तो आप शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अन्य लोगों को ये जरूर भेजें व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जहां पर भी आप भेज सकते हैं तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप बना दिया है उसमें क्योंकि बार बार मुझे उसमें परमिशन देनी पड़ती थी इसलिए पूरा दिन उसी में चला जाता था इसलिए मैंने टेलीग्राम पे कर दिया है तो इसको आप देखें आनंद लें और लाभ लें तो अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम